सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक बहुत खास वीडियो आई है और ये वीडियो है एस एस सी के छत्तीस की छत्तीस शिफ्ट का सोल्यूशन एक सिंगल वीडियो के अंदर शिफ्ट का सोल्यूशन है और यह सभी बच्चों के लिए, जिनका है या या means, ना सिर्फ इनके लिए। बल्कि बहुत ज्यादा हेल्प क्योंकि एस एस सी में पूछे जाते हैं बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन और चाहे वो ग्रामर की बात कर लें चाहे वो वोकैबुलरी की बात कर लें चाहे हम कॉम्प्रीह की बात कर लें हर एक पार्ट में रिपीटेशन बहुत सारी रहती है एसएससी की तरफ से तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर की जरूर कीजिएगा साथ ही साथ में 2025 के जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपको जरूर देखनी है क्योंकि एस एग्जाम्स में अगर सबसे बड़ा कोई एग्जाम है तो वह एस एस सी का सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाने जरूरी है चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हैं चाहे आप सीपीओ दे रहे हैं चाहे आप एमटीएस दे रहे हैं चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सीजीएल के क्वेश्चन करने करने तो के लिए बहुत जरूरी है दो की तैयारी कर रहे हैं किसकी और अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप एक चीज और जो कर सकते हैं वो ये है कि आप हमारा बैच जरूर चेक आउट कर सकते हैं बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में बहुत शानदार कंटेंट आपको मिल जाएगा सिर्फ छो निनवे रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी जो कि आप सामने देख सकते हैं तो जरूर चेकआउट करें

कोई भी एग्जाम देना है चाहे चौबीस के चाहे पच्चीस के चाहे छब्बीस एक बार देख लेना ये हमारी गारंटी है बाकी इसी किताब मतलब इसी पे बेस्ड हमने किताब भी बनाई थी इंग्लिश फॉर्मूला बुक बहुत खतरनाक किताब है बहुत बच्चों का इतने गजब गजब के रिव्यूज आए आप फ्लिपकार्ट खोल के जब इसके रिव्यूज देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि किताब की वैल्यू क्या है कितनी खतरनाक किताब किताब है है कितनी जबरदस्त तो एक बार जरूर देखना और ये किताब भी आप चेक आउट कर सकते हैं लगभग घंटे तीन तीन में आप कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं इस किताब के माध्यम से तो एक बार जरूर चेकआउट करना इंग्लिश फॉर्मूला बुक फ्लिपकार्ट अवेलेबल है एमेजॉन पे भी अवेलेबल है चलो भाई सो विदाउट वेस्टिंग अब शुरुआत करेंगे क्लास की और मेरे भाई पहले ही बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा रहेगा थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहेगा और कारण बहुत साफ है भाई सेशन के बड़ा रहने का क्योंकि अगर छत्तीस का हम सोल्यूशन कराएंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा रहना तो लाजमी बनता है थोड़ा सा लंबा तो जरूर रहेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट करते हैं चलो भाई शुरुआत पहला क्वेश्चन आपके सामने माय ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन क्लास यस्टरडे ऐसे करके कुछ दे रखा है ठीक है अगर हम इस क्वेश्चन को देखें सो इन क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो तो माई ब्रदर आपका यहाँ पे क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट है परफॉर्मड आपका क्या है वर्ब है और परफॉर्मड हाउ कैसे परफॉर्म किया कैसी उसकी परफॉर्मेंस थी परफॉर्मड हाउ और हाउ का रिप्लाई ना मेरे भाई हमेशा और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हाउ के उत्तर में हमें क्या चाहिए होता है एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए होता है सो एडवर्ब की जरूरत है ये जो गुड दे रखा है ये तो आपका एडजेक्टिव है गुड आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव हम कब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की हमें कोई क्वालिटी बतानी हो यानी कि नाउन या, या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए क्या हम माय ब्रदर के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा ब्रदर गुड था नहीं मेरा ब्रदर कैसा भी था लेकिन उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया ये कहना चाह रहे हैं हम अगर ये कहना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है हमें परफॉर्म के लिए चाहिए और परफॉर्म अपने आप में वर्ब है वर्ब के लिए हम एडवर्ब लगाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि गुड जो होता है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अच्छी अच्छा ये जो वेल well है ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है ठीक तो तो है तो आप यहाँ पे क्योंकि गुड़ तो सिर्फ एडजेक्टिव है तो गुड तो आएगा नहीं तो आप वेल well लगा दीजिए अब जब वेल well, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है तो इसके मीनिंग क्या होते हैं जब वेल well, एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सही अच्छा लेकिन ये हेल्थ की बात कर रहा होता है और वेल well, जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कोई काम जो अच्छे से किया है अब आप कहोगे सर गुड बी एडजेक्टिव वेल बी एडजेक्टिव इन दोनों में क्या फर्क है देखो गुड़ का मतलब है अच्छा अच्छा का मतलब है कोई वस्तु की हम तारीफ़ कर सकते हैं या हम किसी के कैरेक्टर की तारीफ़ कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं ही इज़ अ गुड पर्सन या ही इज़ गुड वह अच्छा है लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वेल इसका मतलब है कि वह ठीक है यानी कि उसकी हेल्थ ठीक है तो अगर हेल्थ की बात करनी है तो वेल well लगा देते हैं और अदरवाइज हमें बताना है कि आदमी कैसा है तो गुड़ लगा देते हैं तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है जब ये एडजेक्टिव होता है आगे सेंटेंस में दिया है इन प्रेपोजिशन है, है और कौन सा टेस्ट जो कि हेल्ड हुआ था तो held यहां पे न, इस टेस्ट कब हुआ था ये टेस्ट तो यस्टरडे आपका टाइम बता रहा है तो आप आसानी से कह सकते हो बाकी सब सही है इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है नो अल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर ये बताना है अल्ट्रिस्टिक का देखो भाई अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दयावान टाइप का है जो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा वगैरह देता रहता है so, सो अब देखो एक आपका दे रखा है एक 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 दे 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 रखा 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 है 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 आपका फोनोटिपिकल फिनोमिनल ठीक है जैसे ही आप देखोगे आ, जो आपके ऑप्शन है देखो फिनोमिनल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी होती है ठीक है सो so, फिनोमिनल जबरदस्त ये आपका होगा नहीं ठीक है फोनोटिपिकल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है नो सच वर्ड एग्जिस्ट है ना एक जरूर होता है पी एच ई n o करके फेनोटिपिकल जिसका मीनिंग होता है लिविंग थिंग से रिलेटेड चीजें जो होती हैं उनके लिए बोलते हैं खास करके जो चीजें देखी जा सकती हैं उनकी बात करते हैं एक आपका दे रखा है फैंटेजमल फैंटेजमल का वहीं से जो फैंटेसी वाला वर्ड होता है ना आपका वहीं से कोई भी चीज अनरियल है जो

इसके बाद में देखो सब्जेक्ट को हम बाई के साथ ले जाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को बाई के साथ ले गए यहाँ पे सब्जेक्ट को बाई के साथ नहीं लेके गए हैं इनके साथ ले गए तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार है आपका विनोद हैड अ डैश इन द कार एक्सीडेंट अब देखो ये एक फ्रेज कंप्लीशन टाइप का क्वेश्चन है कि अ डैश स्केप स्केप के लिए क्या लगाते हैं देखो कार एक्सीडेंट में कंफर्टेबल स्केप नहीं लिखते हैं वाइड स्केप नहीं लिखते हैं फुल स्केप नहीं लिखते हैं नैरो हैंकेप लिखते हैं आपने ईडियम भी सुना होगा हेयर ब्रेथ इसके बोल देते हैं या बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ बोल देते हैं जिसका मतलब होता है नैरोली किसी चीज को अवॉइड करना है, narrow escape जो होता है ठीक है तो नैरो स्केप कि बाल बाल बचना बेसिकली आगे देखेंगे मिस्टर अविलास एंड फैमिली ये हैव रिसीव्ड नो अबाउट द इंसिडेंट जैसे ही देखोगे मिस्टर अविलास सब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन है उसके बाद में हिज फैमिली लिख रखा है तो हम कह सकते हैं मिस्टर अविलास एंड इज फैमिली सब्जेक्ट है तो ये तो एक से ज्यादा लोग हो गए एक से ज्यादा लोग हो गए तो इसके साथ में जो वर्ब आई है, एकदम करेक्ट है और have क्योंकि plural है, सिंगुलर होता है इसके साथ में में के बाद की आ की है, ये भी correct है। Receive को चाहिए, तो इसका हो गया और कितनी इन्फॉर्मेशन नो no. अब आपको यहीं पे एरर दिखेगा। इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब है कि इसको प्लोरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं बारह घंटे वाली वीडियो ले लीजिए या कोई भी वीडियो ले लीजिए मैंने हर वीडियो में लगभग इसको बताया होगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसमें इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है नो के साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं हम सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं और नो no के साथ में हम प्लोरल नाउन का यूज भी कर सकते हैं तो ये भी ध्यान रख लेना आपको अबाउट एक प्रपोजिशन है के बारे में और किसके बारे में तो द इंसिडेंट तो आसानी से कह सकते हैं एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखेंगे ये बेसिकली जो बोल्ड वर्ड है उसको बेसिकली सिनोनिम पूछा है तो बोल्ड यहाँ पे हरास को कर रखा है हरास करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना डराना धमकाना ठीक है परेशान करना किसी को धमकी वगैरह देना बिट्रे करने का मतलब धोखा देना होता है सूद करने का मतलब होता है किसी को राहत पहुंचाना और रैलिस करने का मतलब होता है किसी चीज को इंजॉय करना इंटीमीडिएट करने का मतलब होता है किसी को डराना तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है भाई साथ, साथ में ना आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना फायदा रहेगा आप लोगों को है ना सो बेसिकली अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है जो कि सब्सटीट्यूट कर पाए तो स्पाई फैमिली इज अ

अनअरप्टेड का मतलब है सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं कोई बीच में बाधा आपकी नहीं आ रही है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है सी इज प्रोफिशियंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस सो प्रोफिशियंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस देखो दो लैंग्वेजेस की बात होती तो बाईलिंग्वल होता है मोनो यानी कि एक के लिए आता है हेट्रो यानी कि अलग अलग हेटरो का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिफरें चीजें तो ये भी नहीं है सो so, मल्टीलिंगुअल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन वर्ड का क्वेश्चन है कई बार पढ़ा रखा अगला आपका जो वर्ड है इनवेंडो इनवेंडो मैंने पढ़ाया हुआ है इक्यावन दिन जो कैब चैलेंज चलाया था वहां पर इनवेंडो का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ एक तरीके से इशारा करना इंगित करना ठीक है इनवेंडो ये नाउन होता है अब इसका देखो प्रोज होगा नहीं प्रोज एंड कॉन्स वो तो अलग हो गया पॉजिटिव पॉइंट्स है ना रेग बेसिकली कोई चीज जो बहुत ओल्ड है खराब हो रखी है

किसी चीज को सही ठहराना बेसिकली सो आई कैन वॉच फॉर इस मैं इसकी एफिशिएंसी को बेसिकली वैलिडेट करता हूं मैं इसकी एफिशिएंसी को बेसिकली सपोर्ट करता हूं ये सही है ऐसा कहा गया है है ना तो इसका क्या पूछा गया है वाउच का अपोजिट पूछा है अगर अपोजिट पूछा है तो मेंटेन नहीं होगा इनवैलिडेट करेक्ट हो जाएगा वैलिडेट करना उसका एंटोनिम इनवैलिडेट करना विटनेस नहीं होगा और सर्टिफाई नहीं होगा सर्टिफाई तो सिनोनिम आ जाएगा विटनेस भी एक तरीके से सिनोनिम टाइप का ही मेंटेन भी वही है ठीक है आगे टॉक्सिक का सिनोनिम पूछा है टॉक्सिक का मतलब क्या होता है जहरीला ठीक है तो उसका सिनोनिम अगर पूछा है तो देखो लिसिट नहीं होगा लाउडेट्री तो तारीफ वाला हो जाता है लेंकी लंबा होता है तो लीथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अगला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के बारे में आर्ग्यू करे एक बार ऑप्शंस को देखेंगे पहला ही ऑप्शन है वेरासियस देखो दो आपके वर्ड होते हैं एक होता है है और एक ये वेरासियस वो वी ओ से बनता है ठीक है वोरासियस का मतलब होता है ग्रीडी लालची और ये वेरासियस बेसिकली शब्द बना है किससे से वेरैसिटी का मतलब होता है बेसिकली आपका सच्चाई ठीक है सो so, ये सच्चाई से रिलेटेड है, है कोई भी चीज ऐसी जो सच्चाई बताए वो वैरासियस कहलाती है इसके अलावा कावड़ तो डरपोक हो जाता है आपका रेटिशेंट जो कम बोलता है जो यूजली साइलेंट रहता है और कंटेंसियस का मतलब होता है जो हर चीज की कंटेंशन दे हर चीज के आर्ग्यूमेंट दे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा

फ्रॉम नहीं आएगा तो सिंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सोलह है आपका टू हैव बिगर फिश टू फ्राई इसका मतलब होता है ये एक एडिया है जिसका मीनिंग होता है कि आपके पास में और भी बड़े काम है करने के लिए कुछ ऐसे काम है जो आपको और करने हैं सो टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग नहीं होगा टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक नहीं होगा टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेंटल मतलब टास्क अटेंड यानी छोटे मोटे जो टास्क है उनसे बड़ा कुछ काम है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सत्रह स्पेलिंग का क्वेश्चन है और चारों वर्ड्स को अंडरलाइन करा है कौन सा आपका करेक्ट होगा देखो रिकैप्चर आपका ठीक है फिर से कैप्चर करने की बात कर रहे हैं और इवेक्टिंग इवेक्टिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है अब इसका क्या आना चाहिए एक बार पढ़ लेते हैं आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स इवेक्टिंग द एनिमी फ्रॉम वेल well फोर्टिफाइड नहीं करते मेरे भाई वो आपका जो करेक्ट वर्ब होता है इविक्ट होता है इविक्ट का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली बाहर निकाल देना ठीक है सो इविक्टिंग बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन बी है तो बी यहां पे है थर्ड ऑप्शन में ठीक है सो इट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है अट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट रियल पर्सन और इवेंट ये अभी पढ़ाया था मैंने जो मैराथन ली थी ना जो मुश्किल वाले वर्ड्स की उसमें पढ़ाया था ये, सो उसमें बताया भी था मैंने होता है, जो फ्रेंडली होता है, एक आपका पैराबल वर्ड होता, हो होता है मेरे भाई एनेकडोट का मतलब होता है किसी रियल पर्सन या मतलब किसी कैरेक्टर के बारे में किसी इवेंट के बारे में जो स्टोरी होती है उसी को बोल देते हैं ठीक है ठीके? सो आगे देखेंगे ये सारे वर्ड्स बताए थे मैंने उस दिन पोइम अलग चीज़ है स्केच बेसिकली जो पेंसिल्स वगैरह से जो बनाते हैं नरेटिव का मतलब है किसी भी चीज़ नरेटिव अच्छा वर्ड है नरेटिव का मीनिंग होता है लाइक like कोई भी एक थ्योरी को नरेटिव बोल देते हैं मतलब कोई भी चीज़ है जिसके बारे में लोगों ने एक ओपिनियन बना लिया उसको एक नरेटिव बोल देते हैं जैसे अलग अलग लोग अपना अपना नरेटिव देते हैं आगे देखेंगे यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स के लिए जो यूनिट ऑफ वेट होती है क्या होती है रिलायबल तो एडजेक्टिव है जिस पर भरोसा किया जा सकता है प्योर भी एडजेक्टिव है आपका

को पॉज करेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर मार्क करेंगे देयर इज अग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर बिफोर यानी कि ऐसा कहा गया है कि एक सेइंग है जो ये कहती है कि जो कमिंग इवेंट्स हैं जो आने वाले इवेंट्स हैं वो अपनी एक परछाई पहले से ही छोड़ देते हैं ठीक है डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू हालांकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है अब देखो जब दो सेंटेंसेस में मीनिंग वाइज हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने होते हैं अगर सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली कनेक्ट करते हैं तो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं लेकिन जब सेंटेंसेस अपने आप में सेपरेट हैं, सेपरेट है यानी कि फुल स्टॉप लगा रखा है या सेमी कॉलन लगा रखा है तो वो अलग सेंटेंसेस हैं, उनमें हमें मीनिंग कनेक्शन बनाना है तो मीनिंग कनेक्शन बनाने के लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं इनकी चर्चा मैंने बहुत बार करी भी है पहले जनरली कम लोग पढ़ाते हैं लेकिन हम अच्छे से पढ़ाते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स को है ना और कंजंक्टिव एडवर्ब्स देखो ये सारे ही हैं देयर भी है फर्दर भी है मोर एवर भी है हाव एवर भी है अब यहां पे आपको मीनिंग के हिसाब से कनेक्शन बनाना है एक तरफ कह रहा है कि देखो कि सैडो छोड़ते हैं और एक तरफ कह रहा है इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू कि हमेशा सही नहीं है यानी दोनों बातें हैं कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए देखो देअर फोर रीजन को दिखाता है फर्दर मोर एडिशन को दिखाता है मोर ओवर भी एडिशन को दिखाता है हाउ एवर आपका बेसिकली कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है लेस हो गया नंद द लेस हो गया ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं ठीक है थीके? ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं आगे समथिंग कैन हैपन विद इन सेकेंड कोई भी चीज ऐसी भी हो सकती है जो एक सेकेंड के अंदर हो जाए एंड वन में नॉट कोई व्यक्ति हो सकता है उसको रियलाइज ही ना कर पाए समझ ही ना पाए तो देखो रेसेंड नहीं होगा अफेक्ट नहीं होगा लीगलाइज नहीं होगा आपका हो जाएगा फोर्सी करना फोर्सी करना यानी पहले से देख पाना समझ पाना तो ऐसा भी हो सकता है कोई चीज एक सेकंड के अंदर हो गई और कोई उसको देख ही नहीं पाया समझ ही नहीं पाया ठीक है डे so समस्टेंसिस है, है, हैं कि कुछ instances है, कुछ examples है जो ये दिखाते हैं कि ऐसी प्रोडिक्शन जो सर्टेन साइंस के बेस पर मतलब साइंस का मतलब होता है कुछ चिन्ह या कोई एक तरीके से किसी चीज का साइन है यानी कि कोई वार्निंग कह सकते हैं वार्निंग साइन हो गया कोई चीज पहले से समझा रही है इस चीज को है ना इशारा एक तरीके से हैव गॉन रॉन्ग तो जो इशारों के ऊपर हमने एक बनाई है वो बेसिकली गलत भी चली गई है तो हम ये कह सकते हैं देखो पहले हमने कहा कि सब चीजों का ये होता है सेट होता है ज्यादातर चीजों का ठीक है जो कमिंग इवेंट्स हैं फिर हमने कॉन्ट्रास्ट दिखा कि ये कहा कि लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज बिना किसी वार्निंग के हो गई मतलब जिसको हम बिल्कुल देख ही नहीं पाए एक सेकंड के अंदर हो गई

सॉरीफर रिजल्ट the, दिखाता है और भी दिखाता है आपका यहाँ पे एडिशन कौन दिखाएगा moreover. और यही मैंने आपको बताया था कि मोरवर क्या दिखाता है आपका एडिशन दिखा देता है जैसे ही आप आगे देखेंगे इसीलिए बच्चे कह रहे थे कि मुश्किल है क्योंकि लोगों ने ये जो पार्ट है ना कंजंक्टिव एडवर्ब्स का वो पढ़ा ही नहीं है इसमें दो तो आगे आगे के ऑप्शन भी तो मुझे वैसे ही दिख रहे हैं तो इसीलिए लोगों को हो सकता है मुश्किल लगाओ आगे देख लेते हैं तो कई जगह ऐसा भी हुआ है पीपल जनरली से दैट

दे में फेल टू मेक पैक्यूलियर साउंड वो जो पैक्यूलियर का मतलब है कि स्ट्रेंज, विचित्र टाइप के जो साउंड बनाते हैं वो हो सकता है वो बनाने में फेल हो जाए, और एक्शन अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस ऐसे इवेंट्स के बारे में कुछ एक्शंस करना भूल मतलब उनको पता ही ना चले कर ही नहीं पाए डैश सम अनैचुरल कैलोमिटीज आर लाइकली टू अपी मे फोरकास्ट देयर सैडोज बाई सम बैड ओमिन फिर भी देखो ये कहा गया कि देखो ऐसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है लेकिन फिर भी एक चीज तो हम कह ही सकते हैं कि भाई कई बार सम यानी कि कुछ अननेचुरल कैलमिटीज ऐसी हैं जो कि लाइकली है पहले हो जाए जो कि फोरकास्ट करें देयर बाय सम बैड दे का मतलब है कुछ बुरी निशानी है अब देखो अब तक हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे बात को कि भाई देखो ये ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है फिर हमने कहा लेकिन फिर भी यानी कि अब दोबारा से हमने क्या किया है कॉन्ट्राडिक्ट करा है। ठीक है खुद की बात को ही क्या करा है? हमने कॉन्ट्राडिक्ट करा है so, है 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 सो देखो बिसाइड्स डिस्पाइट और अब कॉन्ट्राडिक्शन वाला तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि डिस्पाइट तो होता है आपका क्या इसको तो चाहिए ऑब्जेक्ट तो ये तो आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है अच्छा सेकंडली आप नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते हैं मेरे भाई क्योंकि सेकेंडली हम तब लगाते हैं जब हमने फर्स्टली की बात की होती जब फर्स्टली पे बात नहीं आई तो सेकंडली नहीं आएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं देयर फोर अन्यचुरल कैलॉमिटी अब फोर लगा देंगे इससे पिछली लाइन में हमने अलग बात कही थी और इसके अगली में अगर रिजल्ट देंगे पिछली लाइन में हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग फेल हो जाएं और फेल हो जाएं इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है वार्निंग ना मिले और वार्निंग ना मिले और फिर ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा कि बेसिकली कि अननेचुरल जाए तो तो मतलब जाएगा ठीक है क्या बन जाएगा आपका? Besides बन जाएगा जाएगा so, आपका पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एडवर्ब के तरीके से यूज हुआ ये क्लियरली नहीं है, आपका, है ना सो सो बिसाइड्स सम या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट अननेचुरल कैलेमिटीज को मान सकते थे लेकिन ये उस तरीके से यूज नहीं हुआ फिर कह रहा हूं मैं आपको बिसाइड्स वैसे तो आप जानते हैं अपार्ट फ्रॉम का सेंस देता है इसके अलावा तो इसके अलावा यह भी कह सकते हैं कि सम अननेचुरल कैलेमिटीज हैं हैं जो कि लाइकली होती अपीयर होने के लिए वो बेसिकली फोरकास्ट मे फोरकास्ट देयर शेडोज अपनी शेडोज फोरकास्ट कर सकती हैं बाय सम बैड बैडोमींस तो ये बात समझ कि यहाँ पे देयर फोर क्यों नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर में अपोजिट बात कही गई थी इसके आगे देखेंगे डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस अन मतलब सर्टेन अन नेचुरल हैपनिंग्स इसीलिए हम ये भी ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाई हम इस चीज को बिल्कुल कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं उन पॉसिबिलिटीज को कि एनिमल्स सेंस कर सकते हैं अननेचुरल हैपनिंग्स को तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं देखो इसके पिछली लाइन में क्या कहा गया है इसकी पिछली लाइन में कहा गया है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जो अननेचुरल नेचुरल कैलॉमिटीज हैं वो बेसिकली अपीयर करें कुछ मतलब कुछ चीजें उनकी बैड ओमींस आए यानी कि वो दिख जाए पहले से ही कि कुछ ऐसे गलत साइंस की मदद से पता चल जाए कि ऐसा कुछ गलत होने वाला है तो यहां पे कहा गया है कि ऐसा हो सकता है और यहां पे भी वही चीज कही गई है इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो नेवर द लेस नहीं आ सकता है दूसरा हाउ एवर नहीं आ सकता है अब देखो मोर ऑवर भी नहीं आएगा क्योंकि एडिशन नहीं कर रहे हैं हमने यहां पे एक फाइनल रिजल्ट बताया है कि ये जो सब बातें की है इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमें कंप्लीटली कैंसल आउट नहीं करना चाहिए अगर कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए रिजल्ट है इसका मतलब है कि आप कह सकते हो देर फोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चार ऑप्शन ए थे बाकी एक में आपका डी था तो ये आपका करेक्ट हो जाता है तो ये पहली शिफ्ट पूरी होती है आ जाओ तो फिर भाई चलते हैं शिफ्ट नंबर टू हमारी जो नौ तारीख की है ठीक है तो पहला क्वेश्चन शिफ्ट नंबर टू का आपके सामने है। ब्रेक का लैग आपका एक डियम होता है और ब्रेक का लैग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना सो so, पहला ऑप्शन दे रखा इनकरेज समवन टू एज इन रिस्की एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं गिव एडवाइस नहीं मेरे भाई सजेस्ट टेकिंग शॉर्ट ब्रेक नहीं विश समवन गुड लक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो स्पेल्ड भी लिख देते हैं इसको स्पेल्ट भी लिख देते हैं दोनों ही फॉर्म इसकी चल जाती है स्पेल वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में तो यहाँ पे देखो आई विल डेफिनेटली अटेंड तो डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ पे ये यह तीनों में अलग अलग दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बाकी के सारे के सारे गलत हैं इसमें ये ए नहीं आता है यहाँ पे ये आपका ये ई e जो है मिसिंग है ये इसीलिए गलत हो जाता है यहाँ पे आपका ई दे दिया ये इसलिए गलत हो जाता है ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है

जिसका किसी चीज में कोई भी इंटरेस्ट ना हो एक तो इंक्यूसिटिव जो क्वेश्चन कर रहा है बार बार इंटरेस्ट ले रहा है मजा ले रहा है उसमें ठीक है और इन आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है एंटोनिम पूछा स्कैरी का स्कैरी का मतलब होता है डरावना डरावने का देखो एक है प्रिस्टाइन प्रिस्टाइन का मतलब होता है कोई भी चीज जो एकदम फ्रेश हो इसका कोई मतलब नहीं है कंफर्टिंग बिल्कुल हो जाएगा जो कंफर्ट दे जो आपको बेसिकली अच्छा फील कराए ऑफुल का मतलब होता है कोई चीज बहुत बेकार ब्राइट का मतलब चमकीला होता है तो ये भी नहीं बनेगा

select the most appropriate synonym of the given word synonym पूछा है इनमें से कौन सा आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा एम्पेल होगा डिफिकल्ट होगा स्कर्स होगा या बैरन होगा अबंडेंट का अबंडेंट का मतलब होता है मेरे भाई कि बहुत मात्रा में सो so, स्कर्स होता है बहुत कम बैरन होता है बंजर डिफिकल्ट होता है मुश्किल तो एम्पेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका मतलब है पर्याप्त मात्रा में ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट करना है आपको बेसिकली बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज़ ऑफ द लॉ लो लो सैलरी सैलरी देखो एक बार पूरा देख लेते हैं ये है बेसिकली कोई चीज जो पहले लग रही थी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग ये आपने एक ईडियम सुना होगा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसका मतलब ही होता है कि कोई भी चीज जो कि एक तरीके से ब्लेसिंग का, का काम कर रही हो ठीक है ब्लेसिंग का, का काम कर रही हो तो बेसिकली क्या होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज गिफ्ट इन डिस्गाइज बून ये सब कर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला आपका क्वेश्चन है पार्ट्स दे रखे हैं बेसिकली एक तरीके से सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन है एक सेंटेंस को ब्रेक करके दे रखा है इसको अरेंज करना है मैंने इसके लिए एक मैराथन भी कराई थी पी की और बहुत अच्छी वीडियो थी ये और इस पर बहुत सारे बच्चों ने देखा भी और इसको अगर आपने देखा है तो सेंटेंस जंबल का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते ये पक्की बात है एक बार देख लेते हैं सेंटेंस जंबल है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज एंड से तो शुरू होगा ही नहीं पक्की बात है वैसे ऑप्शन या तो ए से शुरू हो रहा है या ई e से शुरू हो रहा है खत्म होने वाले दो ए पे खत्म हो रहे हैं एक बी पे एक सी पे खत्म हो रहा है ठीक है so, एक बार देख लेते हैं अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेबल इंपोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट ठीक है तो ये इस तरीके से शुरू करा है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार देखते हैं अब ये सारे पार्ट्स मैंने पढ़ के दिखा दिए देखो यहां से अगर देखें द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हम आसानी से कह सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट का, का काम कर सकता है द यूज आपका नाउन है सब्जेक्ट बन सकता है शुरुआत में आ सकता है ऑफ प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एनिमल रिसर्च ठीक है अब आप आसानी से देख सकते हैं देखो यहां से ए के बाद में सी बिल्कुल नहीं आ सकता क्यों सब्जेक्ट अगर आ गया तो उसके लिए अब कंजंक्शन नहीं चाहिए आपको पहले वर्ब चाहिए अगर वर्ब चाहिए तो हम हैज बीन से शुरू कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सो द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च Has बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस ठीक है तो आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो एडी आपको दिखेगा. फिर आप कि रहा है? In the field of scientific and medical advancements. तो से सीधे सीधे बन जाएगा आपका थ्रू सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी अच्छा थ्रू द पास्ट सेंचुरी और लास्ट में फिर आपका बेसिकली सी पे एंड हो जाएगा एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजे आसानी से कह दोगे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बहुत सिंपल सेंटेंस था ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है वन हु डज नॉट सो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड जो गुड अच्छा या बुरा कैसा भी है उस पर कोई वो नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉइक बोल देते हैं वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर करके आपका आ जाता है कई बार इसको ठीक है फोबिक डर से संबंधित होता है स्केप्टिक का मतलब है जो डाउट करता है और सिनिक का मतलब भी है जो मतलब बेसिकली लोगों पर डाउट ही कर रहा होता है ये भी एक तरीके से

बेस फॉर्म आती है इसीलिए आई विल हैव आपका आ जाएगा और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ग्रेजुएटेड यानी कि आप आसानी से कह सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन फिर अगर हम आगे देखते हैं तो फ्रॉम आपका प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉलेज कॉलेज आपका क्योंकि नाउन है और एक ऐसा शब्द है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते है, ठीक है एंड एंड आपका कंजंक्शन है अब देखो एंड के पहले वर्ब जो फॉर्म में लगाइए आपको बाद में भी लगानी है अब अगर इस लॉजिक से देखें तो स्टार्टिंग आपका गलत हो जाता है

सिंगल टाइम एक्शन है या तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा इसका मतलब है ये तो वैसे भी परफेक्ट में आपका नहीं आना चाहिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी एरर आपका होना चाहिए वैसे अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन है इतना आसान कि कोई भी क्या करेगा विल के बाद में हेड देखेगा और उसको गलत मार्क कर देगा और हैव लगा देगा लेकिन कायदे से ये क्वेश्चन आपका बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए अगर आप में से किसी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि विल के बाद में हैव आएगा बिल्कुल सही बात है आपका बी पार्ट में एरर है एकदम करेक्ट बात है लेकिन आपका सी पार्ट जो है वो भी एकदम गलत है और यहाँ पे स्टार्टिंग की जगह पे स्टार्टेड आपको लिखना चाहिए यानी कि अगर आपकी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो आप चैलेंज कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे स्टार्टेड आपका करेक्ट आना चाहिए था ठीक है तो दो जगह एरर है इसमें और माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग के फील्ड में ये कर चुका हूंगा यानी कि ये बी सेंटेंस आप अगेन फिर कह रहा हूं चैलेंज कर सकते हैं ठीक है चलो भाई बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बाकी एलिगेशन जो आरोप होता है और होता, होता, होता आपका और एलोकेशन किसी चीज को एलोकेट करना नहीं बांटना ठीक है बंटवारा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है पोल्यूशन इंक्रीज्ड सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अब देखो लेवल ना लार्जली नहीं है, होते हैं। लार्ज बेसिकली क्या होता है एक स्केल के लिए बोल सकते हैं लार्ज स्केल या लार्ज बेसिकली एरिया वगैरह को कवर करते हुए सो so, भी नहीं होगा primarily मतलब जो कोई मुख्य रूप से हो चीफली भी नहीं होगा स्लोली भी नहीं होगा बेसिकली इंक्रीज हो चुके हैं बहुत ज्यादा सो हाईली तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सो हाईली नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं इसको अरेंज करके हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है ठीक है तो यहां पे देखेंगे ये क्या-क्या बन सकता है टू द देखो एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग तो इट्स किसके लिए आया है? ये हमें पता नहीं है तो हम बेसिकली ओ से शुरू नहीं करना चाहिए ओ से ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा पी से है द सिटी बस वाज ओवरक्राउडेड ओवरक्राउडेड और इसके बाद में एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द देखो अपॉर्चुनिटी टू somebody होता है ये तुम आसानी से कह सकते हैं ठीक है तो टू somebody यानी कि

अक्सर करके लोग पिक पॉकेटर बोल देते हैं ठीक है तो वो गलत वर्ड होता है ठीक है आगे देखेंगे भाई अगला आपका जो क्वेश्चन है सिनोनिम पूछा है है बर्जक बर्जक का बेसिकली क्या होता आपने अक्सर करके अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो सुनते होंगे जब कोई प्लेयर बहुत ज्यादा तेज खेलने लग जाए अचानक से मतलब बहुत ज्यादा मारपिटाई करने लग जाए तो हम कहते हैं ही वेंट वर्जक वर्जक का मतलब है एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई काम करना ठीक है तो इसका सिनोनिम अगर पूछा है सो so बेसिकली इसका क्या हो जाएगा डिमेंटेड हो जाएगा थोड़ा सा हल्का सा पागल आ गया उसके अंदर, absurd नहीं होगा ठीक है लेजी आपका जिद्दी होता है ऑप्शन अच्छा एरर का क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता है साथ में हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं सो एवरी स्टूडेंट लिखना पड़ेगा एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू डेली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड बाकी सब सही है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे मेरे भाई अगला आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन का है ना जैसे पे सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन देखने की जरूरत है आपको सेलेक्ट द मोस्ट मोस्ट्रोप्रेट ऑप्शन दैट कैन द द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस कहा गया है कि वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो कि सब्सटीट्यूट कर सके बेसिकली किसको जो अंडरलाइन सेक्शन है अच्छा आगे जो दिया है ना इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नीड ही नहीं है कोई जरूरत ही नहीं है यानी देखो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है अगर आपको लगता है कोई जरूरत नहीं है तो मत करो सब्सिट्यूट तो आप एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये सेंटेंस है ना स्प्रेडिंग अवेयरनेस देखो स्प्रेडिंग आपका एक जीरण है और ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में आई एनजी फॉर्म में जीरण है नाउन का काम करेगा और क्या स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं हम अवेयरनेस भाई किस चीज के बारे में अवेयरनेस है तो अबाउट एक प्रपोजिशन हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द राइट्स भाई किसके राइट्स तो ऑफ एक प्रोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कंज्यूमर्स ठीक है एंड आपका कंजंक्शन आ गया और दूसरी चीज की बात हम क्या कर रहे हैं द रिलीफ रिलीफ की बात कर रहे हैं कौन सी रिलीफ जो कि ओपन है किसके लिए मेरे भाई तो अवेयरनेस फैला रहे हैं हम किसके बारे में राइट्स के बारे में और रिलीफ के बारे में कौन सी रिलीफ जो कि ओपन है किसके लिए ओपन है टू देम टू देम यानी कि टू द कंज्यूमर्स ठीक है इन केस इन केस आपका एक कंजंक्शन है अच्छा इन केस अगर आपका एक कंजंक्शन है तो इसके साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए इन केस बेसिकली दिखाता है किसी चीज का बेसिकली प्रिकॉशन दिखाता है कि अगर ऐसा हो ठीक है या अगर ऐसा मतलब कहीं ऐसा ना हो ये वाले सेंस में भी आ जाता है तो कुछ चीज को तैयार करने के लिए यानी कि अगर उनके साथ में ऐसा हो कि उनको कोई चीज ना मिले तो वही यहां पे दे रखा है इनकेस दे आपका सब्जेक्ट हो गया ठीक बात है did not get did के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई which में not आ गया एकदम सही बात है ठीक है और क्या नहीं मिले their monies worth of goods अब देखो ध्यान रखना आपको worth के पहले जब हम ऐसे नाउन लगाते हैं तो हम जनरली उसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी के साथ लिख रखा है बिल्कुल सही है worth of goods भी लिख दिया यानी कि जितना उनका पैसा था उसके worth की गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं सब कुछ सही है यहां तक आगे अब तक क्योंकि सेंटेंस का ना सब्जेक्ट नहीं आया था जो अवेयर जो स्प्रेडिंग हमने शुरुआत में सब्जेक्ट बताया था उसके लिए वर्ब नहीं आया अब तक है ना जो सब्जेक्ट बताया था उसके लिए वर्ब बेसिकली क्या है हैज हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब राइटली एक एडवर्ब है इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बीन और बीन और के बाद में क्योंकि पैसिव सेंटेंस है है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती बी प्लस बी थ्री आपका थर्ड फॉर्म है इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है आइडेंटिफाई के साथ में जनरली एच आ भी जाता है और इसको ड्रॉप भी कर देते हैं कैसे आइडेंटिफाई किया गया है एज दी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी माना गया है देखा जाए तो सेंटेंस को इंप्रूव करने की तो कोई जरूरत नहीं है हालांकि सेंटेंस बेटर तब होता यहां पे डिड नॉट की जगह पे डू नॉट होता है क्योंकि हम पास्ट की किसी घटना की बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल फैक्ट ठीक है हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं ये फैक्ट है कि भाई अवेयरनेस फैलानी है आपको किसके बारे में मतलब अवेयरनेस फैलानी आपको जो कंज्यूमर्स के अधिकार हैं और उनके लिए जो रिलीफ है अगर उनको कोई सामान नहीं मिला था या नहीं मिलता है तो जनरली हमें कहना चाहिए नहीं मिलता है यानी कि यहां पे पास्ट होने का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था लेकिन फिर भी पास्ट भी चल सकता है तो लेकिन बेस्ट आंसर होता अगर यहां पे दे डू नॉट गेट होता लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या डू नॉट के साथ में काम चल जाएगा आप देखोगे यहां पे विल नॉट आ रखा है विल नॉट गेट देयर मनी इज बर्थ विल नॉट तो जनरली इनकेस के साथ हमें लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि इफ हो गया इनकेस हो गया इनके साथ में सामान्यतः सेल विल को हम नहीं लगाते हैं तो डू नॉट तो है नहीं अच्छा डिड नॉट के साथ में गेटिंग कर दिया वर्क आई एनजी फॉर्म डू में डिड के साथ में आती नहीं है तो ये आपका वैसे गलत हो जाएगा एक है वर अनेबल टू गेट देखो डिड नॉट गेट कहें या वर अनेबल टू गेट कहें कायदे की बात है दोनों ही सही हो सकते हैं सही ये भी हो सकता है वर अनेबल टू गेट देयर मनी इज बर्थ कह सकते हैं और हम सही इसको भी कह सकते हैं जो पहले से गिवन है इसका मतलब है कि पार्ट ए भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है और अगर डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की तो मत करो हमको लग रहा है कि अगर इसकी जगह पर नॉट वाला होता तो तो जरूरत थी इंप्रूव करने की लेकिन डू नॉट वाला तो ऑप्शन भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वर लगाने में से तो फिर भी पास्ट में रह रहा है तो इंप्रूव किया क्या कुछ नहीं किया कायदे की बात यह है कि ऐसे सेंटेंस देने नहीं चाहिए क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो कुछ तो इंप्रूव करवाओ अगर इंप्रूव नहीं करवा रहे हो तो नो no को मार्क क्योंकि आप कह रहे नो no, नो no होना चाहिए एसएससी की आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो ये वर्थ वाला दिया गया है ठीक है वर्थ वाला दिया ये सॉरी ये वर अनेबल वाला दिया गया यानी ए ऑप्शन दिया गया है लेकिन मेरा सवाल यह है एसएससी से कि ये क्यों नहीं ये भी हो सकता है मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज जरूर करें और ये आपका बेनिफिट टू ऑल जाना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों एप्सोल्यूटली करेक्ट है अब यहां पे एक थ्योरी यह भी आएगी कि सर आप भी बताते कि हो कि अगर ऐसा हो कि नो सब्स्टिट्यूशन भी करेक्ट है और एक ऑप्शन करेक्ट है तो नो no सब्सिट्यूशन को मार्क ना करके हमें इस वाले ऑप्शन को मार्क करना चाहिए लेकिन वहां डायरेक्शन होता है वो कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो बेस्ट चूज करो अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन इसको नहीं कर पा रहा है तो नो no सब्सिट्यूशन लिखो लेकिन यहां पे यह नहीं लिखा है कि कोई नहीं कर पा रहा है यहां पे लिखा है कि अगर आपको लगता है देयर इज नो नीड अगर जरूरत नहीं है तो मत करो हम तो कह रहे हैं कि जरूरत है ही नहीं जो दे रखा है वो सही है अगर इस क्वेश्चन का आप रिसोर्स चेक करोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2021 का एक आर्टिकल आप उठाओगे उस आर्टिकल के अंदर से सेंटेंस उठाया है और उस आर्टिकल में जो ओरिजिनल था वो बेसिकली डिड नॉट गेट देयर मनी दे रखा था यानी कि अगर ओरिजिनल सेंटेंस पे भी जाओगे तो वहां पे भी डिड था आपने इंप्रूव क्या किया कुछ भी नहीं इसका मतलब है अगर इसका बेस्ट आंसर आंसर भी लगाते तो नो आपका करेक्ट होना चाहिए था तो जिन भी बच्चों का ये पेपर था कौन सी शिफ्ट का नौ नौ दो हजार चौबीस टू यानी कि नौ सेप्टेबर शिफ्ट वालों का है इस मार्क्स आपको मिलने चाहिए या तो इसका आंसर बी होना चाहिए नहीं तो इसका बेस्ट आंसर है कि नो सॉरी बेनिफिट टू ऑल कर दीजिए वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा ठीक है अगर आपकी नजर में कोई और भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको गलत लग रहा है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें अगला आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड कहते हैं अंडरलाइन वाला जो है एले एले का मतलब होता है किसी चीज को कम करना बेसिकली वो मैं इसको ने एक ट्रिक से भी याद करवाता हूँ जैसे मान लीजिए आपको कोई दुख दर्द पीड़ा है तो जो आपका बाबू है ना वो कहता है अले 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 मेला बाबू तो ऐसे क्या कर रहा होता है आपको शांत कराने की कोशिश करता है ठीक है शांत कराने की एले so, का मतलब होता है क्या दुख दर्द को शांत कराना एंजाइटी वगैरह को शांत कराना इसका एंटोनिम पूछा है सो so, बेसिकली देखो सिंपलीफाई तो कम करने के सेंस में ही मिटिगेट भी कम करना होता है मोलीफाई भी कम करना होता है सो so, एग्रावेट आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा

तो मस्ट बी डन है तो मस्ट डू से बन जाएगा इसका ये विल आ गया ये शुड आ गया ये do आ गया गया आपका second option, correct answer हो जाएगा देखो इसका एक क्या मतलब है शुरू नहीं कर सकते इसके अलावा कहा गया है कि अच्छा देखो दीज कैन टर्न अराउंड तो दीज किसके लिए आया है एक तो ऑब्जर्वेटरीज के लिए आ सकता ये है एक यहां पे आपको टेलीस्कोप दिख रहा है इसके लिए आ सकता है ये भी प्लोरल है जिसके लिए आया होगा उसके जस्ट पहले वही वाला सेंटेंस आएगा अब एक बात बताइएगा टर्न अराउंड आप किसको करोगे ऑब्जर्वेटरी को ऑब्जर्वेटरी तो स्थान है उसको थोड़ी ना घुमाओगे घूमेगा क्या बेसिकली टेलीस्कोप तो पक्की बात है डी के बाद में ए आएगा अब डी के बाद में ए आपको कहां दिख रहा है इस वाले में तो दिख नहीं रहा यह एलिमिनेट हो जाता है यहां पर दिख रहा है यहां पे दिख रहा है सी में लिख रहा है दे आर मोस्टली दे क्या इससे तो शुरू कर ही नहीं सकते थे मतलब है गलत है ऑब्जर्वेटरी से शुरू कर देंगे ऑब्जर्वेटरी के लिए दे आ गया इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे ये क्लोज टेस्ट है मैं थोड़ा साइड होता हूँ एक बार खुद से पढ़े और आंसर करने का प्रयास करें देखिएगा आज देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से और भाई किस चीज की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं देखो एक तो आपके मन में आ सकता है फ्रॉम के साथ टू आएगा लेकिन किस चीज की शुरुआत से एटीन तक की बात कर रहे हैं तो वो तो हो नहीं सकता टू होता तो भी नहीं आंसर होता हम बात कर रहे हैं बिगनिंग और किसकी बिगनिंग भाई एटीनथ सेंचुरी की बिगनिंग तो जब रिलेशन बताते हैं दो चीजों का संबंध बताते हैं तो कौन सा प्रिपोजिशन आता है ऑफ आ जाता है इनका कोई लॉजिक नहीं है ऑन का भी नहीं है और अबाउट का भी नहीं है अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत से द लेडीज और कहां की लेडीज तो यूरोपियन सिटीज यूरोपियन सिटीज की जो लेडीज थी कवर्ड डैश फेसेस भाई उनके फेसेस को कवर करेंगे खुद के तो पॉजेसिव केस लगाना है तो देयर फेसेस आ जाएगा ये तो देम ऑब्जेक्ट होता है ये दे आर का सेंस देता है सब्जेक्ट और वो ये एडवर्ब होता है प्लेस का उनके फेसेस को कवर करती थी इन लेयर्स ऑफ पेंट पेंट के लेयर में एंड पाउडर ये वही पेंट ये मेकअप की बात कर रहे हैं भाई समझ रहे हो

बाई द अर्जेंट नीड टू डिस्ट रेवेजेसिकलीस लेफ्ट देर फेसिस पिटेड एंड स्केटेड अब स्मॉल पॉक्स की वजह से क्या था अब देखो इसके लिए आपको क्या लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए अब यह बेसिकली क्या आपका वस्तु के सेंस में आया तो हु तो बिल्कुल नहीं आ सकता है ठीक है और वैन बेसिकली आपका ये टाइम की बात कर रहा है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं दो बच्चे आपके पास में एक है दैट एक है विच अब आपको पता होना चाहिए हमने बात भी करी है कई बार बारह घंटे वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी ये कॉमा आ जाता है ना मेरे भाई कॉमा आ गया इसका मतलब है कि ये आपकी आगे की जो क्लॉज है इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं यानी कि कॉमा के बाद में कभी भी दैट नहीं आता क्या आ जाएगा आपका विच आ जाएगा ये करेक्ट आंसर है सो विच देयर फेसेस पिटेड एंड स्कैर्ड ठीक है तो ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड और इसी पीरियड के दौरान द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एक ब्यूटी स्पॉट इंट्रोड्यूस किया गया था टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट सो एक फेशियल डिफेक्ट को बेसिकली सो कवर टू होगा कवर फोर होगा कवर ऑन होगा या कवर अप होगा ठीक है अब आप जानते ही हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं कवर अप करते हैं आपने सुना है ना बार बार कि चलो इसके लिए कवर, इसको कवर अप करते हैं तो कवर अप आप आपका करेक्ट फ्रेजल फ्रेजलवर हो जाएगा ये ऐसे लग रहा है जैसे ना टॉपिक वाइज क्लोज टेस्ट जो हमारे हैं वहां से कुछ उठा लिया हो एक क्लोज टेस्ट ऐसा आ गया जिसमें सारे के सारे कंजंक्टिव एडवर्ब दे दिए हमारी क्रांति किताब में हमने इस तरीके के क्लोज टेस्ट दिए जो एक ही टॉपिक के क्लोज टेस्ट दे रखे हो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ऐसे ही यहाँ पे ये उठा लिया पेड बैचेज में भी हम कराते हैं वीओडी बैच में भी इंग्लिश के बड़े अच्छे से ये चीज़ पढ़ाई है हमने के मतलब टॉपिक वाइज क्लोज टेस्ट जैसे एक क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा प्रपोजिशन पे बेस्ड करा दिया एक पूरा का पूरा आपका फ्रेजल वर्ब्स वगैरह पे करा दिया तो ये आपका

देखो कौन से एरिया में फैक्ट्रीज होती हैं आप खुद से बताइए क्या मैकेनिकल एरिया में होती है नहीं होती है क्या सर्विसबल में होती है नहीं इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल दो वर्ड है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती मेहनती एरिया नहीं भाई इंडस्ट्रियल एरिया होता है बेसिकली जो औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन दी लॉकर ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड इंप्रूव so, करना है तो जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता उसको बेसिकली क्या कह देते हैं एक्सेसिबल जहां पे एक्सेस नहीं किया जा सकता इनएक्सिबल बोल देते हैं उसको आगे देखेंगे आई आर डांसिंग नहीं जो आई एम डांसिंग विथ माई हस्बेंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग मैं अपनी बहन की शादी में अपने पति के साथ नाच रही हूं कोई लेडी अपने फोन पर बता रही है ये बात ठीक है सो आई एम डांसिंग ठीक है वैसे आई वॉज डांसिंग लिख देते तो और भी ज्यादा ठीक रहता ये क्योंकि ऐसे एक्शन जनरली बाद में बताए जाते हैं कि मैं अपनी बहन की शादी में अपने पति के साथ नाच रही थी ठीक है ठीक है एम लिख दो वॉज लिख दो डजेंट मैटर आगे देखेंगे आर गलत है ये पक्की बात है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स एक ऐसा ऑर्डर जो कि बेसिकली लोगों को अंदर अब आप, आपको पैंडमिक का टाइम याद है ना कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब लगता था तो लॉकडाउन बेसिकली लग रहा था तो हम क्या कहते थे रिस्ट्रिक्शन लगी है चेक इन लगा या कर्फ्यू आप कहोगे सर कर्फ्यू लगता है कर्फ्यू लग गया यानी कि लोग घरों में रहेंगे कोई दुकान नहीं खुलेगी कोई कुछ नहीं होगा है ना आगे देखेंगे एडेबल का करेक्ट मीनिंग पूछा एडेबल का मतलब होता है बेसिकली खाने लायक ठीक है सो देखो नॉइसम नहीं होगा इसके अलावा आपका मॉर्टल तो जो मरते हैं लोग उनके लिए नॉक्सियस का मतलब होता है खराब न्यूट्रिटिव हो जाएगा जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो ठीक है तो न्यूट्रेटिव हो जाएगा वैसे कायदे से एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये एडेबल का न्यूट्रेटिव लेकिन मतलब दिए गए ऑप्शन में से एक चूज करना है क्योंकि इन्होंने कहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड जो इनमें से सबसे बढ़िया है वो बताओ तो न्यूट्रेटिव हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाई द पीपल जैसे आप देखोगे भाई विल बी मेड है यानी कि आपका कौन सा टेंस है फ्यूचर का टेंस है आपको पैसिव में दे रखा है एक्टिव में बताना है तो विल प्लस वी बन आ जाएगा यहाँ पे विल बी मेकिंग नहीं बन सकता है विल मेक हो सकता है विल बी मेड नहीं बनेगा ठीक है सेल बी मेड नहीं बनेगा एक ही ऑप्शन बच्चा यही करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे सातवां क्वेश्चन है आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टूडे अब आपको रिसीव्ड की ना करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है ये रिसीव कहीं जगह पर आई ई आई वैसी कर दिया फालतू में ठीक है सो so बेसिकली कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर ई सी ई आई वी ई वाला जो करेक्ट होता है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट एंटोनिम मिजरेबल का मतलब होता है जो बहुत खराब हालत में हो, बुरी हालत में खराब हालत में सो so, मिजरेबल का एंटोनिम अगर आपको पत, बताना है तो रिस्ट्रेंड नहीं होगा मेलोडियस नहीं होगा ठीक है चीयरफुल आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ठीक है रिस्ट्रेंट का मतलब है जो रोक रखा हो मेलोडियस जो बड़ी अच्छी लगे कानों को सेटल्ड जो एक जगह पे सेटल है तो चीयफुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका है टाउट टाउट का मतलब होता है कोई चीज जो स्ट्रेच फॉर्म में हो स्ट्रेच खींची हुई हो और कोई चीज अगर खींची हुई है तो वो अपने आप अप में क्या हो जाएगी टाइट हो जाएगी तो टाउट का जो करेक्ट सिनोनिम है वो टाइट आ जाएगा टॉर्न का मतलब जो फाड़ा हुआ है स्लैक का मतलब ढीला होता है बेसिकली नेक्स्ट देखेंगे आगे ये फ्लैसिड वाला भी फ्लेक्सिड वाला भी में आता है, समझदारी, समझदारी खत्म हो जाए तो ऐसा ही सेंस समझदारी खत्म हो गई तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा सो सो वर्ड कन्फ्यूज और अनोईड सो वर्ड कन्फ्यूज और इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन सो वर्ड कन्फ्यूज और डज नॉट नो वॉट टू डू देखो अनकॉन्सियस नहीं बनेगी उसको ये नहीं समझ आएगा कि आगे क्या करना है आप आसानी से कह दोगे नहीं ये तो गलत हो जाएगा अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है ना सो so, काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता यह तो हो जाएगा गल, गलत वरिड एंड कंफ्यूज्ड और अनोयड अनकॉन्सियस अनकॉन्सियस यानी कि उसको होश नहीं रहा ठीक है ये भी नहीं बनेगा बेहोश होने से कोई सेंस नहीं है इसका ठीक है आगे सो वर्ड कन्फ्यूज और अनोयड इंसल्ट no करने का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें सो वर इड कंफ्यूज और डज नॉट नो वॉट टू डू ये वाला सही हो जाएगा उसको नहीं पता था क्या करना चाहिए विट्स एंड यानी समझदारी खत्म अब नहीं पता क्या करना है कंफ्यूज है अब आगे देखेंगे ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका द इलेबोरेट स्लेबी हैड टू बी डैश समराइज टू मेक अ

नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन टू स्टील फ्रॉम अ शॉप स्टील फ्रॉम अ शॉप ये देखो हमने अपनी वो कैब संजीवनी में भी दे रखा है ये इडियम ठीक है और ये कहीं मिलेगा नहीं आपको इसको हम बोलते हैं फाइव फिंगर डिस्काउंट फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है कहीं से बेसिकली चोरी कर लेना या एक तरीके से कहीं हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट पर ले आना कोई चीज फ्री में मिल जाना या किसी चीज को चुरा लेना यही होता है आपका बेसिकली फाइव फिंगर डिस्काउंट ठीक है ग्रीन थम्ब आपका नहीं होगा संजीवनी में गिवन है सेकंड एडिशन में भी थर्ड एडिशन में भी है थर्ड एडिशन आने वाला है ब्लैक सीप का मतलब बेसिकली क्या होता है आपका ब्लैक सीप का मतलब होता है देखो ग्रीन थंब होता है गार्डनिंग वाला ब्लैक सीप जो डिसग्रेस का कारण बन जाए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका अगला क्वेश्चन आपका स्पेलिंग का है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है देखो अकोमोडेट अकोमोडेट करना है नहीं किसी को जगह देना ये तो सही है प्रिविलेज भी सही है और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है डी का ध्यान रह जाता है कुछ लोगों को ध्यान नहीं होता है करेक्ट स्पेलिंग तो जी इसमें नहीं होता है ये करेक्ट -E -E होता है तो ये भी सही दे रखा है अब देखो की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है वी 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 एस एस तो वी आई होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं ठीक है मिशिवस बोलते हैं इसको सो मिशिवियस बेसिकली एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस तो वहां पे जो एक एक्स्ट्रा आई है वो नहीं होता है तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा मिलेनियम की सही दे रखिए क्वेश्चन दे रखा बेसिकली ईच पार्टिसिपेंट हैव वेल इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ईच के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर आती है तो पार्टिसिपेंट के साथ हैव जो है वो गलत हो जाएगा तो नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता था ऑप्शन भी नहीं दिया है वर आ नहीं सकता है आ नहीं सकता ये गलत हो जाएगा Each participant has है और यहां पे है। अब अब देखो के के साथ में third form आएगी तो passive sense बनेगा। के साथ में में आएगी आएगी तो तो बनेगा। बनेगा। कुछ perform करेगा या उसको perform किया जाएगा? आप कि सर परफॉर्म करेगा? अगर परफॉर्म करेगा तो पैसिव सेंस नहीं आएगा एक्टिव आएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है आगे देखेंगे मॉरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल्टी मॉर्बिड कंपल्सन का मतलब है अलग लेवल की सनअप ठीक है सो so,

किसी भी चीज को क्या कर लेना जब्त कर लेना अब देखो ऑप्शन टीटी वेट। टीटी वेट मतलब करना, करना, तो जब्त कर लिया तो सीज कर लिया सीजर बनाते हैं सीजर मीमो बनता है पुलिस में जब आप ट्रेनिंग व्रेनिंग करोगे ना कभी पुलिस की तो आपको ये सुनने को मिलेगा एक है आपका री स्टॉक ये नहीं बनेगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं बनेगा तो सीज आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर बीस है डैश टू एक्सप्रेस थॉट्स उसके पास में क्या है ही हैज द राइट नहीं है राइट right नहीं है और ये वाला भी राइट right नहीं है ये अधिकार वाला राइट आर आई जी एच टी ठीक है ये राइट right बेसिकली जो एक वो अंतिम राइट होते हैं ना वो बात है और right वाली वाली ये राइट लिखने है ठीक है अब ये क्लोज टेस्ट है मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और एक बार सभी बच्चे क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे वीडियो पॉज करेंगे आंसर मार्क करेंगे सारे आंसर कमेंट में बताएंगे और चलो अब एक बार देख लेते हैं द प्राइस इन द डोमेस्टिक डैश कॉन्टिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर कहा गया है कि जो हैं हैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्या डौमेस्टिक मार्केट होते हैं मेरे भाई तो मार्केट में होते हैं एरिया में नहीं होगा जोन में नहीं होगा फील्ड में नहीं होगा ये सारे गलत हो जाएंगे ठीक है सो डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू रूल हाई ऊपर चल रहे हैं इन दी करंट ईयर इस साल में डिस्पाइट डिस्पाइट एनि के बावजूद एक्सपेक्टेशन तो डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द एक्सपेक्टेशन किस चीज की एक्सपेक्टेशन थी

द हाफ ईयरली वीकली मंथली या ईयरली पिछले चार महीने की बात कर रहे हैं तो हाफ ईयरली होगा मंथली होगा या ईयरली होगा देखो पहली बात हाफ ईयरली के लिए छह महीने चाहिए ये नहीं होगा वीकली के लिए चार महीनों की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है पिछले चार महीने तो मंथली प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं ठीक है सो मंथली एवरेज प्राइस जो है बेसिकली द डाउन ट्रेंड उसमें एक डाउन ट्रेंड भी आया है तो ये थी आपकी तीसरी शिफ्ट अब यहां से हम जो बढ़ने वाले हैं वो है आपकी सिफ्ट यानी दस की पहली सिफ्ट आप तैयारी करना चाहते हैं सकते हैं रैंकर हो बहुत बेहतरीन शानदार बैच है तेईस सितंबर से शुरू हुआ है बहुत सारे फीचर्स के साथ में ये बैच है सिर्फ नौ सौ रुपए में दो साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है साथ ही साथ में मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि न सिर्फ हमारा ये बैच चेकआउट कर सकते हैं बल्कि हमारा पूरा कॉम्बो बैच भी होता है जिसमें हम सारे टीचर्स हमारे बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ा रहे होते हैं बढ़िया तरीके से चीजें कराते हैं ठीक है दस तारीख की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट हैड डिनर टुगेदर एंड अंटिल मॉर्निंग मिड नाइट जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो सारा सेंटेंस आपको पास्ट में दिखेगा बस आपको एक वर्ब दिखेगी गो ये आपको किसमें दिखाई दे रही है प्रेजेंट में तो जैसे ही देखोगे तो ये प्रेजेंट गलत हो जाएगा सारा टेंस अगर पास्ट में तो इसको भी पास्ट में करते हुए वेंट कर दीजिए वेंट टू अ रेस्टोरेंट वो एक रेस्टोरेंट गए कंसर्ट ओवर होने के बाद में फिर उन्होंने डिनर किया अब कुछ बच्चे यहाँ पे हेड गौन कर देंगे इस हेड को देख के नहीं मेरे भाई ये हेड यहाँ पे वी टू का काम कर रहा है ना कि हेड प्लस वी का ठीक है तो वी है तो वहां पर भी वी आ जाएगा आगे देखेंगे कौन से पार्ट में एरर हो गया आपके ए पार्ट में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बाई हु इसका मतलब पैसे बे एक्टिव में लिखेंगे तो वी टू से इसका एक्टिव बनेगा वी टू से बनेगा तो आप ये कह सकते हैं कि हु के साथ बन जाएगा क्योंकि बाई हु में तो इसमें हु नहीं है इसमें हु नहीं है तो वैसे एलिमिनेट हो गए यहाँ पे हेड टॉट कर दिया ये भी एलिमिनेट हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा

तो ये इसी प्रकार से होते हैं इनको सबको ध्यान रख लेना ठीक है, है। देखेंगे मतलब so, तो रिलीव करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेल यानी कि बढ़ना किसी चीज का सूजना स्वेलिंग आ जाती है ना हाथ पे इंटेंसिफाई इंटेंसिटी को बढ़ाना एड करना जोड़ना होता है तो ये सब आपके नहीं बनेंगे नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है

डिसेंडेंट ऑफ अड फैमिली इन दिस रीजन अब देखो जो डिसेंडेंट है ना इसका बेसिकली करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट स्पेलिंग जैसे ही आप देखते हैं तो डिसेंडेंट में डीई एस सी आता है एंड डी एन टी आता है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन जहां पर फ्रूट ट्रीज लगाए जाते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं उसको ऑर्चर्ड बोल देते हैं जहां पे फल वाले पौधे लगाए जाते हैं ठीक है म्यूजियम जहां पे चीजें रखी जाती हैं वो होता है आपका ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका वर्ड है ऑन द बॉल ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है ऑन द बॉल जैसे ये ना स्पोर्ट से लिया गया एक फ्रेज है और ऑन द बॉल का मीनिंग बन जाता है जब आप किसी चीज को मतलब केयरफुली वॉच कर रहे होते हो ठीक है सो अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स क्विक टू रिएक्ट टू ये सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा

मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द पास बट मोर चिल्ड्रन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल इन दास्ट अब देखो इनडीड इंडीड से हम वैसे भी शुरुआत नहीं करेंगे इंडीड का मतलब होता है कुछ एड करने के लिए बेसिकली आपका आता है तो आप आसानी से कह सकते हो कि सी से आप शुरुआत नहीं कर सकते हो अब देखो दो है देर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया इन पीपल इन इंडिया टूडे बिफोर बट देर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट एवर बिफोर तो ये डी है और ये आपका बेसिकली ए है अब यहां पे डायरेक्ट सीधे मोर से शुरू किया यहां पे देर आर मोर से तो आप कहोगे कि सर ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है अगर ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो पहले यही शुरू हो जाएगा फिर इसके बाद में ए आ जाएगा फिर आपका बी और सी लगा के आप करेक्ट कर देंगे तो इससे नहीं आपका क्या बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है इनमें से कौन सा होगा तो देखो पहला दे रखा है जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें ई एन टी आर ई होता है इस बात पे ध्यान रखेंगे ई ई ई आर आर मत कर देना इसको ठीक है है फिर उसके बाद में प्री आ जाता है आपका एन टी एंट्रे तो ऐसे करके याद रख सकते हैं पी आर ई आ गया फिर एन ई यू आर आता है और फिर सिप आपका लास्ट में रह जाता है यानी कि ये एकदम करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगर हम देखें कि तो ये आंसर तो यही हो जाएगा अब देखो यहाँ पे बेजायर दे रखा है इसमें सिंगल जेड आता है और आर आपका डबल आता है ठीक तो है, तो -E -E है तो ऐसे करके हो जाएगा बी आई जेड ए डबल ठीक है? उसके अलावा कलीग की जब स्पेलिंग देखते हैं, हैं, जो होते तो तो होता होता है, है -E -E की जगह पे। इसके अलावा में से बना एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ठीक है तो आपका करेक्ट हो जाएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है का का बेसिकली आपसे पूछा है 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 ठीक मतलब होता है जो एक दयनीय स्थिति में हो जिससे लोग हेट करते हैं नफरत करने लायक हो सो बेसिकली इसको बेसिकली सिनोनि में आ जाएगा डेस्पिकेबल डेस्पिकेबल का मतलब भी वही होता है जो हेट करने लायक हो जुबिलेशन बेसिकली है दिखाता है

मतलब दोनों के तो एडवांटेज क्या ऑन द फेंस का मतलब है, ना तो इधर जा पा रहा है आदमी ना इधर जा पा रहा है बाउंड्री पे है बीच में तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी सारे ऑप्शन है अप इन आर्म्स का मतलब है कि जब हथियार वगैरह उठा लेते हैं रिबेल कर दिया कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है टाइम बचाने के लिए या पैसा बचाने के लिए

फ्रॉम द गि ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर तो सिमिलर पूछा इक्वोकल का इक्वोकल का मतलब होता है जो अनक्लियर हो ठीक है जिसमें डाउट रहे लोगों को तो अनक्लियर वाला यानी कि एम्बीग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर तो एंटोनिम आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस जहां पर मतलब चीज है बैलेंस्ड हो एक तरफ कहीं झुकाव ना हो अगला जो आपका क्वेश्चन है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप वन वर्ड सब का क्वेश्चन है और इनको क्लिक बोलते हैं क्लिक वो ग्रुप होता है जो कि बेसिकली एक मतलब अपने आप से ही बातें है करते हैं वो लोग ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है वो हो जाता है ठीक है इंप्लॉयज अलग चीज़ है स्क्वायर बेसिकली किसी भी चीज़ का टीम जो होती है उसको बोल देते हैं लॉबी बेसिकली जब कोई कंपनी के अंदर लोग आपस में मिलजुल जाते हैं और कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो तो उसको लॉबी बोल देते हैं ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरर डिटेक्शन का ग्रामेटिकल एरर का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड जैसे ही आप देखेंगे विल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा जो कि गलत है विल सेल और ये सब आपके मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आया करती है ठीक है सो विल रिप्लेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस

अब एक बार ये आपका क्लोज टेस्ट है मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और एक बार अटेम्प्ट करिएगा क्लोज टेस्ट को वीडियो पॉज कीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आ जाइए देखते हैं एक बार थर्ड नेशनल द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 थाउजेंड टू टू ये 2017 से 2031 तक का जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उसकी बात कर रहे हैं अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवेल्ड डैश द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम

क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ यानी कि वो कंसर्न्स जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से और उसके इम्पैक्ट से ठीक है आगे देखेंगे द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स जो प्लान है वो डिटेल देता है इंपोर्टेंस की इको की और किसके लिए इको सिस्टम्स फॉर फ्रूड फूड प्रोटक्शन फूड प्रोडक्शन के लिए हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डैश सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल अदर एस्पेक्ट्स uh, की बात कर रहे हैं किसके मेरे भाई ग्रुप सर्वाइवल ब्रीड सर्वाइवल स्पेसी इको सिस्टम की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो किसके सर्वाइवल की बात कर रहे हैं हम ह्यूमन सर्वाइवल की बात कर रहे हैं मानव के सर्वाइवल की बात यहाँ पे हो रही है ठीक है इट इज मतलब इट आल्सो इंफेसाइजेज ये इंफेसाइज करता है प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना किस चीज को मेरे भाई जेनेटिक डैश एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन सो जेनेटिक क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी रिजेक्शन फोकस कंफ्लिक्ट देखो प्रिजर्व करेंगे आप किस चीज को रिजेक्शन को नहीं करेंगे फोकस को नहीं करेंगे कंफ्लिक्ट को नहीं करेंगे डायवर्सिटी यानी कि वेराइटी जो जेनेटिक वेराइटी है डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की बात कही गई है ठीक है एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम्स हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट जिसकी जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इफेक्ट मतलब होना किसी चीज का ऑन साइंटिफिक साइंस में जो वृद्धि हुई है जो चीजें आगे बढ़ी है एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज और सपोर्ट दे रहा है बेसिकली मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज को द प्लान अंडर स्कोर्स ये जो प्लान है ये अंडरलाइन करता है बेसिकली दिखाता है रिहेबिलिटेशन को और रेहेबिलिटेशन किसका Rehab का मतलब होता है किसी चीज का वापस पुनः उसी स्थिति में लेके आना थ्रेटन लाइफ ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज थ्रेटन है यानी कि जिनके एग्जिस्टेंस पर डाउट आ रहा है जिसके एग्जिस्टेंस पर खतरा है थ्रेटन वाइल्ड लाइफ स्पेसीज डैश इनलैंड कोस्टल मरीन इकोसिस्टम्स सो देखो ये आगे कई चीजों के एग्जाम्पल दे दिए इनलैंड एक हो जाएगा कोस्टल हो जाएगा मरीन हो जाएगा इकोसिस्टम वाइल्ड कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स सो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा इंक्लूड करने की बात कर रहे है। हैं आगे एग्जाम्पल्स दिए तो इंक्लूडिंग किस किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं इंग्लैंड एक कॉस्टल को कर रहे हैं मरीन इकोसिस्टम्स को कर रहे हैं है। तो इन सबको इंक्लूड करने की बात है तो इंक्लूडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये थी आपकी दस तारीख की पहली शिफ्ट अब हम बढ़ते हैं दस तारीख की दूसरी शिफ्ट की तरफ आ जाओ तो दूसरी शिफ्ट पे चलते हैं और दस तारीख की दूसरी शिफ्ट है ये टोटल पांचवी शिफ्ट हो जाएगी पहला क्वेश्चन आपका दे रखा व्हाट वट द इडियम बाइट द बुलेट मीन बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है बाइट द बुलेट का मतलब होता है बेसिकली कि एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको हम लोग अवॉइड करते आ रहे हैं उसका सामना कर लेना ठीक है तो उसी को कहते हैं बाइट द बुलेट तो गिव समा पीस ऑफ एडवाइस नहीं होगा अवॉयड कन्फर्नटेशन नहीं होगा इंजॉय अ डिलीशियस मील होगा नहीं होगा तो जैसे देखा फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ करेज वाली बात को देख के कुछ लोगों को लग सकता है कि गलत है लेकिन ऐसा है नहीं सो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना खास करके ऐसी सिचुएशन जिसको आप अब तक अवॉइड करते आ रहे थे अगला आपका क्वेश्चन है बेसिकली पूछा है है अटरली का अटर आपका एडजेक्टिव होता उसी से बना हुआ एडवर्ब है अटरली अटर Utter हम किसी चीज को करने के लिए बोलते हैं किसी चीज के बड़े होने को दिखाते हैं तो एंटोनिम किसका क्या बन जाएगा छोटा होना सो so, मिनिमली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्टली तो अलग ही हो जाएगा टोटली totally और एक्सट्रीमली तो उसके सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे आगे देखेंगे अगला आपका बेसिकली एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ठीक है सो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर अब देखो आपने जैसे ही देखा नो अदर प्लेस दे रखा है तो यानी कोई दूसरा प्लेस अब आपको पता ही है कि एज एज या आपका देन से कंपेयर करें या सो एज से कंपेयर करें तो एज या देन की मदद से जब कंपैरिजन होता है यानी कि सिमली लगाएं या फिर हम कंपैरेटिव डिग्री तो हमें एक्सक्लूड करना होता है उस ग्रुप से तो प्लेस में तो गुलगमर्ग भी शामिल है तो अदर लगा रखा है एकदम सही बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है और इन दिस कंट्री यानी कि हम अपने देश की बात कर रहे हैं इज सो बेटर अब जैसे ही आप देखोगे नो आ गया इसका मतलब है सो so तो एकदम सही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सो so और एज का पेयर बन सकता है पॉजिटिव है तो एज एज ही बन पाएगा नेगेटिव में एज एज भी बन सकता है सो so एज भी बन सकता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सो so एज हो या एज एज हो इनके बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा हमारी ये पॉकेट रॉकेट में भी बड़े अच्छे से बात लिखी गई है तो गुड आपका लिखना पड़ेगा ना कि बेटर सो so बेटर की जगह पे गुड आ जाएगा कौन सा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है आर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वे वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूसाइन जैसे ही हम देखते हैं आवर फैमिली यानी कि हमारा परिवार ये प्लान कर रहा है इज प्लानिंग अ ट्रिप और कहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम टू यूरोप यूरोप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है कॉन्टिनेंट के साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते इसीलिए कोई आर्टिकल आपका नहीं आ रखा है और कब की प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट समर यानी कि अगले समर की बात कर रहे हैं वेयर जहां पे वी शुड विजिट दे रखा है हमें करना चाहिए या हम ये करेंगे आपको फ्यूचर की बात आप कर रहे हो अगले साल की बात कर रहे हो तो वेयर वी शुड विजिट आपका बिल्कुल भी नहीं आ सकता वेयर वी िल विजिट या वी सेल्फ विजिट आप लिख सकते हो सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूशाइन जो लोकल खाने हैं जो वहां के लोकल मील्स हैं अच्छे अच्छे उनको हम इंजॉय करेंगे ठीक है so, सो कौन से ऑप्शन में आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन में अच्छा क्वेश्चन है काफी सारे बच्चे इसको पकड़ नहीं पाएंगे कहाँ एरर है लगेगा सुड सही है लेकिन सुड यहां पे सही नहीं होगा आपका विल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ये एक सेंटेंस है जिसको ब्रेक करके दे दिया है और इसका पूछा है कि सही सीक्वेंस आपका क्या होगा ठीक है देखो जैसे ही देखा गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड इलेक्टेड किस रूप में इलेक्ट हुआ है वो ठीक है गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एक दे रखा है इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सून गॉट हिमसेल्फ देखो एंड से शुरुआत कर नहीं सकते हैं तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बन सकता है एक ऑप्शन आपने सीधे सीधे एलिमिनेट कर दिया ठीक है अब देखो इट्स से यानी किसके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री जनरल अयूब खान टुक ओवर अब टुक ओवर क्या टेक ओवर किया है उसने ये भी हमें पता होना चाहिए ठीक है हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं तो टेक ओवर का क्या टेक ओवर कराए द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आर के बाद में क्यू आना चाहिए ये मैंडेटरी आपका पेयर है यहाँ पे देखो आर के बाद में क्यू है यहाँ पे भी है यहाँ पे लेकर नहीं है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है यानी पक्की बात है किससे शुरू हो रहा है एस से एक बार पढ़ के देख लेंगे आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड और क्या फ्रेम किया है पाकिस्तान ने फ्रेम को ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए फ्रेम क्या किया है इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एस के बाद में पक्की बात है ओ आएगा तो इसमें एस के बाद में ओ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हो ठीक है बाकी अगर ये वाला पॉइंट सिर्फ आपने पहली बार में देख लिया होता तो आप सिंपल एक ही पॉइंट से भी मार्क कर सकते थे आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड फ्रेम्ड व्हाट क्या फ्रेम करेगा तो सिंपल सी बात है अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो एस के बाद में पक्की बात है ओ आएगा अगर एस ओ को आप पेयर बनाएंगे तो एक बार खुद से देखिए क्या यहाँ पे एस ओ का पेयर है आपको नहीं है क्या यहाँ पे एस ओ का पेयर है आपको नहीं है क्या यहाँ पे एस ओ का पेयर है आपको है क्या यहाँ पे है आपको नहीं है तो वैसे भी एक ही क्वेश्चन आपका बचता है एक ही ऑप्शन वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आगे देखेंगे अगला आपका है सिनोनिम पूछा है स्टेशनरी का अब देखो स्टेशनरी दो होते हैं एक होता है एस टी एन ई आर वाई जिसका मतलब होता है जो स्टेशनरी की आपकी दुकान होती है आपने देखा होगा यानी पढ़ने लिखने का जो सामान है अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ध्यान रखेंगे ये स्टेशनरी एक एडजेक्टिव होता है जिसमें ए आर वाई आता है लास्ट में मैंने जब सीजन प्री से पहले मैराथन ली थी उसमें कई बार बोला भी था कि स्टेशनरी वर्ड है इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान भी रखेंगे इसको स्पेलिंग में भी पूछा जा सकता है ना तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है कोई चीज जो स्थिर है एक ही जगह पर रहती है इसका सिनोनिम पूछा है अब देखो पोर्टेबल जिसको ले जाया जा सकता है स्विंडल करने का मतलब होता है चीट करना और यहीं से आपका एक नाउन भी बन जाता है स्विंडलर जो व्यक्ति चीट करता है ठीक है मोटाइल का मतलब होता है जिसको मूव किया जा सकता है ठीक है जिस जो मूवेबल होता है तो स्टिल इसका बेसिकली क्या हो जाएगा करेक्ट शिनोनिम हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अगला सात नंबर क्वेश्चन है आपका वॉइस का क्वेश्चन है द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन टुमोरो विल बी डिलीवर्ड है तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें विल डिलीवर दे रखा हो यानी कि विल प्लस वीवन यहां पे विल डिलीवर है यहां पे डिलीवर्ड है यहाँ पे विल बी है यहाँ पे विल हैव है एक ही ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका आठ नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन अब बैरन का आपको बेसिकली एंटोनिम बताना है बैरन का मतलब होता है बंजर तो बंजर का एंटोनिम क्या हो जाएगा देखो इनफर्टाइल तो सिनोनिम हो जाएगा फर्टाइल यानी कि जहां पे फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं पौधे उगाए जा सकते हैं ठीक है स्टेराइल भी बेसिकली इसके सिनोनिम आ जाएगा और अनफ्रूटफुल भी सिनोनिम आ जाएगा एक तरीके से नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्ट स्पेलिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रिविलेज की बात करी थी और कहा भी था कि डीजीई इसमें नहीं आता है तो इसको अवॉइड कर देंगे जे इसमें नहीं होता है इसको भी हटा देंगे और पी आर आई वी आई होता है आपका इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है सुबीर्स लॉन्ग एबसेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर इम्प्लॉयिज इन द ऑफिस अब रेफर क्वेश्चन की करेक्ट स्पेलिंग पूछिए तो देखो रेपर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आर ए पी नहीं होता है तो ये आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा ठीक है डबल आर नहीं आता है तो ये सीधे सीधे गलत आ जाएगा एस जो है वो डबल आता है इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है रेपर क्वेश्चन का मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्टेड जो होते हैं ना किसी के जो नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं किसी चीज के वही आपका हो जाता है रेपर क्वेश्चन ठीक है यानी किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसिस एक तरीके से एंटोनिम पूछा है, रिजिबल का। रिजिबल का मतलब है जो लाफेबल है जिसपे हंसा जा सकता है जो नशे टाइप का है ना जो व्यक्ति अनकॉन्सियस टाइप का हो रहा है वो क्यूरियस जो क्वेश्चन पूछता है सीरियस द शेयर होल्डर्स विल डायरेक्टर देखो इसमें मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी जो कि इसका गलत आंसर एक तरीके से कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं पहली बात तो ये है कि पैसे में बनाना है तो विल भी आना चाहिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं यहां पे विल भी दे रखा है और यहाँ पे विल भी दे रखा है अब बात ये है कि देखो ए ऑप्शन जो है उसमें एक गड़बड़ ये है कि अ डायरेक्टर को हटा दिया आर्टिकल ए आपका अगर ओरिजिनल सेंटेंस में आर्टिकल था तो आगे भी आर्टिकल को मेंटेन करना था अगर ओरिजिनल में नहीं होता तो पैसे में ना करते कोई दिक्कत नहीं थी इसमें ये दिक्कत है सी ऑप्शन में ये दिक्कत है कि बाई द शेयर होल्डर्स को हटा रखा है तो बाई द शेयर होल्डर्स कायदे से यहाँ पे होना चाहिए और ना भी होना चाहिए दोनों में काम चल सकता है क्यों जैसे कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आते हैं कि जब अगर पता हो कि बाई प्लस जो डूअर है वो ऑब्वियस है तो ऐसे केस में हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं जैसे मैं ये कहूं कि द पुलिस अरेस्टेड हिम तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ अरेस्टेड बाई द पुलिस नहीं सिंपल कह दो ही वॉज अरेस्टेड अरेस्ट कर लिया गया उसको ठीक है क्योंकि अरेस्ट कौन करता है पुलिस करता है तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे ही किसी भी कंपनी में जो डायरेक्टर इलेक्ट होता है उसको कौन इलेक्ट करता है शेयर होल्डर्स करते हैं ये भी ऑब्वियस बात है अगर ऑब्वियस बात है तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं तो उस लॉजिक से देखें तो थर्ड करेक्ट हो सकता है और बाकी शेयर होल्डर्स लगा रखा है तो आपका ए भी करेक्ट हो सकता है कायदे से बेनिफिट टू ऑल में जाना चाहिए था वैसे थर्ड सेंटेंस जो है वो बेटर आंसर है गिवन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है बाकी एस ने इसका जो आंसर दिया है वो ए ऑप्शन दिया है इसको चैलेंज किया जाना चाहिए नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है एन ऑफन इमेजनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस एक इमेजनरी स्थिति ऐसी जहां पर सब कुछ बढ़िया है मस्त है उसको यूटोपिया बोलते हैं यूफोरिया बेसिकली खुशी को दिखाता है इनफर्नो बेसिकली इनफर्नो एक अच्छा वर्ड है इसका मीनिंग बताएंगे क्या होता है एक वर्ड दे रखा है डिस्टोपिया डिस्टोपिया क्या होता है आपका डिस्टोपिया होता है यूटोपिया का एकदम एंटोनिम डिस्टोपिया यूटोपिया का एकदम एंटोनिम होता है तो ये आपका नहीं हो सकता है तो इनफर्नो की अगर हम बात करते हैं तो इनफर्नो का मतलब होता है मतलब एक ऐसी आग लग जाए जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते है. वही आपका इनफर्नो हो जाता है तो ये तो वैसे भी नहीं है आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ये सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन है क्या चार पांच तो वर्ड है टोटल उसके पांच भाग कर दिए देखो कहां पे खत्म होगा ए पे खत्म नहीं होगा सी पे खत्म नहीं होगा डिलीशियस पे 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 खत्म 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 नहीं नहीं होगा पे नहीं होगा ही हो सकता है एक ऑप्शन और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं शुरू कहां से होगा तो सी से शुरू होगा तो ओ से शुरू क्यों, क्यों करेंगे ठीक है तो इतना आसान क्वेश्चन बना दिया है आगे अगला आपका क्वेश्चन है ही वॉज एन इेस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ

तो यहां पे वेरी क्विकली आना चाहिए तो क्विकली वाला एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये है ठीक है सो स्पेसिज टू फ्रॉग नहीं होता है तो टू की वजह से ये वाला गलत हो जाएगा वेरी क्विकली में ये गलत हो जाता है इन फ्रॉग भी नहीं होगा ऑफ हो सकता है लेकिन नहीं होता है इसीलिए गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है सीक्वेंस बताना आपको इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली इट क्या इसका मतलब है ए से शुरुआत नहीं कर सकते ठीक है इसके आगे

आपका सी ऑप्शन जो है वो मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि स्मॉल फैमिली की पहले बात कर ली स्मॉल फैमिली होती क्या है बच्चे मतलब एक बच विथ पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन यानी कि दो आपके पेरेंट्स हो गए और दो आपके चिल्ड्रन इन चार लोगों की फैमिली की बात करिए फिर इसके बाद में ये बता दिया कि इसको न्यूक्लियर फैमिली भी बोल देते हैं फिर बता दिया कि इसके एडवांटेजेस होते हैं और फिर ये बता दिया है कि बेसिकली स्मॉल फैमिली में रहना अच्छा है क्योंकि इसमें बेटर मैनेजमेंट हो जाता है ठीक है तो ये बात कह लिए वैसे बड़ी फैमिली ज़्यादा अच्छी होती है हमेशा प्यार सद्भावना हमेशा जिंदगी सिर्फ मैनेजमेंट के लिए थोड़े ना दी है अकाउंटेंट बना के भेजा था भगवान ने कि अच्छे से मैनेजमेंट करना है आपको जब तक प्यार सद्भावना नहीं होगी लोगों के बीच में तब तक कैसे काम चलेगा एंड जो एक बड़ा परिवार है उसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं छोटी मोटी मतलब चलती हैं पॉलिटिक्स टाइप की भी चलती है कई बार लेकिन वही तो जीवन का मजा है बड़ी फैमिलीज जो पूरा परिवार एक साथ रह रहा होता है उधर कहीं सब्जी बनी है वहाँ से आ जाए कुछ आ जाए बड़ा अच्छा लगता है छोटी फैमिलीज़ मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है लेकिन जीवन अच्छा जीना है तो फिर फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है बड़ी फैमिली है ना मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बड़ी फैमिली आई एम नॉट कि छोटी फैमिलीज बुरी होती हैं

कि कुक संबंस गूज का मतलब होता है उसको इंटरफेयर कर देना चीजों को खराब कर देना बेसिकली दूसरा स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग इसमें दूसरे व्यक्ति का कोई रिलेशन ही नहीं आएगा तो योर वाला मीनिंग की वजह से वैसे गलत है कोई चीज डेवलप हो रही है रीचेज मेच्योरिटी ऐसा क्वेश्चन नहीं है टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क ये भी नहीं होगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका अगला है आपका पग्नेशियस पग्नेशियस का मतलब बेसिकली आपको बताना है कि क्या होता है सिनोनिम पूछा है अब देखो पग्नेशियस का मतलब होता है जो थोड़ा सा

किस चीज की बात कर रहे हैं एक है टेम्परेंस देखो टेम्परेंस का मतलब होता है और पेंडेमिक के दौरान तो थी, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है पेंडेमिक हैंडीकैप की तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं एडवांटेजेस की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं pandemic के. Pandemic के की बात करी जा रही है यहाँ पर सो फॉर टू ईयर्स एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस और ये जो डिबेट है ना ये ज्यादातर किसके बीच में है जो पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के ठीक है फॉर गुड रीजन और इसके लिए उनके पास में अच्छे अच्छे रीजन्स भी हैं वाइल्ड डैश सच एज मेकिंग एंड आइसोलेशन सच एज मास्किंग नॉट मेकिंग वाइल्ड डैश सच एज मास्किंग एंड आइसोलेशन मीन टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट कहा गया है कि ब्रांडिंग मीजर्स मॉडल्स और स्लगिशनेस स्लगिशनेस का मतलब होता है स्लो स्लो का कोई मतलब नहीं है मॉडल्स का कोई मतलब नहीं है पर ब्रांडिंग्स का भी नहीं है मीज़र्स जैसे किसी चीज़ को खत्म करने के लिए या कुछ करने के लिए जो हम अपनी तरफ से स्टेप्स लेते हैं उनको मीज़र्स बोला जाता है जो ये मीज़र्स लिए गए जैसे कि मास्किंग हो गया आइसोलेशन हो गया ये बेसक टेम्प्रेरी डिस्कम्फर्ट देते हैं या इनकन्वीनियंस देते हैं फॉर ज्यादा फॉर मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोगों के लिए टेम्प्रेरी डिस्कम्फर्ट हो सकता है या इनकन्वीनियंस हो सकता है दे आर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस जो उनका इम्पैक्ट है जो उनका प्रभाव है वो स्टिल डेवलपिंग चिल्ड्रन ऐसे बच्चे जो अभी डेवलप कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली बहुत मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग और ज्यादा सिग्निफिकेंट है लास्टिंग है तो उनके किस चीज की बात कर रहे हैं क्या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्या disapproval की बात कर रहे रहे हैं हैं क्या डिसअप्रूवल की बात नहीं फाउंडेशन मतलब नीव डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज को मना करना इसके बाद में मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइज करने का मतलब होता है आपने सुना होगा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी ऐसा सेक्शन जिसको साइड कर दिया जाता है तो साइडलाइन करने की भी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर उनके इंपैक्ट की बात कर रहे हैं इंपैक्टेटिव है इंपैक्ट को डैश एग्जाम्पल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ ऐसे बच्चे जिनको कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है या कोई स्पीच डिसऑर्डर है वो बेसिकली आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं तो, तो कैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम कैसा एग्जाम्पल भाई क्ट का मतलब होता है जो क्लियर ना हो यानी कि जो एकदम अलग से दिखे तो indistinct उसका एंटोनिम बन जाएगा जो बिल्कुल भी क्लियर ना हो ठीक है Walk का मतलब भी जो clear ना हो और nebulous का मतलब भी हेजी होता है जो क्लियर ना हो तो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं ठीक है is murky pandemic restrictions vary by state. करने का मतलब है चेंज होती है बदलती है सो so, पेंडेमिक की जो रिस्ट्रिक्शन है वो बदलती है वाइज कंट्री एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कंट्री मतलब काउंटी के हिसाब से नॉट कंट्री काउंटी के हिसाब से ठीक है बट आई स्पोक विथ पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया मैंने पेरेंट्स से बात की कैलिफोर्निया में न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स में इसके अलावा वॉशिंगटन में जर्सी में लोबा में मैरीलैंड में और उन्होंने क्या कहा सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज़ बीन डैश

ऑटोमेटाइज होगा मैनुअल होगा यील्डिंग होगा या सैरोगेट होगा देखो मैकेनिकल का मतलब है कोई चीज जो एक मशीन के तरीके से चल रही है ठीक है सो ऑटोमेटाइज तो इसका एक तरीके से सिनोनिम हो सकता है यील्ड करने का मतलब होता है कुछ रिजल्ट देना ये भी नहीं बनेगा सैरोगेशी आपने सुना होगा ये जो आजकल सैरोगेट करते हैं जो बेबी के लिए बच्चे के लिए ठीक है वो वाला हो जाता है तो मैनुअल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई काम जो बाय हैंड करना मैनुअली करना है ना व्यक्ति के द्वारा मशीन से ना करके इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा आपसे कि कौन सा होगा इसमें से ठीक है देखो वर्मिनस वर्मिन शब्द सुना है कीड़े मकोड़े जो होते हैं तो वर्मिनस का मतलब हो जाता है 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 कुछ टाइप टाइप का ग्रनित टाइप का ग्रणित ना सुना है, तो उसी से रिलेटेड कोई बोलते हैं ठीक है का मतलब होता है कोई जो बहुत सुंदर होता है अट्रैक्टिव जो होता है ये भी स्पेलिंग सही रखिए वेरी फीएबल होता है ना आपने सुना होगा वेरी फीएबल जिसको वेरीफाई किया जा सकता है सो वेरी फीएबल होता है सो एफ आई ए लिखते एफ आई ए सो वहीं से वेरीबिलिटी आपका बन जाता है नाउन उसी का ठीक है आगे देखेंगे, अगला जो आपका है, स्टिल का या का का बनता है, का नहीं बनता है तो आप आसानी से कह सकते हो कि स्टिल वाले पार्ट में एरर है सो फ्रॉम टेन ए एम टू टेन पी एम या टिल टेन पी एम भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है

आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द डैश टू वेन्यू डेकोरेटेड विद भाई एग्जिट एग्जिट का exit का पूछा क्या हो जाएगा एंट्री तो सिंपल सी बात है तो रोड हाउस सेरेमनी नहीं होगा आगे देखेंगे एबिलिटी का बेसिकली पूछा है कि सब्सटीट्यूशन पूछा है सो एबिलिटी फॉर नहीं लिखते एप्टीट्यूड फॉर लिखते मेरे भाई एप्टीट्यूड फॉर समथिंग होता है यानी कि, कि किसी चीज को करने की जो आपकी क्षमता होती है कला होती है उसको बोल देते हैं एप्टीट्यूड एटीट्यूड तो आप जानते हैं ठीक है थीके? जो आपका वे ऑफ बिहेविंग होता है उसको बोल देते हैं एस्ट्यूड का मतलब चालक होता है तेज ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन ये ईडीएम का मीनिंग दे रखा है तो स्पिल द बीन्स होता है स्पिल द अनियंस कुछ नहीं होता है प्याज बिखरा देना है ना स्पिल द बीन्स आपका करेक्ट ईडीएम होता है बाकी कोई करेक्ट ईडियम आपका नहीं है आगे देखेंगे बेसिकली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको अरेंज करना है तो देखो यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी हैज हैजोल्यूशनाइज देखो एंड से तो शुरू कर नहीं सकते थे वैसे दिया भी नहीं है अच्छा यहाँ पे द वे दिया है द वे के सामने हमने एक क्लॉज लिखते हैं द वे 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 डैश द द वी वी थिंक डिड इट यानी कि कोई ना कोई हमें आगे क्लॉज लिखनी चाहिए इसके आगे जस्ट क्लॉज आ जाएगी सो तो द वे वी कम्युनिकेट से बना देंगे तो आपका तो क्यू आर एक पेयर बन जाता है क्यू आर कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं हाँ यहाँ पे तो है यहाँ पे नहीं है यहां पे नहीं है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा से एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है? ठीक है और जैसे दे रखा यहां पे जो ऑप्शन दिया हम आसानी से कह सकते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ वैसे भी यहां से भी कह सकते रिवोल्यूशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में पी के बाद में जस्ट ओ पक्का आएगा पीओ यहाँ पे है पीओ यहाँ पे है दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके है ना तो आसानी से मार देंगे आंसर सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका तो, तो एंटोनिम में आ जाएगा कैंडिड का मतलब सिंपल एकदम जैसे है वैसे कैंडिड फोटोज होते हैं ना जैसे आपने देखा होगा ये भी नहीं होगा भी एंटोनिम होगा सो so, मैंडेसियस आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा जिसका मतलब होता है फॉल्स मिसलीडिंग झूठी नेक्स्ट देखेंगे आगे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना आपको का कर, आकलन आँक, करना तो तो एंटोनिम आ जाएगा यूनिटी तो अलग ही चीज हो गया मिस कोट करने का मतलब होता है कुछ गलत कोट कर देना तो असेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है असेसमेंट जो होता है आपका नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका माय सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज एज हर वॉज नहीं व्हेन सी वॉज लिखेंगे जब वह तेईस साल की थी ठीक है सो so, जब वह तेईस साल की थी तो हम इसको एज हर की जगह पे वैंस ही कर देंगे सी 23. अच्छा क्या यहां पे एज भी लगा सकते हैं एज चल सकता है लेकिन फिर उससे ना मीनिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड सा बनेगा कि माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज कारण बताता है और कारण बताएगा तो इसका मतलब है जब क्योंकि वह तेईस साल की थी तो शादी कर ली ऐसा लग रहा है जैसे कि तेईस साल का होना ही शादी होने के लिए एकमात्र पैमाना है तो एज चल सकता था लेकिन उससे मीनिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता

अनजान लोगों के बीच में ना फंस जाऊं मतलब कहीं फंसने का जो डर होता है कि यार मेरे को कहीं ऐसी जगह पर अकेला ना हो जाऊं जहां पर कोई साधन उपलब्ध ना हो तो उसी को एगोराफोबिया बोल देते हैं फोटोफोबिया फोटो, फोटो यानी कि लाइट लाइट का फोबिया होता है और ऑप्टोफोबिया बेसिकली आंखों का होता है ठीक है आंख खोलने से डर यानी कि अजीब प्रकार का वो है फियर आंख खोलने से डर लगता है ऑप्टोफोबिया ठीक है आगे देखेंगे शॉर्ट सेक्शन जैसे कोई बुक का हो सकता है मेन पार्ट जो शुरुआत में लिख देते हैं तो आपने वर्ड फोर एवर्ड का मतलब होता है, जो शुरुआत में लिखा होता है में लिखते हैं मतलब है, किसी एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार कहना जिससे कि बात को और अच्छे से कर, बता सकें पोस्ट यानी कि बात की जो स्क्रिप्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं पंद्रहवा क्वेश्चन है सोलोवंस रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस टेंटलेस का बेसिकली शिनो पूछा है Uh, पूछा है है tent, टेंटलेस का मतलब होता फॉल्टलेस जिसमें कोई दाग ना हो जिसमें कोई दब्बा ना हो तो फ्लॉड तो इसका मतलब है जिसमें कमी हो इनकसिस्टेंस में भी कमी होती है, का मतलब, होता है तो हो जाएगा। आगे देखो, इधर भी नहीं समझ आ रहा है इधर भी नहीं आ रहा है तो जब हम ऐसे अटक से जाते हैं ना किसी को बेसिकली देखो एक तो आप कंफ्यूजन भी कह सकते थे लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है ना मेरे भाई ये बेसिकली डायलेमा होता है इन अ डायलेमा इन फिक्स इन अड्डरी वो बेसिकली होता है तो so, डायलेमा आपका है कंफ्यूजन मतलब अगर डायलेमा नहीं होता तो हम सोच सकते थे इसके बारे में बाकी प्रॉब्लम डिफिकल्टी तो बिल्कुल नहीं बनेगा आगे देखेंगे द ट्रांजिट द ट्रांजिस्टर्स आर यूज एज द मेन डैश मेन क्या भाई कंपोनेंट लिखना है अब कंपोनेंट की स्पेलिंग ये थोड़ी ना होती है मतलब के यू एम ओ

नेक्स्ट अब आपका ये एक क्लोज टेस्ट है एक बार इसको देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे वीडियो पॉज कर लेंगे और पढ़ेंगे पूरे को फिर आगे बढ़ेंगे आ जाइए देखते हैं एक बार एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड नाइनटीन द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज द ऑफ स्टूडेंट तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड कोविडीन कोविड नाइनटीन के रिजल्ट के तौर पर द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग डिजिटल ट्रेनिंग के लिए क्विक क्या था हमारा क्या सेट था क्विक एंड था क्विक स्टेगनेशन था नहीं क्विक ट्रांजिशन हुआ था अचानक से लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में जाना पड़ा क्यों क्योंकि जो, आ, वहाँ पर में चले पर आपका करनी पड़ी जहाँ सारी चीजें इंटरनेट से चल रही थी तो वही ट्रांजिशन था ट्रांजिशन जब हम बदलते हैं रुक जाना किसी चीज का एंड यानी खत्म होना सेट यानी किसी चीज की स्टार्टिंग करना सेट करना बेसिकली ठीक है आगे देखेंगे ट्रेनिंग हैज एक्सपोज और उस बेसिकली इस क्विक ट्रांजिशन ने एक्सपोज कर दिया बेसिकली हेजार्ट बेसिकली खतरे होते हैं ऑफ स्टूडेंट्स डिसमेंट एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस जिससे कि स्टूडेंट्स का डिसंगेजमेंट हो गया स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से अलग हो गए जिसका रिजल्ट हुआ कि कॉन्सिक्वेंसिस हुए लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई लोअर हो गई ठीक है Across courses, across कैसे कोर्सेज कोर्सेज भाई अब कम courses की बात नहीं कर रहे बहुत सारे कोर्सेज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कोर्सेज नहीं होगा लिमिट कोर्सेज नहीं होगा न्यूमरस यानी कि बहुत सारे बहुत सारे कोर्सेज की बात कर रहे हैं हम द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड लेटेस्ट क्या लेटेस्ट एपिडेमिक पेंडेमिक लोकल या एंडेमिक मेरे भाई देखो ये आपके वर्ड्स होते हैं एंडेमिक एपिडेमिक पेंडेमिक एपिडेमिक होता है कोई ऐसी बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैली होती है एंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार फैलती है और पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो क्रॉस बॉर्डर फैलती है जगह जगह पे फैलती है कई कई देशों में कोविड नाइनटीन आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक था तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है सो आगे लिख रखा है सो द लेटेस्ट पैंडेमिक एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के एजुकेशन को बेसिकली ऑल्टर करा है न्यू अप्रोचेज एंड इंप्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड

मोर देन फाइव हंड्रेड मिलियन स्टूडेंट पांच सौ मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट एट वेरियस लेवल स्टडीज स्टडीज को क्या करने के लिए रीओपन करने के लिए फोर्स हो गए थे नहीं मेरे भाई कैरी ऑन करने के लिए नहीं रिज्यूम करने के लिए नहीं सस्पेंड करना पड़ गया था बहुत सारे बच्चों को इतने सारे बच्चों को है ना छोड़ना पड़ गया था अराउंड द वर्ल्ड दीज चेंजेस है हुआ है एंड विल कॉन्टिन्यू टू कॉज कॉन्टिन्यू करते रहेंगे कॉज करते हुए क्या इनकनवीनियंस यानी कि जो परेशानी होती है वो बट दे विल ऑल्सो फोस्टर इनोवेशन फोस्टर करने का मतलब होता है इंकरेज करना लेकिन ये चीज ना इंकरेज भी करेगी किस चीज़ को इनोवेशन को एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स जो फ्यूचर के रिफॉर्म्स है उनको इन साइड दिस एजुकेशन सिस्टम इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जैसे कि कोविडीन की वजह से यूट्यूब इतना पॉपुलर हुआ इसीलिए देख पा रहे हो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप कभी देख नहीं पाते लेकिन ये डिले होती और पीछे खिंचती इतना पॉपुलरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती अगर कोविड नाइनटीन नहीं आता है ना आगे तो यही कहा गया है ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड नाइनटीन पैंडेमिक कोविड नाइनटीन पैंडेमिक के दौरान द पाइल ऑन इफेक्ट ऑफ दायरस न हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस फॉर स्कूलिंग ये बेसिकली पायल ऑन चीजें बढ़ती जा रही है पायलॉन होती जा रही हैं ठीक है ये ऑफ द कोरोना वायरस कोरोना वायरस का ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस स्कूलिंग के लिए नोटेबली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल और खास करके जो ज्यादा वल्नरेबल है जो कि चिल्ड्रन है डैश बेसिक सो so, बेसिकली चिल्ड्रन जिनकी बेसिक और कोर लर्निंग की बात कर रहे हैं सो हुज बेसिक एंड कोर लर्निंग आपका करेक्ट होना चाहिए तो हुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु नहीं होगा विच नहीं होगा आगे भी कोविड नाइनटीन की बात करिए आगे, आगे आप देख सकते हैं सारा तो ये था भाई हमारा दस तारीख के सारे के सारे सेफ्ट सेट हो गए एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो हर एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल भी मिस मत करना आरजी विक्रमजीत ओपन करिए आरजी विक्रमजीत ऐप वहां पर जाइए इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे आपको मेन्स के बैच भी दिख जाएंगे प्री यानी फाउंडेशन लेवल के जो बैच है वो भी दिख जाएंगे और आपको ये आपका इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच भी दिखेगा जो कि सबसे बेस्ट बैच है ठीक है बहुत बढ़िया बैच है आप ये चेकआउट कर सकते हैं सिर्फ छह सौ निन्यानवे रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है अब बढ़ते हैं मेरे भाई ग्यारह तारीख का शिफ्ट वन सेट वन चलो भाई अब आ जाते हैं हम ग्यारह तारीख की पहली शिफ्ट पे हम छह शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये हमारी सातवीं शिफ्ट है तो ये आपका एक सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन है इसको आप कैसे आसानी से बना सकते हैं देखते हैं एक बार जैसे देखोगे वाइल द एम्प्लॉज मीटिंग ऑन टाइम द बॉस अराइव एट द द देखा यानी इसके लिए नाउन चाहिए आप आपको ऐसा पार्ट देखो जिसके स्टार्टिंग में नाउन हो आप पाओगे कि मीटिंग ही है सिर्फ नाउन बाकी तो आप देखो यहाँ पे डेस्पाइट है यहाँ पे वर है यहाँ पे वाइल है ये सब तो आ नहीं सकता पक्की बात है कि सीबी एक पेयर बनेगा यहाँ पे सीबी एक पेयर है यहाँ पे सीबी पेयर नहीं है यहाँ पे सी बी पेयर नहीं है यहाँ पे सीबी पेयर नहीं है यह ऑप्शन पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल तो बेसिकली ट्राइड वेरी हार्ड बेसिकली फेस्ड द म्यूजिक मूव्ड heaven एंड अर्थ तो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं तो इसके लिए आपका जो करेक्ट वो आता है मूवड हेवन एंड अर्थ ठीक है बहुत ज़्यादा ट्राई करना फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना ड्रू द लाइन बेसिकली कुछ एक लिमिट बना देना किसी भी चीज़ की ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका है इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी अब जैसे ही देखोगे इट आपका सब्जेक्ट है इज आपकी वर्ब आ गई के बाद में सब्जेक्टिव केस आ गया आपका ही आपका रिलेटिव है, जिसका एंटीसीडेंट है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाएगा। ठीक है वैसे वर्क्स भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे कायदे से तो देखा जाए तो इट इज अगर आगे देखेंगे फॉर द कंपनी कंपनी के लिए फॉर मोर देन डिकेड

सो हैव ऑलरेडी टेकन है तो है प्लस वी थ्री को बेसिकली बीन में बदल देंगे तो आप देखोगे हैज ऑलरेडी बीन टेकन ये हो सकता है यहाँ पर वॉच कर दिया है हैज बीन टेकन यहाँ पे से ऑलरेडी गायब कर दिया है हैज ऑलरेडी बीन टेकन अब देख लेते हैं द ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन और किसके द्वारा बाई आवर स्कूल टीचर्स है और ऊपर लिख रखा है बाई द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल ओरिजिनल सेंटेंस में क्या था ये आपको देखने द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल था यही आपका करेक्ट होगा सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है वन वर्ड का क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बेसिकली क्या होता है आपका देखो बाइनोकुलर भी दूर के लिए होता है लेकिन स्पेस के लिए नहीं होता है दूरबीन जो होता है तो स्पेस की चीजों के लिए टेलीस्कोप होता है स्पेक्ट्रोस् जो इस ग्राफ होता है वो बेसिकली लाइट वगैरह की वेव के लिए होता है ठीक है और माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के लिए होता है आगे देखेंगे द विंडोज वॉयलेंट बैग्ड जैसे ही देखोगे विंडोज आपका सब्जेक्ट है बैग्ड आपकी वर्ब है वर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगाओगे वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब चाहिए द विंडोज बैग्ड हाउ कैसे बैंग करी तो आप कहोगे वॉयलेंटली और वैसे भी ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है वर्ब के बाद आना चाहिए क्योंकि वर्ब इंट्रान्जिटिव है सो द विंडोज बैग्ड वॉयलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉम इस तरीके से बन जाएगा आपका ठीक है कौन सा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है अब देखो ये जो एक पार्ट है उसको बोल्ड इटैलिक uh, कर रखा है ठीक है अंडरलाइन ना करके इटैलिक कर दिया ये वाला पार्ट इटैलिक हो रखा है यहाँ पे ठीक है और इसके लिए आपको वर्ड बताना है क्या होगा सो so, ये है एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पज ये हमने आज इसी वीडियो में डिस्कस भी किया था जिसको हम क्लिक बोलते हैं क्लिक एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप से ही मतलब रखता है स्पेशल पर्पज के लिए सो so बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा इसका क्लिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है इसी वीडियो में डिस्कस किया था इसलिए जल्दी से हमने स्किप मार दिया ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स क्रूअल का एंटोनिम बताना है तो काइंड हो जाएगा मेलेवलेंट तो बेसिकली नेगेटिव वर्ड होता है ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका है ही मतलब हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब है सही समय पर सही काम कर लेना बेसिकली तुरंत एक्ट करना सो दे आर एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक दे आर सर्टेन अबाउट डिसीजन दे हिट अ नेल विध अ हैमर नहीं दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड ठीक है सो एक्यूरेटली कोई काम कर दिया है अगला आपका क्वेश्चन है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर मैनर या मूवमेंट में ऑकवर्ड अगर कोई है तो उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं क्लमसी बोल देते हैं ठीक है थीके? क्लोन का मतलब होता है एक मजाकिया टाइप का बेसिकली क्लोन जो हो जाते हैं ठीक है थीके? अलर्ट इम्बेलेंस्ड अलग चीजें नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंसन अच्छा ये तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड चार्ल्स डार्विन रिनाउंड जाने जाते हैं किस चीज के लिए फॉरिज बुक ऑन इवोल्यूशन और इवोल्यूशन पे जो उनकी बुक है उसका नाम है ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पेसिज ठीक है विच लेड डाउन ट्रेजर ट्रेजर ऑफ सब्सटें देखो, बेसिकली डाउन नहीं होता है ले आउट बनाना किसी चीज का बेसिकली अगर नीव रख रहे हैं, so layout होता है, तो यहां पे देख लेंगे नहीं, 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 ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका वर्ड है ऑथर लेड टू मेनी फ्रूटफुलर अब एक्विटेंस का बेसिकली आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछा है कि एक्विटेंस का करेक्ट स्पेलिंग यहां पे? क्या हो जाएगा सो so, देखो एक्विनटेंस में ए सी क्यू दोनों आते हैं यहाँ पे क्यू नहीं है यहाँ पे सी नहीं है ये दोनों है यहाँ पे भी दोनों है यहाँ पे यू ए आई है यहाँ पे यू ए आई है एन है टी है और यहाँ पे ए है और ये ई है तो टेंस में ई e, ए नहीं आता है मतलब सॉरी ई e नहीं आता है ए e आता है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का मतलब होता है पहचान जान पहचान ठीक है रवि विल प्ले द मैच इसका पैसे वॉइस पूछा है So, will play को will be played में बदल देंगे तो विल बी प्लेड विल बी प्लेड दो जगह आ गया अच्छा यहां पे है 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 ये गलत हो जाएगा। Is played है, will have है, ये गलत गलत हो हो जाएगा जाएगा देखेंगे अगला आपका हैल्सिनाइल बेसिकली so, होते हैं जो ऐसे जो बच्चे हैं ना अभी पूरे तरीके से एडल्ट जो नहीं हुए उनके लिए बेसिकली तो इसके लिए सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है आपका यंग हो जाएगा ठीक है यंग हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है आई वॉज अपन समी रेंग द डोरबे देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी हमने बिकॉज हमें छत्तीस सेट रिकॉर्ड करने तो वीडियो की लेंथ हम बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं ठीक है इसीलिए मैं इधर उधर की बातें भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं आपसे सो आई वॉज अप स्टेयर्स वैन अब देखो अप स्टेयर्स की स्पेलिंग पूछिए कि कौन सी आपकी करेक्ट होगी सो देखो जैसे ही आपने देखा ये वाला स्टेयर नहीं होता है ये वाला भी नहीं ये वाला भी नहीं ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे एडवर्सिटी का मतलब होता है पॉवर्टी गरीबी या विपरीत परिस्थितियां जब चल रही हूँ हमारी ठीक है तो इसका सिनोनिम पूछा है तो मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं हम ठीक है प्लेजर एडवांटेज और ये सक्सेस पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है आपका एडवर्सिटी देखो सी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर अवर डांस परफॉर्मेंस ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है कुछ ज्यादा ना नर्वस फील करना ऐसा लगना कि क्या होगा क्या होगा तो सिनोनिम पूछा है तो सिंपल है नर्वस दे रखा है काम तो एंटोनी हो जाएगा प्लेसिड भी एंटोनी हो जाएगा चीयरफुल यानी कि जो खुश होता है ये भी नहीं बनेगा आगे देखेंगे मेरे भाई पैरा जम्बल का क्वेश्चन है एक बार सेंटेंस जम्बल है जल्दी से पढ़ेंगे एक बार और फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे डी पे एंड हो रहा है सी पे एंड हो रहा है सी पे बी पे ऐसे एंड हो रहा है तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हम एंड नहीं कर सकते सी पे एंड नहीं कर सकते बिकॉज ही हैड ही हैड क्या तो इसका मतलब है ये तो नहीं होगा ठीक है ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाते हैं अब आप देखते हैं बी पे होगा कि नहीं हु टू गिव गिव क्या तो आप कहोगे बी पे भी एंड नहीं होगा ठीक है डी पे हो सकता है वॉज ऑन वेकेशन वेकेशन पे था ये हो सकता है यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ए से शुरू करेंगे तो आप कह सकते हो कर सकते हैं ही हैड टू टेक द बस कौन सी बस की बात कर रहे हैं टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड यहां से भी कह सकते थे कि हेड के बाद में बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नेवर आपका ये सही हो जाएगा तो ई से कनेक्ट हो पा रहा है सारा हो पा रहा है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे फटीक का मतलब क्या होता है इसको तो मैं बहुत बार बताया भी है क्लास में और ऐसे ही बताता हूँ कि ट्रेनिंग में फटीक करवाते हैं कि पूरा वीक ट्रेनिंग करके थक गए तो एक शाम घास कटवा लेते हैं कि चलो फटीक करवा देते हैं फटीक होती क्या टायर्डनेस होती है थकान होती है सो थकान आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा फटीक का ठीक है सो फटीक बेसिकली जो मोटापा होता होता है 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 ना उसको बोल देते हैं हैं विगर पावर होता है, मिशन आप जानते ठीक फॉरवर्ड करना यानी किसी को कुछ काम करने से मना कर देना प्रोहिबिट कर देना एंटोनिम पूछा है तो बेसिकली अलाउ कर देना अलाउ कर देना फोर्स से छोड़ना होता है ना आगे देखेंगे ये क्लोज टेस्ट है एक बार जल्दी से खुद पढ़ेंगे और फिर फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और सारे आंसर मार्क करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे बढ़ जाएंगे आगे ठीक है देखिएगा आजादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का यह आजादी का अमृत महोत्सव क्या है क्या ऑब्लिगेशन है आपको बिल्कुल मजबूरी थोड़ी ना है मेरे भाई ऑकल्ट भी नहीं है एसोसिएट भी नहीं है ये आपका इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक काम है इनिशिएटिव है कोई नई चीज जो शुरू करते हैं उसको बेसिकली सिनोनिम कह देते हैं ठीक है आगे देखेंगे ये ऑकल्ट बेसिकली जादू टोने से रिलेटेड होता है ठीक है आगे देखेंगे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटिफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल यानी कि पचहत्तर साल आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं उसी की बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल हिस्ट्री और अपने पीपल इनको सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं कल्चर एंड अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है रिफ्यूज है विथ होल्ड है एलियनेटेड है डेडिकेटेड है ऑब्वियस सी बात है लोगों के लिए डेडिकेट किया जाएगा सो दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द

बट ऑल्सो क्या रहे रहेन so, करते हैं क्लैरिफाइज करते हैं देखो तो पहली बात तो यह सब्जेक्ट आपका क्या है पीपल है ठीक है अगर पीपल 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 है है यानी कि बेसिकली के लिए लगाया है, तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल सिंगुलर है क्लैरिफाइज सिंगुलर है कंक्लूड सिंगुलर है possess आपका एकमात्र जो प्लूरल फॉर्म है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सो बट ऑल्सो पजेस द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया टू टू यानी कि लोगों के अंदर ये पोटेंशियल है लोग लो पजेस्ट करते हैं पोटेंशियल क्या करने का रियलाइज करने का रियलाइज करने का मतलब होता है किसी सपने वगैरह को पूरा करने की बात करना है ना रियलाइज करना नरेंद्र मोदी जी का क्या है विजन है आप कह सकते हैं इनका कोई ग्राफिक नहीं है कंट्रोल नहीं है डिजाइन नहीं है सो विजन इज द करेक्ट आंसर आगे देखेंगे ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया टू पॉइंट फ्यूल्ड फ्यूल्ड यानी कि उसके अंदर एक एनर्जी दी जा रही है बाई द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट से भरा हुआ है ठीक है द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगन ऑन ट्वेल्थ मार्च 2021 ये 21 को बेसिकली स्टार्ट हुई थी बिगनिंग डैश तो countdown होगा breakdown होगा custom होगा कस्टम भाई 75th जो हमारा एनिवर्सरी है उसका बेसिकली क्या करेंगे काउंट डाउन करेंगे काउंट डाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन तो चीजों को तोड़ने के सेंस में आता है वो नहीं है आगे देखेंगे भाई ये शिफ्ट वन था अब हम शिफ्ट टू की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से शिफ्ट टू में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है

आउट ऑफ वुड्स जनरली खतरे से बाहर के लिए लगा देते हैं अंडर द रोज नहीं होगा ठीक है आगे देखेंगे आ जाइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को इफ आई वॉज द क्वीन अब आपको पता ही है कि कंडीशनल सेंटेंसेज में जब भी हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं तो वॉच का नहीं वर का यूज करते हैं इसीलिए इफ आई वर द क्वीन हो जाएगा ठीक है क्योंकि आगे वुड लगा रखा है तो इधर वी टू आ जाता है आपका फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं सारी जगह पर मैंने पढ़ा भी रखे हैं दे भी रखें रिसीव का एंटोनिम देखा है रिसीव का मतलब होता है किसी चीज का मिलना अब देखो रिवॉर्ड बेसिकली मिलता है तो ये तो एंटोनिम नहीं आएगा फंड भी आपके सामने आते ही है ये भी एंटोनिम नहीं बनेगा एडमिट करना मान लेना होता है ये भी नहीं बनेगा तो फिर एग्जाइल है एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना अब देखो रिसीव का एक दूसरा सेंस ये भी होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं से आया तो हम उसको रिसीव करते हैं और जब हम अपने यहाँ से निकालते हैं उसको तो क्या करते हैं एग्जाइल कर देते हैं तो एग्जाइल आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है देखो एम्बेस दे रखा है अकोमोडेट दे रखा है दे दे रखा है, दे रखा है है so, सो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एल ई -E नहीं एल ए आर ए टी ई होता है एक्सिलरेट करना यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा एक तरीके से हंसा देना किसी को उसके सेंस में आ जाता है एक्सिलरेट करना ठीक है हंसाने के सेंस में भी आ सकता है बढ़ाने के सेंस में भी आ जाता है एम्बेस करना नीचा दिखाना होता है अकोमोडेट करना बेसिकली किसी को रखना है अपने वहां पे अकरेंस बेसिकली किसी का कुछ होना तो ये बेसिकली करेक्ट स्पेलिंग दे रखे थे पहले से ही तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है है, तो देखो, amend, किसी को बदलाव करना सेटिस्फेक्शन नहीं बनेगा अपैथी नहीं बनेगा ईगरनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपैथी होता है लैक ऑफ फीलिंग्स नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका और बिलीफ कोई फॉल्स आइडिया हो या बिलीफ हो उसको फैलैसी बोल देते हैं हम ठीक है क्या बोल देते हैं फैलेसी रेटिसेंस बेसिकली शांति होती है ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका है सोनम डज नॉट लाइक बनाना सोनम बनाना पसंद नहीं करती है डज नॉट लाइक है तो बेसिकली क्या है आर नॉट हो जाएगा कौन सा वाला ऑप्शन वाला ऑप्शन यहां पे बनाना इज कर दिया ये गलत है ला ठीक है आगे देखेंगे गौरव वॉज नो गुड देन अ फुल पर्सन अब जैसे ही देखोगे देन लगा रखा है तो इसका मतलब कंपेरेटिव डिग्री आएगी कंपेरेटिव कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे Aqueous, आपका दे रखा वर्ड का मीनिंग क्या होता है aqueous का मतलब होता है basically, किसी से एग्री कर जाना किसी बात को मान जाना अब मान जाने के सेंस में क्या है देखो, डेसिस्ट करना basically, hate करने के सेंस में आ जाता है, ठीक है थॉर्ट करना किसी को बेसिकली रोकना और सीज करना बेसिकली किसी चीज को बंद कर देना तो कनकर करना एग्री कर जाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका समवन टेकन माई सीक्रेट डायरी

जो भगवान में विश्वास नहीं करता तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिस्ट हो जाता है आगे देखेंगे दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड जिसको जीता नहीं जा सकता है वो इनविंसिबल कहलाता है सो so, इनविंसिबल हो जाएगा जिसको देखा ना जाए वो इनविजुअल होता है इनडेलेबल बेसिकली होता है जिसको डिलीट ना किया जा सके ठीक है आगे देखेंगे In my new office, all employees, अब देखो, आउट ऑफ वॉटर का मतलब होता है एकदम अनकंफर्टेबल फील करना कहीं पे। तो हम कह देंगे अनकंफर्टेबल दे हो होता है ये। आगे, मिसेज लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन अब देखो आईओ आर वाले जितने एब्जेक्टिव होते हैं इनके साथ में टू आता है ना कि देन तो सुपीरियर टू हो जाएगा मिसेज सुमाज नेक्स्ट देखेंगे ये पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आपके सामने एक बार इसका आंसर करेंगे देखो मैंने मैराथन से आपको कराई थी उनसे बहुत फायदा हुआ होगा ये आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं आप ठीक है द जेन्युइन बिलीव दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाई द मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव इन लेटर लाइफ समथिंग ऑफ दैम रिमेन्स डीपली दैम यानी कि किसकी बात कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं तो बी से पहले हमें बताना पड़ेगा दैम किसकी द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन ज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकोगनाइज बाई ऑल एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज देखो पहली बात यह है कि द जेन्यून बिलीव कौन सी की बात कर रहे हैं तो ना तो ए से शुरू करना चाहिए हमें और ना बी से लेकिन बाई चांस ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो सी या डी से शुरू हो रहे हैं अब सी जो है वो कह रहा है कि द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर और डी जो वो कह रहा है कि एजुकेशन इज एज अ रूल एक रूल के तरीके से द फोर्स ऑन साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज एंड अगेन फंडामेंटल चेंज ठीक है ये यहां पे ना थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए था फिर भी देख लेते हैं एक बार और फिर कहा गया कि द जेन्यन बिलीव दो नॉट अब देखो ये जो दैम है पक्की बात है ये बिलीव के लिए आया होगा या आप एक बार को ये भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रन के लिए आ सकता है ठीक है समथिंग ऑफ देम इसका मतलब है किसी प्लूरल के लिए आएगा इतना आप तो समझ ही सकते हो ना आप लोग के प्लोरल के लिए आएगा तो पक्की बात है कि ये ए के बाद में ही आएगा ये जो बी है वो ए के बाद में आएगा अब आप देखोगे यहाँ पे ए के बाद में है भी यहाँ पे ए के बाद में है भी यहाँ पे ए के बाद, बाद में भी यहाँ पे ये गलत हो जाता है ये ऑप्शन आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया ठीक है अच्छा दूसरी चीज आपको एक और जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि ये जो एजुकेशन एज यहां पे हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की क्या है और यहां पे हम बता रहे हैं कि एजुकेशन एज अ रूल क्या है इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है जनरली जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है इसका मतलब यह है कि पहले हमने कुछ चीजें बताई हैं और ये लास्ट में हम एक रिजल्ट निकाल के लेके आए कि एक एज अ रूल ये बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसका मतलब है ये शुरुआत में नहीं आ सकता इसको हमारा कहां पे आना चाहिए लास्ट में शुरुआत में नहीं आ सकता है तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता है करेक्ट हो जाएगा एक बार फिर भी पढ़ के देख लेते हैं कि द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सबके द्वारा रिकॉग्नाइज भी की जाती है और बहुत ज्यादा है ठीक है और इसी के बाद इसको कॉन्टिन्यू करते हुए कह सकते हैं कि जो जेन्युइन बिलीव्स हैं दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाई द मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव इन लेटर लाइफ कहा गया है कि जो जेन्युइन बिलीव्स हैं बेशक वो बेसिकली अनकॉन्सिय नॉट अनकॉन्सियसली एक्वायर्ड है by most children and even if they depart from these beliefs in later life something of them remains deeply to yahan se pair bana वैसे भी कर सकते थे ठीक है remains deeply implanted ready to emerge in a time of stress or crisis aur fir yahan pe bata diya gaya ki education kya hai basically strongest force hai तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा सा complicated question था लेकिन फिर भी आप इसको deal कर सकते हो tackle कर सकते हो तो ए ऑप्शन आपका correct answer है Next देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी मेड अब ऑर्गेनाइजेशमेंटल का क्या पूछा है सिनोनिम पूछा है सेंटिमेंटल यानी कि जो बेसिकली वो उनके ना मन को जो कर रहे हैं ठीक है अब सेंटिमेंटल के लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड होता है मॉकिस मॉकिस का मतलब होता है सेंटिमेंटल प्रैक्टिकल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंसियर बेसिकली जो ठीक ठाक होता है और सिनिकल जो मजाक जो मतलब बेसिकली दूसरे लोगों का हंसी मजाक करे जो दूसरे लोगों का बेसिकली विश्वास ना करे ठीक है आगे देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है देखो एक्ससीड की स्पेलिंग एकदम सही है सक्सीड की भी एकदम सही है प्रोसीड की भी एकदम सही है ये जो प्रसीड होता है ना सी ई डी ई इसमें लिखा जाता है इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कौन सा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे देखो प्र, प्र, प्रोसीड करने का मतलब होता है आगे बढ़ना और प्रसीड करने का मतलब होता है किसी से पहले वाला होना ठीक है आगे देखेंगे सिक्योर का एंटोनिम पूछा है भाई किसी को सिक्योर कर लिया एंटोनिम में क्या है उसको अटैक कर दिया तो एंटोनिम नेवर एबल टू डाई जो कभी मरता नहीं है उसको क्या बोल देते हैं इमोर्टल बोल देते हैं इमोर्टल बोल देते हैं मेरे भाई नेक्स्ट देखेंगे ये आपका क्लोज टेस्ट है मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ एक बार जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन क्या है डिलेक्टिबल है हैबिचुअल है है या आपका प्रोन है ठीक है देखो डिलेक्टिव होता है मेलोडियस टू द ईयर और टेस्ट एक है हैबिचुअल देखो स्टोरी कभी भी हैबिचुअल नहीं हो सकती है इसको बिल्कुल नहीं लगा देंगे और प्रोन के साथ में प्रोन टू समथिंग होता है इसको वैसे भी नहीं लगा सकते हैं ठीक है डिलेक्टिवल के साथ में भी डिलेक्टिवल टू होता है ठीक है मैंने अभी बताया था ना डिलेक्टिवल बेसिकली जो डिलेक्टिवल के साथ टू आता है क्वाइंट so, इन ही आपका करेक्ट ऑप्शन बन सकता क्वाइंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डे स्टाइल इज इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग क्या होता है कि जो स्टाइल है वो धीरे धीरे बेसिकली इज आउट हो जाती है और बहुत आसान बन जाती है सो ग्रेजुअली करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपली है ना ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे द ऑथर ब्रिंग आउट द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट इन इज स्टोरी जो ऑथर है ब्रिंग आउट करता है यानी बाहर लाता है क्या ह्यूमन एलिमेंट्स को दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन ओल्ड आर्टिस्ट क्या दिया गया सुपरविजन दिया गया कंडीशन दिया गया डायमेंशन दिया गया एक कहते हैं ना एक नई डायमेंशन मिल गई एक नई चीज मिल जाती है उसको ठीक है सो गिवन अ न्यू डायमेंशन बाई द ओल्ड आर्टिस्ट हु हुई हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे जो ये दिखाना चाहता है कि भाई अपनी एक्ट से ये दिखाना चाह रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन के लिए हीरो हो सकता है इफ ओनली यदि सिर्फ वन केयर्स डैश वन केयर्स क्या हो जाएगा वन केयर्स दो इनफ थ्रू टफ सो आप वन केयर्स इनफ अगर इनफ केयर करे तो आपका करेक्ट वो बन जाएगा के हीरो बन सकता है ठीक है केयर्स इनफ ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मेटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल जो ओ हेनरी जो कि ऑथर है उसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली अपने मटेरियल का वो बैलेंस्ड है और कंट्रोल्ड है अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर ह्यूमर एंड पैथोस का बेसिकली बेसिकली क्या Ascend है 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 अमेंड मिश्रण को दिखाने के लिए हम ब्लेंड बोल देते हैं क्या अ फाइन ब्लेंड ऑफ समथिंग ब्लेंड यानी कि मिश्रण आगे बढ़ेंगे मेरे भाई अगली शिफ्ट पे चलेंगे और अगली शिफ्ट एक बार फिर से याद दिला दूं इस पे 11 की शिफ्ट थ्री लिखा हुआ है लेकिन इसको 12 की शिफ्ट टू मान के पढ़ेंगे पूरे पेपर के दौरान तो ठीक है तो पूरे अगले 25 क्वेश्चन में

एंड दे टॉकड अबाउट और उन्होंने बात की थी देअर प्रॉब्लम अब जैसे ही देखा आपने पूरा सेंटेंस बेसिकलीस्ट में चल रहा है अगर पास्ट में चल रहा है तो आई हैज नहीं हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सब कुछ पास्ट में चल रहा है ठीक है आगे देखेंगे मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन है दस पार्ट में सेंटेंस को तोड़ रखा है और पूछा है कि बेसिकली क्या बनेगा इसका सही सिक्वेंस अब देखो जैसे ही आप देखते हो ना आई दे रखा है शुरुआत में ही दिखेगा आपको तो आई के साथ में आप देखिए क्या आ सकता है यहीं से कनेक्ट हो जाएगा आई दैट आ सकता है नहीं आएगा आई द सेफ आ सकता है नहीं आएगा आई टू वर्क नहीं होगा आई इन नहीं होगा आई द न्यू नहीं होगा आई हर्ड हो सकता है। A, सकता है है यानी कि ए जी बन आपका एक तो रेस्टोरेंट आई रेस्टोरेंट बनेगा नहीं बनेगा आई इज बनेगा नहीं आई अक्रॉस बनेगा नहीं, नहीं बनेगा यानी कि ए जी का पेयर देखना आपको कि कहां कहां मिल रहा है यहां पे ए बी है ये नहीं बनेगा यहाँ पे ए जी है वेरी मच पॉसिबल पे AG है, नहीं है यहां पर ए जी है नहीं है एक ही ऑप्शन में AG बन रहा है है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक का, का नेक्स्ट जिससे हम नफरत कर तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया है तो बेसिकली रिपेल हो जाएगा इसका मतलब भी किसी से नफरत करना बहुत ज्यादा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे रिप्रूव एक अच्छा वर्ड दे रखा है रिप्रूव का मतलब

इंप्रेसिव एचिंग्स के लिए पेंटिंग्स टाइप की चीज होती है ये और ये है बोकोलिक होता है बेसिकली ये बी यू सी ओ एल आई सी बकोलिक का मतलब होता है बहुत खास बहुत अच्छा बेहतरीन सा जो लैंडस्केप होता है ना उसकी बात करने के लिए हम बकोलिक लिखते हैं तो इसमें भी एरर है तो ये भी नहीं बन सकता है आपका द इशोन सी द इंसोसियंस ऑफ द रॉक star considering the importance of the occasion came as a shock to the audience who expected stressful moments जैसे ही हम देखते हैं यहां पे देखो insocience एक बार इसको चेक करते हैं देखते हैं ठीक है एक बार फोर्थ को चेक कर लेंगे अगर उसमें कोई एरर नहीं मिला तो इसमें मिल सकता है अगर ऐसा कोई भी स्पेलिंग कभी आता है तो ये अप्रोच आप लगा सकते हैं ठीक है तो वैसे तो स्पेलिंग वाइज तो सही लग रहा है वैसे CIA आ रहा है यहां पे और SOU भी ठीक है ठीक है देखते हैं एक बार कंसीडरिंग भी एकदम सही है इंपोर्टेंस भी एकदम सही है ओकेजन में ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ठीक है ऑडियंस भी आपका करेक्ट दे रखा है आगे देखते हैं फोर्थ सेंटेंस को भी सब करेक्ट लग रहा है इसमें तो स्ट्रेसफुल भी ठीक है द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन देखो एग्जीबिशन की जो स्पेलिंग होती है वो ई एक्स एच आई होता है एग्जीबिशन यानी कि कुछ जो लगा देते हैं ना दिखाने के लिए सो so एग्जीबिशन होता है बाकी स करेक्ट दे रखा है तो आपको ये भी नहीं हो सकता तो सारे करेक्ट फिर इसी में हो जाएंगे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे सेलेक्ट द द ऑप्शन दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव तो अरेस्टेड है तो तो पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा तो अरेस्ट नहीं बनेगा वॉज अरेस्टेड नहीं होगा तो अरेस्टेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज वाला नहीं बनेगा आगे देखेंगे मेरे भाई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है देखो टू आवर प्लेनेट अर्थ प्रोवाइड्स असेंशियल एनर्जी Sustaining लाइफ एंड warmth तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट मतलब वर्ब है तो कौन प्रोवाइड करता है तो आपका कहोगे द दर्शन करता है तो पी और ओ आपका मैंडेटरी बन जाएगा ठीक है ओ वैसे इसके ऑप्शन देखना पी क्यू ओ आर खतरनाक है ना आदमी एक बार को फंसी जाए पी क्यू ओ आर ठीक है तो ऐसे ऑप्शन बना दिए अजीब है भाई ठीक है फिर भी देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि पी और ओ आपका मैंडेटरी पेयर है पी और ओ अगर आपका मैंडेटरी पेयर है एक तो यहां पे बन रहा है स्टार्टिंग में ही यहां पे नहीं बन रहा यहां पे नहीं बन रहा यहां पे भी नहीं बन रहा तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकमात्र ठीक है सो द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी और किसको देता है टू आवर प्लेनेट अर्थ ठीक है सस्टेनिंग लाइफ एंड वॉम ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आगे

आगे देखेंगे अगला आपका है He had dash, the dash into smaller clips. तो तो के बाद में वर्ब की थर्ड आएगी 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 नहीं नहीं होगा और वैसे वर्ब क्यों क्यों आप ये भी मान सकते हो अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया इसका तो फिर ये क्या बनेगा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इसको जस्टिफाई तभी कर सकते जब यहां पर वर्ब होगी अगर यहां पर वर्ब आएगी तो देखो हेड के बाद एक ही ऑप्शन में

पाँच साल बाद मैं क्या ये कहूंगा मैं खा रहा था या मैं खा रहा हूं जनरली मैं कहूंगा कि ये जो स्वीट डिश है ना मेरे भाई ये जो सेम डिश है इसको मैं सेम रेस्टोरेंट में पांच साल बाद खा रहा हूं तो इसका मतलब है आई एम ईटिंग आपका बेटर आंसर है विल हैव है तो आपका वैसे ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा ठीक है हैज बीन तो वैसे ही नहीं होगा आई के साथ में और हैड बीन ईटिंग पास्ट परफेक्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है पैरालाइज्ड

तो अगर आपको यह है कि सर ये सारे वर्ड्स हम कैसे कवर करें तो इन सारे वर्ड्स के साथ में आपको ई e बुक प्रोवाइड कर दी गई है कहां पे जो हमारा चैनल है टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और वो क्या वंडर्स बाई प्रशांत सर वहां पे आपको ई e बुक मिल जाएंगी ये सारे वर्ड्स वहां पे मिल जाएंगे तो मल्टीपल रिविजन अगर आप करोगे इनके तो आपको ईजिली ये याद रह जाएंगे आगे देखेंगे लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे

बिफोर आई वेंट टू to सिंक तो इसका इंप्रूवमेंट पूछा है ठीक है अगर इंप्रूवमेंट पूछा है तो देखो विस्ड मी गुड लक के लिए मैंने आज की क्लास में बताया था आपको वो होता है बेसिकली ब्रेक द लेग ठीक है ब्रेक अ लेग सो टू ब्रेक अ लेग आपका हालांकि ना इसको सेंटेंस में ऐसे नहीं लिखना चाहिए जैसे इन्होंने लिख दिया है यह गलत तरीका है इनका मैंने इस चीज पर ना एक बार पहले भी वीडियो में बोला था कि ये वाला सेंटेंस इस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है यार कुछ चीजें ऐसे होती है ना कि डायरेक्ट हम विस करते हैं तो वैसे ही बोलते हैं अब आप, आप खुद से सोचो मैंने आपसे कहा कि बेस्ट ऑफ लक ठीक है बेस्ट ऑफ लक तो आप ये थोड़ी कह दोगे यू टोल्ड मी बेस्ट ऑफ लक ऐसे थोड़ी कहा जाता है दूसरा अगर आप ऐसे कह, कहोगे ना माई सिस्टर टोल्ड मी मेरी सिस्टर ने कहा टू ब्रेक अ लेग जाओ एक टांग तोड़ दो ऐसा कहना चाह रहे हैं नहीं ये लिटरल मीनिंग में आ जाएगा बेस्ट ऑफ ये ब्रेकर लैग बेसिकली आपका एक तरीके से सिर्फ इसी तरीके से यूज किया जाना चाहिए इसको ऐसे सेंटेंस में नहीं विस्ड लिख देते फिर भी बेसिकली अलग सेंस आता लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहिए बाकी ठीक है इतना दिमाग ऐसे वाले कम लगाते हैं कि ऑकवर्ड मीनिंग बन जाता है बाकी ब्रेकर लैग ही होगा और कुछ आपका होता नहीं है आगे देखेंगे ये पूरा सेंटेंस बनाना है आपको बेसिकली पांच छह पार्ट दे रखे इनमें से देखेंगे जैसे आप देखोगे सो आई विल विल के बाद में आपको क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है नीड्स तो आ नहीं सकता है नीड आ सकता है सो so आप आसानी से कह सकते हो कि एफ के बाद में ई e का पेयर बनेगा मैंडेटरी पेयर है ये एफ ई तो यहाँ पे एफ ई नहीं है यहां पे एफ ई नहीं है यहां पे एफ ई बन रहा है और यहां पे एफ ई बन रहा है ठीक है अब देखो एक में एफ ई पे एंड हो रहा है एक में सी आ रहा है तो बाई वर्ब पे नहीं एंड करेंगे ना आई नीड टू बाई ऑफ वुड तो आप होगा तो, हो तो, तो आप कहोगे पार्क से तो आर एस का पेयर बनेगा यहाँ पे एस आर कर रखा है गलत हो जाएगा यहाँ पे आर एस का पेयर नहीं बन रहा है यहां पे भी आर एस का पेयर यहां पे बन रहा है या फिर यहां पे बन रहा है दो में बन पा रहा है तो देख लेते हैं एक बार एक में बेसिकली ओ से शुरू हो रहा है एक में क्यू से शुरू हो रहा Q हो तो है क्यू से शुरू होगा तो वी है ओ से शुरू होगा तो वेंट है वेंट से शुरू कर नहीं सकते तो क्यू वाले से करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे सी हैज डैश विटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग सो विटी का बेसिकली एंटोनिम पूछा है विटी का एंटोनिम क्या होगा देखो विटी का मतलब होता है चतुर चालाक चंचल इस टाइप के है ना तो एक दे रखा है वॉयफुल तो सिनोनिम तो बन मतलब वॉयफुल का मतलब होता है बहुत उदास टाइप का तो ये तो नहीं बनेगा उदास वाला है ना और विम्सिकल का मतलब होता है जो बहुत विम्स पे चल रहा होता है एकदम अजीब जो टाइप का होता है आपका हो जाएगा अनअम्यूजिंग यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल अम्यूजिंग ना हो एक ऑप्शन दे रखा है सॉरी सॉरी इसका आंसर बन सकता था अगर अन्यूजिंग नहीं होता देखो वो कैब में हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है अक्सर करके तो विटी रिमार्क्स को सॉरी जैसे हम बोल देते हैं ना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स तो वहां पे हम कह सकते हैं कोई चीज जो खराब होती है उसके लिए लगा देते हैं बट फिर भी उतना अच्छा नहीं है

If we, so, अगर हम वो बोएंगे, तो वी कांट रीप ग्रेन अगर हम वो सैफ बेसिकली वो होता है जो गेहूं के बीच में वो निकल आती है ना राई बोलते हैं शायद उसको राई बोलते हैं जो भी बोलते हैं ठीक है सो so, वही होता है तो अगर हम वो बोएंगे तो फिर हमें ग्रेन थोड़ी ना मिलेगा अनाज थोड़ी ना मिलेगा ठीक है सो so, का मतलब बोना होता है एंड द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन वॉट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही डैश इट डज इट क्रिएट इट पुट इट अब देखो ही अगर आपका सब्जेक्ट है तो सी बात है सिंगुलर वर्ब आएगी क्रिएट प्लूरल है पुट प्लूरल प्लूरल है 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 तो डज आपका आपका सिंगुलर है ये करेक्ट हो जाएगा इफ वी वर्क हार्ड अगर हम मेहनत करेंगे तो वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क ठीक है अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता उतनी मिलेगी जितना हम वर्क करते हैं पीपल हु थिंक लोग जिनको लगता है द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश जिनको ये लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा बेसिकली क्या है डैश इज मोर ग्रेटेस्ट सुप्रीम देखो ग्रेटेस्ट तो अगर होता तो द लगाते मोर होता तो कुछ देन लगाते मोस्ट भी नहीं लगा सकते बेसिकली जिनको लगता है कि लॉ ऑफ कर्म सुप्रीम है मे फील ऐसा फील कर सकते हैं दैट इफ वन इज टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्राइव फॉर इट और नॉट जो कर्म में विश्वास करते उनको ये लग सकता है कि जिस जो चीज जिसके लिए बनी है उसको तो मिल जाएगी चाहे वो उसको पाना चाहे या ना चाहे ऐसा लोगों को लग सकता है ठीक है, बट एक्सपीरियंस टेल्स एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जो reward और होते होते हैं हैं ना वो हमारे actions का direct result होते हैं। उसमें बेसिकली किसी और चीज का कोई मतलब नहीं है ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क नेवर गो अनिवार्डेड अगर आप ईमानदार हैं और आप हार्डवर्किंग हैं तो आपका कभी भी अनरिवार नहीं जाएगा ठीक है एंड डैश एंड अब देखो बैडली डिसऑनेस्टली फेयरनेस हॉरिबली एंड डैश इविल डीड्स अब जैसे ही आप देखोगे ना चौथे में अनरिवार्डेड एंड डिसऑनेस्टी अब देखो यहाँ पे देखोगे ईविल डीड्स आपका क्या है एक नाउन है और एंड से जोड़ रखा है अगर एंड से जोड़ रखा है इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका क्या आना चाहिए नाउन आना चाहिए अब आप देखोगे बैडली तो एडवर्ब है ये नहीं आ सकता है आपका फेयरनेस हो गया हॉरिबली एडवर्ब है ये नहीं आ सकता है

को देखेंगे दो शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका द मदर आस्ट चाइल्ड विल यू टेल मी क्या आप मुझे बताओगे हु 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 डिड यू अब देखो जब भी भी हम लगाते हैं के साथ वैसे भी हमें जनरली डू का और डिड का प्रयोग नहीं करना होता है दूसरा ये भी कह सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड जब बीच में आते हैं तो क्वेश्चन के तरीके से वो काम नहीं करते हैं ठीक है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो गिवन है वो गलत है अच्छा हु डज यू भी नहीं लिखेंगे उसी लॉजिक से मस्ट बी का कोई मतलब ही नहीं है

क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में डिड मेंशन किया गया है यानी कि पास्ट की बात की गई है तो हम पास्ट को ही कंटिन्यू करते हुए ऑप्शन सी को सही मानेंगे ना कि डी को ठीक है तो जब भी ऐसा केस बनता है तो ध्यान रखेंगे जो ओरिजिनल मीनिंग था हमें उसी को कंटिन्यू करना चाहिए अगला आपका क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है एक है आपका हाइव बी हाइव जिसको बोल देते हैं बीज के लिए होता है एक है एवियरी बर्ड्स के लिए होता है एक वर्ड होता है एपियरी वो आपका हाइव जैसा ही होता है एक तरीके से बीज के लिए होता है सेंचुरी बेसिकली बर्ड सेंचुरी वगैरह नेचुरल चीजें होती हैं इन पर रखा नहीं जाता है जो आपका सारे एनिमल्स के लिए होता है आगे देखेंगे मोनोटोनस का एंटोनिम पूछा मोनोटोनस का मतलब होता है डल बोरिंग ठीक है सो so, रेशनल का मतलब है कोई चीज जो एकदम रीजन के साथ में दी गई है ठीक है इंग्रोसिंग का मतलब है जो आपको इंगेज करे जो आपको बेसिकली बिजी करे तो एक तरीके से कह सकते हैं जो इंटरेस्ट पैदा करे तो इसका एंटोनिम बेसिकली यही बन जाएगा उट एंड फॉर टी सो बेसिकली क्या बात कर रहा है होल्ड आउट करने की बात कर रहा है सो पोकर फेस चिप ऑन शोल्डर ओलि ब्रांच या बेसिकली आपका कंपेयरिंग एपल्स टू ऑरेंजेस देखो और कंपेयरिंग ऑरेंजेस एप्पल्स टू ऑरेंजेस का मतलब है एक इलॉजिकल सा कंपैरिजन करना यहाँ पे कंपेयर करने की बात ही नहीं है चिप ऑन शोल्डर बेसिकली बोल देते हैं कि किसी से कुछ गरज वगैरह रखना या बेसिकली ऐसा कुछ इरिटेटेड होना अनोयड होना है ना उसमें बोल देते हैं पोकर फेस की बात करते हैं अब्जर्ड फील करना और बेसिकली मतलब एक रेडिकुलर साउंड करना और ओली ब्रांच का मतलब है शांति संदेश तो काफी टाइम से लड़ाई चल रही थी शांति संदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओली ब्रांच हो जाएगा बेसिकली आपका एंटोनिम पूछा गया कैटोसट्रॉफी कोई बहुत बड़ा संकट जो होता है वो सो so डिजास्टर तो इसका सिनोनिम आ जाएगा नर्चर करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली पालना पोषना बड़ा करना का मतलब होता है फॉल्टलेस जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो तो इसका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा क्या सक्सेस ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है हाउ डिड वी एंड अप दिस अपरस रेप्चर का मतलब होता है जॉय तो इसका बेसिकली आपको बताना है क्या सिनोनिम सो एक्स टैटिक एक्सटैटिक का मतलब भी क्या होता है जॉयस तो ये आपका करेक्ट बन जाएगा मिसलीडिंग टेरिफाइंग डिजास्टर्स तीनों आगे देखेंगे, पैसे so, को पैसे में से बना देंगे तो यहाँ पर दिया है ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा यहाँ पे बींग की वजह से गलत हो जाएगा यहाँ पे नेवर को गायब कर दिया है इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका ये पैराग्राफ वाला है पी क्यू आर एस का क्वेश्चन इसको देखेंगे देखो सबसे पहले तो हम एक चीज कह सकते हैं मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द द द वर्ल्ड बट एट सेम टाइम इट 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 आल्सो इज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन टुडे टुडे वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरी देखो एक जगह पे ना यहाँ पे बट लगाया गया ठीक है और अगर बट लगाया गया तो बट दिखाता है आपका कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट दिखाता है तो देखो सेंटेंस देखो मोबाइल फोन की यहाँ पर तारीफ की गई है पॉपुलर है और पूरे वर्ल्ड में पे भी बताया गया कि मोस्ट वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पॉजिटिव बात यहाँ पे भी इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरी पॉजिटिव बात यहाँ पे बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेनी वेज इसका मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है अब देखो पॉजिटिव अब कॉन्ट्रास्ट के लिए कंजंक्शन एक है हमारे पास में तो ऐसा तो कर नहीं सकते पहले पॉजिटिव लिखा फिर कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन लगाया फिर नेगेटिव लिखा और फिर बिना कॉन्ट्रास्ट का कंजंक्शन लगाए दोबारा से पॉजिटिव पे तो आ नहीं सकते इसका सीधा सा मतलब यह सारा लो फिर कॉन्ट्रास्ट का लिख दो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। दो ऑप्शन एक ऑप्शन डी से शुरू हो रहा है और एक आपका ए से शुरू हो रहा है डी में एट लगा रखा है जो कि मोबाइल फोन के लिए है तो डी से तो शुरू कर ही नहीं सकते ए से शुरू होगा ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आगे देखेंगे इनकेपेबल ऑफ बी डिफीटेड जिसको डिफीट ना किया जा सके हराया ना जा सके वो

और स्ट्रेंज लैंड्स एक्साइटिंग प्लेसेस ये सब दिया गया है एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल जब से मैं छोटी लड़की थी मुझे ट्रैवलिंग पसंद थी आई गॉट टू ट्रैवल देखो यहाँ पे कह रहा है कि मेरा सपना फाइनली सच हुआ सच हुआ तो क्या हुआ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला पक्की बात है आपका कि ए डी लास्ट में आएगा और ये पेयर भी बनेगा ए डी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि सपना सच हुआ लास्ट में फाइनल हो गया पहले बताएंगे कुछ सपना था मैं यहां घूमना चाहता था वहां घूमना चाहता था ये सपना सच हुआ पिछले समर और मैंने यहाँ गया ठीक है आगे देखेंगे रेक्टिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना तो यहाँ पर एस एस सी ने ना जो रट्टा मार लेते हैं कि रेक्टिफाई करेक्ट करेक्ट की जाए करप्ट मार दें तो ये मत कर देना ठीक है सो एस एस सी ने ऐसा ऑप्शन दे दिया शुरुआत में इसके बाद में अपसेट करना बेसिकली किसी को बेसिकली अनॉय करना मार करने का मतलब है तोड़फोड़ करना बेसिकली अमेंड करने का मतलब होता है चेंज करना और चेंज करके बेसिकली उसको करेक्ट करा जाएगा अमेंड देखो यू वर नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क को मतलब क्वेश्चन को क्वेश्चन रखना है तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट सो बाई हुम वर यू इनवाइटेड ये आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका इनफ टू लिशन टू द्वेश्चन अब देखो जैसे ही आप इसको देखते हो स्पेलिंग का क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेलिंग देखने लिशिन की एकदम करेक्ट है इनफ एकदम करेक्ट है क्वेश्चन करेक्ट है कॉन्सियस होता है सी ओ एन एस सी आई ओ यूएस ठीक है कॉन्सियस नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका कॉन्सियस का मतलब है एकदम जागरूक होना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है देखो कैपिटलिस्ट एकदम सही है से, न, सेंटिनरी जो सौ साल के हो जाते हैं वो एकदम सही है ठीक है इसके अलावा अलावाबल नहीं होता है कॉन्टेम्प्टेबल होता है सुना है ना वर्ड सी ओ एन टी एम पी टी कॉन्टेम ठीक है जिससे घृणा की जा सके कॉन्टेमल हो जाएगा और कंज्यूमरिस्ट भी आपका सही है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आगे देखेंगे बियॉन्ड स्किल्स देखो सेल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक है पूरा पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इम नहीं है बियॉन्ड स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग

रिप्लाइड उसने रिप्लाई करा कैसे रिप्लाई करा इन अ ड्राई टोन ड्राई टोन में अब जैसे ही कॉमा लगा दिया इनवर्टेड कॉमा लिख दिया तो एक चीज तो आपको समझ आ जाएगी जैसे कि हम नरेशन में पढ़ते हैं आई सेट टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा उसके अंदर जो भी लिखेंगे आई लाइक like आई विल हेल्प यू ऐसा लिख सकते है। कोई दिक्कत नहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्यूचर का टेंस प्रेजेंट का टेंस आ सकता है बेसिक यहाँ पे पास्ट आ रखा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं उसके बाद में उसको पास्ट में चेंज करना है इसका मतलब है आई विल एकदम करेक्ट है आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर अब मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा सब सही लग रहा है सही बाकी सब है लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई और वो क्या आपकी आउच ये जो बोल रखा है हमने जनरली इसको लोग अवॉइड कर देते हैं इंटरजेक्शन होते हैं ये इंटरजेक्शन मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाली ये जो वीडियो है ग्यारह घंटे पैंतीस मिनट की इसमें पढ़ा रखा है समझा रखा है कि का क्या रोल होता है मुड़ जाता है आपके मुंह से आवाज निकले आउच, चोट लग गई आपको तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये बेसिकली सडन पेन को दिखाने का है कोई आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा तो वहां पर आपके मुंह से ये वाली आवाज निकलेगी ना तो ये तो बिल्कुल गलत है यहां पे आप क्या लगा सकते हैं आप कह सकते हैं भाई देख भाई अब से तेरे लिए काम नहीं करूंगा लुक आई वॉन्ट वर्क फॉर यू एनिमर या आप बोल सकते हैं लिसन आई वर्क फॉर यू ठीक है मैं आपके लिए अब आप काम नहीं करूंगा सो so, लुक लिख सकते हैं या लिसन लिख सकते हैं बट सिंपल सी बात है औच करके आप नहीं लिख सकते नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन सो so, कौन सा पार्ट हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका आनंद पर्सनली बिलीव इन द मोटो वेन लाइफ गिव्स यू लेमस मेक लेम इसका मतलब है कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना बस फायदा उठा लीजिए है ना सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्टिचुएशन ठीक है सो जहां भी डिफिकल्ट सिचुएशन है कैसी है उसका मतलब मैक्सिमम फायदा उठाया जाए ठीक है आगे अगला है आपका स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम पूछा है तो वीक हो जाएगा भाई कमजोर यार ठीक है सो so, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा रग्ड नहीं होगा रग्ड, हो रग्ड पुराना हो जाता है माइटी भी नहीं होगा ठीक है आगे देखेंगे टू डैश द टिकेट टू डैश द टिकट टिकट को आप क्या करते हैं कंफर्म देखो एक तो ये वाला कंफर्म होता है कि कि वाला सी ओ ओ एन एफ आर एम बेसिकली होता है है करना 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 कंफर्म यानी जो जो बात बात आपने कही जो बात कही किसी ने उसको बेसिकली वैलिडेट करना होता है तो ये तो नहीं बनेगा तो ये कंफर्म करने वाला ये आ जाएगा ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका ये क्लोज टेस्ट आपका एक बार पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को और जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई वीडियो पॉज करके

इन इज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ मतलब अहिंसावादी थे यही बात कही गई है ही दैट नॉन वायलेंस इज इज नॉट मींट मेयरली फॉर मॉन्स ये जो नॉन वायलेंस है यानी कि अहिंसा जो है ये सिर्फ मॉन्क्स यानी साधु संतों के लिए नहीं है ये बेसिकली आपकी इट इज फॉर कॉमनर्स टू ये कॉमन पीपल के लिए भी है इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द डैश बीस्ट कौन सी की बात कर रहे हैं forest lived which alive beast forest living हो जाएगा या life हो जाएगा life beasts तो कुछ नहीं होता है ठीक है सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट कर देंगे ठीक है इसके बाद में आ जाएंगे अलाइव का भी कोई मतलब नहीं है एक है आपका फॉरेस्ट लिव्ड भाई फॉरेस्ट लिव्ड नहीं लिखेंगे जो रह रहे हैं मतलब रहना यहां पे एक एक्टिव मीनिंग देगा एक्टिव मीनिंग देंगे तो एक्टिव मीनिंग को दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं ना कि स्ट पार्टिसिपल का सो फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट की हम बात कर रहे हैं पर किसकी बात कर रहे हैं ऐसे beasts जो जंगल में रहते हैं जंगल में रहने वाले सिविलाइज पढ़े लिखे ह्यूमन स्पेसीज है उनके लिए नॉन वायलेंस द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ जो स्पिरिट ऑफ द ब्रूट है वो बेसिकली इनएक्टिव है उसकी आत्मा नहीं है सो ही नोज नो लॉ बेसिकली लॉ भी नहीं है he knows only physical might. वो बेसिक का, basically एक ही बात पता है ताकत उसकी. डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू अ हायर लॉ लेकिन जो मैन की डिग्निटी है उसको जरूरत होती है ओबीडियंस टू अ हायर लॉ एक ऊंची लॉ को बेसिकली फॉलो करने की है ना टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिट किस चीज के लिए स्प्रिट की स्ट्रेंथ के लिए आत्मा की शक्ति के लिए गांधी, गांधी, जी ने ऐसी भारी भरकम बातें कही गांधी जी जो कह रहे हैं वो वाले प्यार की बात कह रहे हैं हम है ना इवन पता चले गांधी जी ने लव की कही है और सबको लव करने निकल पड़ो है ना तो वो काम मत करना प्लीज ठीक है इवन डैश एनिमीज कौन से लोगों एनिमी को भी हमें प्यार करना चाहिए ठीक है और इसीलिए आपने देखा होगा बॉलीवुड में सिनेमा ने इस चीज को बड़े सीरियसली लिया जब जब मूवी बनाई तब तब एक्टर को जो विलेन होता है यानी जो उसका दुश्मन होता है उसी की बेटी से प्यार होता है ठीक है तो ये गांधी जी के विचारों पर चल के ही हुआ है ऐसा कुछ है ना, एनिमीज so, और फिर लास्ट में गांधी जी के विचारों को ध्वस्त करते हुए एनिमी को मार देते हैं <laughs> ना एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर और ये इस तरीके से होनी चाहिए दैट इट इम्प्रेस इट सेल्फ इन डेलीवली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी और ये अहिंसा इस प्रकार से दिखानी चाहिए कि जो सो कॉल्ड एनिमी है ना वो भी एक तरीके से पिघल जाए उसके मन पे भी दिल पे भी एक ऐसी छाप छोड़ दो जो मिटाई ना जा सके ठीक है एंड देन एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव और फिर तो वो एनिमी भी आपका प्यार वापस करेगा तो अगर कहीं से आपको नफरत मिल रही है तो समझ जाना वहां से प्यार मिलने की पूरी पूरी संभावना है बस आप अपनी कोशिश जारी रखना गांधी जी कह रहे हैं ठीक है सो एंड देन एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव इट इज द प्रैक्टिकली डैश फिलोसफी प्रैक्टिकली अब देखो फिलोसफी को प्रूव किया गया है एडजेक्टिव चाहिए तो पहली बात तो प्रूविंग नहीं होगा हमें मतलब फिलोसफी किसी को प्रूव नहीं कर रही है उसको बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिकली ये फिलोसफी किसी को प्रूव नहीं कर रही है, इसको प्रूव किया गया है तो प्रूवन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा प्रूव्ड वी थ्री होता है प्रूवन एडजेक्टिव होता है तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली प्रूवन फिलोसफी है गांधी वॉज रियलिस्टिक गांधी जी रियलिस्टिक थे ही बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस प्रोवाइड्स द फुलेस्ट प्रोटेक्शन टू वंस सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस जो है पूरा मतलब वन सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा पूरा प्रोटेक्शन देती है ठीक है अगर आप अहिंसावादी हैं एक अगर आप खुद से ये कह दो किसी ने एक थप्पड़ मारा आप ये कहो कि एक और मार लो तो फिर इज्जत जाने का तो मतलब ही खत्म हो गया अब तो क्या ही जाएगी है ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी पूरी बच जाएगी गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं एंड सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बात है मतलब जहाँ बेजती हो रही हो तो वहाँ पर एक ऐसा डायलॉग मार देना सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा ठीक है मतलब गांधी जी के पैसेज का और क्या मतलब निकाला जा सकता है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ ठीक है वैसे गांधी जी का वही मतलब निकालना है जो गांधी जी कहना चाह रहे हैं ठीक है थीके? ये चश्मे वाला जो दूसरा गांधी आपके सामने है ये आजकल मॉडर्न गांधी है तो थोड़ा सा बात को तोड़ मरोड़ के सामने रख रहा है आपके ठीक है देखो इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ डैश ग्रेन्स एंड इमोरल एक्ट्स कौन से ग्रेन्स भाई सो रेलिवेंट मॉरल इल गोटन इलविल तो कौन से ग्रेन्स की बात कर रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं ऐसे ग्रेन्स जो खराब हो गए इल गॉटन ठीक है बुरे जो हो गए उनकी हम बात कर रहे हैं ठीक है ही कॉल्ड हिज ऑफ पीपल इंडल्ज इन वायलेंस जब लोगों ने वायलेंस की तो उन्होंने अपने जो मार्च वगैरह चल रहे थे वो बंद कर दिए आगे भी पढ़ लेना बढ़िया बढ़िया बातें कर रखे गांधी जी ने और गांधी जी की बातों को गांधी जी की भाषा में ही समझ लेना भाई आगे देखेंगे भाई अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं अगले सेट पर बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दूं आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बहुत खतरनाक लेवल से पढ़ाते हैं इसमें जबरदस्त बाकी आप ये कॉम्बो बैच जरूर ज्वाइन करें इसमें सारे टीचर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे ठीक है और छब्बीस में दो साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है एक बार जरूर चेकआउट करें फ्लिपकार्ट पे, एमेजॉन पे जाके इंग्लिश पॉकेट रॉकेट और इंग्लिश रामबाण किताब दोनों किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है चलो भाई आगे बढ़ेंगे और अगला जो आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये आपकी अगली शिफ्ट आ चुकी है ठीक है सो so, ये तेरह तारीख का है ठीक है तेरह तारीख की शिफ्ट वन है ठीक है गलती से इस पर बारह तारीख शिफ्ट टू डल गया है ठीक है आगे बस पहले क्वेश्चन पे ही है? बाकी सारे क्वेश्चंस पे नहीं है ठीक है देख लेते हैं एक बार तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे अपॉर्चुनिटी मोटिवेशनल री और एट्रीब्यूट तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेल मतलब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ठीक है टीम थोड़ा सा कह रही है कि कोई बात नहीं छोटे मोटे एरर एक दो हो ही जाते हैं देखो भाई आप खुद भी समझते हो इतनी जल्दी वीडियो बना रहे हैं हम लोग थोड़ी बहुत एरर रह जाती so, है ना तो अपॉर्चुनिटी है मोटिवेशनल अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग एकदम सही है और मोटिवेशनल का भी एकदम सही है री का भी एकदम सही है री करना ठीक है और ए डबल टी आर आई होता है ठीक है एट्रीब्यूट so, ठीक है एट्रीब्यूट में डबल टी आता है ए डबल टी आर आई बी यू टी नेक्स्ट देखेंगे आगे कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज ऑन दी ट्वेल्थ फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट एज सी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स फियर सी इज सफरिंग फ्रॉम हाइट्स का फियर है तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपको एक्रोफोबिया हो जाएगा क्लोस्ट्रो क्लोज स्पेस ग्लौस्ट का था सोशियो सोशल प्लेसेस पे जाने का होता है हीलियो बेसिकली सनलाइट का फोबिया होता है ठीक है आगे देखेंगे बर्बेरिटी का मतलब क्या होता है एक अपने वर्ड्स ना बर्बेरियन जो एकदम विध्वंसक टाइप का आदमी होता है जो केयर नहीं करता है लोगों की सो so, बर्बेरिटी भी वही है बेसिकली इसका एंटोनिम पूछा है सो so, कम्पैशन हो जाएगा इसका कैलस तो बेसिकली इसके सिनोनिम टाइप का ही बन जाएगा निर्दयी टाइप का ही रेवलरी दुश्मनी हो गया कंप्रोमाइज अलग चीज हो गई सो कम्पैशन यानी कि सहानुभूति एंटोनिम आ जाएगा बर्बेरिटी ठीक है आगे देखेंगे अगला है आपका द टीम विल अनाउंस द विनर सो विल बी टुमोरोनाउंस वाला करेक्ट हो जाएगा विल बी बी पे है विल भी पे है विल विल अनाउंस अनाउंस है दोनों गलत हो जाएंगे नहीं लिखना है। है ना आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है टर्न डीप ईयर टू इसका मतलब है किसी चीज को इग्नोर कर देना, है? पूछा है। so कर देना। आगे देखेंगे पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री पिच ऑन देयर अच्छा ये तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है द टीम ऑलवेज एंटीसिपेटेड फ्रेंडली पिच ठीक है बॉलिंग फ्रेंडली पिच बेसिकली किस लिए फॉर देयर इजी विक्ट्री पर्पज बताना इसीलिए फॉर प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा ठीक है आगे देखेंगे डोंट लेट डेलिन फूल यू तो बेसिकली डोंट लेट से बना रखा है सो पैसे वॉइस बताना है बेसिकली वैसे तो ये इसको बनाना चाहिए था कि जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस बन रखा है ना ठीक है तो डू नॉट बी फूल्ड करके बना सकते हैं सो डू नॉट बी फूल्ड बाई डेलिन ठीक है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोई तो पैसे वह ही नहीं ठीक है यहाँ पे एवर जबरदस्ती लगा दिया इसको हटा देंगे है बीन कर है हटा देंगे ठीक है यहाँ पे फूल की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई ये हटा देंगे ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कैन नॉट बी करेक्टेड जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनकरेजिबल होता है ठीक है इनक्रेडिबल जिसपे विश्वास ना करें इलिजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है ठीक है और इन एलिजिबल जो सेलेक्ट करने योग्य ना हो ठीक है आगे देखेंगे अगला है आपका एपिटोम एपिटोम होता है बेसिकली किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल या एक तरीके से किसी चीज को जब प्रेसाइज तरीके से हम लिख देते हैं किसी को बेसिकली है ना और लुशेड बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड ये प्रेसाइज का सिनोनिम में आ जाएगा तो एंटोनिम में बेसिकली क्या बन जाएगा एक्सपेंशन बन जाएगा एक्सपेंशन करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे मिस्टर सूर्या सपोर्ट मिस्टर सूर्या का कोई इंटीरियर मोटिव नहीं है तो जैसे ही देखा मिस्टर सूर्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक व्यक्ति है तो हैव की जगह पे हैज का यूज करना पड़ेगा आपको है ना नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ तो शपथ के अंदर जो बनता है बेसिकली उसको क्या बोल देते हैं देखो रिटर्न अगर स्पोकन होता तो टेस्टिमनी हो जाता एफर्मेशन का मतलब है किसी चीज की शपथ टाइप ले लेना ठीक है एफिडेविट आपका बेसिकली रिटर्न होता है स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है स्मोकिंग इन ये बेसिकली अरेंज करना है आप लोगों को देखो एंड पे तो एंड नहीं कर सकते हैं तो इस पे वैसे नहीं होगा ठीक है क्लाउड्स द ब्रेन पे कर सकते थे स्मोक इन पे नहीं एंड कर सकते थे तो ये आपका दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं अब आपको ये देखना सी से शुरू करोगे या आप ए से शुरू करोगे अगर आप सी से शुरू कर देते हो तो सी ऐसे बनेगा द बॉडी एंड स्मोकिंग इसका तो कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ये वैसे ही गलत हो जाता है तो हम कह सकते हैं स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु अगर किसी ने आपकी मदद की तो उसके लिए आप ग्रेट नहीं होते ग्रेटफुल होते हो और ग्रेटफुल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दिस इज करेक्ट स्पेलिंग ये वाला ग्रेटफुल नहीं होता है थैंक्ड अलग चीज होगी नो सब्सक्रिशन अलग चीज होगी ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है होमोफोन फॉर द word देयर होमोफोन का मतलब है एक जैसे साउंड वाले शब्द जो होते हैं तो there हम किसको पढ़ते हैं इस वाले को ठीक है Next देखेंगे अगला आपका। कोई उसका खराब टाइम चल रहा है जल्दी जल्दी आउट हो जा रहा है सो पीरियड ऑफ टाइम वेन पर्सन फेसिस नेक्स्ट देखेंगे सोलहवा क्वेश्चन है एन एलिफेंट इज लार्ज मैमल लार्ज का एंटोनिम पूछा है क्या हो जाएगा मेरे भाई टाइनी छोटा सा बंपर तो बड़ा है हीरोइक मतलब कोई हीरो जैसा एक्ट कर दिया जाए का मतलब भी भी होता है। है देखेंगे यानी कि दे दी future की इस month के end तक He will been working नहीं होगा क्योंकि क्योंकि तो और क्योंकि आगे period of time भी लगा रखा मैंने शुरुआत में बताया था कि पीरियड भी दे रखा हो डेडलाइन भी दे रखी हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है ही विल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ही विल जाएगा सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट देखोगे अठारहवा क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली एम्बीगुएस का एंटोनिम पूछा यानी जो क्लियर ना हो अनक्लियर तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा मेरे भाई सर्टेन बन जाएगा पजलिंग तो जो अनक्लियर है वेग जो बेसिकली अनक्लियर है ड्यूबियस जो डाउटफुल है तो ये आपके सिनोनिम की कैटेगरी में आते इन स्पाइट ऑफ डायलेमा देखो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन पूछा है डायलेमा की स्पेलिंग करेक्ट है प्रिवेल में पी आर ई वी ए आई एल होता है आपका वीई -E नहीं होता है ठीक है बाकी सब स्पेलिंग सही है एमिकेबल फ्रेंडली जो होता है जो कमिटी है उसमें डबल एम आता है डबल टी आता है और डबल ई आता है ध्यान रखेंगे इस चीज का हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज ग्रज होता है किसी के मन में जो किसी के लिए एक तरीके से दूषित पाप जैसी चीजें होती है ना उसी को ग्रज बोल देते हैं सो so बेसिकली इसका एंटोनिम पूछा है तो मैलेवलेंस तो सिनोनिम में आ जाएगा रैंकर बिटरनेस होता है रिवल्जन भी इसके सिनोनिम कैटेगरी में आ जाएगा सो बैने वालेंस इज द करेक्ट आंसर आगे देखेंगे ये आपका पूरा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है एक बार देखेंगे वीडियो पॉज करेंगे और आंसर मार्क कर देंगे सारे के, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में ठीक है अब एक बार देख लेते हैं कहा गया है स्लीपिंग डे ड्रीम स्लीपिंग ड्रीमिंग एंड वेकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस ये क्या है एंगल है एस्पेक्ट है मेथड है या प्रॉब्लम्स है बताओ स्लीपिंग ड्रीमिंग एंड वेकिंग ये बेसिकली क्या है पहली बात तो ये एंगल नहीं है किसी भी चीज के दूसरी बात ये प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है कि सोना जागना और सपने देखना ये तीन समस्याएं ऑर्डिनरी लोगों के लिए समस्या बिल्कुल भी नहीं है दूसरी बात ये तरीके है तरीके नहीं है ये दीज आर थ्री एस्पेक्ट्स ठीक है लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं ये बट फॉर दोज हु हैव डैश ट्रांजिडेंटल नॉलेज ऑल थ्री आर मोस्ट ऑलमोस्ट सेम एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग दिस थ्री लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो के अलग लेवल की नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पे एक दे रखा है डेप्थ नॉलेज एक 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 है लार्ज एक है एक है लार्ज सुपरफिशियल और आपका डीप देखो डेप्थ डेप्थ नहीं आ सकता है, डेप्थ नाउन होता है हमें एडजेक्टिव की जरूरत है ठीक है लार्ज ट्रांसीडेंटल नॉलेज नहीं होगा मेरे भाई तो ये भी नहीं हो जाएगा सुपरफिशियल तो नेगेटिव नेचर में आएगा सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की तो डीप उप नॉलेज की बात कर रहे हैं हम डीप ट्रांसीडेंटल नॉलेज ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम कहा गया लगभग तीनों बराबर है और कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ ये दुनिया और जीवन एक मिथ है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग और ये बदलता रहता है देख रहे हो पैसेज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना पैसेज पढ़ते पढ़ते मजा आता है कई बार एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग डैश आदि शंकराचार्य ये किसने कहा था आदि शंकराचार्य ने कहा था सो टेल्स बाई से पहली बात जैसे ही आप देखोगे के जो सब्जेक्ट है आपका वो बेसिकली शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है जैसे ही आप देखोगे ना वॉज सैड शंकराचार संकरा, आदि शंकराचार्य ये नहीं कह सकते हम क्योंकि सैड के ऑब्जेक्ट में आदि शंकराचार्य नहीं आ सकते पैसे में इसको नहीं लिखेंगे सेइंग भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें वर्ब चाहिए टेल्स भाई बिल्कुल नहीं लिख सकते तो सेज आदि गुरु शंकराचार्य आपने देखा भी होगा जब हम नरेशन में लिख रहे होते हैं तो कई बार इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा देते हैं कोई बात कही हमने आई विल लव यू सैड राधिका टू मी ठीक है तो हम इस तरीके से लिख देते हैं तो एक मतलब वर्ब पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट बाद में ठीक है तो ऐसा हो जाता है तो पॉसिबल है तो ये वर्ब आ गई सब्जेक्ट आदि आदिशंकराचार्य है ठीक है और ऐसा जनरली इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है ठीक है लाइक like, मैं ऐसे लिखना चाहूँ सिंपल मैंने कहा कि आई लव यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधिका सेड ठीक है लेकिन राधिका के बारे में मुझे बहुत लंबी बात कहनी है राधिका दी गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स या कुछ ऐसा करके कहना चाह रहा हूं मैं तो ऐसे सेंस में बेसिकली क्या आप कहोगे कि इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं करना है ऐसे केस में सैड राधिका द गर्ल हु मतलब हुम आई लव सो मच इस टाइप से तो जब उसके बारे में ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो ऐसे केस में सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं वही यहां पे किया गया है आदि शंकराचार्य जी के बारे में आगे ऐड करी गई इन्फॉर्मेशन द ग्रेटेस्ट अद्विदेता प्रीचर कहा गया है उनको ठीक है जो रमन महर्षि हैं ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड वेकिंग स्टेट्स उन्होंने कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं देखा वॉट ही सेड इज दैट जो उन्होंने कहा वो ये है इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर डैश वर्ल्ड अन इमेजिनरी होगा रियलिटी होगा कन्फ्यूज होगा या अनरियल होगा पहली बात तो रियलिटी वर्ड कुछ नहीं होता है और अन इमेजिनरी वर्ड कुछ नहीं होता है कन्फ्यूज वर्ड नहीं होगा एक अनरियल वर्ड से दूसरे अनरियल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं सिंपल सी बात है ठीक है उन्होंने ये कहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द द इमेजेस इमेजेस वन सीज सीज व्हेन वेकिंग अप एंड ही और सी ड्यूरिंग ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम एंड द सेकंड वन इज द नाइट ड्रीम बस ये कहा है कि देखो जो दिन में देखते हैं वो डे ड्रीम है और जो रात में देखते हैं वो नाइट ड्रीम है बेसिकली ठीक है द यूजअल फिलोसफर्स से जो यूजल फिलोसफर्स हैं से दैट माइंड एंड बॉडी आर द टू एलिमेंट दैट माइंड इज का माइंड और बॉडी दो एलिमेंट्स हैं एंड माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स था और माइंड सारे डाइवर्स सोर्स का था मतलब सारे डाइवर्स था का सोर्स है इन द वेकिंग अप स्टेट जगी हुई स्टेट में द माइंड इज एक्टिव विथ ऑल टेंशन एंड डिससेटिस्फेक्शन जब हम जगे हुए होते हैं तो माइंड में बहुत सारी टेंशन होती हैं डिससेटिस्फेक्शन होते हैं ठीक है, हैप्पीनेस इज मिसिंग इसीलिए होती है, है, ठीक मतलब समझ रहे हो बड़े लेवल की है चल रही है कि जब हम जगह होते हैं ना, तो बहुत सारी tensions होती है। दुख दर्द पीड़ा है। जिसकी से हम टेंशन में होते हैं ठीक है, During sleep, as the mind is absent. Mind absent है, होती ड्यूरिंग स्लीप एज माइंड इज एबसेंट क्योंकि माइंड एबसेंट है स्लीप के दौरान एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड भी बेसिकली एब्सेंट है रियल है ठीक है सो रियल है Real happiness कुछ gain नहीं कर रही है इसका मतलब है 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 में में नहीं नहीं लिखेंगे आपका 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 मतलब मतलब जो ही हो हो जाएगा तो is gained आपका correct answer हो जाएगा तो ठीक ये real happiness gain की जाती है। ऐसा यहाँ पे कहा गया है ठीक है तो ये थी आपकी भाई सिफ्ट टू तेरह नौ दो हजार चौबीस की अब बढ़ेंगे shift, basically 1 थी अभी टू की तरफ अब हम चलेंगे और टू की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जल्दी जल्दी आंसर करेंगे एक लार्ज फ्लैट एरिया जो कि सराउंडेड होता है सीट्स यूज फॉर स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट तो गार्डन बोलेंगे डिपार्टमेंट बोलेंगे एरिना बोलेंगे या सेनेट बोलेंगे भाई देखो ये जो इस, होता है ना स्पोर्ट वाला इसको एरिना बोला जाता है सेनेट बेसिकली जो सेनेटर्स बैठते हैं यूएस वगैरह में जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं डिपार्टमेंट और गार्डन आप जानते हैं सिंपल वर्ड से नेक्स्ट देखेंगे ऑल फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई

ठीक है इसके बाद में द प्रीवियस द प्रीवियस क्या इस पर भी खत्म कर नहीं सकते तो इस पे भी नहीं करोगे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ ठीक है सो ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर डी सी बी ए नेक्स्ट देखेंगे आई हैव द दंड्रेड रीजन आई हैव द हंड्रेड रीजन नहीं होगा अ हंड्रेड रीजन हो सकता है आर्टिकल द नहीं आएगा हंड्रेड रीजन के पहले सो आई हैव है हंड्रेड रीजन मेरे पास में सैकड़ों रीजन है टू नॉट meeting meeting अटेंड द मीटिंग टूम साक्स्ट देखेंगे मीट तो ना कर पाना होता है flop तो जानते हैं आप जो फ्लॉप हो गया फ्लंगड का और फ्लॉप का लगभग सेम ही होता है सेलिब्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को एंजॉय करना मनाना है ना तो रिजॉइस करना करेक्ट हो जाएगा ठीक है बिच बेसिकली किसी को परेशान परेशान करना कुछ ऐसे रिमार्क्स कसना ताने मारना किसी को ठीक है डोंट बेसिकली डराना किसी को मना कर देना है ना एश्योर आप जानते ही हैं द डैस वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स देखो फूल को कोई नहीं सजाएगा और फ्लोर ये आटा होता है इसको भी नहीं सजाएगा इसको भी नहीं फ्लोर एफ एल डबलओ आर जो जमीन वाला फ्लोर होता है ना फर्श वाला ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सो so,

तो ए से शुरू नहीं कर सकते हैं दीज मेटल स्ट्रिप्स विच मेटल स्ट्रिप्स बी से शुरू नहीं कर सकते हैं ही मेड टू स्ट्रिप्स ही हु किसकी बात कर रहे हैं इससे नहीं कर सकते हैं सी से शुरू होगा करेक्ट आंसर इज ये वाला सो so, नहीं डी से सी से शुरू नहीं कर सकते डी से शुरू करेंगे है ना डी में ये दे रखा है असेंड्रो वोल्टा ठीक है ये आपका है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है फ्लो फ्लो में नीचे वाला ही काट दिया मैंने आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है एक्टिविटीज इजर का मतलब पास करने के लिए एक्टिविटीज होती है तो इनको रिक्रिएशन एक्टिविटीज बोल सकते हैं ब्लू है, मून है का मतलब होता है कोई चीज जो रेयरली हो बहुत सो वेरी रेयरली नॉट वेरी ऑफन करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स सो जाएगा. इसमें बींग आ रखा है गलत हो जाएगा यहाँ पे हेड आ रखा है यहाँ पे हेड आ रखा है तो ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे ग्रामिटिकल एरर है आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर यहाँ पे लगेगा आफ्टर आई रिटायर प्रेजेंट है और ये आगे पास्ट है तो इसको बेसिकली आई विल स्टार्ट कर दो लेकिन सेंटेंस को आगे पढ़ लेते हैं एज अ राइटर एंड पब्लिश यानी कि पास्ट तो यहाँ भी है यानी कि तो तो भी है है इसका मतलब है, sentence पूरा पास्ट में जाएगा जाएगा so कर देंगे हो basically जो सिप पे देख रेख करते हैं उनको बोल देते हैं सिप या एरोप्लेन वगैरह पे सॉफर बेसिकली ड्राइवर को बोलते हैं सैफ खाना पकाने वाले को। एक आपके स्टीव डोर भी होते हैं जिनको सिप वगैरह पे सामान जो चढ़ाते हैं लोड करते हैं आगे देखेंगे सी डैश द टारगेट बाई सी डैश द टारगेट तो हिट का एंटोनिम बताना हिट का एंटोनिम क्या होगा मिस हो जाएगा ठीक है तो मिस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा बैस करना यानी मारना हिट करना किसी को टच करना क्लीन करना सिंपल शब्द है दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंसर्ट आर व ऑर्गेनाइजिंग को आर बींग में कर कर देंगे इज बिंग में बदल देंगे यहाँ पे बींग नहीं है यहाँ पे आर बींग है लेकिन सब्जेक्ट को नहीं चेंज किया है यहाँ पे आर के साथ में बींग नहीं है इज बिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है

बड़े विस्फोट का हो जाना पूरे यूनिवर्स वगैरह का या पूरे प्लेनेट का फट जाना एक तरीके से टेरासाइट बोल देते हैं और ये टेराकोटा तो आप जानते हैं जो क्ले होती थी मैसापोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा सो टेंजिबल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखेंगे आई वॉज हैप्पी टू नो दैट सेला पास्टर फाइनल एग्जाम्स तो हैप्पी का एंटोनिम पूछा है ए यार सेड वालों को यार मजाक बना देते हो, कभी क्वेश्चन इतना अच्छा पूछ एकदम तो ले ले, से मुंह पे और फिर दोबारा से बैठ जाए तस्ली से पूरी वीडियो लेकिन जरूर देखनी है लाइक शेयर जरूर करते रहना है वीडियो अगर अब तक भाई लाइक नहीं करिए तो लाइक कर देना मैंने बहुत बोला नहीं है मैं ज्यादा एडवर्टीजमेंट में रहा भी नहीं हूँ पर फिर भी एक बार कहूंगा कि अगर यहां तक आए हो तो लाइक शेयर करो और पूरी वीडियो जरूर देखना ठीक है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना आ जाइए इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्सन ऑफ द अर्थ आउटर रॉकी क्रस्ट है क्या बेसिकली सो डेलीब्रेट का होता है जानबूझ के तोड़ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये इनोवेटिव का मतलब है कुछ नए नए तरीके से ये भी नहीं है एक्सपेंसिव भी नहीं है एक्सपेंड करने से रिलेटेड है अब्रप्ट यानी सडन अचानक से जो ब्रेकिंग होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है

उसके बाद में सुनामी आती है तो ये सक्सेशन है ठीक है सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स लार्ज अर्थक्वेक्स दैट अकर अंडर द ओशियन ओशियन के अंदर आने वाले जो अर्थक्वेक होते हैं उसी का परिणाम होता है बेसिकली तो सक्सेशन इसीलिए बोला गया है अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनिमल अर्थक्वेक्स बहुत रेयरली ऐसा होता है जो डायरेक्टली किसी को मार दें कि धरती हिलने की वजह से आदमी मर गया आदमी मरेगा कोई सामान उसके ऊपर गिर जाए कुछ होगा डायरेक्टली थोड़े ना मार देंगे है ना मैनी डैस इंजूरीज आर कॉज बाई फेलिंग डेबरिस एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स सो मैनी डैस मैनी क्या तो हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर्वाइवल की बात कर रहे हैं फैटिलिटीज की हम देखो फैटिलिटीज की बात कर रहे हैं जो ज्यादातर फैटिलिटीज होती हैं ठीक है ठीके? और जो इंजूरीज होती हैं वो किस वजह से होती हैं जो डेबरिस का मतलब होता है जो मलवा होता है मलवा के गिरने से होती हैं या जो स्ट्रक्चर्स यानी कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह उसके गिरने से होती हैं

और ये तेरह तारीख की लास्ट शिफ्ट होगी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है है स्पेलिंग स्पेलिंग का क्वेश्चन करेक्ट है क्लियर 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 एकदम करेक्ट है इसके बाद में एक्सिलेट आपका गलत है एक्सिलेट में एच आई आता है ना कि एच ई पहले भी आ चुका है आज ही की क्लास में इसीलिए ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं एक्जिलरेट मतलब बहुत खुश होना ज्यादा और सेंसेशन तो एकदम सेंसेशनल स्पेलिंग दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है आगे देखेंगे वन हु स्पीक्स लेस इन अ फॉरम जो कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं कम बोलने वाला ठीक है भी भी बोल देते रे, भी बोल देते देते हैं हैं रेटिसेंट ज्यादा बोलता है गैबी भी ज्यादा बोलता है एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सन की टाइप का आदमी विचित्र किस्म का व्यक्ति ठीक है अगला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस जो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में अनश्योर होता है ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक बोल देते हैं जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं वो एथिस्ट होता है इग्नोरेंट जो चीजों को इग्नोर करे थीस्ट जो भगवान को मानता है

और बेसिकली किसी पर लगा देना रोक लगा देना करना किसी को नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड तो मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है तो ध्यान देंगे मेंटेन लिखते हैं तो यहां तक ऐसे आता है लेकिन जब मेंटेनेंस लिखते हैं तो टी ए आई एन नहीं आता है ई एन -E आता है और ए एन एनसीई आ जाता है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है बेसिकली कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजली कार्नेटिक म्यूजिक की बात कर रहे हैं इसको यूजली परफॉर्म किया जाता है स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स भाई एक्टर्स नहीं करते हैं इसको बेसिकली कौन करेगा म्यूजिक है तो सिंपल सी बात है म्यूजिशियंस करेंगे सो ऑफ सिंबल म्यूजिशियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे एवरी वन कॉल्ड द रिपोर्टर और डेयर डेविल डेवर डेविल क्या होता है एक निर्भीक पर्सन होता है और फियरलेस पर्सन इज द करेक्ट आंसर हिपोक्राइट आपका अलग वर्ड है जो कि बेसिकली दोहरापन दिखाता उसको बोल देते है कॉमन मैन अलग आपका इनसिग्निफिकेंट यानी जिसकी कोई वैल्यू ना हो मार्था मेड पैनकेक्स मेड यानी कि पास्ट की बात है तो वॉजबर के साथ बन जाएगा सो पैनकेक्स है तो प्लुरल आ जाएगा तो वॉज वाला गलत हो जाता है हेड वाला गलत हो जाता है बींग वाला गलत हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अगला जो आपका क्वेश्चन है

डेली बढ़ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इफ समवन बैबल बैबल का एंटोनियम पूछा बैबल का मतलब होता है बहुत बोलना तो एंटोनियम बेसिकली क्या हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा क्वाइट शांत रहना ठीक है आगे देखेंगे बाकी तीनों इसके सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे आकाश वेंट टू डैश देखो सेल का एंटोनिम पूछा है सेल बेचना बाई खरीदना एंटोनिम जाएगा आगे देखेंगे ही अप्रोच अप्रोच हिज फिल्ड सच का का सिनोनिम पूछा है मतलब होता है लगातार लगे रहना सो so, मोनोटोनस तो डल बोरिंग हो जाता है रिलकटेंस किसी चीज को अपनाने से बचना थोड़ा सा रिलकटेंट है ना इग्नोरेंस इग्नोर करना okay, doggedness. Doggedness एक है डॉगिटनेस डॉगिटनेस का मतलब होता है एक तरीके से जिद तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी चीज पर अड़े रहना अगला आपका वॉर वॉज फॉलोड बाई लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है prosper करना है करना नहीं 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 कि फलना तो तो इसका synonym, पूछा है तो, नहीं होगा, एफ्लुएंस नहीं होगा, होगा। हो जाएगा, नहीं होगा. अगला क्वेश्चन है राधिका स्टूड बाई मोनिका मोनिका में टाइपिंग एरर है मोनिका नहीं होना चाहिए यहाँ पे ठीक है नाम गलत दे दिया मतलब टाइपिंग एरर क्या नाम गलत है आप जानते हैं स्टूड बाई मोनिका साइट थ्रू थिक एंड थिन थ्रू थिक एंड थिन आपका एक ईडियम होता है जिसका मीनिंग क्या होता है देखो बहुत सारे सेट पढ़ा लिए लेकिन अब अब मोटिवेशन आपका आ गया है अब तेस के सेट जो बच रहे हैं अब आराम से बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आ जाइए भाई इन ऑल द हैप्पी मोमेंट्स नहीं होगा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ खड़े होना ठीक है खराब परिस्थिति में भी तो अंडर ऑल सरकम इस ठीक है किसी भी परिस्थिति में साथ में खड़े होना नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है एन इंपोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन क्या बोल देते, बोल देते। जा आप जानते हैं जो बेसिकली होता, जो दानी होता है और जिसका नाम नहीं पता होता है आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल तो विल बी गिफ्टेड को विल गिफ्ट में बदल देंगे हालांकि देखो पीछे यहाँ टुमारो कर रखा है यहाँ पर नेक्स्ट डे कर रखा है मजाक की बात है एस एस सी वालों ने क्वेश्चन बनाते टाइम नरेशन और वॉइस में कंफ्यूज हो गए नरेशन में टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं वॉइस में नहीं करते हैं इन्होंने गलती से वॉइस में भी करके दे दिया है तो गलत है बट ठीक है कोई बात नहीं इतना ध्यान देते नहीं वर्व देखो और आंसर मार्क कर दो है ना तो वर्फ देखो और आंसर मार्क कर दो नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है इन नवंबर ये बेसिकली क्वेश्चन हाँ, है आपका पी क्यू आर एस अरेंज करना है आपको सो लक्ष्मण फेल है फेल इल आपका फ्रेज बनता है तो पी के बाद में क्या आएगा आर पी और आर अपने आप में कैसा है एक मैंडेटरी पेयर है समझ रहे हैं पी और आर कैसा है? है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी पेयर है और मतलब एक है। है। समझ रहे हो? पता नहीं बीच में क्यू, क्यू आ गया ठीक है? <laughs> है तो बेसिकली पी आर मैंडेटरी कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे नहीं है पी आर यहाँ पे नहीं है पी आर पी आर यहाँ पे भी नहीं है पी आर एक ही ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना पी आर मैंडेटरी पेयर है नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका अठारह नंबर क्वेश्चन है इलिटरेट अनपढ़ यानी कर चुकी थी डिलीजेंटली बहुत मेहनत से कितने दिनों तक महीनों तक दे हैड स्टिल ओवरवेलम्ड जैसे ही देखोगे हैड प्लस वी थ्री ये तो एक्टिव सेंस दे रहा है लेकिन आगे तो बाई लगा रखा है और दूसरी बात टीम ने किसी को ओवरवेलम किया है ये टीम को ओवरवेलम किया गया है आप कहोगे किया गया है किया गया है तो पैसिव सेंस चाहिए पैसिव सेंस चाहिए है। तो हेड प्लस थ्री नहीं। प्लस नहीं वर लगा दो आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर हेड प्लस बीन वी प्लस थ्री लगाए तो मेरे भाई डबल परफेक्ट टेंस लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप सेंटेंस को टाइमलाइन पर देखोगे ये अगर प्रेजेंट है अगर इस जगह पर ओवरवेलम किए गए तो तैयारी कब की गई होगी यहां पे तो यह आपका पास्ट है यह आपका पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे तो कौन से पार्ट में एरर है इस वाले में तो वर आ जाएगा हेड की जगह

क्यू ओ नहीं है यहां ये तो यह आपका क्लोज टेस्ट साइड हो, हो जाता हूं एक बार पूरे को पढ़ेंगे और से करने का प्रयास करेंगे देखो आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में भी वीडियो को लाइक like, शेयर भी जरूर कर देंगे बढ़िया ढंग से भाई है ना डैश लेटर केम टू इन्फॉर्म देम दैट राकाज मदर तारा हैड अनदर ब्रेकडाउन तो जैसे ही आपने देखा अ लेटर केम टू इनफॉर्म देम सबसे पहली बात है अनलेस नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई नेगेटिव कंडीशन हमें नहीं दिखानी है ठीक है सुनर आपका एक कंजंक्शन बनेगा ही नहीं सेंटेंस के शुरुआत में अब क्योंकि अ लेटर सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो कंजंक्शन ही चाहिए फॉर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है शुरुआत में आ नहीं सकता है तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब एक लेटर आता है इन्फॉर्म करने के लिए तो लेटर सब्जेक्ट है केम वर्ब है क्यों आया तो टू इन्फॉर्म इन्फिनेटिव हो जाता है देम उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है राका मदर देखो जब भी आपको अजीब सी चीजें हैं तो ऐसे में ग्रामर कि आपको हेल्प मिल सकती है एंड वॉज इन अर्सिंग होम और एक नर्सिंग होम में है और कहा नर्सिंग होम इन जिनेवा में है ठीक है द एंड दूसरी चीज कही गई एंड दैट राकाज ग्रांड मदर राका की ग्रांड मदर जो जिनका नाम है आशा डे सीन अनदर ग्रांड चाइल्ड जैसे देखा दैट कंजंक्शन है तो राका ग्रांड मदर आशा सब्जेक्ट हो जाएगा अब आप में से ज्यादा बच्चों को क्या लगेगा सारा पैसे क्वेश्चन तो सबसे पहले यही है अगर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो यहाँ कोमा कैसे करा रहा है ये गलत हो जाएगा इसका मतलब है अगर कोमा लगाया है तो बीच में हमने एक एक्स्ट्रा फ्रेज एड करा है एक्स्ट्रा फ्रेज एड किया इसलिए एक कोमा ये एक कोमा ये और यहाँ पे आपकी वर्ब आई है सो दो कोमा के बीच में एक एक्स्ट्रा फ्रेज है एक्स्ट्रा फ्रेज आपका क्या होगा आशा के बारे में जानकारी दे रहा है आशा के बारे में जानकारी देने के लिए क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव हम किससे बनाते हैं पार्टिसिपल से बना देते हैं अगर पार्टिसिपल से बना देते हैं तो पार्टिसिपल कौन सा आ जाएगा आपका इनमें से क्या है हैज नहीं है ये तो V1 है. है, ये तो है 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 हैड आपका हैव इसका मतलब है आई एन जी फॉर्म है पार्टिसिपल का काम कर जाएगा हैविंग सीन अनदर ग्रांड चाइल्ड सेफली इन टू द वर्ल्ड ठीक है आगे वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड वो स्विट्जरलैंड जा रही थी अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आपने अभी वैन कंजंक्शन हमने लिखा था उसके साथ में जो क्लॉज है उसी में एड करते जा रहे हैं यहां से देखा वैन कंजंक्शन था ए लेटर केम टू आपका बेसिकली उसके लिए कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट वर्ब आ गया टू है है देम ऑब्जेक्ट दैट कंजंक्शन है जो कि सबर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद में राकाज मदर तारा हैड अनदर ब्रेक डाउन उसी के बाद में फिर वर्ब से कनेक्ट कर दिया है लेकिन जैसे होता है ना जैसे मैंने लिखा वैन सी केम जब वो आई पार्टी मैंने एक पार्टी थी तो इस तरीके से कौमा लगा के जब नई क्लॉज लिखते हैं नहीं। अगर नहीं आया तो वो कहीं ना कहीं आएगा आगे चल के है ना तो आप देखोगे यहाँ तक भी नहीं आया भी एंड से कनेक्ट कर दिया दैट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे भी आप देखोगे की अभी तक नहीं आया वॉज को भी बेसिकली ग्रांड मदर के लिए लगा रखा है तो इसके बाद में फ्लाइंग टू स्विटरलैंड स्विट्जरलैंड के लिए जा रही थी टू बी विथ हर उनके साथ रहने के लिए फिर यहाँ से आपका बेसिकली एक कौ लगा के

जब किसी से हम क्या करते हैं गया ये रहा पर्स लिप्स इसका मतलब होता है जब हम किसी से किसी चीज की मना करते हैं मुंह से बोल देते हैं ना गोल गोल सा ठीक है है वही होता पर्स लिप्स तो ये पर्स हो जाएगा है ना लिप्स डैश ब्लू सीड्स ऑफ पेपर अब देखो यहां से आपने देखा यहां पे भी एक वर्ब आई कॉमा लगा के एक और वर्ब आ गई आपकी फिर आपने कॉमा लगा के आगे एंड लगा के एक और वर्ब लिख दी हाइड वर्ब आगे लिख दी है तो अगर हाइड वर्ब आगे लिखी हुई है एक तो यहां से भी हमें हिंट मिल सकता है कि दो बार हाइड तो नहीं लगाएंगे कि डैश हाइड द ब्लू सीड्स ऑफ पेपर विद दैट डिस्टेस्टफुल स्प्राउल डैश देम एंड हिट देम तो ये तो गलत ही हो जाएगा दो बार हाइड लगाने का तो कोई सेंस नहीं बनेगा दूसरा एक है आपका क्लियर अप करना एक है टक टक मतलब बांधना ठीक है टक अवे तो नहीं करेंगे अवे का मतलब तो दूर है और ये दूर नहीं कर रहा है हाइड कर रही है उसमें तो बेसिकली वो क्या करेगी फोल्ड अप कर दे। किसी चीज को सीट वगैरह होती है ना सीट ऑफ पेपर है सीट ऑफ पेपर को फोल्ड फोल्ड किया जाएगा fold करके बेसिकली कर रही रही है है वो इसको हाइड डेस्क में तो फोल्ड करके होगा तो फोल्डेड अप का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो फोल्डेड अप द ब्लू सीट ऑफ पेपर विद दैट डिस्टेस्टफुल होता है एक एरिया जो कि स्प्रेड होता काफी है काफी जगह में ठीक है और किसी चीज का अगर स्प्रेड दिखा रहे हैं सो स्प्रेड अक्रॉस देम हो जाएगा उन उनपे पूरे पे फैला हुआ है ये कहना चाह रहे हैं सो अक्रॉस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों फैलाव दिखाना चाह रहे हैं अक्रॉस आ जाएगा ठीक है सो एंड हिट देम इन हर ये आपका करेक्ट हो जाएगा आगे ये रिपीट हो गया गलती से ठीक है देखेंगे एक बार ये बाकी भाई अगर आप लोगों ने दी तेरह के तेरह सेट देखे अब तक अच्छे लगे और आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप हमारा ये रेंकर सिक्सटीन पॉइंट ऑफ बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये इसका कॉम्बो बैच है बढ़िया बैचेज हैं सारे आपको बहुत ट्रूली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा इन बैचेज में बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें बाकी आगे बढ़ेंगे अब हमारा सेट नंबर चौदह है अगले सेट की तरफ आइए चलते हैं अगली शिफ्ट है हमारी सत्रह नौ दो हजार चौबीस को अगला जो पेपर हुआ शिफ्ट वन का उसकी बात कर लेते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है एक पहला मीडिएशन है मीडिएट करना यानी कि बीच बचाव करना सही स्पेलिंग है कॉन्ट्रीब्यूट करना भी ठीक है एफिशियंट में डबल एफ आता है तो ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा बाकी मिस कैलकुलेशन भी आपका करेक्ट लग रहा है ना राम वेंट टू वेंट टू क्या टू के बाद में वी वन आता है तो वेंट टू बाई खरीदने गया था ये बायर बेसिकली बाड़ा हो जाता है आपका और ये बाई प्रपोजिशन है और ये बाय टाटा बाय वे बारा है लेबर के बेसिकली सुनौनी पूछा लेबर यानी मेहनत करना कठिन मेहनत टॉयल करना टॉयल आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा बाकी मैथ यानी मसल देना किसी को रिलैक्सेशन रिलैक्स करना मतलब किसी को छूट दे देना बेसिकली रिलैक्सेशन एक है आपका डिलयंस डिलयंस बेसिकली क्या होता है कि किसी के साथ मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना है ना वो आपका हो जाता है कैजुअल रिलेशनशिप आगे देखेंगे टू द जनरल पब्लिक ये बेसिकली फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक क्रिटिक अबाउट ऑन समथिंग होता है अबाउट नहीं होता है तो यहां से भी बना सकते हो आप इसको तो क्रिटिक ऑन बेसिकली एक ही ऑप्शन है यहां से भी बन जाएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रिशेडर फॉर पीस एंड एंड एडमायर क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल ठीक है तो क्रिटिक ऑन हो जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली प्रोवाइड समथिंग टू समबड़ी होता है सो प्रोवाइड नेसेसिटीज टू हर फैमिली हो जाएगा तो ये करेक्ट आंसर है ना प्रोवाइड के साथ में टू आएगा आगे देखेंगे पैसिव है, है, तो, तो, आ आ तो आप देखोगे मी है मी को ले आएंगे तो आई बन जाएगा तो ही ये तो गलत ही हो जाएगा बिहेवियर बेस्ट नहीं होता है बिहेवियर तो बेस्ट करता है ही इज बींग वैक्सिंग हो जाएगा गलत हो जाएगा तो डी ऑप्शन करेक्ट है आगे देखेंगे द स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिसमेटिस्ट बोल देते हैं मैटिक्स बोल देते हैं बेसिकली कार्टोग्राफी बेसिकली मैप वाली कला हो जाती है आपकी कोरियोग्राफी डांस के लिए इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए जो होती थैंकफुल बेसिकली क्या हो जाता है आपका जब हम किसी को किसी चीज को लेकर ऑबलाइज होते हैं ठीक है सो में ऑबलाइज आ जाएगा एफर्मेशन किसी शपथ के लिए अनग्रेटफुल होना यानी कि किसी के लिए थैंकफुल ना होना ठीक है ऑप्सिकोर धुंधला नेक्स्ट देखेंगे अगला है बुली बुली का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को परेशान करता है तो हम इसको क्या बोल देंगे ऑपरेशर बोल देंगे ठीक है ऑक्सन बेसिकली बैल हो जाता है प्लो बेसिकली जोतना और एक आपका बेसिकली क्या होता है केयर वगैरह करना किसी की ज्यादा उसके सेंस में लगा देते हैं इसको आगे देखेंगे डिसक्रेज का एंटोनिम पूछा है तो इंस्पायर्ड बोल देंगे इंस्पायर्ड डिसअपॉइंटेड नहीं होगा एडमायर्ड नहीं होगा एनर्जेटिक नहीं होगा नेक्स्ट देखेंगे क्षिणा करता है ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट का उल्टा हो जाता है एंटोनिम यूनेस्को वर्क फॉर ये यूनेस्को युनेक्स, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ठीक है और ये वर्क करता है टू स्ट्रेंदन स्ट्रेंथन करने के लिए

उ हार्ड यू वर्क ऑप्शन ठीक है वर्क यू नहीं लिख सकते उसका कोई सेंस नहीं बनेगा वर्क को पहले लिखना सब्जेक्ट को बाद में लिखना कोई लॉजिकल नहीं है लेक्चर ऑन personality डेवलपमेंट तो विल गिव give को will be given हो जाएगा तो यहाँ पे विल बी गिवन है यहाँ पे विल बी गिविंग है यहाँ पे कैन बी गिवन है यहाँ पे विल बी गिवन है दोनों ठीक है ठीक है तो यहाँ पे a lecture ऑन personality डेवलपमेंट विल बी गिविंग है लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ये ऑप्शन आपका बच रहा है और एक है लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाई हिम तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं ही विल गिव अ लेक्चर लेक्चर किस चीज पे देगा तो ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अब इस वाले में बाई हिम गायब कर रखा है तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली रेल लाइन गो अच्छा सेलेक्ट द सेंटेंस दैट अ स्पेलिंग एरर जिसमें स्पेलिंग एरर है वो आपको बताना है तो रेल लाइन गो पैरल कोई एरर नहीं है इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड दी डेलीगेट विद है इसीलिए so, so, एक एम और जोड़ देंगे पे द द बॉस एड्रेस्ड मीटिंग दे रखा है सो एड्रेस्ड द मीटिंग एक है अकरेंस बाकी तो कोई होगा ही नहीं एक ही ऑप्शन में स्पेलिंग एरर होना था नेक्स्ट देखेंगे एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट होना किसी चीज का एंटोनिम पूछा है तो इनकम्प्लीट होना इसका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा ठीक है अगला आपका वर्ड है डे एंड नाइट यानी पूरा टाइम काम करना तो अराउंड द क्लॉक इसके लिए आ जाता है आपका ठीक है एक आपका वर्ड दे रखा है यहां पे वेल वेल ऑफ ऑफ टीयर्स टीयर्स का का मतलब होता है दुख एक तरीके से पहाड़ टूट पड़ना किसी के ऊपर ठीक है ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है सो एबीसी दे रखा है पी क्यू आर एस के चार सेंटेंस भी नहीं दिए ए बी सी है दैट इज वाई ये दैट इज वाई आपका किसी चीज का रिजल्ट देता है और रिजल्ट जनरली अंत में आते हैं तो ये लास्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा और यहाँ पे देखो ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की रेदर अब देखो सिल्की थिक डबल आइसक्रीम ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है सेंटेंस में दिया भी है दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड एस एस सी कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट आइसक्रीम ब्रांड की है ना तो सी से कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा ये सिल्की थिक डबल आइसक्रीम की बात की गई है और इसको ये बेसिकली बोला गया कि यूनिक फ्रेश टेस्ट होता है इसका टेक्स्चर होता है बहुत फर्म होती है ये होती है उसके बाद में इसका जो इसीलिए इसका ज डिलीशियली डिफरेंट एक्सेप्शनली वर्साटाइल कहा गया इसको ठीक है ये रिजल्ट बताया गया फाइनली तो आसानी से कह सकते हो ए लास्ट में आएगा सी से शुरुआत हो जाएगी तो सी बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे मेरे भाई यह कीप द वॉल फ्रॉम द डोर इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना टू अवॉइड स्टारवेशन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलो इन पॉवर्टी का मतलब क्या पॉवर्टी गरीबी होता है वेलो का मतलब होता है पानी वानी में ना तैरना एक तरीके से तो गरीबी में डूब जाने का सेंस एक तरीके से आ जाएगा ये ठीक है तो ये अलग मीनिंग हो जाएगा आगे स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी है ना सूखा एक तरीके से डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट ब्रॉट अबाउट 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 अ न्यू बुक बुक देखो यानी ब्रिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है है जिसका मतलब होता टू टू हैपन पे बुक लाने के लिए कॉस्ट टू हैपन नहीं पब्लिश करने के लिए जो आपकी फ्रेजल वर्ब आती है वो होती है ब्रिंग आउट नॉट अबाउट ठीक है शुभ ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश करना किसी बुक वगैरह को ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका ये क्लोज टेस्ट है जल्दी-जल्दी एक बार मैं साइड हूं थोड़ा सा आंसर करने का प्रयास करेंगे देखो आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम एक रिकरिंग ड्रीम देखा मैंने एक्चुअली आई हैव अ फ्यू मेरे कुछ हैं ऐसे ड्रीम्स वन इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी डिसमेंबर कर रहे हो आप बॉडी को आई वुड रादर नॉट गेट इनटू इट लेकिन मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा बट द डैश परटिनेंट वन इज आल्सो उट कॉलेज लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्टिनेंट मोर पर्टीनेंट मतलब so तो तो, देखो बेस्ट पर्टीनेंट कुछ बनेगा नहीं बेटर पर्टीनेंट कुछ बनेगा नहीं स्ट्रॉन्ग पर्टिनेंट नहीं मोर पर्टीनेंट यानी कि हम बात कर रहे हैं उस वाले की जो सबसे ज्यादा पर्टीनेंट है ठीक मतलब एक इससे ज्यादा पर्टीन यानी दो में से एक की हम बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो बात करेंगे वन इज अबाउट कॉलेज इट इज द एंड ऑफ द सेमिस्टर सेमिस्टर का एंड है एंड आई सडनली डैश आई सडनली डैश आई सडनली ऑफर होगा रियलाइज होगा प्रेज होगा या प्रोमिस होगा मुझे अचानक से चीज रियलाइज होगी बहुत सिंपल सी बात है ठीक है सो ना ऑफर बन सकता है ना प्रेज बन सकता है ना प्रोमिस अचानक से रियलाइज होता है मुझे दैट के

My जीपीए इन peril uh, मतलब जो आपकी GPA है वो peril में खतरे में है हाउ कुड आई हैव डन दिस मैं ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ so डू आई सो डैश unpredictability, क्लमजीली कंसिस्टेंटली और conflictingly। आप आसानी से कह सकते हो कि इतना कंसिस्टेंटली इतना लगातार तरीके से मैं अपने आप को कैसे डिससेटिस्फाई कर सकता हूं देन आई रिमेंबर फिर अचानक मैं रिमेंबर करता हूँ आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ लेकिन मुझे तो दसियों साल हो गए मैं तो कॉलेज गया ही नहीं हूँ ठीक है यानी कि सपना देखा अचानक से कि एक पूरा सब्जेक्ट की क्लास मैंने मिस कर दिया और फाइनल पेपर देने हैं और अब तो मैं फेल हो जाऊंगा फिर पैनिक कर गया कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ लगातार इतने दिन तक क्लास कैसे मिस कर सकता हूँ फिर अचानक से ध्यान आता है कि अरे मैं तो पिछले दस साल से कॉलेज ही नहीं गया है ना सो समन विथ डैश नॉलेज ऑफ माई अकेडमिक कैरियर माइट पॉइंट आउट दैट दिस नाइटमेयर सनेरियो इज नॉट दैट फार रिमूव फ्रॉम माई एक्चुअल कॉलेज एक्सपीरियंस तो कहा गया है कि अगर किसी को मेरे बेसिकली नॉलेज हो सो so कैसी नॉलेज हो डिस्टेंट, इंस्टिगेट रिमोट या ब्लीक, जैसे हम बात करेंगे हम कहेंगे किसी को जो मेरी डिस्टेंट नॉलेज भी होगी ना दूर की नॉलेज भी होगी तो डिस्टेंट तो दूरी को दिखाता है तो दूरी का इतना उतना अच्छा नॉलेज का नहीं है रिमोट नॉलेज हम कह सकते हैं इसका मतलब होगा देखो

एंड दैट एट सर्टेन टाइम्स इन माई लाइफ और मेरी लाइफ में इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लंबर टू फाइंड मी कंप्लीटली अनप्रिपेयर फॉर अर फाइनल तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ बहुत अजीब हो जाए ऐसा हो सकता था कि मैं कंप्लीटली अनप्रिपेयर हूं किसी फाइनल एग्जाम के लिए एंड वेल डैश ऑफ वॉट तो इन 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 सो मच एक दे रखा है नेवर द लेस रिगार्ड लेस नॉट वि So, जैसे जैसे इन कहना चाह रहा है ये as much of what नहीं होगा देखो जैसे ही आप देखोगे ना यहाँ पे देखोगे नेवर के साथ ऑफ नहीं आता है not with, with के साथ नहीं आता है, regardless, आता है है आपका तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सो इन एज मच लिख रखा है ये एक में लिख दिया सिंगल वर्ड में तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ जाइए भाई अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट की तरफ और क्वेश्चन आपका पहला आपके सामने है थॉट ऑफ ईटिंग बेसिकली so देखो स्पेलिंग पूछा है, है अगर आप रेपग्नेसपेलिंग की बात करें तो आर ई पीयू होता है तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है ठीक है साथ ही साथ में आपका ये वाला भी हो जाता है क्योंकि आर आई पी कर दिया इसमें दूसरा एन ए एन सी होता है यहाँ पर ई लगा रखा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में बनाना है Have को has या याव के साथ में बीन प्लस भी थ्री आ जाएगा यहाँ पे हैज बेल्ट है, बीन नहीं लगा रखा यहाँ पे हैज बीन है यहाँ पे भी हैज बीन है और यहाँ पे भी हैज बीन है तो तीन में हैज बीन दे रखा है अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या था अ न्यू ब्रिज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू ब्रिज है यहाँ पे रिवर है तो रिवर वाला नहीं बन सकता है यहाँ पे न्यू ब्रिज है और यहाँ पे भी न्यू ब्रिज है अब देखो बाय देम को यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया ये अंत में लिखा जाता है इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे आप ये आपका इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट प्लेनेट के रूलर्स के तौर पर ह्यूमन लाइक टू थिंक ह्यूमन सोचना पसंद करते हैं दैट इट इज द लार्जेस्ट क्रिएचर अब देखो ह्यूम की बात कर रहे हैं ह्यूमन अपने आप को समझते हैं कि सबसे बड़े क्रिएचर हमें तो ह्यूमन के लिए इट नहीं लगा सकते हम तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं नो सब्स्यूशन और ये दे आएगा और दे आएगा तो क्रिएचर नहीं आएगा क्रिएचर्स आपका आना चाहिए इसीलिए लास्ट ऑप्शन आपका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे मेरे भाई काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको बोला जाता है है फियास्को बेसिकली होता कोई चीज जो एकदम खराब हो जाए, बेकार हो जाए जाए बेकार ठीक है तो उसको बोल देते हैं इम टू एक ऐसी स्पीच होती है जो बिना तैयारी के दी जाती है और फ्रेंजी बेसिकली जब कोई आदमी जैसे कहते हैं फ्रेंजीड रेज बहुत ज्यादा गुस्से में या वैसे हो जाता है ना आपा खो देता है नेक्स्ट देखेंगे Idiom है टू ब्रिंग टू लाइट इसका मीनिंग क्या होगा टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब है अलग कर देना चीजों को ठीक है आगे देखेंगे लाइटन करने का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना है, है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका द रेस्टोरेंट अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेज शो वेराइटी का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है ठीक है वैरायटी का नहीं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है बेसिकली इसमें से कि क्या होगा सो so, रेस्टोरेंट जो आपका दे रखा है इसकी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी आर बिल्डिंग है तो आर बींग के साथ बनेगा या इज बींग के साथ बनेगा यहाँ पे हैज बीन कर दिया यहां पे वॉच कर दिया यहां पे विल कर दिया है करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको बहुत छोटा सा क्या पता नहीं ये तो वैसे ही आदमी बना देगा कि माई सन सब्जेक्ट बनेगा इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग आप आसानी से कह सकते हो कि आर क्यू पी एस ए बन जाएगा ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आर क्यू पी एस पहला ही ऑप्शन है नेक्स्ट देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे कुछ क्वेश्चन तो एकदम कतई खत्म लेवल के दे रखे हैं एस ने ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई सरिल पियरसिंग क्राई तो हाई स्रिल पियरसिंग जो क्राई होता है उसको बोलते हैं स्क्रीच करना चीखना जो होता है ना उसी को बोल देते हैं स्क्रीच करना ये आपका होता है क्रैच बोलते हैं इसको क्रैच वो स्थान होता है जहां पर जॉब करने वाले लोग टेम्परेली अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उसी को क्रैच बोल देते हैं बिसीच एक तरीके से किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना होता है भीख मांगना टाइप में और ब्लीच यानी किसी चीज का कलर वगैरह उड़ाना ब्लीच कराते हैं ना आप लोग कई बार लोग बालों पर ब्लीच कराते हैं ना अटैक का एंटोनिम पूछा क्या हो जाएगा मेरे भाई डिफेंस हो जाएगा ये एम्बुश क्या होता है एम्बुस करने का मतलब होता है छुपकर घात लगा के हमला करना है ना घात लगा के हमला करना प्रोडक्शन एंगेजमेंट ये सिंपल वर्ड्स हैं आगे देखेंगे अगला आपका इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग अच्छा जम्बल्ड ऑर्डर में बताना है आपको ठीक है कि क्या होगा देखो यहाँ पे इट वॉज एज सिंपल एज या आपका एक दे रखा है ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पे शुरू हुआ है यहां पे भी एडवर्टाइजिंग है और यहाँ पे इट है तो आप आसानी से कह सकते हो डी से और ए से शुरू नहीं कर सकते हैं तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है बी और सी में से देखना किससे शुरू करेंगे ठीक है देखो स्टार्टिंग में आपका कहा गया है कि ओवर द ईयर मतलब दिए गए सालों में एडवर्टाइजिंग हैज इनटू अ मेजर इंडस्ट्री ठीक है अब यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है अब पहले आप क्या बताओगे पहले एडवर्टीजमेंट क्या था और उसके बाद बताओगे ना कि क्या इवॉल्व हो चुका है यानी कि कहीं ना कहीं आपका शुरू होना चाहिए सी ऑप्शन से कि एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट पहले एडवर्टाइजिंग सिर्फ इसलिए होता था कि लोगों को बस ये पता चल जाए कि ये चीजें मार्केट में अवेलेबल है लेकिन फिर क्या हुआ है इट वॉज एज एज अच्छा एक चीज ये भी कह सकते हैं देखो ये पास्ट का है ये पास्ट का है ये प्रेजेंट का है ये प्रेजेंट का है मैंने आपको जो मैराथन ली थी उसमें बताया था जनरली टेंस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है यानी कि कहीं ना कहीं सी और ए एक साथ आएंगे बी और डी एक साथ आएंगे देखो तो यहां पे बी और डी और सी और ए का पेयर वैसे भी गलत कर दिया है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्ट पास्ट के पहले आगे पहले क्या था लेकिन आज क्या हो चुका है एडवर्टाइजिंग बेसिकली मेजर इंडस्ट्री बन चुका है ये ठीक है बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग ये बेसिकली परचुएट करता है लोगों को और इन्फ्लुएंस करने का काम करता है ठीक है आगे देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है

पास्ट की बात चल रही है अब कहा जाता है पास्ट की घटना कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है सही है इंडियन फोर्स फोर्स आर आर तो इंडियन होगा इंडियन फोर्सेस आर होगा या इंडियन इंडियन फोर्स फोर्स इज इज लिखेगा अगर लिखते तो यहां पे आर्टिकल भी आता कोई कोई ना तो सिंगुलर तो नहीं लिखना चाहिए दूसरा आगे देखोगे देयर भी लिख रखा है इसका मतलब है इंडियन फोर्सेस कर दीजिए काम चल जाएगा यानी कि इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी कार्ल कार्लमार्क वॉज अउंड सोशल सोशल साइंटिस्ट सही बात है इट इज इंपॉसिबल

तो प्रिंसिपल प्राइजेस को गिव अप थोड़ी ना करें सिंपल गिव लिख दीजिए उससे आपका सही हो जाएगा द प्रिंसिपल गेव द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे अगर आप लोगों ने मेरी सी के एरर डिटेक्शन की वीडियो देखी होगी सॉरी सी के जिसमें एक ही वीडियो में मैंने सारे एरर्स कराए थे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो हमारा चैनल है वहां पर कराए थे उस वीडियो में मैंने डिक्टो यही सेंटेंस आपका कराया था सीएचएसएल में सेम यही सेंटेंस आपका पूछा गया था थोड़ा सा शब्द अलग अलग थे लेकिन था प्रिंसिपल वहां पे भी प्राइजेस दिए गए थे और वहां पे भी सेम फ्रेजल वर्ब को गलत तरीके से यूज करके आंसर क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे भी गेव अप यूज किया गया था तो ध्यान देंगे भाई कि क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी होते हैं क्योंकि रिपीटेशन बहुत आती है आपके एग्जाम्स में नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है ये एक सेंटेंस है जिसके पार्ट जम्बल्ड फॉर्म में इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है देखो फॉल्स न्यूज वेबसाइट स्प्रेडिंग अबाउट पॉलिटिक्स थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाजमेंट्स एंड पॉलिटिक्स अच्छा एक चीज देखना Because आ गया, ये ये आपकी होती है, ठीक है? Because आता है conjunction. Because, conjunction है है, ठीक आता तो तो आपका subject हो जाएगा। इसका मतलब है इसके लिए हमें तो चाहिए होगी, यानी कि सी सेंटेंस के बाद में कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस जरूर आएगा जहां पे आपकी वर्ब हो कोई ना कोई जरूरी नहीं है कि इसके जस्ट यहाँ आ जाए हो सकता है बीच में कोई फ्रेज आ जाए और फिर वर्ब वाला सेंटेंस आ जाए तो हमें ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें वर्ब हो तो आप देखोगे क्या इसमें वर्ब है नहीं है स्प्रीडिंगली तो है आई एन जी फॉर्म तो इज एम आर वॉजर के बाद आते हैं इसका मतलब है पे है इज एम आर पे नहीं पूरे सेंटेंस में ही नहीं है इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है ये तो आपका पार्टिसिपल या जीर्ण का काम का कर रहा होगा ठीक है इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग यहाँ है और यहाँ पे मेक है यानी मेक आपकी वर्ब हो सकती है पक्की बात है कि सी पहले आया होगा और ई बाद में जरूरी नहीं है साथ में आए लेकिन बाद में जरूर आएगा ई यहाँ पे देखो सी के पहले ई आ गया है ये नहीं हो सकता यहाँ पे सी के बाद में ई आया है ये पॉसिबल है यहाँ पे देखो सी के पहले ई आ गया है ये नहीं हो सकता यहां पे सी के पहले ई आ गया है ये नहीं हो सकता है तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे सिंथेटिक का मतलब होता है किसी चीज को जो आर्टिफिशियली बनाया गया है एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा बाकी प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल ये बेसिकली बनाई गई चीजें होती है ये सिनोनिम आ जाएंगे इसके है ना इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना कॉपी करना है ना आगे देखेंगे द ऑइंटमेंट विल हेल्प टू डैश द वुंड बेसिकली ऑइंटमेंट क्या करेगा वुंड्स को यानी घाव को भरेगा सो so, हील की ये वाली करेक्ट स्पेलिंग होती है इस नील का मतलब होता है कि पैरों के बलाना घुटनों के बलाना बैठना है ना किसी के सामने बेसिकली घुटने टेक देना और इस हील का मतलब एडी होता है और ये ही विल होता है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है जुडिसियसली का एंटोनिम पूछा है देखो कायदे से तो जुडिशियसली का एंटोनिम में एक एडवर्ब आना चाहिए था लेकिन ये लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि तो देखेंगे judiciously अगर आपका दिया है, तो, इसका एंटोनीम पूछा गया तो judiciously कि वाइज तरीके से एक है यहाँ पे इेशनल एक है आपका इंट इवेरेंट का मतलब होता है जो किसी को माने नहीं किसी की पूजा ना करे एक है आपका इरिटेटिंगली तो इरिटेट का कोई सेंस नहीं है

ये क्लोजेस आपके सामने है जल्दी से एक बार आंसर करेंगे मैं साइड हो जाता हूँ वीडियो पॉज करेंगे और सारे आंसर मार्क करेंगे और जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में आ जाइए देखते हैं दी एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली ड्राइविंग ह्यूमन मोबिलिटी ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर देखो कहा गया है कि एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट भाई क्लाइमेट के एडवर्स क्या होते हैं भाई इफेक्ट्स होते हैं क्या होते हैं इफेक्ट्स होते हैं अफेक्ट तो वर्ब होता है ठीक है प्रैक्टिस नहीं होती है क्लाइमेट की रिनाउंस नहीं होता होताउंस करना छोड़ना होता है है ना सो so, ये ये क्लाइमेट के जो एडवर्स बेसिकली डिग्रेडेशन की बात यहां पे करी जा रही है ठीक है पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विथ हाई एक्सपोजर एंड लो डैश कैपेसिटी हो खास करके ऐसे देश जिनमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है और कौन सी चीज लो होती है अडोप्टिव मिनिमम या अफेक्टिव देखो लो कैपेसिटी कैसी कैपेसिटी देखो अडोप्टिव मतलब होता है अपनाना किसी चीज को adaptive का मतलब होता है किसी चीज को ढालना तो ढालने की जो कैपेसिटी है खुद को वो बेसिकली तो अडेप्टिव कैपेसिटी हो जाएगा अफेक्टिव कुछ नहीं होता इफेक्टिव होता है मिनिमम नहीं लिखेंगे क्योंकि लो पहले ही लिख रखा है ठीक है सो so, आपका अडेप्टिव uh, हो जाएगा वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी करंटली अकर्स विध इन कंट्रीज ज्यादातर क्लाइमेट रिलेटेड जो मोबिलिटी है मोबिलिटी का मतलब होता है घूमना फिरना है ना मोबाइल उन्हें का मतलब होता है जिनमें मोशन हो ठीक है मोबिलिटी करंटली अकर्स विथ इन कंट्रीज डिस्पेरेशन एंड डेटेरियोरेटिंग एनवायरमेंट कैन ऑल्सो कंपेल पीपल टू सीक अलीहुडेयर थ्रू डैश माइग्रेशन कहा गया है कि देखो ऐसा भी होता है ज्यादातर जो मोबिलिटी है लोगों का जो आना जाना है वो कंट्रीज के अंदर ही होता है लेकिन कई बार डेस्पेरेशन या इन्वायरमेंट जो डेटोरेट हो रहा है इसकी वजह से लोगों को कंपेल किया जाता मतलब ये कंपेल करता है लोगों को कंपेल करता है यानी कि फोर्स करता है फोर्स करता है क्या करने के लिए टू सीक सीक करना यानी कि ढूंढना मांगना अ लाइवलीहुड एल्सवेयर दूसरी जगह पर दूसरे देशों में बेसिकली लाइवलीहुड और किसके थ्रू थ्रू माइग्रेशन अब माइग्रेशन कैसा इनरेगुलर माइग्रेशन फास्ट माइग्रेशन रिगार्ड माइग्रेशन या माइग्रेशन। जैसे ही आप देखोगे सबसे पहले का कोई शैंस नहीं है, रिगार्ड माइग्रेशन कुछ नहीं होता है ठीक तो है तो मोबिलिटी ही होती है ज्यादातर होती है तो फास्ट माइग्रेशन थोड़ी ना होगा फिर यहाँ पे इेगुलर माइग्रेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे वाइल्ड क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इंपैक्ट एवरी वन क्योंकि क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इंपैक्ट करता है सबको एवरी वन एवरी वेयर दोडी इन वनरे पॉवर्टी जेंडर एज डिसिटी ऑरिजिन और अदर स्टेटस इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन कहा गया है कि देखो वैसे तो ये सबको ही नेगेटिवली इंपैक्ट करता है लेकिन खास करके वो लोग जो वनरेबल सिचुएशन में और वनरेबल सिचुएशन यानी कि बहुत रिस्की सी सिचुएशन और ये सिचुएशन किसी चीज के कारण हो सकते है ज्योग्राफी के कारण हो सकती है गरीबी के हो सकती है जेंडर के एज के डिसेबिलिटी यानी कि बेसिकली डिस कोई किसी का पैर वैर नहीं है कुछ नहीं है ऑरिजिन के कारण हो सकती है अदर स्टेटस के कारण हो सकती है जो कि इंक्लूड करता है बेसिकली माइग्रेंट वुमेन हु डैश क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड्स बेसिकली डिपेंड करती है अब देखो डिपेंड के साथ में ऑन प्रेपोजिशन होता है सो डिपेंड ऑन हो जाएगा है ना सो डिडेंड ऑन क्लाइमेटिव लाइवलीस एबल टू सर्वाइव एक्सट्रीट्स और बच्चे जोस एबल होते हैं सर्वाइव करने में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को आर एट दी ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सफरिंग हार्मे सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं हार्म के ठीक है इट इज डैश टू रिकोगनाइज इट इज रेजिस्टेंट होगा सेकेंडरी होगा ऑप्शनल opti, होगा या इम्पेरेटिव

पूरी वीडियो जरूर देखना वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई सबको जरूर बताना और इससे बढ़िया भाई वीडियो आपको मिलेगी नहीं और एक बार फिर बता दूं कि अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो आप हमारा वीओडी ओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं बहुत बढ़िया लेवल के कंटेंट के साथ में आपको बैच मिल जाता है इंग्लिश वीओडी बैच बाकी आप हमारी बुक इंग्लिश रामबाण भी चेकआउट कर सकते हैं बहुत अच्छी किताब है पॉकेट रॉकेट आप मंगा सकते हैं तो सारी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पहला क्वेश्चन देखते हैं इफ़ इट हैड नॉट रेंड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम्स अगर बारिश नहीं हुई होती तो उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया होता अगर इधर हेड प्लस वी थ्री है तो उधर वुड हैव प्लस आना चाहिए सो वुड बी आ रखा है वुड नॉट आ रखा है वुड हैव नॉट आ रखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है जो कैपेबल ऑफ बींग डन हो जिस चीज को किया जा सकता है तो सूटेबल नहीं होगा यूजफुल नहीं होगा देखो जो चीज की जा सकती है उसको हम बोल देते हैं बेसिकली क्या फीजिबल बोला जाता है क्या बोला जाता है फीजिबल बोला जाता है हालांकि प्रैक्टिकल भी हो सकता था लेकिन क्योंकि फीजिबल दिया है तो ये बेसिकली आपका बेटर आंसर है हालांकि इसको फिर भी डिबेटेबल है क्योंकि और प्रैक्टिकल मतलब बोथ बो आर काइंड kind ऑफ of सेम है लेकिन है है ठीक लेकिन बेटर स्टिल मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिकल को पूरे तरीके से रूल आउट आप नहीं कर सकते यहां पे भी ठीक नेक्स है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू तो बी समवन एल्स मतलब किसी दूसरे का रूप लेके वेश धारण करके तो इंपोस्टर बोलते हैं ऐसे लोगों को Imposter होता है जिसने किसी दूसरे का रूप धारण कर रखा हो नेक्स्ट देखेंगे द वर्कर्स रिसीव फॉर द सर्विस दे दे रेंडर्ड देखो अ सम फॉर द सर्विस सर्विस रेंडर जो जो वे देते हैं उसके लिए जो पैसा मिलता है उस पैसे को बेसिकली बोला जाता है क्या बोला जाता है रेम्यूनरेशन बोला जाता है ठीक है रेज्यूबन का मतलब होता है किसी का फिर से यंग होना जवान होना फिर से किसी का ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है बेसिकली बर दिटी व्यू फ्रॉम द एफ एल टावर इज अमेजिंग अब देखो ये लास्ट में ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रखा है यानी किसक्लेमेटरी सेंटेंस है अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कहां एरर है एक बार देखते हैं ये तो मार्क ऑफ मतलब ये तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया आपका जिसको हम बेसिकली ये बर लिख रखा है अब इसका मीनिंग क्या होता है अब इस पर भी आएंगे दिटी व्यू सिटी का व्यू जो है कहां से फ्रॉम द एफ टावर एफेल टावर से इज अमेजिंग बहुत अमेजिंग है यहां तक आपको लगेगा एकदम सही है फिर एरर कहां पे ये जो लिख रखा है ना बर्न ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें ठंड लग रही हो अब ठंड लगने का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं है अगर ठंड लगने का कोई सेंस नहीं है इसका मतलब है ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे यहां पे हमें बेसिकली कुछ ऐसा शब्द यूज करना चाहिए जो बेसिकली ये दिखाए कि मतलब एफ टावर बहुत बढ़िया है तो आप वाओ लिख सकते हो वाओ सिटी व्यू ठीक है सो वाओ लिख दीजिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाओ सो ये नहीं आएगा बर्न नहीं आएगा है ना नेक्स्ट देखेंगे वर द प्लांट बी ग्राफ्टेड बाई द गार्डनर पैसिव दे रखा है अब आपको में लिखना है इसको यानी कि पास्ट का रहा होगा और क्वेश्चन मार्क है ये ठीक है तो जैसे ही देखेंगे है है तो नहीं आएगा ठीक यहां पे ग्राफ्टिंग है यहाँ पे, पे ग्राफ्टिंग है यहां पे ग्राफ्टिंग है अब देखो यहां पे बाई गार्डनर था तो यहां पे बेसिकली प्लांट्स नहीं आएगा ये ऑप्शन गलत हो जाता है गार्डनर के लिए वर नहीं आएगा ये ऑप्शन गलत हो जाता है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे एजुकेशन इनकरेटली स्पेल्ड वर्ड पूछा है अब देखो शुरुआत में में दिख जाएगा नेसेसिटी सिंगल सी आता है लेकिन डबल एस आता है है सो नेसेसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज पेशेंट सफर कर रहा था क्रॉनिक क्रॉनिक का एंटोनिम क्रॉनिक होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है बहुत तगड़ी डिजीज होती है उसको बोलते हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा माइल्ड यानी हल्की फुल्की जो होती है ठीक है माइल्ड हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे

not fresh basically क्या था आपका stale बोल देते हैं उसको है ना stale ठीक है ऑर्डरलेस का मतलब होता है जिसमें कलर वगैरह खुशबू वगैरह ना हो है ना खुशबू आगे देखेंगे abolish करने का एंटोनम पूछा है abolish करना किसी कानून वगैरह को हटा देना तो एंटोनम क्या बन जाएगा मेरे भाई establish करना इसको ठीक है आगे देखेंगे predictable का एंटोनम पूछा आपसे predictable जिस चीज को predict किया जा सकता है तो एंटोनम क्या हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड जिस चीज को अन मतलब एक्सपेक्ट ना किया जाए अनडेविएटिंग डेविएट करने का मतलब मार्क से भटक जाना होता है सो so अनडेविएटिंग जो मार्क से ना भटके आपका ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका है इजी डज इट मीनिंग पूछा है सीडीएम का इजी डज इट का मतलब क्या हो जाएगा किसी को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आराम आराम से करो इजी डज इट एक बार सारे ऑप्शन भी देख सकते हैं वॉयेंटली नहीं होगा रेयरली नहीं होगा हॉरिडली नहीं होगा यूज टू टेल समम टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली नेक्स्ट देखेंगे रिलक्टेंट रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई Reluctant का मतलब है जो किसी बात को स्वीकार करने में मानने में थोड़ा सा कतरा है उसी को reluctant बोल सकते हैं तो इसका एंटोनिम पूछा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा अब देखो ओबीडियंट नहीं हो सकता ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है दो ऑप्शन है दोनों वेरी मच पॉसिबल ठीक है रिलकटेंट यानी कि कोई काम को करने से रहा है एंथुजिया का मतलब है किसी काम को लेकर एनर्जी है yes, ये करेंगे, करेंगे।

इंजर्ड यू आपका पैसिव सेंटेंस बन जाएगा सीधे सीधे हैज हेड कुछ लगाना नहीं पड़ेगा आपको आगे देखेंगे कट कॉर्नर्स कट कॉर्नर्स मैंने बताया भी था आज की क्लास में देखो बहुत सारे वर्ड्स में इसीलिए स्किप भी कर रहा हूं क्योंकि आगे पीछे आ रखे हैं आपके सो कट कॉर्नर्स का मतलब है पैसा या टाइम बचाने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेना डू समथिंग इन एन इन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे आसान तरीके से करना तो क्लियर स्पेस नहीं होगा फाइंड सुटेबल प्लेस नहीं होगा कंप्लीट वर्क नहीं होगा आगे देखेंगे हैविंग नोन दैट आपका बेसिकली पार्टिसिपल आ गया इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई नोन और क्या जानते थे दैट द ट्रेन ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म देखो एक तो ये आपका एरर है पे ऑन द प्लेटफॉर्म आप नहीं लिखते जब हम प्लेटफॉर्म देखो एक सिंपल सी बात बताइएगा जैसे मान लेते हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है ठीक है इस पर लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और इसके बगल में ये आपकी ट्रेन आई है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ के आती है या इसके बगल में होती है आप कहोगे सर बगल में आती है साइड में तो ऑन बेसिकली तब लगाते हैं जब कोई किसी के सरफेस पे होता है तो ट्रेन सरफेस पे नहीं होती है इसलिए ट्रेन के लिए हमेशा एट द प्लेटफॉर्म आता है अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर जो अनाउंसमेंट होती है रेलवे स्टेशन पर उसमें तो ऑन बोलते हैं भाई बोलते तो पता नहीं क्या क्या है ठीक है बोला तो उसने भी बहुत कुछ होगा क्या सही था सब कुछ नहीं था ठीक है तो बोलने की बातें अलग है लेकिन यहाँ पे कायदे से एट आना चाहिए ठीक है एट आना चाहिए दे रेन फास्टली अब देखो ये भी गलत है ये तो ब्लंडर है कति ठीक है अगर ये ब्लंडर है तो फास्ट आ जाएगा तो ये इतना बड़ा एरर है कि प्रोजिशन का एरर छोटा लगने लग जाएगा तो ये आंसर आप यहां पे मार्क कर सकते हैं बट द थिंग इज कि इस सेंटेंस को भी इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो बिकॉज यहां पे ऑन की जगह पे एट का यूज किया जाना चाहिए था जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म पर ऑन नहीं लेगी एट लेगी लेकिन अगर लो प्लेटफॉर्म हैं वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म बट ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म ठीक है क्योंकि हम तो प्लेटफॉर्म पे एज अ सरफेस यूज कर रहे होते हैं बट ट्रेन प्लेटफॉर्म को एज अ सरफेस यूज नहीं करती है सो so, अगर माई डियर फ्रेंड्स अगर आपसे गलती से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट देखेंगे कैंडिड कैंडेड आपने देखा होगा ना कैंडिड फोटोग्राफ्स होते हैं जो बहुत मतलब एक ऐसा कैंडिड का मतलब ही होता है कि जैसा आदमी है वैसा हालांकि लोग एक्टिंग करके कैंडिड फोटोग्राफ भी खिंचवाते हैं तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट लेकिन कैंडेड फोटोग्राफ बता के अगर कोई आपको ऐसा फोटोग्राफ भेजे तो फंस मत जाना भाई ठीक है कैंडिड आजकल ऑनेस्ट नहीं रहा है, है ना फोटोग्राफ के मामले में तो बाकी इसका एंटोनिम पूछा तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम तो क्योंकि ओरिजिनली तो मीनिंग वही है ऑनेस्ट वाला ही नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला है आपका है, a fit, a eat, जिस को खाने लायक हो खाने लायक हो तो एडेबल हो जाएगा ठीक है एक आपका है तो उसी का एंटोनिम बन जाएगा ये ठीक है अनईटेबल कुछ नहीं होता है मतलब कह सकते हैं जिसको ना खाया जा सके लेकिन उतना अच्छा वर्ड नहीं है इन एडेबल आता है वहां पर ठीक है और टॉक्सिक यानी कि वही जिस रिलेशनशिप में आपते मतलब सॉरी जहरीला ठीक है जहरीला आगे देखेंगे सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर आपको ना दिखे देखते लेते हैं भाई एंड हिस्टोरिकल डाटा कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक में फ्यूचर में ये आता है एफ यू टी यू आर आई एस टी आई सी फ्यूचरिस्टिक ठीक है मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट द ऑथर इन डिटेल बट देर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस मैनी मेमोरिस्ट the ऑथर एक बार थर्ड सेंटेंस भी देख लेते हैं ठीक है सो द न्यू कैच ऑफ मटेरियल्स रिवील अ सीक्रेट ये प्लेसेंस तो गलत है ठीक है इसकी जो स्पेलिंग होती है ना जैसे प्लेजर होता है ना खुशी ठीक है वहीं से बनता है पी ए एस एन सी ठीक है बोलते हैं हैं वाला भी देख लेते नहीं होता है, contradictions होता है क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन होता है मेरे भाई तो सारे में एरर मिली गया तीन में तो बचा हुआ दो वाला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा आ जाओ भाई देखते हैं बढ़िया है लेवल का एक मतलब क्लोज टेस्ट है कम मिलते हैं ऐसे क्लोज टेस्ट आजकल अच्छे लेवल के लेकिन ये अच्छे लेवल का है समझते हैं एक बार पूरे को डिटेल में समझेंगे ठीक है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रॉरी कूपर किसी व्यक्ति का नाम है बात है है अ टॉप बेसिकली क्या होता है? एक जो उसका सपोर्टर होता है ना आपने एक वर्ब सुना है एड ए आई डी जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना इसी में अगर पीछे ई लगा देते तो नाउन हो जाता है और इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो सपोर्ट करता है आपको और किसका एड था टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर एरिक केंटर यानी कि हाउस मेजोरिटी लीडर का मतलब है वो पर जो leader, जो house, जो लीडर लीडर हाउस बेसिकली था ना उसकी बात कर रहे हैं हम ठीक है जैसे अमेरिका में हाउस होते हैं जैसे अपने भी होते हैं ना लोअर हाउस और अपर हाउस वैसे वहां भी होते हैं ठीक है एरिक एरिक था क्या बेसिकली द अप एंड कमिंग वर्जीनिया रिपब्लिकन ये अपकमिंग वर्जीनिया रिपब्लिकन था जो बेसिकली क्या हो गया हु लॉस्ट अ टू थाउजेंड फोर्टीन हाउस प्राइमरी बेसिकली 2014 के इलेक्शन में वो हार गया ये इसका कहने का मतलब है ही वॉज ऑल्सो ए प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर वो जो था यानी कि ये जो एरिक कैंटर की बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या था या रॉरी कूपर की बात कर रहे हैं He was also Rory Cooper was also a prominent never Trumper. Never Trumper का मतलब है जैसे आप देखोगे ना 2014 के इलेक्शन की बात चल रही है जिसमें ये हारे तो जीता कौन था ट्रंप जीता था तो नेवर ट्रम्पर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो ट्रंप के लिए बेसिकली मना करे है ना ट्रंप का अपोजिट हो ओपनली डैश हाउ ऑफल ही फाउंड द फोर्टी प्रेसिडेंट फोर्टी प्रेसिडेंट यानी अगेन ट्रंप की बात कर रहे हैं तो हाउ मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा था ओपनली क्या स्किप करेगा जो ट्रंप के अपोजिट है ऑफुल पाया है उसने प्रेसिडेंट को इस बात को अवॉइड करेगा या बताएगा सबको आपको कि सर बताएगा बताएगा तो डिटेलिंग करेगा उस चीज की है ना डिटेलिंग He was ऑल्स uh, आगे how awful he found the, 45th president. the cause Cooper has in his tweet uh, the cause Cooper has dash himself to. अब जैसे आप देखोगे ना अजीब सा स्ट्रक्चर लगेगा लेकिन थोड़ा सा समझोगे तो समझ आएगा द कॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट है आगे कूपर एक व्यक्ति का नाम है यानी द कॉज गया और फिर ये जो कूपर है ना पक्का यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन आपका गायब है डायरेक्ट तभी तो, तो लिख सकते हैं द कॉज दैट यानी कि वो कॉज

He is basically as he puts it, जैसे कि वो उस चीज को पुट करता है रखता है सामने लोगों के इन ट्विटर बायो कहा स्कूल मतलब वो इस बात की बहुत वकालत करता है कि स्कूल को खोला जाए ठीक है अ फादर ऑफ अ फिफ्थ ग्रेडर वो बेसिकली फादर है किसका एक फिफ्थ ग्रेडर का एक सेकेंड ग्रेडर का और एक किंडर गार्डनर

नहीं कह सकते लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड जरूर रहेगा सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड तो ही इज फ्रस्टेटेड बिकॉज दब्लिक स्कूलिया के बाद की बात चल रही है वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डीसी में स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट दैट हैज मूव्ड डैस टूवर्ड इन पर्सन लर्निंग और ये इन पर्सन लर्निंग की तरफ कैसे बढ़ाया अभी तो का स्कूल अभी ओपन नहीं हुए तो स्लो बढ़ा होगा तो स्ट्रेंजस्ट नहीं होगा प्लेनेस्ट नहीं होगा लॉन्गेस्ट नहीं होगा स्लोएस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत धीमी गति में बढ़ा है एंड इट इज स्टिल नॉट क्लोज और अभी ओपन होने के पास में भी नहीं है ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स पिछले ही कुछ हफ्तों में हैव स्टूडेंट स्टूडेंट स्टार्ट कर चुके हैं टू रिटर्न टू क्लास क्लासरूम में आना एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दो एलिजिबल जो एलिजिबल हैं

छब्बीस सौ निन्यानवे रुपए में दो साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाता है सारे टीचर्स बेहतरीन पढ़ाते हैं इसमें सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से मिल जाएंगी बाकी पढ़ेंगे अगले सेट की तरफ आ जाओ भाई अब हम चलेंगे अगली शिफ्ट की तरफ पहला ही क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई सारे बच्चे और दी पे विल सेंड है। विल सेंड को बी सेंट में बदल देंगे यहाँ पे वुड बी कर दिया है यहाँ पे वुड हैव कर दिया है यहाँ पे विल बी सेंट है यहाँ पे विल हैव कर दिया है करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज को क्या बोलते हैं ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है सो अम्यूजिंग स्टोरीज जो होती है उनको बेसिकली एनेक्टेड बोला जाता है खास करके ये किसी रियल इवेंट या पर्सन के बारे में होती है इसलिए ट्रू बोल देते हैं ना बताया था ना कि रियल पर्सन या इवेंट के बारे में तो ट्रू भी हो जाती है ये और अम्यूजिंग होती है बाकी फेबल बेसिकली ऐसी कहानियां होती हैं जिनमें एनिमल कैरेक्टर वगैरह होते हैं और सोनेट चौदह लाइन की जो होती है वो उसको बोलते हैं और एलेगरी बेसिकली जो लोक कथाएं है होती हैं उनको बोला जाता है ठीक है आगे देखेंगे मेरे भाई ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द द वीकनेस ऑफ अदर पर्सन ऐसा ह्यूमर जो दूसरे व्यक्ति पे बेसिकली एक तरीके से ताना मारना ऐसे ह्यूमर को सटायर बोल देते हैं क्या बोलते हैं सटायर कर्स बेसिकली जो किसी को सांप दे देते हैं अटायर ये कपड़े होते हैं जो का आप समझते हैं नेक्स्ट हो गया एक्सेप्शनल

आगे देखेंगे ही डैश हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम सो जैसे ही देखोगे यहां पे ना वर्ब चाहिए हमें ये रोड तो नाउन होता है ये रोड करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली मसल देने के सेंस में आता है ये रो बेसिकली नाव के सेंस में आता है और ये वाला रोड होता है राइड की सेकंड फॉर्म होती है रोड है ना नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी वेब वेब बेसिकली हैलीम होता है इसका मतलब होता है ऐसा काम जो खत्म ही नहीं हो रहा है तो एंडलेस टास्क हो सकता है आपका क्या हो सकता है एंडलेस टास्क अगला आपका क्वेश्चन है फ्यूड फ्यूड बेसिकली होता होता है 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 झगड़ा खास करके फैमिली वगैरह में जो सो so इसका पूछा है, तो हारमोनी करेक्ट हो जाएगा ह्यूमिलिटी तो नहीं होगा हम्बल होने की क्वालिटी के लिए बोल देते हैं ठीक है और इसके अलावा हम्बल भी नहीं होगा ऑनेस्टी भी नहीं होगा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है सिवा मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास ट्वेंटी तो ड्यूरेशन आ जाता है पिछले बाईस साल की बात कर रहे हैं तुम कह सकते हैं कि पे बेसिकली आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ में टेंस नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा हैज बीन वर्किंग करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विध रनिंग बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम सो एरर डिटेक्शन का है सो so दीपा एंड सीमा दोनों की बात कर रहे हैं आर बोथ गुड दोनों ही अच्छे हैं विथ रनिंग इनकी रनिंग अच्छी है बट लेकिन दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग अब देखो यहाँ पे देखेंगे good with running कर दिया है। आपको यह पता होना चाहिए गुड एट के साथ में कौन सा करेक्ट आंसर तो हो जाएगा गुड एट रनिंग ठीक है बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम इन टाइम ऑन टाइम दोनों सही फ्रेज होते हैं ठीक है ये गुड एट मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको ये जो बारह घंटे की हमारी क्लास है उसमें भी मैंने पढ़ाया था बारह घंटे वाली क्लास देख लेना

बेसिक इंग्लिश बाई सर सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा आप इसको सर्च कर लेना ये वीडियो है आपकी जिस लाख ऑलरेडी व्यूज दिखेगा चुके हैं तो बहुत अच्छी वीडियो है इसको भी आप देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा मेरे भाई आपकी और भी वीडियोज है जो हमने दी है एक मैराथन है आपकी ठीक है इसमें लिख लेना मैराथन इंग्लिश मैराथन बाई सर इंग्लिश मैराथन बाई सर जैसे आप ये सर्च करोगे बारह घंटे वाली आ जाती है इस पर छह लाख से भी ऊपर व्यूज है तो बहुत सारे बच्चों ने देखा है और इससे बाहर कुछ नहीं आया है तो इसको जरूर देख लेना आप लोग आगे देखते हैं भाई अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का एंटोनिम ऑटोनॉमी बेसिकली स्वायत्तता जो होती है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डिपेंडेंस हो जाएगा किसी पे तो ये हो जाएगा परमानेंस यानी परमानेंट होना इकोनॉमिकल इकोनॉमी से रिलेटेड इंडिपेंडेंस यानी आजादी आजा देखेंगे अगला देखेंगे इंटेंस का बेसिकली सब्सिट्यूशन पूछा है तो इंटेंस लेजी तो होता नहीं है पावरफुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे हैंगिंग हैंगिंग ऑन ऑन हर हर थिनिंग ग्रे हेयर देखो सिंक करना तो डूबना होता है सिंकिंग फ्रॉम तो वैसे ही गलत है फॉल अबाउट नहीं होगा अर्जिंग अहेड नहीं होगा अर्ज करना यानी किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना कुछ कहना सो so, ये आपका स्ट्रगलिंग ओवर हो जाएगा इसका मतलब होता है बहुत ऑकवर्ड तरीके से मतलब एक खराब लगने वाले से लटकता हुआ कोई चीज हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे आर आर यू यू रिपीटेडली रिपीटेडली कॉल्ड हर सो हम कह सकते हैं why are you repeatedly? तो इसका मतलब प्रेजेंट का टेंस आना चाहिए सो वाई सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हेड है यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे इंटारोगेटिव नहीं बनाया तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे देख लेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है कॉन्सेंसियस कंसेंसियस uh, हो जाएगा एक ऑस्टेंटेशियस कंसेंसियस स की बात कर रहा होता है अंतरात्मा की का मतलब होता है दिखावा करने वाला अकमो डेट करने का मतलब है किसी को स्थान दे देना जगह इसी वीडियो में पहले भी आ चुका है सो इसमें आई नहीं आता है ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ब्लैंक फिल करना है बेसिकली आपको आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाई मी बट वेन आई गॉट इन टू ट्रेवल सी टर्न आउट टू बी अन डैश तो भाई देखो ऐसे दोस्त जो आपके उस टाइम पे काम आए जब आपका अच्छा समय है खराब समय में काम ना आने वाले फेयर ब्रेथ वेदर फ्रेंड कहा जाता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट एलिफेंट मैगी चीजें जो काम की ना हो ओपन सीक्रेट जो सबको पता है हार्ड नट टू जिसको मनाना मुश्किल हो आगे देखेंगे अगला है आपका ये सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आई एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन ओके मतलब बताया गया है कि ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करना है जिसमें कॉन्टिन्यूटी को दिखाया आई एनजी देखो जैसे पे प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी मुझे डिस्टर्ब आई एम आर के बाद आपका correct answer हो जाएगा एडवाइज मी टू यूज रीडिंग ग्लासेज यहां पे रीडिंग बेसिकली ग्लासेस का पर्पज बताने के लिए आया बेसिकली है ना रीडिंग नाउन मोडिफायर के रूप में यूज हुआ है आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन तो आप कह सकते हो साइंस फिक्शन बेसिकली फॉन्ट ऑफ है ऑफ का ऑब्जेक्ट है रीडिंग तो जीरण के रूप में आ गया है रीडिंग नोवल्स इज माई फेवरेट अगेन ये भी रीडिंग आपका जीरण है ऑब्जेक्ट है मतलब सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का तो आप कहोगे बाकी जगह पे ये ये ऐसे है ये जो अभी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की मैंने वीडियो बताई थी ना इस वीडियो के अंदर भी मैंने इस चीज को इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कब आई एनजी जीरण बनेगा कब पार्टिसिपल बनेगा और कब आपका बेसिकली वो वर्ब का, का काम करेगा टेंस दिखाएगा ये चीजें अगर आपको डिटेल में सीखनी है मैं एक बार बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं उस वीडियो को फिर दिखा देता हूं ये वाली वीडियो जो बारह घंटे वाली थी भाई हाईली रिकमेंडेड है ये वाली इसको जरूर देख लेना इसमें बेसिक ना आप एक एक सेंटेंस को तोड़ना मरोड़ना ब्रेक करना सब आपको आ जाएगा एक ही बार में ठीक है सो ये वीडियो जरूर देख लेना। तो इसमें ये सब सिखा रखा है मैंने आगे देखेंगे

क्योंकि डिफ्यूज अच्छे से हो जाता है अब diffuse की पूछिए तो D -I -F -U -S -C होता है तो हो हो डिफ्यूज इज करेंगे close test को पूरा solve करके answer mark करने का प्रयास करेंगे आ जाइए देखते हैं एक बार सारे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना द लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंटरलिंक्ड विद द मेम्ब्रेन कहा गया है कि जो फ्लाइंग स्क्वायरल होती है इसके जो लिम्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं जाली के साथ में

स्किम करना किसी पैसेज वगैरह को जल्दी से पढ़ लेना ठीक है ऊपर ऊपर से व्हील नहीं होगा स्केट जो स्केटिंग कर रहे होते हैं ना जो पहिए पर चलते हैं वो वाला होता है आगे देखेंगे दिस मूवमेंट गिव्स डैश ऑफ फ्लाइट ये मूवमेंट बेसिकली क्या देता है ऐसे लगता है जैसे कि आपको कोई फ्लाइट यानी उड़ने का सेंस आ रहा है सो so, उड़ने का सस्पिशन होता है नहीं ऐसा इंप्रेशन देता है इसको देख के ऐसा लगता है फैंसी नहीं होगा और अफेक्ट नहीं होगा ठीक है so, सो इंप्रेशन ऑफ फ्लाइट उड़ने जैसा सेंसेशन देता है basically, impression देता है ये बेसिकली इंप्रेशन देता नॉट सेंसेशन ठीक हैली हाउ एवर इट इज नॉट फ्लाइंग लेकिन ये फ्लाइंग नहीं है तो so, इंप्रेशन ऐसा है लेकिन है नहीं इट इज अ डैश इन द एयर सो इट इज अ साइन मोशन प्रोग्रेस वेव अभी बता दिए सिंपल सी बात है ये एयर में आपका मोशन है आप एयर में मूव कर रहे हैं सो इट इज अ मोशन इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल इट इज ऑल्सो नोटवर्थी ये नोट करना जरूरी है दैट अ स्क्वायरल कैन नॉट डैश स्क्वायरल क्या नहीं कर सकता डायरेक्शन वाइल इट इज इन स्क्वायरल जब उड़ती है तो डायरेक्शन को बदल नहीं सकते हैं ठीक है तो देखो एक है रिप्लेस करना एक है स्वैप करना एक है अडॉप्ट करना एक है अडेप्ट करना यह अडेप्ट एडजेक्टिव होता है एक्सपर्ट होता है ये अडॉप्ट अपनाना होता है और रिप्लेस तो किसी चीज से करेंगे स्वैप करने का मतलब होता है दो चीजों को आपस में बदल लेना स्वैप करना करेक्ट आंसर हो जाएगा अब भाई अगले सेट पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी अगर मैं एक चीज़ ये कहूं कि हमने इतनी सारी बुक्स निकाली हैं और उन बुक्स में एक बुक जिस जिसपे हमने सबसे ज्यादा मेहनत करी है जिस जिसपे मैंने खुद एक एक चीज को लिखा है वो है इंग्लिश रामबाण सबसे बढ़िया सबसे खतरनाक बुक है अगर आप दो के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश रामबाण एक बार जरूर लेना मेरे कहने से लेना आपके पास अगर कोई दूसरी भी बुक है तो भी ले लेना अगर आपको ये लगता है कि आपके पास में दूसरी बुक पहले से है और आपने ये भी ली और आपकी पहली बुक अच्छी है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को देने को तैयार हूं कोई भी बुक आपके पास में पहले से है उससे बेहतर बुक है यह मैं चैलेंज दे सकता हूं ओपन चैलेंज क्योंकि भाई इस बुक को बड़े डिटेल में एक एक चीज को बड़े अच्छे से संजोकर मैंने लिखा है मैंने खुद मैंने ढाई तीन साल इस पर मेहनत करा है कितनी बार लिख लिख के इस बुक को हमने डंप करा है बहुत बेहतरीन किताब है बहुत अच्छी किताब है इस किताब को एक बार जरूर मंगाएं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना लगभग दो रुपए के करीब आपको पड़ जाएगी आगे देखेंगे भाई अगला जो आपका क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस है अब देखो नई शिफ्ट आ गई है आपकी शिफ्ट टू अठारह तारीख की ठीक है कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम तो बेसिकली कैन यू का तो इंटेरोगेटिव तो रहेगा तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा कैन बी आ जाएगा यहाँ पे बाई आ गया ये नहीं होगा यहाँ पे कंपोज है यहाँ पे लेकिन बाई वाला हटा दिया ये गलत हो जाता है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा

लिव्ड बाई द सेम प्रिंसिपल अब देखो ये वाला प्रिंसिपल यहां पर गलत आपका दे रखा है, है? क्यों प्रिंसिपल, ये वाला होता है, ये जो का प्रिंसिपल होता है मुख्य और हम यहां पर सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो कौन सा वाला आना चाहिए? पी आर एनसी आई एनसीआई दैट ही प्रीचड जिन प्रिंसिपल को उसने प्रीच किया था उन्हीं के साथ में वो जिया तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट ये वाला तो देखो वर्ड बेस्ट क्वेश्चन रखेंगे वे टू दार्टी हम पार्टी के लिए जा ही रहे थे ऑन द वे थे सडनली अचानक देर विल बी अवी डाउन पॉवर अब जैसे ही आप देखोगे पास्ट की बात चल रही है तो विल नहीं होगा सो देर वॉज आप लिख देंगे ना विल so, there was a heavy downpour. अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई कुछ बच्चे कहेंगे सर वुड क्यों नहीं लिखेंगे बेटा वुड क्यों लिखना है डाउन पॉवर का मतलब है बारिश अचानक से बारिश थी बारिश थी तो ठीक है वॉज लगा दो ठीक है विल वुड का कोई सेंस नहीं है आगे देख लेंगे कंडोन करना किसी को कंडोन करने का मतलब होता है किसी को माफ कर देना बेसिकली है ना माफ कर दिया सिनोनिम पूछा है 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 सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक शांति के सेंस में आ जाता सोली सोलिसिट्यूड बेसिकली अलग शब्द है और एक तो होता है सोलिसिट करना आपका सोलिसिट करना किसी चीज को कहीं से निकालना एक आपका सोलिट्यूड होता है सोलिट्यूड का मतलब होता है मतलब अकेलापन शांति वो वाला सेंस और पेनल्टी भी नहीं होगा आगे देखेंगे अगला आपका जो वर्ड है उसकी बात कर लेते हैं राउंड द ईयर राउंड द ईयर का मतलब मतलब इसमें पूछा है कि इसका बेसिकली क्या होगा राउंड द ईयर है पूरे साल जो चलता रहे एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार हो बाई एनुअल का मतलब होता है कोई चीज दो साल में एक बार हो और बाई एनुअल का मतलब है एक साल में दो बार हो तो ये आपका पैरानियल करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरानियल जो हमेशा चलता रहे नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका लैस्ट ही शुड नॉट वीक देखो शुड नॉट बी वीक जैसे देखा आपने एक्सरसाइज exercise, रोहन एक्सरसाइज्ड

टू पे इनकैपेबल का बेसिकली क्या पूछा है सब्स्टिट्यूशन पूछा है सो देखो इनकैपेबल के साथ में इनकैपेबल ऑफ आता है तो टू के हिसाब से गलत था सो कैपेबल टू नहीं होगा क्योंकि बैंक करप्ट्स हैं वो लोग जो पैसा दे नहीं पाते हैं मीगर का मतलब होता है बेसिकली एक कम मात्रा को बोल देते हैं ठीक है पावरफुल नहीं होगा इनकंपिटेंट 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे ही सीक फॉर द वैलेट इन हिज

L -I -S -S -M, ये ऑप्शन जो है सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग पैरल होना बेसिकली एक जैसे चलना पैरलिजम नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग वॉज नॉट टीचिंग है यानी कि नेगेटिव के साथ में बींग प्लस वॉज वर चाहिए तो देखो नॉट बींग है नॉट बींग है लेकिन यहाँ पर टीचिंग आई एनजी कर दिया है वर्ग थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे बीग नहीं है यहाँ पे बींग नहीं है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे टेंडेंसी टेंडेंसी का मतलब है किसी चीज को करने के लिए झुकाव आपका सो so, प्रोन होने का मतलब भी वही होता है तो प्रोन ने हो नहीं हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है ये पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है एक बार इसको देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे फटाफट से देखो कनेक्ट करना ए से शुरू नहीं कर सकते सो से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होते हैं बट से कभी शुरू नहीं होते हैं ऑफ माइ सेल्फ से नहीं होगा बी से ही शुरू होगा अच्छा एक ही ऑप्शन है ऐसा सो so, बी से शुरू करेंगे आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखो एक्सपीरियंस ऑफ आता है बेसिकली ठीक है या फिर श्योर ऑफ आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ रीचिंग माइ सेल्फ होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखो हम ये कह सकते हैं कि आई से शुरू हो गया आपका आई एम नॉट वेरी श्योर किस चीज का श्योर तो श्योर के साथ में ऑफ आएगा यानी कि ए के बाद में सी आपका पेयर बनेगा यहां पे देखो ए डी बन रहा है यहां पे ए सी बन रहा है यहां पे सी ए बन रहा है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है देखो ये बेसिकली कमर्शियल की स्पेलिंग है पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि कमर्शियल बेसिकली क्या होता है देखो सी ई आई एल नहीं होता है सी ए आई एल आपका सही है लेकिन डबल एम आपका आया करता है यहां पर डबल एम नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे किल्टर किल्टर का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर ये बेसिकली एक ईडीएम होता है आउट ऑफ किल्टर आउट ऑफ किल्टर का मतलब होता है नॉट अरेंज्ड जो अरेंज्ड ना हो तो आउट ऑफ किल्टर है यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर है ऑर्डर so और किल्टर दोनों सेम मीनिंग देते हैं तो पूछा है तो ऑर्डर आपका correct answer हो वर्ड है पचाना डाइजेस्ट करना मुश्किल है मतलब कोई मुश्किल चीज जो होती है सो फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है पगनेशियस पग्नेशियस बेसिकली आपका क्या होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो है बहुत इरिटेट करता है ऐसी फालतू की बातें करता है सो इम्पेसेंट नहीं हो सकता है एरोगेंट नहीं हो सकता है बैड टेम्पर्ड होता तो हो सकता था ये भी नहीं होगा सो वास्पेस जो कि इसका मतलब होता है कोई जो इरिटेट करे बहुत ज्यादा वो व्यक्ति ठीक है आगे देखेंगे ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इन टू अ वर्ल्ड डैश वेयर रियलिटी सस्पेंडेड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज देखो

Absurdity तो अब्जर्टिटी तो ऑलमोस्ट सेम है ठीक है ये नॉर नॉर बेसिकली आपका अनोइंस का सिनोनिमी होता है ये। तो ये एक एनिमल के लिए भी लगाते हैं जो रोडेंट्स होते हैं चूहे वगैरह ठीक है उनके लिए भी लगा देते हैं बाकी ये अनोइंस के लिए भी है क्योंकि चूहे वगैरह अनोय करते हैं ससेप्टेबल होने का मतलब है किसी चीज को लेकर कोई आदमी आसानी से उसको अफेक्ट किया जा सकता है सो so, सेरेटी आपका अनोयंस का एंटोनिम बन जाएगा नेक्स्ट देखेंगे आगे आपका क्लोज टेस्ट है एक बार जल्दी जल्दी से क्लोज टेस्ट को पड़ेंगे आंसर करने का प्रयास करेंगे फिर मैं बताता हूं आपको सारे के सारे सही आंसर देखिएगा दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर थ्री कहा गया है कि ये दिवाली जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम तीन साल बाद दिवाली मनाने वाले हैं विदाउट द एविल सेविड ऑफ कोविड नाइनटीन की सेडो के बिना यानी तीन साल हमने कोविड नाइनटीन में निकाल दिया था दैट डैश लूमिंग ओवर फेस्टिविटीज दैट अब देखो कोविड नाइनटीन पास्ट की बात है क्योंकि अब बिना पास्ट सो दैट वॉज Looming over all festivities. नहीं आ सकता है क्योंकि एक कोविड नाइनटीन एक चीज है्योहारों पर बेसिकली लूम कर रही थी यानी कि मंडरा रही थी एक तरीके से आगे देखेंगे द लॉकडाउन एंड द एंडस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डैस टर्न आवर कंट्री इन टू अफ ग्लूम की जो लॉकडाउन था एंडलेस बैड न्यूज आ रही थी किस चीज की भाई डेथ हो गई और क्या हो गया डिमोनेटाइजेशन न्यू बर्थ क्या हो गया न्यू बर्थ और इकोनॉमिक बूम नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमारी की जो आ रही थी सो so डेथ की बीमारी की उसने हमारी कंट्री को बेसिकली एक जोन ऑफ ग्लूम बना दिया था ग्लूम यानी कि ग्लूमी होता है ना मतलब डार्क एक तरीके से ठीक है सैडनेस सो बट दिस सीजन ऑफ दिवाली डैश ऑल ओवर सोरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ लेकिन जो ये सीजन है दिवाली का ये बेसिकली क्या करने वाला है सो so, देखो सबसे पहले तो हैड नहीं आ सकता है प्रेजेंट की बात चल रही है ठीक है यहां पे हैज अडॉप्टेड है ठीक है अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपना लेना तो अपनाना नहीं है यहां पे ठीक है हॉवर करने का मतलब मरनाना होता है ये भी नहीं होगा तो हैज सेड सेड करने का मतलब है किसी पे जब हम प्रकाश वगैरह डालते हैं ना वो सो so, हैज सेड सेड ऑल सोरो सोरो वगैरह को बेसिकली छाया में कर दिया है हटा दिया एक तरीके से और छाया ला दिया है सौरों पर यानी कि लाइट कर दिया है मतलब उनको हटा दिया एक तरीके से लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ्स वी कैन सी द लाइट्स हम लाइट्स देख सकते हैं कैंडल्स देख सकते हैं लालटेन देख सकते हैं एंड द बिजी पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज लोग जो कि बिजी है अपने घरों से बाहर आ रहे हैं एंडेजिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं लेट्स दोपल है क्या करें ऑनरस करें बीरेड करें टर्मिनेट करें सल्यूट करें मेरे भाई देखो बीरेड करने का मतलब डांटना होता है इसको तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऑनरस बर्डन समय होता है ये तो एड्जेक्टेब है यहाँ पे वर्क की जरूरत है टर्मिनेट बात नहीं करनी है हमें इस चीज को सैल्यूट करना है लेट्स सैल्यूट किसको करना है दोस पीपल उन लोगों को हु हैव मेड सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन जिन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करा है टू डैश गुड थॉट्स टू इंपेंड करने के लिए इंपेंडिंग का मतलब है कोई खतरा वगैरह जो आने वाला है इम्पलीकेट करना आरोप लगाना स्टैग्नेटिंग करना बंद करना सो so स्प्रेड करने की बात है फैलाने की बात है उन्होंने क्योंकि फैलाइए इस चीज के लिए सो so, ये था आपका सेकंड सेट अब हम थर्ड सेट पर पढ़ने से पहले बता दूं जिस प्रकार से रामबाण एक अच्छी किताब है वैसे ही उसका एक छोटा भाई है पॉकेट रॉकेट ये भी अच्छी किताब है ये रिवीजन किताब है रामबाण एक कंप्लीट किताब है ग्रामर भी है वुकैब भी है और आपका कॉम्प्रीहशन भी है पॉकेट रॉकेट इंग्लिश ग्रामर की एक रूल बुक है आप दोनों ही किताबें मंगाइए बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में देखते हैं थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपका डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड क्या आप जानते हैं कि वो कहां रहती है तो आपको ये पता होना चाहिए जब डब्ल्यू एच सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इंटेरोगेटिव नहीं कंजंक्शन का काम करते हैं कंजंक्शन का काम करते हैं तो डज आपका नहीं आना चाहिए where सी रिसाइड्स आपको लिखना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा वेयर सी रिसाइड्स ये इसलिए गलत है क्योंकि सी के साथ में सिंगुलर वर्ब चाहिए आपको रिसाइड प्लूरल है डू आ रखा है डज आ रखा है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इनवियस का मतलब होता है जेलस होना किसी से जलना किसी से एंटोनी पूछा है इसका अगर एंटोनी पूछा है तो सस्पीशियस बिल्कुल नहीं होगा अन नहीं होगा मेलिशियस नहीं होगा जेनरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी लॉन्गर जर्नी पे छोटा स्टेज होता है उसको स्टॉप ओवर बोल देते हैं रेफ्यूजी जो लोग कहीं दूसरे देश से आते हैं टेंट आप जानते ही हैं सेगा बेसिकली जो कहानियां होती है पुराने टाइम के नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है इकोनॉमिक्स अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखा है तो ज्यादा सारे वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं इकोनॉमिक्स एकदम सही है पॉवर्टी सही है ग्रांड सही है रिमूवल में ए आया करता है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आगे देखना है अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज फिल करना है आपको ब्लैंक में दे डैश देयर हाउसेज फॉर द पास्ट टू मंथ्स एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटिस्टिक दे दे रखा मतलब है रखा है, है है, इसका मतलब तो आपका परफेक्ट टेंस आएगा या perfect आएगा, तो वर रेनोवेटिंग नहीं होगा विल रेनोवेट नहीं होगा ठीक है अब आपके दे हैज बिल्कुल नहीं लिख सकते तो दे हैव बीन रेनोवेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे कॉफी वॉज टू हॉट इट वाई टंग का एंटोनीम है, का एंटोनीम क्या हो जाएगा? फ्रिज एकदम हुआ बामी, हल्का जो, होता उसको बोल देते, जो जलता हुआ गर्म होता है मा, आगे देखेंगे इट्स का बेसिकली इंप्रूवमेंट करना है आपको विदाउट इट्स मदर बोर्ड इट्स बेसिकली ये वाले का मतलब होता है इट इज या इट हैज हमें यहाँ पे डिटर्मिनर वाला चाहिए जो कि ये वाला इट्स होता है ठीक है और कंप्यूटर के लिए हिज या देर नहीं लगा सकते नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी हो जो स्वीट साउंडिंग हो जो अट्रैक्टिव हो सो so लाउड नहीं होगा कैकोफोनिश नहीं होगा डिस्टिंक्ट का मतलब है जो अलग है सो so, म्यूजिकल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन इड वेरी नेसेसरी रेस्पाइट रेस्पाइट का मतलब है एक तरीके से ब्रेक राहत राहत है है तो तो कमेंसमेंट शुरुआत होती है किसी की कॉन्टीन्यूशन जारी रखना होता है प्रोग्रेशन भी आगे बढ़ना होता है ब्रेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे ईडीएम जो है हिट द रूफ का आपको क्या पूछा है मीनिंग uh, पूछा है तो जंप हाई नहीं होता हिट द रूफ एंग्री हो जाना गुस्से में आ जाना ये बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगे देखेंगे

मॉडर्न सी सबोर्डिनेट ये सबके नहीं होंगे नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है पीक्यू का क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी अरेंज करेंगे देखो बट से शुरुआत नहीं कर सकते बी से शुरू नहीं होगा अनचेंज इससे शुरू वैसे भी नहीं करेंगे तो वैसे भी नहीं होगा इसके अलावा आपका सी में दे रखा है ही डिस्कवर्ड इससे कर सकते हैं न्यू आर्ग्यूमेंट कर तो सकते हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं तो एक बार सी वाले से ज्यादा मतलब इससे ज्यादा सही लग रहा है इससे ही हैज डिस्कवर्ड डिस्कवर क्या किया है क्या डिस्कवर किया है सो so, आप कहोगे ए तो सी ए आपका मैंडेटरी पेयर बनेगा इसमें भी है और इसमें भी है सो न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड एडवांस कर चुका है क्या मेरे भाई न्यू आर्ग्यूमेंट्स तो आप कह सकते हो सी ए -E आपका मैंडेटरी पेयर बनेगा एडवांस्ड के आगे कुछ ना कुछ तो चाहिए एडवांस्ड पे खत्म नहीं कर सकते तो ए पे एंड नहीं कर सकते थे तो वैसे भी गलत हो जाता आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है क्रिएचर ऑफ हैबिट क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है

हैविंग अनलिमिटेड पावर इसको क्या बोल देते हैं जिस पर बहुत सारी पावर हो तो ओमनी पोटेंट बोल दिया जाता है जो 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 सब सब खाते हैं हैं ओमनी प्रेजेंस प्रेजेंस हर हर जगह की को सेंट जो सब जानते नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका धारा डैश द वे सो पेव द वे आपका करेक्ट आंसर होता है ठीक है अच्छा ये फिलर का क्वेश्चन नहीं है एंटोनिम पूछा है लॉस्ट का पेव द वे का मतलब होता है रास्ता देना लॉस्ट का एंटोनिम पूछा है तो फाउंड द वे हो जाएगा ना दे। वैसे मैंने मैंने सोचा, तो मैंने दे आपका करेक्ट फ्रेज होता है तो ये वैसे करेक्ट हो जाता है बट थोड़ा ध्यान देंगे कि एंटोनीम का क्वेश्चन था ठीक है सो पैसे वॉइस पूछा है नो no बेसिकली पूछा है आपका नो no को तो प्रेजेंट में लिखेंगे तो वॉज नहीं आएगा हेडबिन नहीं आएगा हैव नहीं आएगा इज नोन करके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है लव्स टू यूज राइटिंग एनीथिंग सो क्यू आई एल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा Next, देखेंगे, आ, आपका एक बार जल्दी से रीड करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूं फटाफट से आंसर भी कमेंट बॉक्स में मार्क करते जाएंगे देखिएगा एक पोल जोडक्ट किया गया था अठारह उन्नीस में एक ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा वो क्या कहता है नंबर ऑफ बिजनेस देखो भाई अंबर ऑफ बिजनेसेज होते हैं इसीलिए आपका आर्टिकल ए हो जाएगा बाकी सब तो हो ही नहीं सकता अच्छा द नंबर ऑफ भी हो सकता है तो एक बार यह देख लेते हैं कि आगे क्या है ठीक है और क्योंकि आगे सिंगुलर वर्ब है इसीलिए नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए और द नंबर ऑफ हम, हम तब लगाते हैं जब हमें संख्या की बात करनी होती है संख्या की बात करते हैं तो सिंगुलर आगे हैज को देख के द नंबर ऑफ जल्दबाजी में अमत मार देना जैसे मैं अभी मार रहा था लेकिन जैसे आगे मुझे हैज दिखाई दिया तो तुरंत ध्यान आया कि नहीं नहीं द नंबर ऑफ आना चाहिए है ना सो द नंबर ऑफ बिजनेसिस एक्टिवली डैश एक्टिवली क्या करते हैं एक्टिवली देखो इंटर्न इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस फाइव इयर्स वो निग्लेक्ट करते हैं सीख करते हैं रिड्यूस करते हैं डिक्लाइन करते हैं मेरे भाई देखो ऐसी एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली नंबर इंक्रीज करना बता रही है अब देखो इसमें सीख करने का मतलब किसी चीज की डिमांड करना रिड्यूस करना कम करना, करना डिक्लाइन करना मना करना और निगलेक्ट करना भी टालना अब यहां पे सेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा तो एक बार थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो सेंस आप बेटर समझ पाओगे तो एक बार इस ब्लैंक को छोड़ के चलते हैं ना दिस स्टडी डेमोन्ट्रेट ये स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट इंडिया रिसीव्ड एट्टी परसेंट मोर इंटर्नशिप मोर इंटर्नशिप यानी इंटर्नशिप बड़ी है बड़ी है तो लोग निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं रिड्यूस नहीं कर रहे हैं डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सीख कर रहे हैं यानी कि मांग रहे हैं ठीक है सीख कर रहे हैं हैज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर दिस स्टडी डेमोस्ट्रेट की एट्टी परसेंट ज्यादा इंटर्नशिप आई है इंटर्नशिप एप्लीकेशन आए हैं 2018 में हजार 2.2 बिलियन एप्लीकेंट्स डैश पॉइंट मिलियन इन डैश तो जैसे भी देखोगे तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 में 2.2 है 2017 में 1.27 थे सो so, कंपेयर कर रहे हैं अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर्ड टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे द राइज वॉज इंफ्लुएंसड डैश पार्ट सो so, राइज को इन्फ्लुएंस किया गया था बेसिकली इन होगा ऑन होगा टू होगा ठीक है या फिर आपका अप होगा सो अपन पार्ट सो इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट होगा ऑन पार्ट होगा या अब आपका टू पार्ट होगा देखो सबसे पहली बात है कि टू पार्ट आपका कुछ नहीं होता है अप आप पार्ट आपका कुछ नहीं होता है ऑन पार्ट भी नहीं होता इन पार्ट का मतलब है हिस्से में ठीक है हिस्से में इंक्रीज हुआ है इन पार्ट बाई एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सीकिंग फ्रेश देखो एक चीज और समझना मैंने आपको बताया फॉरवर्ड रीडिंग से भी कर सकते हैं तो सेकेंड जो क्वेश्चन था सीकिंग वाला इसको आप ऐसे भी कर सकते थे है ना सीकिंग फ्रेश एंड इनोवेटिव आइडियाज टू इंप्रूव इंप्रूव क्या improve करने की बात कर रहे हैं आ, देखो इंप्रूव का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो एफिशिएंट तो एडजेक्टिव है ही ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा एफर्टलेस एडजेक्टिव है ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इफेक्टिंग आपका बेसिकली नहीं बनेगा सो so आपका नाउन है यही करेक्ट आंसर बन जाएगा तो पूरा प्र, इस प्रकार से पैसेज है आपका बाकी एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपको पूरा पढ़ना है इंग्लिश तो आप या तो हमारा वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं या रैंकर सिक्सटीन पॉइंट कर सकते हैं ठीक है बाकी हमारा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है इसमें हमारे सारे टीचर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं सारी चीजें कराते हैं अब हम बढ़ेंगे अगली शिफ्ट की तरफ चलो भाई अब हम बात करेंगे 19 तारीख की पहली शिफ्ट की तो शुरुआत करते हैं पहला आपका जो क्वेश्चन है पीक्यूआरएस का एक बार मैं साइड होता हूं अटेम्प्ट करें आंसर को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें देखिएगा हाउ एवर देअर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउ इज उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उनकी किन की इससे शुरू नहीं कर सकते बी इट इज वन ऑफ द इट क्या तो बी से शुरू नहीं कर सकते डी से शुरू होगा डी में हाउस स्पैरोज की बात की गई है कि वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बाद में हम कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स अब देखो यहां पे कह रहे हैं देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस देयर प्रेजेंस यानी कि उनकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं अब जब भी हम पी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पहले किसी के बारे में बताते हैं कि कहाँ पाया जा रहा है उसके बारे में बता देंगे क्या है बहुत कॉमन सी वर्ड्स हैं अच्छा दूसरा एक देखोगे आपका आपका लिख रखा है आपका कौन, दिखाता है कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं जनरली लास्ट में आते हैं यहां से ये भी देख सकते हैं कि देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिक्लाइन कर रहे हैं बी ऑप्शन में कहा गया है कि बहुत कॉमन वर्ड है और इनकी दो स्पीसीज और होती हैं इनकी कॉन्स्टेंट प्रेजेंस की बात की गई है सी में सी में कॉन्स्टेंट प्रेजेंस है डी और बी में भी कॉमन बताया गया है इसका मतलब है ये जो ए वाला है जो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इनकी संख्या घट रही है तो ये सी और बी दोनों के बाद ही आएगा यानी कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए जो है सी और बी के बाद में हो यहाँ पे, पहले, यहां पे पहले यह नहीं बन सकते करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा नेक्स्ट देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रेच ईडीएम होता है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इसका मतलब है कोई काम फिर से शुरू करना टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ये बीक्यू का आपका क्वेश्चन है एक तरीके से फिलर टाइप बना दिया है एक्चुअली में क्या है पहला सेंटेंस ये दे रखा है लास्ट का पार्ट ये दे रखा है बीच के जो पार्ट है वो आपको अरेंज करने और अरेंज करके दे भी रखे हैं तो ऐसा नहीं है पी क्यू आर एस टाइप ऑप्शन ना बना के क्या कर रहा है अरेंज कर दिया है तो देख लीजिए कौन सा आपका बनेगा सीक्वेंस सिंपल है देखो दो आपका एक कंजंक्शन होता है यहां से सेंटेंस शुरू हुआ वॉचिंग आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है लव है लव्स वर्ब वाचिंग आपका बेसिकली क्या है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा लव का और क्या वॉच करना पसंद करती है हॉरर मूवीज अब यहाँ पर कॉमा आ गया यानी मेन क्लॉज आएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लिख चुके हैं अब मेन क्लॉज आएगी इसके बाद में तो सो से शुरू नहीं करेंगे बिना कंजंक्शन के आना चाहिए सो मच सो दैट नहीं आएगा एंड से नहीं शुरू होगा तो किससे शुरू हो जाएगा सी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट ठीक बात है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही यही आ सकता है यहाँ पर और कोई आ नहीं सकता है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इवनिंग्स गेट डार्क डार्क का एंटोनिम पूछा डार्क का मतलब है अंधकार में एंटोनिम क्या बन जाएगा ब्राइट बन जाएगा ग्लूमी डिम सैडोई ये इसके सिनोनिम की कैटेगरी में आएंगे डेसोलेट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि एकदम उदास है बहुत ज्यादा हताश है सो so, का मतलब होता है इनडायरेक्ट किसी को एल्यूड करना है ना फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है, होता है है सेट ये फेस्टिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो एक बार ये स्पेलिंग का क्वेश्चन है आपका तो चार हैं तीन में स्पेलिंग एरर है एक में स्पेलिंग एरर नहीं है वो आपको बताना है सी ट्राइड सही है मनोवर भी ठीक है मनोएवर का मतलब है कुछ चालाकी से या कुछ बेसिकली चाल खेलना और बेसिकली लोगों में से उसने अपनी ट्रॉली को ऐसे घुमा फिरा के निकाल दिया है ना ये कहना चाह रहा है सो so, ट्रॉली भी सही है अराउंड पीपल भी ठीक है तो ये सही है वैसे तो बाकी फिर भी बाकी सेंटेंसेस को भी देख लेना चाहिए सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड क्या डिटेक्ट किया अनोमली so, की स्पेलिंग होती है ए एन ओ एम ए एल वाई तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ओ आएगा आपका ठीक है तो ये आपका एरर है इसमें इसके अलावा वॉट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग ऑंटरप्रेनवर्स की जब स्पेलिंग लिखते हैं तो ई यू आर होता है ना कि यू ई आर है ना सो ई यू आर आपका बन जाएगा इसके अलावा लास्ट में दे रखा है द द रेड लिटर्जी होता है बेसिकली सिंगल टी आया करता है इसमें ठीक है एक सोशल ऑर्डर होता है है ड्यूटी होती यूरोप वगैरह में उसका होता है ठीक है तो इसमें सिंगल टी आएगा तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अगला आपका गार्निश करने का मतलब होता है सजाना किसी चीज को सो डेकोरेट करना ब्लेम करना, ब्लेम करना ब्लेमिश हो गया टर्नेस खराब करना ड्ंडल बेसिकली कम करना आगे देखेंगे ये बेसिकली Error detection का क्वेश्चन है। चाइनीज रेस्टोरेंट चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर किया हमने, and were amazed और हम रेस्टोरेंट नहीं होगा द रेस्टोरेंट होना चाहिए क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट उसी की बात कर रहे हैं ठीक है सो द रेस्टोरेंट हो जाएगा रिपीटेड करते हैं जब नाउन को तो आर्टिकल द के साथ करते हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है कैशियर टाइम जैसे ही देखोगे हेड फिनिश्ड है तो हेड बीन के साथ बन जाएगा तो हेड बीन आपका एक ही ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर कैप्टिव मतलब जिसको बेसिकली हॉस्टेज बना लिया जाता है तो हॉस्टेज दे रखा है ये तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा हेरेटिक होता है जिसके रिलीजियस बिलीफ वगैरह गलत होते हैं खराब होते हैं हर्मिट संत होता है इंट्रोवर्ट जो ज्यादा नहीं बोलता है फंडामेंटल्स अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है तो फंडामेंटल में टी ए एल आता है तो यही आपका इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो मैजिक परफॉर्म करता है उसको मैजिशियन बोल देते हैं ठीक है एंजिल तो वो एंजिल प्रिया वाले होते हैं एल्केमिस्ट जो किसी भी चीज़ को बेसिकली एल्केमी यानी कि गोल्ड में बदल देते हैं ठीक है और पालमिस्ट होता है जो ये पाम देखता है पामिस्ट बोल देते हैं उसको पामिस्ट बेसिकली जो हस्तरेखाओं वाले होते हैं आगे देखेंगे अगला जो आपका है ये बेसिकली आपका क्या है पैसिव इटैलीसाइज़्ड सेगमेंट है उसका मीनिंग पूछा है तो हिज इलनेस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को ही पूछा होगा सिंपल सी बात है ये ईडीएम है इसका मतलब होता है कि कोई चीज पहले बुरी लगे बाद में अच्छी लगे तो डील विथ नहीं होगा एन अपेरेंट मिसफورت्यून दैट इवेंटुअली हैज गुड रिजल्ट्स यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे वो ऑप्शन बताना है जिसमें एरर हो द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स एजिटेटर्स होते हैं जो आपके कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं टू बैक इन बैक इन नहीं होता भाई बैक ऑफ होता है कहीं से अगर आप वापस करने की बात कर रहे हैं सो बैक ऑफ होता है ठीक है सो बैक ऑफ यानी कि वापस चले जाने की बात कर रहे हैं एल्स दे वुड लाठी चार्ज नहीं तो पुलिस क्या कर देगी लाठी चार्ज कर देगी ये देखो वर्ब के तरीके से लाठी चार्ज वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पे है ना वर्ब के रूप में आगे देखेंगे डिटरमिंड का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को लेके बेसिकली दृढ़ होना तो एक है आपका लोथ इसका सिनोनिम पूछा लोथ का मतलब तो हेल्ट मतलब हेट होता है फॉल्टर करना यानी कि गलती करना बेसिकली हेजिटेंट बेसिकली हिचकिचाना रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ किसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका कैप्रीशियस कैप्रीशियस का मतलब होता है फिकल अनस्टेबल जो कि मतलब स्टेबल ना हो तो एंटोनिम पूछा तो स्टेबल हो जाएगा वोलाटाइल फ्रिक फिकल और दोनों ही वोलाटाइल और फिकल इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिशीवियस का मतलब होता है शरारती टाइप का एक तरीके से जो मिस्टीरियस टाइप का भी हो थोड़ा सा आगे देखेंगे इसको इंटेग्रिटी एंड करप्ट को बेसिकली देखो ट्रांजिशनल लिंकेजेस फॉर एग्जांपल सीवियर द नेशन स्टेट जो सीवियर करते हैं बेसिकली नेशन की इंटेग्रिटी को खत्म करते हैं सीवियर करना काटना होता है एक तरीके से काट देती है इंटेग्रिटी तो, के लिए सीवरेंस तो नहीं बनेगा कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनेगा डाइवर्जेंस भी नहीं कोहेशन हो सकता कोहेशन को दिखाता है

कंपैरिजन आपका हमेशा लॉजिकल होना चाहिए सो तो आपके घर से छोटा होगा तो योर नहीं लिख सकते क्योंकि इसके आगे नाउन जरूरी होता है तो यहां पे नाउन है नहीं तो ये नहीं होगा योर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे डाटा इज बींग कलेक्टेड बाई द रिसर्चर

ठीक है ये बेसिकली व्यक्ति का नाम है किसी बैंक का नाम नहीं है ठीक है तो ये व्यक्ति का नाम है मैं तो स्टार्टिंग में बैंक समझ रहा था लेकिन ध्यान देना कैपिटल लेटर है अगर बैंक होते तो स्मॉल लेटर रहता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है ठीक है सो तो ओजिया क्रज बैंक एक व्यक्ति का नाम है ठीक है एक लड़की है सो ओवरवेलम बाई द लॉजिस्टिक्स ऑफ अप्रूटिंग हर लाइफ यानी जो लॉजिस्टिक्स थे जिन बेसिकली वो ओवरवेल्म हो गई थी एक तरीके से ओवरवेल्म को हम दोनों सेंस में कई बार यूज कर लेते हैं पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी बट क्रस बैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रोफेसर एक है यूनिवर्सिटी की एंड अ सिंगल मॉम और सिंगल मॉम है यानी कि लड़की नहीं औरत है इसका कोई बच्चा भी है हु इज ऑल्सो माई नेबर जो कि मेरी एक नेबर भी है एंड फ्रेंड और फ्रेंड भी है वॉज डैश टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू अ पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल बेसिकली उसको फाइंड करना था क्या डिस्ट्रॉट होगा रिलीव होगा या वर्ड होगा बेसिकली सबसे पहली बात तो यह है डिस एक वर्ड है आपका पैस्युनेट होने का मतलब है किसी चीज की बहुत ज्यादा ललक होना डिस्पैश्यूनेट का मतलब है लगाव ना होना तो ये कोई मतलब नहीं है डिस्पैस्युनेट नहीं होता है डिस्ट्रॉट भी नहीं होता है डिस्ट्रॉट विथ होता है आपका तो ये भी नहीं आएगा ठीक है घर so, मिल गया था एलिमेंट्री स्कूल टू वॉक टू पिकअप हर डॉटर वो बेसिकली उसने ये करा कि वो अब आसानी से वॉक करके अपने डॉटर को पिकअप कर सकती है unneeded, unneeded convenience, uh, convenience कार क्योंकि उसके पास अब तक कोई कार नहीं है तो वॉक करके जा सकते हैं अम्यूजिंग सरप्राइज अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है अगर अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है तो नेगेटिव वर्ड आएगा पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है सो so नेगेटिव है अनप्लेजेंट आपका ठीक है आगे देखेंगे ओनली डैश ऑप्शन वॉज अ हाफ डे प्रोग्राम दैट वुड बस स्टूडेंट्स टू अ डे केयर सेंटर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन फॉर द आफ्टरनून यानी कि द ओनली क्या ओनली नॉन वाइबल फ्यूटाइल इन एक्सेबल या अवेलेबल जो अवेलेबल ऑप्शन था एकमात्र उसकी बात हम कर रहे हैं सो द ओनली अवेलेबल ऑप्शन वॉज अ हाफ डे प्रोग्राम एक हाफ डे प्रोग्राम था जो कि बेसिकली क्या था दैट वुड बस स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स को देखो यहां पर बस को एज अ वर्ब यूज किया ध्यान रखेंगे जो कि स्टूडेंट्स को बस करता है यानी कि लोगों को बस में लेते स्टूडेंट्स को और वहां पे बेसिकली अ डे केयर सेंटर पे लेके जाते जो कि आउटस्कर्ट्स यानी कि जो बाहर की बाउंड्री होती है ना टाउन की वहां पे था फॉर द आफ्टरनून पूरे दोपहर के लिए द डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट मतलब द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट्स हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट था वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फुलट स्लॉट्स देता था बट दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर दैट स्प्रिंग लेकिन वो सभी एक लॉटरी के द्वारा क्लेम किए जा चुके थे एंड केम विथ अ ट्यूशन कॉस्ट और उनकी एक ट्यूशन कॉस्ट भी होती थी आई वॉज लाइक कॉस्ट मी मतलब मेरे लिए कोई कॉस्ट वॉट पब्लिक स्कूल कॉस्ट मनी हियर पब्लिक स्कूल का मतलब है सरकारी स्कूल तो उसने कहा कि मेरे को कॉस्ट भी होगी क्यों होगी पब्लिक स्कूल की कॉस्ट कैसे हो सकती है तो ये ऐसा उसका रिएक्शन था कुछ ठीक है सी टोल्ड मी मैनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक क्रज बैंक मे अज्यूम दैट फ्री फुल डे किंडर गार्टन इज़ अ डैस पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज़ अ कैसा पार्ट होगा वो भाई आपका कैसा पार्ट होगा डिसप्रूवल होगा इनअसेंशियल होगा सीजलेस होगा या रिक्वायर्ड पार्ट होगा ठीक है कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं जैसे ही आप देखोगे तो उसने कहा कि देखो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये जो किन जो आपका बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स ये अज्यूम कर सकते हैं कि फुल्डे किंडर गार्डन जो है वो कैसा पार्ट होगा सबसे पहले देखो आर्टिकल ए लगा रखा है तो इन एसेंशियल पार्ट आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है डिसअप्रूव्ड होने का कोई सेंस ही नहीं बनता पे तो ये बिल्कुल नहीं होगा दूसरा सीजलेस का मतलब है जो चीज कभी बंद ना हो हम कहना चाह रहे हैं कि ये कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है इसका एक रिक्वायर्ड पार्ट होगा ठीक है रिक्वायर्ड पार्ट यानी जरूरी पार्ट होगा जिसकी जरूरत रहती है सो इज अ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक थी अंटिल माई यंगेस्ट हैड टू एंटर आर डिस्ट्रिक्स लॉटरी सेवरल वंस है लेकिन मुझे भी बेसिकली जो हमारे यंगेस्ट सबसे छोटे जो बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं उसको भी लॉटरी सिस्टम में जाना पड़ा वेन ही वॉज असाइंड टू और जब उसको असाइन किया गया द हाफ डे प्रोग्राम आई स्वंग बिटवीन अलार्म एंड फ्रस्ट्रेशन और मुझे अलार्म फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें होने लगी ठीक है तो ये था आपका सेट वन उन्नीस तारीख का सेट टू की तरफ चलेंगे उन्नीस तारीख के ठीक है चलो भाई अब बढ़ेंगे हम अगली शिफ्ट की तरफ शिफ्ट टू है उन्नीस तारीख के शिफ्ट के इनायत डिड नॉट ग्रीटर इसका पैसे पूछा है डिड नॉट ग्रीट है तो वॉच के साथ बन जाएगा और बीग नहीं आना चाहिए गोइंग नहीं आना चाहिए एट ऑल नहीं आना चाहिए वॉज नॉट ग्रीटेड ठीक है ये आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है मिस्टर अली सॉप इज फर्दर टू देखो पहली बात तो फर्दर होता है एडिशनल के सेंस में अगर हमें दूर का सेंस देना है तो हमें ये कहना सकते हैं फार फ्रॉम कह दीजिए फार फ्रॉम दूर है कहां से दूर है हॉस्पिटल से अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर से अली की शॉप पास में है हॉस्पिटल दूर है तो हम कह सकते हैं मिस्टर अली शॉप इज फार्दर देन द हॉस्पिटल सो या तो फार्दर देन लिखो या फार फ्रॉम लिख दीजिए वो आपका बेटर आंसर है सो so ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्दर टू का कोई सेंस नहीं है

रेस के बेसिस पर लोगों के साथ में व्यवहार होता है रेसिस मतलब दुर्व्यवहार जो होता है और लिबरलाइज लिबरलिज्म का मतलब होता है लोगों के लिबरल होना यानी कि लोगों का एक तरीके से फ्री माइंड से सोच पाना है ना इट रेन अलॉट इट के साथ में रेन आपकी प्लुरल है ये नहीं आ सकता इट रेन्स अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इस पार्ट में बहुत बारिश होती है एरर डिटेक्शन में है ना आगे देखेंगे इन एविटेबल अम जो होता है इसका एंटोनिम पूछा है तो क्लियर नहीं हो सकता है अवॉइडेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसको अवॉइड किया जा सकता है इन एक्जोरेबल का वही मतलब होता है जो इन एविटेबल का होता है ठीक है और कॉन्फिडेंट तो आप जानते हैं सिंपल वर्ड है आगे देखेंगे फॉर्म में कुछ दे रखा है और इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज इज दैट ब्रह्मा द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इट इज ही हु हैज मेड इन द बुक ऑफ हिंदू ये ऐसे करके दे रखा है मेड वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है मेड वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये इसी ऑप्शन में आ सकता है क्या बनाया प्लांट्स बनाए तो सी और ए आपका एक मैंडेटरी पेयर बन जाता है सी ए यहाँ पे सी ए नहीं बन रहा यहाँ पे C है यहाँ पे सी ए है पे सी ए नहीं बन रहा है और यहाँ पे सी ए है ठीक है और आप जानते हैं एंड से शुरुआत कर नहीं सकते तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। 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 आगे देखेंगे अगला आपका अगेन ये सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन है एक, एक बार इसको भी देख लेते हैं ए लॉट माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड सिंस माई रिटायरमेंट एट द वर्क प्लेस सो जैसे ही आप देखोगे मिस्ड है मिस को क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए सो so, क्या मिस करा है माई डेली रूटीन तो सी और बी एक मैंडेटरी पेयर बन जाएगा आपका मैंडेटरी पेयर है तो सी ए आ सी ई आया है यहां पे हुआ है C, यहां पे लास्ट लास्ट है C, यहां पे हुआ है C, C है सी 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 ये बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट चलेंगे आगे अगला आपका क्वेश्चन है बिग डाटा हैज इनडेटेड इसमें तो स्पेलिंग गलत लग रहा है एक बार से देख लेते हैं सेगमेंट मतलब हाँ स्पेलिंग एरर वाला ही है सो so, इनडेट में आई एन यू एन होता है आपका इनडेट ठीक है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा स्पेलिंग तो कौन सा पार्ट आपका ये वाला आगे देखेंगे सी इज़ अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड वन कैन सी दैट इन हर पेंटिंग्स क्रिएटिव का सिनोनिम पूछे क्रिएटिव मतलब जो नए नए काम करता है तो क्या हो जाएगा आपका देखो गुड नहीं होगा इनोवेटिव जो नए नए काम करता है लाइकेबल जिसको लाइक like किया जा सकता है पेडेंटिक जो पड़ाकू टाइप के होते हैं ठीक है आगे देखेंगे द स्ट्रेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोल देते हैं डेमोग्राफी बोल देते हैं फोटोग्राफी आप जानते हैं पीलियोग्राफी जो पुरानी चीजों का अध्ययन होता है एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो ऊपर जो आपका इसको क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं आपके ठीक है खगोल नेक्स्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस आपका पूछा गया है देखो करेक्टली स्पेल्ड है तो ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकते हैं एथलीट्स को ऐसे नहीं लिखेंगे एथलीट के अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं

बेसिकली अगर यहाँ पे पास्ट है तो कायदे से यहाँ पे आपको प्रेजेंट नहीं लिख सकते थे अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो सी के साथ में आपका हैव नहीं आ सकता सी के साथ वर नहीं आ सकता हैज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है तो आपका आंसर तो यही बनेगा लेकिन कायदे से इस क्वेश्चन में गलती है कि यहाँ पे भी इज होना चाहिए सी इज फुलिस इनफ टू थिंक दैट सी इज कंप्लीटली सेफ नाउ ये इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था वॉज नहीं हो सकता है कोई पास्ट में ये नहीं सोच सकता है कि वो अब सेफ है मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल

तो 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 है 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 नहीं 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 आएगा इज नहीं आएगा नहीं आएगा ए करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे जो को देखता है आज इसी पे, पेपर में आ चुका है ठीक तो है तो पेसिमिस्ट बोलते हैं इसको डायनामिस्ट बेसिकली क्या होता है एक ऐसा डायनामिक पर्सन होता है ना बहुत एनर्जेटिक जो होता है जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है ठीक है पोलेमिस्ट भी होता है जो किसी

चिमटा से मार पड़ती हो रोटी भी बनानी पड़ती हो बेलन से भी मार पड़ती हो वही होता है आपका जिसको पूरे तरीके से दबाया जा रहा है वैसे देखा जाए तो सारे हस्बैंड ही कहीं ना कहीं हैंड होते हैं ऐसा कहते हैं लोग मुझे नहीं पता मैंने सुना है ऐसा है ना मॉर्बिड आपने बार बार सुना होगा मॉर्बिड कंपलसन मॉर्बिड फियर इस टाइप से मॉर्बिड का मतलब है किसी खराब चीज के लिए जो फियर होता है या किसी खराब चीज के लिए जो आपका कंपलसन होता है खराब चीज के लिए जो आपकी ललक होती है तो खराब चीज की बात है तो बेसिकली क्या हो जाएगा ग्लूमी ग्रांड पॉजिटिव वर्ड है बैट लगाना शर्त लगाना ठीक है ये आपके नहीं बनेंगे नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है हिंडर करने का मतलब क्या होता है हिंडर करने का मतलब होता है किसी में बाधा डालना एंटोनिम पूछा है तो फैसिलिटेट करना फैसिलिटेट करना यानी किसी की मदद करना जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है ना प्रेज करना ब्लॉक करना जॉय ये सब नहीं बनेंगे आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट आपके सामने जल्दी जल्दी एक बार पढ़ेंगे को आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे बढ़ जाएंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं पूरे को रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक्स इन इंडियन सो द अमाउंट अटैक्स की बात है प्लुरल नाउन है तो इनका अमाउंट नहीं होगा हाइट नहीं होगा परसेंट नहीं होगा परसेंट भी हो सकता है ठीक है और नंबर भी हो सकता है अब एक बार देख लेते हैं परसेंट की बात कर रहे हैं या हम नंबर की बात कर रहे हैं ठीक है जल्दी देखेंगे इन यंग इंडियंस डैश इंक्रीज अब इंक्रीज हो चुका है क्या इंक्रीज 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 देखो पहली बात है कि संख्याएं बढ़ती हैं संख्या बढ़ती है सो द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स ठीक है द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स अच्छा ध्यान देंगे कि परसेंट क्यों नहीं लगा रखा है जनरली अगर हम परसेंट लिख रहे होते हैं ना यहाँ पे द परसेंट ऑफ द लिख रहे होते फिर ठीक है यानी कि जनरली उसके बाद में कोई आर्टिकल भी आ रहा होता है किस चीज के परसेंट की बात कर रहे हैं सो द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स अगर द नंबर ऑफ आया तो सिंगुलर वर्ब आएगी एक ही ऑप्शन है सिंगुलर वर्ब के साथ में वो है हैज वाला ये करेक्ट हो जाएगा सो हैज इंक्रीज ट्रेमेंडियसली डॉक्टर्स आर सरप्राइज टू नोट दैट यंग मैन एंड वुमेन विथ सीमिंगली हेल्थी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स और डॉक्टर्स भी ये देख के सरप्राइज हैं

मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर अगर वैल्यूएबल फैक्टर बताया यानी कि दो चीजें कि डाइट और हेल्थ का भी रोल है लेकिन साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है देखो हाउ एवर नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे भाई हाउ एवर आपका एडवर्ब होता है और हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए एक ये वाली क्लॉज और एक ये वाली क्लॉज ठीक है अब आप कहा जाता है सिंस है और एक है ऑल दो अब आप देखोगे एक तरफ कह रहा है डाइट और एक्सरसाइज का भी रोल है लेकिन मेंटल हेल्थ का भी है तो दोनों चीजें कॉन्ट्रास्टिंग है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ऑल का प्रयोग करेंगे सिंस आपका कारण दिखाता है ठीक है सो ऑल डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले अ डैश रोल बड़ा रोल होता है इनका बड़ा रोल है तो इंक्रीज रोल नहीं होगा और एक है आपका हिस्टोरिक रोल भी नहीं होगा हिस्टोरिक का मतलब है जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो अब आपके दो हैं एक है मोन्यूमेंटल एक है एपिक एपिक बेसिकली बड़े के सेंस में आता जाता है लेकिन ये साइज वगैरह के लिए बड़ा नहीं होता है कहानियां वगैरह जो होती हैं वो होती हैं सो so, मोन्यूमेंटल यानी कि बहुत मेजर रोल है उसका मोन्यूमेंटल रोल इन अ ओवरऑल वेलबींग मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वलनरेबल फैक्टर वैल्यूएबल फैक्टर नॉट वेबल वैल्यूएबल फैक्टर है द डैश अर्बन लाइफ स्टाइल इज कॉजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस कोई मतलब नहीं cosmic तो वो है, wilderness जो में होता है उसका भी कोई सेंस नहीं है अब एक है रेपिडली अब लाइफ स्टाइल आपका बेसिकली क्या है नाउनेस के लिए रैपिड नहीं आएगा मतलब रैपिडली नहीं आएगा रैपिड होता तो आ सकता था तो फास्ट पेस्ड आपका लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं ये था बढ़ेंगे की तरफ और सिफ्ट थ्री आपके सामने है पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये है lack of, lack of interest, और concern. तो इसको क्या बोल देते हैं लैक ऑफ फीलिंग्स बेसिकली आपका अपैथी कहलाता है एबसेंस ऑफ फीलिंग्स एंटीपैथी हेट होता है इमपैथी और सिंपैथी आपके सहानुभूति के लिए आते हैं नेक्स्ट देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है अ पर्सन हुआ है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर और अथॉरिटी हो पूरी कोई पर्सन भी हो सकता है कोई कंट्री भी हो सकती है तो सोवेरन बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं सोवेरन डाइवर्सिटी बेसिकली पे बहुत ज्यादा वराइटीज होती है सेक्युलर जो किसी धर्म को नहीं मानते फॉरन यानी विदेश वाला नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इनकेलेक्ट्रिली स्पेल्ट वर्ड पूछा है सो so, सेमेट्री सही दे रखा है कब्रिस्तान इंटरप्ट भी सही दे रखा है बिगिनिंग में जी सिंगल आता है और एंड डबल आता है है ना सो बिगिनिंग हो जाएगा करेंस ओ डबल सी यू डबल आर ई डबल सी आता है डबल आर आता है और ई e आता है तीनों चीजें ध्यान रखनी है आगे देखेंगे वॉइस पूछा है विल हायर तो विल विल बी बी हो जाएगा पे 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 है 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 हायरिंग ज्वाइन तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आगे देखेंगे अगला है, अगला है आपका द अकरेंस और अकरेंस का ही करेक्ट स्पेलिंग पूछ लिया है अभी बताया था सिंगल आर नहीं आता डबल आता है डबल आर डबल आर लेकिन ए लगा दिया गलत हो गया सिंगल आर गलत हो गया सिंगल आर गलत हो गया ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे देखो अकरेंस पूरे वीडियो में आपने देखा कितनी बार रिपीट हुआ है तो ये स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अब्जोल्व करना यानी किसी को पार्डन कर देना माफ कर देना ठीक है एंटोनिम पूछा है तो बेसिकली किसी को क्या कर दिया हमने अक्यूज कर दिया अपील करना किसी से बेसिकली रिक्वेस्ट करना कुछ अपील डाली एक्सक्यूज करना सिनोनिम हो जाएगा कमेंट करना बेसिकली किसी को कुछ कमांड वगैरह देना बेसिकली कुछ बोलना कुछ कहना मैग्निफिशेंट यानी बहुत शानदार कोई चीज जो होती है सेक्रेड पवित्र होता है सिनोनिम पूछा है स्लो धीरे होता है स्केयर्ड डरा हुआ होता है बेहतरीन ये हो जाएगा इधर उधर हुआ पड़ा है 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 तो बोला जाता इसको do, जो होता ही की वीडियो में मैंने कराया भी इसको Ingross करना यानी इस तरीके से इंगेज कर लेना और एक आपका होता है पैथोज तो पैथोज बेसिकली जैसे स्पीच में प्ले में जो परफॉर्मेंस की पावर होती है ना उसको बोल देते हैं ठीक है तो ये भी नहीं होगा आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला है आपका

नेक्स्ट है अगला आपका इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर ट्वेंटी वन एर डिटेक्शन का क्वेश्चन है देखो इन सम कंट्रीज अब जैसे जब हम कैन और कुड की बात करते हैं तो अगर हम कैन देखें तो कैन को मुख्यतः तो दो सेंस में यूज किया जा सकता है पहला आपका क्या होता है एबिलिटी को बताता है ठीक है किसको बता रहा है एबिलिटी को और दूसरा आपका क्या होता है जो कि कैस को बताता है आपका परमिशन को है ना मेजर अगर आपने कभी मेरे से मॉडल्स पढ़े तो ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी ठीक है बैच में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी एबिलिटी और परमिशन दोनों की बात करता है कह ठीक है तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर ट्वेंटी वन अब यहाँ पे हम एबिलिटी बताना चाहते हैं लोगों की कि उनके अंदर क्षमता नहीं होती है या हम कहना चाहते हैं कि लोगों को परमिशन नहीं होती है इक्कीस साल तक जब तक होंगे तब तक, तक वो पी नहीं सकते हैं आप कहोगे कि सिंपल सी बात है सर यहाँ परमिशन की बात है अब परमिशन के सेंस में एबल तो नहीं लगा सकते आप इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल की जगह पर कायदे से आपको क्या लिखना चाहिए न नॉट क्या आना चाहिए कैन नॉट लेकिन जैसे ही कैन नॉट आप लिख रहे हो तो गड़बड़ हो रही है क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे आर नॉट है और यहाँ पे बेसिकली एबल है तो आर नॉट एबल पूरे को हटाना पड़ेगा तो दो पार्ट में करेक्शन करना पड़ेगा तो इस वाले करेक्शन को तो हम कर नहीं सकते हैं. अब दूसरा देखते हैं जैसे हमने कहा कि कैन नॉट दो चीजों को दिखाता है एबिलिटी और परमिशन एबिलिटी दिखा रहा है इसका मतलब एबल होने की बात कर रहा है और अगर हम परमिशन दे रहे हैं किसी को मतलब किसी को अलाउ कर रहे हैं ठीक है किसको क्या कर रहे हैं हम अलाउ कर रहे हैं अलाउ का सेंस है 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 तो तो इसी की की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो 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 जाएगी जाएगी तो जगह पे allowed लिख दीजिए आपका आपका सेंटेंस सही जाएगा ठीक देखेंगे अगला क्वेश्चन इन सब को क्या बोलते हैं बोलते हैं आपको बार बार बताया भी है इंडिया में भी होता है एक अध्ययन करता है ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका है. पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है एक बार खुद से आंसर करने का भी कोशिश करेंगे ठीक है देखेंगे एक बार देखो सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी देखो बेनिफिट्स आपकी वर्ब है उसका सब्जेक्ट है सोसाइटी ठीक है तो सोसाइटी के पहले अगर कुछ हमने एंड वगैरह लगा दिया या कोई भी चीज ऐड करी जैसे यहाँ पे एंड है ठीक है तो एंड से सोसाइटी को जोड़ तो सकते हैं लेकिन इन रिचिंग कल्चर एंड सोसाइटी ये तो फिर प्लोरल वर्ब लेता यानी कि पी के पहले ये नहीं आ सकता है दूसरा बाई फोस्टरिंग क्या फोस्टर करना चाह रहे हैं अच्छा दो ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो क्यू मतलब एक ऑप्शन क्यू पे एंड नहीं कर सकते हो आप और एंड मतलब ये एंड आ रखा है ना तो ये वाला ऑप्शन आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी से बेनिफिट लेती है ठीक है इसके अलावा देखो एक तो ये इस तरीके से बता दिया दूसरा पी के पहले आप क्या नहीं लिख सकते क्यू को नहीं लिख सकते हो क्योंकि अगर एंड आ जाएगा

क्वेश्चन बेसिकली इंप्रूवमेंट का है देखो नो no सूनर का पेयर आपका देन होता है बहुत बार पढ़ाया है पॉकेट रॉकेट में भी गिवन है बारह घंटे वाली मैराथन में भी पढ़ाया था सो टी एच ए एन वाला ऑप्शन आपको ढूंढ लेना एक ही ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका मेरेकुलस मेरेकुलस का मतलब है जहां कोई मेरेकल हो जाए कोई बहुत जादुई काम हो जाए मेरेकल है ना सो so, बहुत तगड़ा काम कोई हो जाए तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा

देखो कैपिटल होती है राजधानी और ये कैपिटल होता है ये जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है ना वैसे ही आपका अमेरिका में होता है कैपिटल सो so, ये वही वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? वो बिल्डिंग तब बनाई गई थी कैपिटल सिटी हो सकती है लेकिन कैपिटल बिल्डिंग होती है ना ध्यान देंगे मीनाक्षी कुड हैव सेंट तो कुड हैव सेंट है तो कुड हैव बीन सेंट में बदल जाएगा सो so, कुड हैव बीन सेंट है यहाँ पे सेंड कर दिया इसीलिए गलत हो जाता है ठीक है

ये तो वाला क्वेश्चन है, है, so, मतलब खुद को जबरदस्ती फोर्स करके कोई काम करवाना जो कि डिफिकल्ट है। आपने इसी वीडियो में देखा होगा बुलेट का मतलब होता है कि ऐसा काम करना जो बहुत मुश्किल है करेज के साथ में कर लेना एक आपका ईडीएम दे रखा है बुलेट डॉज डॉज द बुलेट का मतलब होता है कि बेसिकली बाल बाल बच जाना है ना नेक्स्ट देखेंगे आगे ये आपका क्लोज uh, टेस्ट है एक बार मैं साइड हो जाता हूँ वीडियो पॉज करेंगे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे देखिएगा रियलिटी सॉरी नॉट आर्ग्यूमेंटेड ऑगमेंटेड ऑगमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियल रियलिटी टेक्नोलॉजीज तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम सो ऑगमेंटेड रियलिटी और आपका वर्चुअल रियलिटी

कि आंखों पर चश्मा लगा हुआ है आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहां पर चल रहे हैं इधर बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के बीच में आप रस्से पर चल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है गेम्स होते हैं ड्राइविंग भी सिखाते हैं कई जगह पर इस तरीके से कि आपको ड्राइव मतलब गाड़ी में बिठा देंगे आंखों पर वो लगा होगा आपको लगेगा कि जैसे आप ही गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है तो एक बार को इतना डर जाएंगे कि मर गए तो ये सिम्यूलेशन होते हैं तो सेम्युलेटेड वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट जो

कंक्लूसिव का मतलब होता है जो कंक्लूड करे जो कुछ रिजल्ट निकाले किसी चीज का ट्रांसग्रेसिव का मतलब है जो किसी चीज को हथियाने की बात करे तो वो नहीं बनेंगे ठीक है आगे देखेंगे दैट कंप्लीटली द यूजर सराउंडिंग अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड उसके टोटली वर्चुअल वर्ल्ड आ जाता है फॉर एग्जाम्पल वी आर मे प्रोवाइड जो वी आर होता है ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी ए आर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और ये वी आर यानी कि वर्चुअल रियलिटी ठीक है वी आर मे प्रोवाइड अथ अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टन डैश ऑफ एक हो सकता है जो कि Mike Tyson का basically कर रहा होगा. करने की बात देखो, का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स नेटवर्क भी नहीं होगा यहाँ पे ठीक है रेजिस्ट करना यानी किसी को टालना सो so, रेंडिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तरीके से परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो माइक टाइसन की परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको एक बॉक्सिंग रिंग में ठीक है तो ये आपका बेसिकली क्या है जैसे बना देते हैं ना आपने वो चश्मा उसमें पहना बॉक्सिंग कर रहे हैं वो फाइट वो बंदूक भी आ जाती है आपके हाथ में आप गोली मार रहे हैं तो वही सब इसमें बताया गया है ये आपका पूरा ये था ठीक है बाकी मेरे भाई बढ़ेंगे हम अगले शिफ्ट की तरफ जाओ भाई अब देखेंगे हम शिफ्ट नंबर पहली तेईस तारीख की इक्कीस बाईस और उन बीस का बेसिकली पेपर नहीं था तो यहाँ से देखते हैं ये पी का आपका क्वेश्चन है एक बार जल्दी से देखते हैं फटाफट से जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए पी का क्वेश्चन है देखो एटीट्यूड इज पे एंड नहीं कर सकते तो ओ पे एंड नहीं कर सकते अब देखो इज के बाद में कुछ या तो एडजेक्टिव लिखते हैं हम या फिर हम कोई आपका नाउन वगैरह लिखते हैं जैसे ही देखोगे ओ के बाद में पी नहीं आ सकता भाई इसके बाद में और क्यों लिखोगे इसका मतलब है कि ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा ओ पी पेयर नहीं बनेगा तो ओ पी यहाँ भी है

देखो दीज आर सिबल कौन रिस्पॉन्सिबल है नहीं कह सकते द कंट्री हैज हंड्रेड मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स तो यहां से ही मना सकते हैं द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया अच्छा द कंट्री और यहां पे सऊदी अरेबिया तो पक्की बात है कि सऊदी अरेबिया पहले आएगा द चीफ ऑयल फील्ड इज गवार फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड ये अभी इसकी भी बात शुरू में नहीं करेंगे पक्की बात है सी से शुरुआत होगी कितने ऐसे ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया वाला आगे देखेंगे adequate. Adequate का मतलब पर्याप्त इसका सही सिनोनिम पूछा तो क्या हो जाएगा सिनोनिम आपका sufficient हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे वर्ल्ड बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलॉन्ग साइड डेविड बेकम सो देखो जैसे देखोगे टू ऑफ दर्ल्ड बेस्ट फॉरवर्ड्स तो टू की बात कर रहे हैं तो हैज का कभी यूज नहीं करेंगे हमें यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए हैव का यूज करना चाहिए वैसे इसमें ना ये भी कह सकते हैं कि हैबी मत लगाओ प्लेड अलॉन्ग साइड बेकम कह दीजिए पास्ट की बात है ठीक है सो हैज और है दोनों को हटा दें क्योंकि डेविड बेकम अब तो खेलते नहीं है ठीक है तो बाकी हैज गलत है ये श्योर है एटलीस्ट तो आप इसको नहीं लगा सकते कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा सेकंड पार्ट में ठीक है सो पार्ट टू में नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है द फूड इंटॉलरेंस द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री और हैज ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डेकेड

चीफली बिकॉज ऑफ की जगह पे हम ओइंग टू लगा सकते हैं ठीक है बात तो एक ही है ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ठीक है तो करेक्ट आंसर सेकेंड होगा आगे देखेंगे द न्यू रेस्टोरेंट बेसिकली इसमें पूछा गया है कि वर्ड है कई सारा चार सेंटेंसेज हैं उनमें से सब सबसे मिस स्पेल्ट वर्ड पहचानने और ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें सारे मिस स्पेल्ट दे रखे हों अब देखो यहां पे देखेंगे सिली एकदम सही है सिली एकदम सही है ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे देखो अटरली एकदम सही दिखाई दे रहा है आपको दूर से तो ये भी नहीं हो सकता डिलीशियस भी सही है आपका रेस्टोरेंट गलत है बिलीव गलत है असाइनमेंट गलत है एम्बेस्ट गलत है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे द दे डिलीवर्ड डिलीवर्ड है है यानी पास्ट तो वॉजबर के साथ बनेगा यहाँ पे इज है यहाँ पे है जो गलत हो जाएगा यहाँ पे बींग है ये गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आगे देखेंगे ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज जो कमजोर होती है कमजोर होती है यानी कि फ्रेजाइल फैटल डेडली हो जाता है फिकल अनस्टेबल होता है फर्टे बेसिकली स्टेल दी सीक्रेट ठीक है

आगे देखेंगे city has immense. Immense का immense है नहीं। बहुत immense का पूछे बहुत ज़्यादा वो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी और diminutive हो जाएंगे अलग हो जाएगा एप्रोप्रिएट लोकेशन का बेसिकली इंप्रूवमेंट करना है सूटेबल एलिवेशन एलोकेशन रिकमेंडेशन प्रॉपर जंक्शन या रेंटेड अकोमोडेशन ठीक है सो देखो इंप्रूवमेंट uh, का क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ी लेते हैं सनत है जस्ट अराइव इन मैसूर ऑन ट्रांसफर ट्रांसफर आया है है ही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा बेसिकली फ्रेंड रघु रघु बेसिकली उसके रहने का इंतजाम करे रहने के लिए हमने एक वर्ड आपको बा, बार बार स्पेलिंग में भी आ रहा है अकोमोडेट करना रेंटेड अकोमोडेशन ठीक है आगे देखेंगे अगला है अ लो एप लो एप बेसिकली इसका मीनिंग पूछा है ईडीएम का इसका मतलब बेसिकली क्या होता है किसी की वीक स्टेट डिप्रेशन में जा, चले जाना लो एप यानी आदमी पीछे चल रहा है नेक्स्ट देखेंगे

तो पहले में वर्ब आएगी टू प्लस वी वन आना चाहिए आपको टू प्लस वी वन आना चाहिए तो पक्की बात है कि करेंगे। और दूसरे में बेसिकली सीक्वेंस वाले ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन का मतलब पूछा है इसका मतलब होता है कभी कभार ठीक है कभी कभार मतलब पीरियडिकली ठीक है सो नाउ एंड करेक्ट हो जाएगा बाकी सब तो बनी नहीं सकते नेक्स्ट देखेंगे आर सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ जैसे देखो सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का सेंटेंस के सब्जेक्ट में आर्सल्स कभी नहीं आ सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं इसीलिए इस पार्ट में एरर इसकी जगह पे वी आपको लिखना चाहिए है ना आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है गिविंग एज मच इंफॉर्मेशन अच्छा ये देखेंगे द बुक गिविंग नहीं हो सकता है बुक के बाद में सब्जेक्ट अगर बुक सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी आई एनजी फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आ सकती है गिव नहीं होगा प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है आपका गिव नहीं होगा प्लूरल नहीं है गिव्स हो जाएगा गिव्स हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन क्योंकि अनकाउंटेबल है तो मैं नहीं आ सकता सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आगे देखेंगे ये आपका क्लोज टेस्ट का आ एक बार जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर देखो वीडियो पॉज करेंगे आंसर मार्क करेंगे आगे बढ़ेंगे कल्चर इज डैश अंडरस्टैंडिंग प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन ये है क्या देखो सारी जगह पे क्या है आई एन जी फॉर्म आ रखे आई एन जी फॉर्म आ रही है क्रिएशन टू क्रिएट क्रिएट नहीं होगा क्या होगा क्रिएटिंग सो कल्चर इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन नॉट द डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स कहा गया है बेसिकली कल्चर बेसिकली क्या है क्रिएट करना है अंडरस्टैंड करना है प्रोटेक्ट करना है जैसे कि कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन होता है ना कि डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट यानी कि गार्डन को बेसिकली बड़ा करना है कल्टिवेट करना है ना कि उसको डिस्ट्रक्ट कर देना है उसके जड़ से मिटा देना है वो नहीं है अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स टेकिंग मच केयर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट डैश इंपोर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग कहा गया है कि जो अंडरस्टैंड करना रूट्स को सीड्स को उनकी केयर करना इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट उनको देना डैश इंपोर्टेंट फॉर ये क्या है ये बेसिकली सब कुछ इंपोर्टेंट है अब पास्ट की तो बात कर ही नहीं रहे तो ये सारी चीजें अगर इंपोर्टेंट है तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं देखो कई चीजें हैं अंडरस्टैंड करना भी है टेक केयर करना भी है प्रोवाइड करना भी है तो कई चीजें तो आर आपका कहा जाएगा प्रेजेंट में प्लोरल चल रहा है ना इंपोर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग गार्डनिंग के लिए सब कुछ इंपोर्टेंट है कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर कल्चर भी बेसिकली सिमिलर बताया गया है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इट्सेंस एक्विंटेंस बेसिकली इसके साथ प्रेपोजिशन पूछिए होता है ये है ठीक है एक्विंटेंस यानी कि जान पहचान एक तरीके से विथ लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड है कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ एंड अ पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टूगेदर इन वन प्लेस कल्चर बेसिकली एक जीने का तरीका है जीवन का तरीका है और एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ किसका एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक साथ में ठीक है एक जगह पे द सोसाइटीज़ कल्चर इज विजिबल इन इट्स लिटरेचर किसी भी सोसाइटी का कल्चर इसके लिटरेचर में दिखता है आर्ट में दिखता है सोशल सिस्टम में दिखता है लैंग्वेज में दिखता है रिलीजन में दिखता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशंस या ट्रोडिशन्स का कस्टम्स का इंस्टीट्यूशन का फूड हैबिट्स का मैनर्स का मोरल्स का थाट्स का टेस्ट्स का व्यूज का एंड बिलीव का बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है यूजली फैमिली डैस कल्चर टू दंगर जनरेशन यूजअली क्या करती है पहली बात तो फैमिली है तो प्लुरल है तो ट्रांसमिट नहीं आएगा पास्ट की बात नहीं है ट्रांसमिट आपका आ जाएगा प्रेजेंट में बात चल रही है ठीक है सो ट्रांसमिट करती है कल्चर बेसिकली यंगर जनरेशन के लिए एज फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग वीक जैसे जैसे फैमिली सिस्टम वीक होता जा रहा है स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सो टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब लोगों को मतलब स्कूल को कॉलेज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर क्योंकि एजुकेशन को भी जो पोटेंशियल वैल्यूज है कल्चर की वो आप प्रमोट करनी चाहिए द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटीज का रोल है बेसिकली ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स इसका जो रोल है वो सिर्फ इस तक नहीं होना चाहिए So, देखो पहली बात तो शुड रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं हो सकता के बाद में V2 का तो कोई सेंस नहीं बनता है ठीक है सुड बी रिस्ट्रिक्टेड हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनका रोल इतना ही होना चाहिए नहीं ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट इनको किसी को करना नहीं है इतना नहीं होना चाहिए सुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इस जगह पे ये नहीं रुकना चाहिए यही हम कहना चाह रहे हैं यही करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे भाई अगली शिफ्ट पे बढ़ेंगे हम और अब हम शिफ्ट नंबर टू पे पहुंच चुके हैं और शिफ्ट नंबर टू का पहला क्वेश्चन वॉज करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आई हैव सिंग अब देखो आई है ये तो सीधे सीधे एरर मिल गया आपका आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एस यू एन जी मैं ये गा चुका हूं लेट इट गो

ये बन जाएगा क्यू ओ आर पी ठीक है एस भी है क्या अच्छा बीच में S भी है देख लेंगे देखो क्यू से ही शुरू होगा क्यू ओ आर एस पी यही करेक्ट हो जाएगा बहुत सिंपल है है कोई भी बना लेगा ज़्यादा मुश्किल नहीं इसमें कुछ new, किया जा सकता है जिसको बेसिकली कितना भी खिला लो वो मानेगा नहीं ठीक है सो so, इसका सिनोनिम बताया अपोजिट मीनिंग सॉरी अपोजिट मीनिंग पूछा गया है सो so, जिसको किया जा सकता है, so आपका दबाया गया हो प्रेसिंग का मतलब अर्जेंट हो अर्जेंट नहीं रखा है आगे देखेंगे द मदर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है जो बच्चे के होने के बाद की स्टेट होती है ना उसकी बात करते हैं पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको है, है ना फील्ड डैस बाई देर चिल्ड्रन फील्ड का बेसिकली क्या so, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीलाइटेडिक नहीं होगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है एस्थेटिक वैल्यू इज स्पेसिफिकली इन अ वे एस्थेटिक वैल्यू इज स्पेसिफिकली अ वे एस्थेटिक वैल्यू जो होती है ये एक वे है इन विच जिसमें वी कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू जैसे ही देखा ये वैल्यू लिख रखा है इसके नाउन है तो इसके आगे नहीं। होना चाहिए हो जाएगा। so, answer, है ना? बाकी, सारे नहीं बनेंगे यहाँ पे आ जाइए ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि बातचीत करना शुरू कर देना ठीक है सो ब्रेक द आइस हो जाता है रिस्पेक्ट वाला सेंस नहीं है टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फॉर फील मोर रिलैक्स स्पेसली एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग पार्टी टी सी मतलब कुछ ऐसा कहना बातचीत शुरू कर देना पहले से लोग जहाँ पे साइलेंट करें वहाँ पे बातचीत शुरू कर देना ये आ जाता है आपका आगे देखेंगे दब्बू किस्म का ओबीडियंट तो, जो बातें मान ले, बात ले नेक्स्ट देखेंगे ये पी का एक बार अरेंजमेंट का क्वेश्चन है खुद से ट्राई करेंगे और नहीं होता है तो देखेंगे वैसे बहुत सिंपल है आप आराम से खुद से कर सकते हो ठीक है पीपल हु लिव तो पीपल हु लिव नहीं आ सकता है तो सी के बाद में बी नहीं आ सकता है आपका अच्छा कहीं पर दे रखा तो कोई बड़ी बात भी नहीं है इज से शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो बी से शुरुआत नहीं करेंगे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा ओनली फॉर सेल्फ से शुरुआत नहीं कर सकते तो ए से शुरुआत नहीं करेंगे ये गलत हो जाएगा द वर्ल्ड डैश ये वर्ल्ड क्या है फुल ऑफ है किसका भाई पीपल सो डी बी सी ए ये करेक्ट हो जाएगा डी बी सी ए करेक्ट है क्वेश्चन है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपकी बार दी है सेंटेस जम्बल के फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ऑनली द बोल्ड क्या ये ये तो ऑनली द ब्रेव होता है वैसे आपकी कहावती होती है ये तो सो फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ऑनली द ब्रेव सो आर पी क्यू एस कहा है आर पी क्यू एस नेक्स्ट माई ग्रांड मदर डैश अब बेसिकली इसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा है आपका इनिशियट करना इनिशिएट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल में आई आई एन आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है आई एन ई ई एन ई ई एन आई ये सब गलत होते हैं नेक्स्ट देखेंगे ये भी पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस के सारे PQRS ही पूछ रखे हैं क्या इस शिफ्ट में इतने सारे पी क्यू आर एस और वो भी इतने खत्म लेवल के हैं ऐसा लग रहा है कि बस फ्री के नंबर है ले लो है ना तो एंड से शुरू नहीं करेंगे तो पी वाला खत्म हो जाएगा लेड से शुरू नहीं करेंगे तो क्यू अच्छा है भी नहीं आर से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कर सकते हैं ठीक है Much on. On के बाद देखो अब Q में on है Q पे एंड नहीं कर सकते हैं तो ये भी नहीं खत्म हो जाएगा इससे इसको भी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये भी खत्म हो जाएगा इसके अलावा क्यू के जस्ट बाद में आप पी नहीं लगा सकते हो ऑन के जस्ट बाद में एंड कैसे लिखोगे तो क्यू के बाद में पी भी नहीं आ सकता तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है क्यू के बाद में पी नहीं आ सकता एक ही ऑप्शन बचा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी बना के भी देख लेंगे सिंपल है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज लेड टू मच स्ट्रेस ऑन किस पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ठीक है तो एंड हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन दैम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट बीन टॉट को बेसिकली अब देखो हैज बीन टॉट को देखा जाए तो पैसे तो वी थ्री आना चाहिए यहाँ पे एज प्लस वर्क आई एनजी फॉर्म है यहाँ पे हैड बीन कर दिया है तो गलत है तो कायदे से देखा जाए तो सारे गलत हो जाएंगे और सारे गलत हो जाएंगे तो सारे गड़बड़ हो जाएगी इसका मतलब कोई तो सही होना चाहिए कायदे की बात यह है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है हैज बीन टॉट है तो हैज टॉट आपका करेक्ट बनना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा है नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसको मार्क तो कर देंगे बट कायदे से इट शुड बी बेनिफिट टू ऑल जब करेक्ट ऑप्शन आपने दिया ही नहीं है तो ऐसे क्यों दे रहे हो भाई ठीक है बाकी एक यहाँ पे एक लॉजिक ये हो सकता है कि इसको सही इसलिए माना जा सकता है जब हम बात करते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है ऐसे केस में हम कहते हैं नो no पैसिव लेकिन समटाइम्स अगर हमें बनाना हो तो परफेक्ट परफेक्ट का पैसिव हम perfect के तरीके से बना देते हैं तो उस लॉजिक से देखा जाए तो इसका आंसर बन सकता है लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए तो ये बन सकता है फिर भी मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे द समर वॉज डैश हॉट दिस ईयर कैसा हॉट भाई तो टू हॉट ज्यादा ही कुछ गर्म था ये वाला टू दो ये टो करना उठा ले जाना ये वाला टू अलग है प्यूरिफाई यानी किसी को साफ करना एंटोनिम हो जाए गंदा करना तो एंटोनिम पूछा है तो बेसिकली इनवाइट नहीं होगा पॉस नहीं होगा चैनट करना यानी कुछ जपना पोल्यूट करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना पोल्यूशन प्योरीफाई साफ करना होता है आगे देखेंगे आई थिंक दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड जिसको हाथों से ले जा ले जाया जा सकता है सो so, पोर्टेबल होता है पोर्टेबल ठीक है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है पोर्टेबल पीने लायक -like होता है बेसिकली और एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना ये बहुत सिंपल है जानते हैं आप लोग आगे देखेंगे कैन यू प्लीज कम बैक टू रियलिटी फ्रॉम द फैक्टिशियस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है सो एफ आई सी टी होता है झूठा दुनिया होता है ना जो इमेजनरी उसको फैक्टिशियस बोलते हैं ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे लेडी स्ट्रेंस कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली अब देखो सिंपल सी बात है ब्रिलियंटली का एंटोनी पूछा है तो so, तो का क्या हो जाएगा देखो है 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 मतलब वैसे लेकिन आता चालाकी चालाकी वाले वाले में वाले में ये नहीं होगा। Strangely भी नहीं होगा होगा भी यानी ब्रिलियंट या ब्राइट यानी चमकीले तरीके से डिमली यानी कि धीरे धीरे ठीक है आगे देखेंगे ये आपका क्लोज आप, टेस्ट है जल्दी जल्दी एक बार आंसर करेंगे मतलब मैं साइड हो जाता हूँ वीडियो पॉज करके आंसर करने का प्रयास करेंगे फिर देखते हैं एक बार इसको म्यूजिक इज परैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस डैश ऑफ फाइन आर्ट ये क्या है मतलब फॉर्म है म्यूजिक इज द फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट ठीक है फॉर्मेट नहीं कह सकते डिजाइन नहीं कह सकते सब्सटेंस नहीं कह सकते हैं इसके आगे देखेंगे Transcending, transcending कि उसको ओवरलैप कर रहा है उसके आगे से निकल के जा रहा है ट्रांसेंडिंग ऑल काल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स सारे बैरियर्स को क्रॉ करके एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट अब देखो यहां से भी आप कनेक्ट करके याद पहला वाला मार्क कर सकते थे एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर इज इजी टू मास्टर सीरियस टू मास्टर डिफिकल्ट एक सम देखो अब एक बार देख लेंगे आगे कहना चाह रहा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल देखो इंपॉसिबल कह रहा है तो इजी तो नहीं रही होगी इसका मतलब है क्या रही होगी डिफिकल्ट रही होगी एक सम इरिटेट करने वाला होता है इजी आसान सीरियस आप जानते ही हैं ठीक है सो इज 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 डिफिकल्ट टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन नेचर इज नेचर इट इज लर्ट हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ द ह्यूमन रेस विध म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट यानी कि समू थर्ड पॉपुलेशन जो है ना ह्यूमन रेस की उसमें किसी न किसी प्रकार की म्यूजिकल एबिलिटी है ऐसा माना जाता है ठीक है म्यूजिक हैज द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशंस म्यूजिक में वो पावर है कि ये बेसिकली क्या कर सकता है आपका ब्रिंग आउट कर सकता है बाहर लाना यानी कि ब्रिंग आउट करना आपके पावरफुल इमोशंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यील्ड यील्ड करना कुछ रिजल्ट देना इफेक्ट तो आपकी नाउन होती है कैटालाइज भी नहीं होने का आपका नेक्स्ट देखेंगे अगले आपका इनफैक्ट इट इज अ मैजिक मेडिसिन जब मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि एक मैजिक मेडिसिन है एंड मेनी सीक रेफ्यूज इन इट बहुत सारे लोग इसमें रिफ्यूज भी जैसे होता है ने जब दिल लोगों ने सुन लिया कि मेरा दिल टूट गया है तो बहुत सारे लोग इसकी रेफ्यूज में आते हैं यानी कि एक तरीके से इसकी शरण में आते हैं ना मे सी रेफ्यूज इन इट वेन दे आर डिप्रेस और स्ट्रेस्ड आपने देखा भी होगा जब आदमी परेशान होता है तो गाना गाता है या सुनता है ठीक है आगे कहा गया कि इट इज दिस इंटीमेसी की इंटीमेसी ही है इंटीमेसी क्लोजनेस कह सकते हैं दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक जो हमें म्यूजिक को सुनने को मजबूर करती है न सिर्फ सुनने की बात कर रहे हैं डैश इवन हम और कई बार तो हम यानी गुनगुनाना एक तरीके से और सिंग सम्स और कभी कभी गाना यानी कि तीन चीजों को कनेक्ट किया गया है अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे हम नौर है इधर है और है और निधर है यहां पे सब बच्चे को क्या लग सकता है कि और आया तो फटाफट से इधर मार्क कर दो ये काम आपको नहीं करना है क्यों इधर और हम जब बार मार्क कर रहे होते हैं जब दो चीजों को जोड़ते हैं यहां पे हमने क्या जोड़ रखा है तीन चीजों को तीन चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं या तो दो बार तीनों के ऑल्टरनेटिव देने ये या तो ये या ये या ये तो ऐसे में इधर मोहन और राधिका और सुनीता ऐसे करके हम बोल सकते हैं ठीक है सो so, जब हम दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करते हैं तो और को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर लेते हैं ठीक है सो ऐसे केस में आप आसानी से कह सकते हो कि और कोई जोड़ेंगे या तो हम क्या कहना चाह रहे हैं या तो हम सुनना पसंद करते हैं या कभी कभार गुनगुनाना पसंद करते हैं और कभी कभार तो गाना भी पसंद करते हैं ठीक तो है तो एक आ गया है दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशंस म्यूजिकली समाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न और कई बार ये जो गाना और अगर रियलिस्टिकली बोला जाए तो ये अपने इमोशंस को म्यूजिकली एक्सप्रेस करना कई बार एक सीरियस टर्न ले जाता है दिस डिजायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस इज इनासेंट और ये जो डिजायर है लोगों की ऑडियंस के सामने गाना ये इनोसेंट है और ब्यूटीफुल है एंड इंडीड और वास्तव में इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू हैव सच अ जेन्युइन डिजायर और ये ऐसी डिजायर होना बहुत जेन्युइन है मतलब पॉसिबल है ये परफेक्टली ऑल राइट है ठीक है बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ये समझना दैट सिंगिंग इज एन डैश आर्ट कैसी आर्ट है भाई मिक्सड आर्ट है अनकम्प्लिकेटेड है यूनिफॉर्म आर्ट है हाइली रिफाइंड वन एट दैट विच रिक्वायर सिस्टमेटिक प्रोलॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टू भी तो हम आसानी से कह सकते हैं बड़ी इंट्रीकेट आर्ट है बड़ी उलझी हुई सी आर्ट है तो इंट्रीकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे भाई अब हम बढ़ेंगे तीसरी शिफ्ट इसी एग्जाम की और फटाफट से देखते हैं आपका वर्ड दिया है लथार्जिक उसका आपको पूछा एंटोनिम लथार्जिक होता है लेजी तो इसका एंटोनिम आपका जो बन जाएगा वो एक्टिव बन जाएगा मॉडरेट एंग्री लैंग्वेज का मतलब भी एक तरीके से लेजी होता है तो वो सिनोनीम आ जाता है ना सो आई डाउट दैट कैन सिनोनिट स्पेलिंग का क्वेश्चन है अकोमोडेट में सी बी डबल आता है और एम बी डबल आता है ठीक है तो आप देखोगे यहाँ सी सिंगल है एम बी सिंगल है यहाँ पे एम सिंगल है ठीक है सो so, यहाँ पे अकोमोडेट आपका डबल टी कर दिया ये गलत हो जाता है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे द इवनिंग टाइम वेन द सन हैज सेट एंड जब इवनिंग होती है ना उसको क्या बोलते हैं देखो जब मॉर्निंग होती है तो उसको बेसिकली डॉन बोलते हैं और जब इवनिंग होती है उसको डस्क बोला जाता है तो ये डस्क का, का हो जाएगा जब मैं आर्टिकल पढ़ाता हूँ तो अक्सर करके पढ़ाता हूँ कि एट डॉन एट डस्क के होते हैं तो वहां से आप इस वन वर्ड को भी आंसर मार्क कर सकते थे ये बेसिकली आपका करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस पूछा है ओके फ्यूचर टेंस का करेक्ट यूज बाई नेक्स्ट डिसंबर तो बाई नेक्स्ट डिसंबर फ्यूचर की बात है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आ जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन दे रखा है मतलब एक डेडलाइन uh, दे रखी है

सिनिकल का मतलब है जो डाउट करते हैं सब पे और ये तो सब कुछ बिलीव कर गए बिलीव कर गए तो सिनिकल तो नहीं है डिस्ट्रस्टफुल भी बेसिकली जो बिलीव ना करे क्रेडिबल कोई इंफॉर्मेशन होती है कि जिस जिसपे विश्वास किया जा सके परचुएसिव का मतलब है जो परचुएट करने के लिए तो क्रेडुलस आपका करेक्ट आंसर है जिस पे आसानी जो आसानी से बिलीव कर जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं आगे देखेंगे सिजल विजिट्स द नियर बाई टेम्पल ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड एंड ऑन कहो ऑन एंड ऑफ कहो दोनों एक ही बात होती है और इसका मतलब क्या होता है पीरियोडिकली कभी कभार नाउ एंड देन है ना आगे देखेंगे रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम मीडिया एडिक्टेड टू आपका करेक्ट आंसर होता है ना कि ठीक है एडिक्टेड टू नेक्स्ट देखेंगे जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग पूछा है जॉन्डिस्ड आई का मीनिंग पूछा है देखो जॉन्डिस्ट आई का मतलब है जब आप किसी के बदले की भावना रखते हैं सो so, रिजेंटमेंट यानी गुस्सा आपके मन में है बदले की भावना आपके मन में है

रूल ऑफ क्या है ना कि बहुत टाइम से लगातार इतनी सारी वीडियोज बना ली एक तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपको बड़ी लग रही होगी शुरुआत में बहुत स्लो 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 चले थे लेकिन जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली स्पीड में भाग रही है जुबान तेज चल रही है जिसके चक्कर में कई बार फिसल भी जाती है, है ना तो ऐसा होता है देखो लॉन्ग वीडियोज पूरी रात जग के वीडियोज बनाई हैं अभी भी बन रही हैं तो मतलब इट इज डिफिकल्ट आप जानते हैं माइंड पे भी इतना सारा प्रेशर है ये लाइट ना माइंड को खा रही है जो सामने से ये फेस पे जो एडिटर्स बोलते हैं ना कि सर ये लगाओ जिससे कि यहाँ पर ग्लो आना चाहिए इनके ग्लो के चक्कर में आंखें जाती हैं है ना और सामने ये डिस्प्ले जिसपे मैं देख रहा हूँ आगे मतलब जहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है आगे कैमरा इधर ये टू मच है ना और लगातार बोलना तो बहुत सारा एफर्ट लगता है इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं तो थोड़ा बहुत अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसको अवॉइड करना है ना बाकी आप लोगों को टाइम से मिल पाए चीजें अच्छे से मिल पाए इसीलिए स्टार्टिंग में ही बना रहे हम जल्दबाजी में इतना सो एथेंस वॉज सफरिंग एथेंस जो देश है एक बेसिक देश था ये सफर कर रहा था बेसिकली अंडर द रूल ऑफ अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप सो ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में ही मतलब लास्ट क्लास में नहीं इसी वीडियो के अंदर ही ऐसा लग रहा है लास्ट क्लास हो गई क्योंकि कल वाली वीडियो बनाए थे ना हरे वाले कपड़े में तो वहां पे बताया था टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है देखो डेमोक्रेसी नहीं होता है मोनार राजा होता है मिशनरी बेसिकली जो बाहर के लोग आते हैं अपने धर्म का प्रचार करने सो ओलीगार की होता है जो स्मॉल ग्रुप होता है ना रेलिवेंट का बेसिकली आपको पूछा गया एंटोनिम रेलिवेंट है तो जो सूटेबल ना हो तो सूटेबल तो सिनोनिम में जाएगा इंट्रोडक्टरी अलग ही हो गया कंक्लूसिव जो कंक्लूजन दे इनअप्रोप्रिएट आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका मिस्टर सुमन asked me to pack my luggages luggage तो uncountable noun है तो my luggage हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे सो so, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अगला है आपका dodge dodge का मतलब क्या है आपको idiom बताया था एक dodge a bullet इसका मतलब है कि गोली से बच जाना बच जाना यानी अवॉइड कर दिया सिनोनिम पूछा है तो अवॉइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे डेपेट करने का मतलब होता है स्क्वेंडर करना किसी चीज को वेस्ट कर देना खराब कर देना सो so, इसका सिनोनिम पूछा है तो हेस्ट ग्लोरियस मेलिशियस नहीं होगा स्पेंड कर देना वेस्ट कर देना नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना ये पी का क्वेश्चन है जल्दी जल्दी देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे अनलॉक देयर पोटेंशियल इम्पावर्स इंडिविजुअल टू टू के बाद में वी वन आनी चाहिए सो टू अनलॉक तो क्यू पी आपका एक मैंडेटरी पेयर बन जाता है क्यू पे एंड नहीं होगा क्यू पे एंड नहीं होगा क्यू आर हो रखा है तो यूपी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है आई ऑफन फेल टू डैश आई ऑफन फेल टू डैश एक्यूरेटली का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है सो डबल एल नहीं होता ये गलत हो जाएगा आई ए नहीं होता ये गलत हो जाएगा और एक्यूजेटिव नहीं होगा एक्यूरेटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन एरोप्लेन जहां पर रखे जाते हैं उसको हैंगर बोला जाता है ईयर वाला वो हैंगर होता है जिस जिसपे कपड़े टांगे जाते हैं डिपो बस वगैरह के लिए होता है सेट जो एनिमल्स के लिए होता है नेक्स्ट देखेंगे किसी को बुरा फील करा रहे हैं नीचा फील करा रहे हैं तो उसका एंटोनिम आपका इंस्पिरेशन भी हो सकता था इवन कंसोलेशन भी पॉसिबल था हालांकि जाइव जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है बेसिकली किसी के सिमिलर होना ठीक है किसी के सेम होना और उसके हिसाब से देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्ट करना आपका एंटोनिम बन जाएगा एस एस सी ने कॉन्ट्राडिक्ट दिया है लेकिन ये बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए क्वेश्चन बिकॉज इसमें इंस्पिरेशन भी पॉसिबल आंसर है ठीक है और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहां पे मेड सेवरल जाइव तो जाइव का मतलब दिए गए सेंटेंस को अगर देख लिया जाए तो जाइव का मतलब फिर तो भाई पक्की बात है हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका तोना मारने वाला सेंस आ रहा है इसमें वो सिमिलर होने वाला नहीं है नेक्स्ट देखेंगे हर बिहेवियर so टाइप टाइप का का है ना टाइप का जो बहुत ज्यादा दिखावा करे so, attractive नहीं होगा 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 नहीं हो gentle नहीं नहीं आपका हो जाएगा जो दिखावा नहीं करे अब ये क्लोज टेस्ट है एक बार इसको जल्दी जल्दी देखेंगे और आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई इज अ समरी डैश ऑफ एवरेज समरी ऑफ बेसिकली कलेक्ट रेजिमेंट इन्वॉल्वमेंट या असेसमेंट देखो so, अ समरी रेजिमेंट है इन्वॉल्वमेंट है 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 हम कह सकते हैं कि ये जो है, human, ये जो ह्यूमन एक है. कर रहे हैं हम किसी चीज को? को देख रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में डैश लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ जो कि बेसिकली क्या दिखाता है देखो इंक्लूड सेग्रीगेट एक्साइजरेट और मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है दिखाना हम कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया जिसमें क्या क्या शामिल है लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग ये सब चीजें शामिल हैं शामिल होने का सेंस है इसका मतलब है इंक्लूडिंग हो जाएगा सेग्रीगेट करना अलग करना होता है एक्सज करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है ये सब नहीं होंगे आगे देखेंगे द एच डी आई इज द जोमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज डैश फॉर ईच डायमेंशन और जो एच डी आई होता है वो बेसिकली नॉर्मली uh, मतलब नॉर्मलाइज्ड क्या होता है ग्लिम्स होता है फीचर होता है कंटेंट्स होते हैं या आपके इंडिसेस होते हैं आप बताओगे कि सर ये तो इंडेक्स है एक और इंडेक्स है तो उन्हीं में से एक है सो मीन ऑफ जितने भी इंडेक्स निकलते हैं सो तो इंडेक्स का प्लूरली हो जाता है इंडिसेस ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेल्थ कॉम्पोनेंट इज डैश बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ तो इसको ट्रिगर करते हैं मीजर करते हैं लेविटेट करते हैं स्केप करते हैं सिंपल सी बात है जो आपका हेल्थ इंडेक्स है उसको मापा जाता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ मतलब एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जीवन जहां शुरू हो रहा है और उसके हिसाब से जो जीवन काल है उसकी बात कर रहे हैं हम वाइल द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाई द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड ट्वेंटी फाइव एंड एव जबकि एवरेज वाला ऐसे मापा जा रहा है कि बेसिकली पच्चीस साल की एज में हर इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूल गया एज वेल एज एज द नंबर ऑफ ईयर एज द दीड नंबर ऑफ ईयर या प्रेडिक्टेड या हिप्नोटाइज होगा या निग्लेक्टेड होगा अब जैसे ही हम इसको देखते हैं देखो अकंपनी का मतलब है साथ चलना हिप्नोटाइज करना बेसिकली वो है ना हिप्नोटाइज कर रहे मेनू है, है ना वो गाना सुना है एक तरीके से अपने जादू में भर लेना किसी को है ना निग्लेक्टेड नहीं होगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रडिक्टेड ईयर कितने द प्रडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर जो प्रोडिक्टिव नंबर ऑफ ईयर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं फॉर स्कूल एज चिल्ड्रेन ठीक है बाकी भाई ये आपकी सिर्फ पूरी हो जाती है एक बार फिर आपको बता दूं अगर आप मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं बड़े लेवल के टॉप लेवल के सॉलिड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आज ही इनरोल करें हमारे सीजीएल मेन्स बैच में नौ रुपए की फी में एक जबरदस्त बैच है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं सीपीओ सीजीएल मेंस सबके लिए है बाकी कॉम्प्रियशन स्पेशल भी हमने अलग से लॉन्च कर रखा है इसमें कॉम्प्रियशन मिल जाता है आपको अगर सिर्फ कॉम्प्रियशन लेना चाहते हैं तो दो में है और अगर सारे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो छब्बीसो निन्यानवे में आपको यह बैच ले सकते हैं ठीक है बाकी अब भाई वीओडी बैच भी ले सकते हैं छह सौ निन्यानवे रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये मिल जाता है हम हाँ हम आगे बढ़ेंगे हम अगले सेट की तरफ आ जाओ भाई अब बात करेंगे शिफ्ट अब अगली है आपकी चौबीस तारीख की पहली शिफ्ट है ठीक है फटाफट फटाफट भाई आंसर करते चलेंगे मेरे साथ में ठीक है मैं इतना लगा हुआ हूं तो आपके अंदर भी जोश आई होना चाहिए ठीक है चलो पहला क्वेश्चन है बेसिकली बेसिकली का आपको पूछा गया है मीनिंग तो सिनोनिम पूछा गया यानी कि वेरी ह्यूज बहुत बड़ी कोई चीज होती है उसको ही क्लोजल बोल देते हैं ह्यूज बोल देते हैं लार्ज बोल देते हैं इनोमस हो जाता है वही ठीक है आगे देखेंगे यह है इट इज नथिंग एल्स भाई नथिंग का पेयर एल्स नहीं बनता है बट बन न, 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 मतलब एल्स का पेयर जो है वो आपको देखना है कि नथिंग एल्स आएगा इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड नहीं होगा नथिंग एल्स बट लगाते हैं एक तो एल्स के साथ में अक्सर करके बेसिकली क्या दे देगा आपका आदर दे देगा यहां पे देख लीजिए बट कौन से ऑप्शन में दे रखा है एल्स बट दे दिया एल्स बट दे दिया तो ये आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बट योर प्राइड विच मेक नहीं होगा मेक्स होना चाहिए इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है सो इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड Which makes, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे इंस्टीड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स कॉल अ अ अ अ स्पेड 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 कॉल का मतलब होता है स्पेड स्पेड को कहना यानी कि जो चीज जैसे है उसको वैसे ही कहना यानी कि स्पीक ट्रूथफुली सीधे सीधे बोलना भाई ठीक है सीधे सीधे बोलना अगला आपका क्वेश्चन है बेसिकली अरेंज करना है बहुत सिंपल होगा यार आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर सिंपल है सो so, कौन से शुरू से हो जाएगा क्यू से शुरू हो जाएगा एक ही ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट आंसर है अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे बैरन का एंटोनिम पूछा है बैरन का होता है बंजर सो so, बंजर का बेसिकली फ्यूटाइल मतलब फर्टाइल हो जाएगा आपका जो फल देती है ठीक है तो यहां पे देखो ग्रम्बल नहीं है ग्लांसिंग नहीं है बिलीव नहीं है कायदे से देखा जाए कंजेस्टेड भी उतना अच्छा नहीं है लेकिन इसी सेंटेंस में से अगर इन चार ऑप्शन में से मार्क करना है तो सिर्फ और सिर्फ कंजेस्टेड पॉसिबल है क्योंकि बैरन का मतलब है बंजर बंजर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है लाइक like कोई बंजर जमीन है वहाँ पर कोई सिटी नहीं है कोई गाँव नहीं बसा हुआ कुछ भी नहीं है वो बंजर है और कंजेस्टेड है जहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है तो पॉसिबल है बाकी बेस्ट आंसर तो वही जहाँ पे हम फर्टाइल वगैरह की बात कर रहे थे उसकी बात करेंगे है ना तो आगे देखेंगे ये पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है एक बार अरेंज करने का कोशिश करेंगे द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार आजार यानी ओपन की बात कर रहे हैं द टैक्सी स्टॉप कौन सी टैक्सी रुकी ये नहीं कह सकते इससे शुरू नहीं करेंगे तो ए से और बी से शुरू नहीं होना था नहीं गड़बड़ हो जाएगी क्यों गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि डी में तो ही पुस्ड इट ओपन इट यानी कि बेसिकली डोर की बात कर रहे हैं इसका मतलब पक्का बी से ही शुरू होगा है ना तो डी से तो शुरू कर नहीं सकते थे और ए से बेसिकली नहीं कर सकते द डोर बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो द टैक्सी स्टॉप्ड एक टैक्सी आके रुकती है और टैक्सी अगर रुकती है तो उसके बाद में क्या होता है अब देखो यहां से एक चीज हम जो कह सकते हैं ये एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे ही लगा हुआ है इसका मतलब है सी पहले आएगा डी बाद में आएगा यहाँ पे देखो सी पहले है डी बाद में यहाँ पे भी सी पहले डी बाद में ठीक है आ, इसके बाद में द डोर ऑफ द फ्लैट की बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे डोर है और यहाँ पे ही पुस्ड इट इट है यानी कि ए जो है पहले आएगा और डी आपका बाद में आएगा यहाँ पे ए पहले है और डी आपका बाद में है ठीक है अब हमें जस्ट ये देखना है कि सी पहले आना चाहिए या ए पहले आना चाहिए टैक्सी रुकती है टैक्सी रुकती है तो फिर उसके बाद में डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार और फिर सी की बात कर ली ये himself out अब देखो आउट पहले होगा टैक्सी रुकेगी ठीक है उसके बाद में बाहर निकलेगा उसके बाद में वो फ्लैट की तरफ जा रहा है ठीक है इसके आसानी से हम कह सकते हैं कि पहले बी बनेगा फिर सी बनेगा उसके बाद में ए आएगा उसके बाद में डी आएगा तो बी सी ए डी सिंपल है वैसे देखने में बाकी आसानी से कर सकते हो नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट का बेसिकली सिनोनिम पूछा है तो आपका कन्फ्लिक्ट का क्या हो जाएगा क्लैश हो जाएगा क्रैश तो एक्सीडेंट होता है बेसिकली क्या होता है इन्फ्लिक्ट पेन करना यानी कि दर्द देना किसी को वो होता है मिंगल यानी मिलना किसी का नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला आपका क्वेश्चन है ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल इसको पैसे वॉइस में करना है तो हैज बीन को बेसिकली वोड नहीं होगा वॉज नहीं होगा एक ही ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा मेवरिक का मतलब है जो व्यक्ति जो कि नॉर्मल बिहेवियर उसका ना हो समाज के हटे रूल से हटके चलता हो सो so, ऑर्थोडॉक्स तो इसके एंटोनिम आ जाएगा फ्लार तो अलग चीज है कन्फर्मिस्ट भी इसका एंटोनिम बनेगा सो बोहेमियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड सो एथिस्ट बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को आगे देखेंगे आई सो सेबी लुकिंग सेबी यानी गंदा सा बेकार सा जो उदास उदास हो मैन लुकिंग सो कैविटी ऑफ अ माउंटेन का मतलब कैविटी किसी चीज के होल में जैसे दांतों में कैविटी लग जाती है छेद होने लग जाता है ना तो कैविटी का मतलब क्या हो जाएगा होल हो जाएगा माउंट बेसिकली क्या होता है एक बड़ा पत्थर जो होता है उसके लिए बोल देते हैं हाइट और एलिवेशन एलिवेशन यानी एलिवेट करना किसी को ऊपर उठाना नेक्स्ट देखेंगे सो so, एवेरिशियसनेस का एंटोनिम पूछा है सो so, एवेरिशियस का मतलब होता है ग्रीडी सो एवेरिशियसनेस का मतलब हो जाएगा बेसिकली ग्रीड यानी कि किसी भी चीज के लिए जो लालच होता है तो इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा जेनरसिटी आपका हेट्रेड नफरत क्रिटिसम क्रिटिसाइज करना एनवी जलन आगे देखेंगे कैमल्स टेन टू मूव स्लोली आ, देन देखो मूव स्लोली देन लिखा है देन लिखा है तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री चाहिए सो हम कह सकते हैं मूव स्लोली वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा सो मूव मोर स्लोली ठीक है मोर स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स नेक्स्ट देखेंगे आगे आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है नेसेसरी हमेशा ध्यान रखना है कि सी सिंगल आता है और एस डबल आता है तो यहां पे एरर हो जाएगा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा सो नेसेसरी डायलेमा प्रिविलेज ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको स्पेलिंग में बार बार पूछता है तो इनको तो बस रट लेना भाई है ना आगे देखेंगे पैसे वॉइस पूछा है रोट है तो पास्ट में चला जाएगा पास्ट में तो इज नहीं होगा हैज नहीं होगा यहां पे बींग है तो कॉन्टिन्यूस वाला बन गया सी तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आगे देखेंगे नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है स्ट्रेंथ एकदम सही है कॉन्फिडेंशियल भी सही है मेजरमेंट में एम ई ए एस यू आर ई होता है तो ये अगला हो जाएगा अ हर्ड ऑफ कैटल कंसिस्ट ऑफ रिलेटेबल मतलब रिलेटेड फीमेल्स कब्स एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स प्राइड ऑफ लाइन्स स्कूल ऑफ फेस बर्ड्स वोल्स अब किसकी बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे ना ये कब वर्ड दे रखा है ये होता है शेर का बच्चा अगर शेर का बच्चा है तो ये ग्रुप किसका रहा होगा शेर का रहा होगा सो प्राइड ऑफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है है मतलब वन वर्ड को बढ़िया को पूछने का तरीका पे आदमी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा दो क्वेश्चन पूछ लिए बेसिकली अगर जिसको कब का मीनिंग नहीं पता तो वो तो सोचेगा अब क्या करूं है ना तो आगे देखेंगे अ टाइम वेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड ऐसे दिन को क्या कहते हैं जहां पे मनी रॉ डील नहीं होगा

कॉल अप बेसिकली किसी को फोन करना होता है कॉल अराउंड हो जाएगा यानी कि इधर उधर उसने फोन करके देखा इधर उधर जाके देखा उसने कॉल अराउंड करेक्ट हो जाएगा आगे देखो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को आप बिना याद करे भी कर सकते हैं अराउंड ही आता है इसमें कोई चीज कोई ढूंढ रहा है तो चारों तरफ ढूंढेगा ना तो अराउंड आ जाएगा है ना वी नीड टू डैश अ सोल्यूशन हमें बेसिकली सोल्यूशन चाहिए सो वी नीड टू कम अप अपल्यूशन ठीक है सो कम अप समथिंग मतलब होता है कि, कि किसी चीज के साथ में आना नेक्स्ट देखेंगे ये आपका क्लोज टेस्ट है जल्दी जल्दी एक बार पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को और आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे ऑप्शन में आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे आ देखते देखते द मैथमेटिशियन फेडरिको अर्डिलिया मेंटिला ग्रू अप इन कोलंबिया एक व्यक्ति का नाम है कोलंबिया में हुआ था जो कि मैथमेटिशियन बताया गया इनको एन डैश स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ सो so, एन कैसे स्टूडेंट है अपोलोजेटिक एक्सीलेंट इनडिफरेंट एंड एप्रीहेंसिव जैसे ही आप इसको देखोगे ना तो आप आसानी से एक चीज कह सकते हो देखो एक्सीलेंट आपका नहीं कह सकते आप बिल्कुल भी क्यों गिफ्टेड इन मैथ्स है और उसके साथ बट लगा रखा है बट है यानी कि कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट है और इसके बाद में पॉजिटिव बात कही है तो उसके पहले कुछ नेगेटिव बात कही होगी ये बेसिकली आपका पॉजिटिव वर्ड है ये नहीं हो सकता एप्रीहेंसिव यानी कि डरने वाला हो जाएगा ये भी नहीं बनेगा

सम वन सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड अप्लाई टू एम इस तरीके से लिखना चाहिए था क्योंकि सजेस्ट के साथ एक तो इन्फिनेटिव नहीं आता है और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है सजेस्ट के साथ टू आता है सजेस्ट के साथ प्रपोज के साथ जैसे हम स्पोकन में अक्सर करके बोल देते हैं ये पैसेजेस भी वैसे लिखे जाते हैं हम अब खूब बोलते हैं आई प्रपोज राधिका बट क्या ऐसे कहना सही है ना हमें कहना चाहिए आई प्रपोज टू राधिका ठीक है जैसे हम बोल देते हैं सी चीटेड मी हमें बोलना चाहिए सी चीटेड ऑन मी ठीक है

सो so, एक थियोरिटिशियन थे नोन टू वो जाने जाते थे किस चीज के लिए हिज ऑडियंस अपने ऑडियंस को क्या करेंगे वो स्ट्रेंगुलेट करेंगे डिफरेंट करेंगे कंपेयर करेंगे मेलिंग करेंगे भाई जिसकी जुबान पे वो दे रखा हो क्या बोलते हैं अच्छा जैसे ना जुबान की बात ही नहीं है यहाँ पर कंपे नोन टू डैश इज ऑडियंस टू भी लगा रखा है आगे तो अगर मेलिंग लगा देते तो इसका मतलब वैसे तो सही हो जाता है यहां तक तो सही होता है लेकिन आगे अगर टू आ रखा है तो इसका मतलब है ये कंपेयर ही कर रहे होंगे किससे ऑफ काउज रूटीनली ओपन ठीक है तो हम कह सकते हैं डिफ्रेंसिएट तो है, तो तो है, है, अलग करना सो कंपेयर करेक्ट हो जाएगा है ना कंपेयर तो रूटीनली ट्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम्स इन टू होमवर्क असाइनमेंट्स टेलिंग द स्टूडेंट्स ये बेसिकली नई नई मैथ्स प्रॉब्लम देते रहते थे असाइनमेंट्स में ज हैड नेवर बीन सोल्व बाई एनी वन ये किसी के द्वारा कभी सोल्व नहीं करी गई थी अर्डि Ard, अर्डिला जो व्यक्ति था ये अर्डिला सोल्व वन उसने एक सॉल्व कर दी ही वेन टोन टू रिसीव इज बैचलर्स एंड पी एच डी इन मैथ फ्रॉम एम आई टी और वो बेसिकली एम आई टी से उसको बैचलर डिग्री डिग्री भी मिल गई पी एच डी भी कर ली उसने है ना बट हिज अकेडमिक एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन लेकिन उसका जो अकेडमिक एक्सपीरियंस था वो बेसिकली आइसोलेशन ही था या जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है मॉलेस्टेशन देखो मॉलेस्टेशन तो उसका हुआ नहीं है मॉलेस्टेशन तो होगा नहीं ठीक है तो देखो कुछ पार्ट उसका खुद का था कुछ पार्ट कल्चर का था यह कहा गया है सो so, क्वालिफिक्वालिफिकेशन uh, नहीं होगा इंटेरोगेशन उसका हुआ नहीं पुलिस इंटेरोगेशन करती है सो so, इंट्रोवर्जन का मतलब है वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था शुरू में हमने इंडिफरेंट लिखा था ना तो वो इंट्रोवर्ड था ठीक है आगे एज अटिनो एक Latino होने के नाते ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट वो माइनॉरिटी में था एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसिस उसको अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसिस में कंफर्टेबल नहीं लगता था नो वन हैड ट्राइड टू हिम क्या करने की बात कर रहे हैं फेब्रिकेट हिम स्ट्रेटिफाई हिम इनकॉर्पोरेट हिम या एक्सक्लूड हिम अब देखो किसी ने ओपनली उसको या एक्सप्लिसिटली ओपनली एक्सक्लूड करने का प्रयास नहीं किया था वो खुद ही अपने आप में अलग रहता था ये इस पैसेज में कहा गया है ठीक है इसी के बारे में आगे बात की गई ही फेल्ट अलोन फिर भी उसने अलोन फील कोई मतलब उसको अलग करता नहीं था फिर भी अलोन फील करता था वो आगे बढ़ेंगे भाई सिफ्ट टू की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है धुंधली no मतलब हो मतलब होती जाती है चली जाती है ठीक है आगे देखेंगे तो वेनिस भी मतलब काइंड ऑफ सिनोनिम हो सकता है लेकिन एक्सटिंग होता है जो नो लॉन्गर इन यूज हो नो लॉन्गर इज एक्सिस्टेंस हो ठीक है आगे देखेंगे डीलिंग वेनिस आपकी मेमोरीज वगैरह होती है ये मान सकते हैं आप है ना और कोई प्रजाति वगैरह या कोई वस्तु वगैरह एक्सटिंक्ट होती है डीलिंग थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं यानी है कि प्रैक्टिकल स्केप्टिक नहीं होगा स्टॉइक नहीं होगा और सीनिक नहीं होगा ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका है राहुल बॉन द एक्सटेपोरी कॉम्पिटिशन एक्सटेपोरी होता है बिना प्रिपरेशन के को कोई काम करना और यहाँ पे ना बेसिकली गिफ्ट ऑफ द गैप का इडियम का मीनिंग पूछा है सो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है एक पर्सन जिसको ना स्पीकिंग के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं सो अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग आपका करेक्ट आंसर है आगे देखेंगे ऑबड्यूरेट का पूछा है बेसिकली अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑब्ड्यूरेट जिद्दी होता है डी चार दे रखें इट रेगुलेट इट ओनली इट रेगुलेट इसका मतलब है इनसे शुरू नहीं होगा शुरू आपका किससे होगा सी से शुरू होगा अच्छा कितने ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है एक ही ऑप्शन सी से शुरू हो रहा है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है

तो पैसे वॉइस दे रखा active given, है एक्टिव पूछा है वॉज गिवन पास्ट पास्ट है है तो रिवॉर्डेड नहीं बनेगा रिवॉर्डेड तो ही गिवन का तो गेव से बनना चाहिए तो रिवॉर्डेड से नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा तो गवर्नर गेव हिम आई रिवॉर्ड ठीक है अच्छा देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कास्केट होता है कास्केड अभी हमने रिसेंटली जो वीडियो ली थी अपनी एक मैराथन उसमें भी पढ़ाया था वाटरफॉल को बोलते हैं तो ये हो जाएगा गार्डन तो आप जानते ही हैं आर्किड एक मार्केट होती है जिसके दोनों तरफ दुकानें लगी होती है मतलब किसी के बारे में डांटना फटकारना है इंजीनियर नहीं मैं ये कहूंगा आई वॉन्ट टू बिकम द टीचर नहीं आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर सो अ टीचर अ डॉक्टर तो एन इंजीनियर आपका हो जाएगा जब हम बताते हैं ना किसी नाउन को पहली बार मेंशन करते हैं तो आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग करते हैं आगे देखेंगे। ये को बेसिकली में बदल देंगे यहाँ इज टू कर दिया, है कर दिया है, नहीं होगा यहाँ पे टू बी कर दिया ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपका मास्टर सेम इज अवीस्ट बॉय इन ग्रेड ट्वेल्व इज अज लिख देंगे आप ठीक है मास्टर सैम का नाम यहाँ पर लिया गया है आगे देखेंगे नीना हैज नॉट येट हाउ टू स्ट्रेटन स्ट्रेटन अप अप एंड एंड फ्लाई फ्लाई राइट राइट का मतलब क्या है पुरानी बुरी आदतों को छोड़ के और सीधे चलना बेसिकली अच्छा व्यवहार करना तो फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर्स अदर्स का नहीं खुद की बात है प्रोफेशनल इन फ्लाइंग नहीं रिमेंबर द पास्ट नहीं

कोहेरेंट यानी मीनिंगफुल होता है तो इनकोहेरेंट उसका एंटोनिम बन जाएगा डाउटफुल और ईगर ईगर यानी कुछ काम करने के लिए आतुर जो होता है एकदम ओनली हेल्प हर सो आई हैड नॉट ओनली हेल्प हर और नॉट ओनली का जो पेयर बनता है आ, वो बट ऑल्सो होता है ठीक है तो देखते हैं आई हैड अब देखो नॉट को भी अंडरलाइन कर लेना अब देखो बट ऑल्सो विथ के साथ लगा रखा है तो नॉट ओनली को बाई गिविंग के साथ लगा देंगे हम थ प्रोवाइडिंग बाई गिविंग दोनों सेम रैंक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ना तो बेसिकली तो यहाँ पे सिर्फ नॉट है ओनली गायब कर दिया है यहां पे नॉट ओनली पूरा बाई के पहले है यहाँ पे अकेला ओनली है यहाँ पे नॉट ओनली हर के पहले है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट अफेक्ट नहीं होगा भाई अफेक्ट तो आपका वर्ब होता है तो ये तो गलत हो जाएगा ठीक है दूसरा पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव आपका नहीं होगा तो ये गलत हो जाता है हैविंग आपका डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा ये गलत हो जाता है हैज आपका आएगा लेकिन हैज के साथ में अफेक्ट नहीं आएगा क्या आना चाहिए इफेक्ट आना चाहिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक गेट्स गेट्स है आलस वालस सकते हैं। लेट होना ये सब सो बेसिकली वो क्या है पंक्चुअल होगा पंक्चुअल होगा तो सर करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा पंक्चुअल टाइम पे पहुंचता है ठीक है पेशेंट यानी जो धैर्य रखता है सेलेक्टिव यानी जो चीजों को सेलेक्ट करता है की जो नींद में में रहता है। है देखेंगे। ये आपका आ जाता है, close test, मैं side हूं, एक बार जल्दी से close test को से को खुद पढ़ेंगे और answer बताएंगे भाई कि क्या-क्या होंगे। कर देंगे, बता देंगे ना। देखो अकॉर्डिंग टू होता है ये तो नो सीक्रेट है है ना ओपन सीक्रेट है एक ठीक है अकॉर्डिंग टू द नृत्य शास्त्र शास्त्र इज इज कॉल्ड कॉल्ड अ क्लासिकल डांस क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है कि वो क्या होता है ठीक है तो वो वाला डांस जो बेसिकली क्रिएट किया जाता है या कोरियोग्राफ करा जाता है और परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसिकली जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम द टू ब्रॉड डैश ऑफ ब्रॉड क्राइटेरिया डिस्प्ले एस्पेक्ट्स या ऑप्शन जैसे ही हम बात करते हैं सो so, सबसे पहले क्राइटेरिया का मतलब है कि किसी चीज में मतलब क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द तांडवा एंड द लास्या अब देखो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकते पहले तो ये इसको हटा देंगे और टू के साथ डिस्प्ले सिंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकता ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शंस नहीं है मेरे भाई ये एस्पेक्ट्स हैं आपके ये दो प्रकार हैं एस्पेक्ट्स हैं एक तरीके से सो टू टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांस आर तांडवा एंड लास्या पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडवा तांडव में बेसिकली पावर और फोर्स होता है ग्रेस एंड डेलिकेसी ऑफ द तांडवा इज डैश विद शिवा सो तांडवा किससे जुड़ा हुआ है शिवाजी से यानी कि शिव से जुड़ा हुआ है तो एसोसिएटेड विथ शिवा एंड लस्या विथ पार्वती लस्या बेसिकली पार्वती जी से जुड़ा हुआ है तो आगे है डांस विच इज प्योर डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड सो नृत्य बेसिकली उसको बोला जाता है जो प्योर मूवमेंट हो एंड डांस विच इज डैश इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य ठीक है नृत्या और नृत्य ये शब्द ध्यान रखने so, सो इज कैसा है देखो एक में तो प्योर मूवमेंट आ रहे हैं तो दूसरे में बेसिकली कैसे आ जाएंगे एक है वेजिटेबिट वेजिटेटिव एक है कोमोडियस एक है आपका हेफजार्ड और एक है इंटरप्रेटेड देखो कमोडियस जो स्पेशियस होता है वेजिटेबिटेटिव का मतलब होता है जो रिलेटेड टू ट्रीज होता है पेड़ों से रिलेटेड है या अलाइव होता है लेकिन जिसको देखा वेखा नहीं जा सकता उसकी बात करते हैं इसमें है होता है हम कहना चाह रहे हैं कि जो है, एक तो, एक तो प्योरली मूवमेंट है इसमें इंटरप्रिटेशन होती हैं ठीक है सो so, जो इंटरप्रेटिव इन नेचर इसको नृत्य कहा जाता है अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज टू हैव इयर्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर ही और सी कैन बिगिन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज यानी कि जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं इनको इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत होती है बिफोर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज है ना आगे देखेंगे द फोर मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर भरतनाट्यम ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात करते हैं आपने बार बार सुना होगा स्कूल्स ऑफ जो डांस होते हैं ना स्कूल्स ऑफ डांस यानी एक तरीके से टाइप्स ऑफ डांस जो होते हैं उनको स्कूल्स बोला जाता है आपने बहुत बार सुना होगा सो फंक्शंस नहीं है कैरेक्टर्स नहीं है टर्मिनोलॉजी नहीं है स्कूल ऑफ डांस ठीक है कौन से नृत्य स्कूल से जुड़े हुए ऐसे करके क्वेश्चंस भी आते हैं आपके जीएस में आगे देखेंगे अब भाई हम बढ़ेंगे, बताना है। प्रेपेर से, प्रेपेर से, तो इज प्रिपेयर आपका करेक्ट हो जाएगा बाकी सारे इनकरेक्ट करेक्ट है नेक्स्ट देखेंगे ये बेसिकली टेट इन देयर स्किन अब देखो वैसे तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है पूरा भी पढ़ सकते हैं आप पूरा सेंटेंस भी पढ़ लोगे तो भी आप आसानी से कर देंगे लेकिन टैटू जब हम बनाते हैं तो स्किन के अंदर बनाते हैं स्किन के सरफेस पे सरफेस पे सरफेस को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं ऑन वाला ढूंढ लीजिए तो आप कहोगे थ्रू नहीं होगा ओवर डूइंग नहीं होगा ऑन हो वाला करेक्ट है पूरा भी पढ़ सकते हैं सेंटेंस को बाकी को बाकी अंडरलाइन देख के मुझे वो कैब का क्वेश्चन होगा लेकिन सिंपल हो जाएगा ये तो है ना आगे देखेंगे एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है सो जैसे देखा आर बीइंग रेड एक्टिव बताना है तो बेसिकली प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस रहा होगा हैज है हैड है वॉज है पहला ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे

ब्लो हॉट एंड कोल्ड ये सब आपके नहीं बनेंगे नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है फियर ऑफ स्नेक्स फियर ऑफ स्नेक्स होता है बेसिकली ऑफिडियोफोबिया होता है क्लस्ट्रोफोबिया स्पेस का होता है जीनोफोबिया फॉरेनर्स का होता है एक आपका दे रखा है सिंजीन नेसोफोबिया uh, क्या होता है ये बेसिकली आप लोगों के अंदर भी होता है ये खास करके बेरोजगारों के अंदर पाया जाता है ये हिंट है ये बेसिकली नेसोफोबिया रिलेटिव्स से मिलने का डर होता है फियर ऑफ मीटिंग होता है बेरोजगारों में खास करके पाया जाता है रिलेटिव कुछ कहना दें वैसे रोजगार वालों में भी कम नहीं पाया जाता है उनको लगता है कुछ मांगना <laughs> तो बुक किसी चीज का वो कहते हैं ना सार तो सार यानी कि जिस्ट नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है देखो सो अनफोरसिन so, में एफ ओ आर आता है ना कि एफ ओ यू आर चार वाला फोरसिन नहीं है ये आगे देखेंगे द लायंस बिकम वायलेंटली भाई बिकम आपकी कैसी वर्ब है लिंकिंग लिंकिंग वर्ब वर्ब है, linking वर्ब है linking वर्ब के बाद आते हैं सो द द लायंस बिकम वायलेंट व्हेन विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम तो आपका करेक्ट आंसर कौन से पार्ट में आ जाएगा ये वाले में नेक्स्ट अगला आपका नेसेसरी नेसेसरी का जरूरी होता है जरूरी यानी कि एसेंशियल करेक्ट असेंशियल करेक्टिंग एक्सिस्टेंसियल एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होता है पोटेंशियल पावर किसी की स्पेशियल जो स्पेस से रिलेटेड है ठीक soldier, है आगे जो बीमारी होना एलिंग का मतलब होता है एलिंग का, so recover का, मतलब Ail, का तो बीमारी होता है एलिंग का अटैकिंग ट्रेवलिंग नहीं होगा नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका जेरी जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टू प्लेस

सो बेसिकली फर्स्ट स्पीच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस देखना है रेस्टोरेंट की जो स्पेलिंग होती है उसको याद करने का ट्रिक भी याद रख लेना है. ये तो रेस है एक तरीके से रईस टाइप के जो ताऊ है जो कि रेंट पर करते हैं तो रेस्टोरेंट ताऊ ध्यान रख लेंगे यही पैर आएगा आपका टी ए यू ठीक है बाकी सब इनकरेक्ट है एंटोनिम पूछा आपसे इंटेलिजिबल का इंटेलिजिबल जिसको समझा जा सकता है बेसिकली तो एंटोनिम बेसिकली क्या हो जाएगा जिसको समझा नहीं जा सकता है सो इनकोरेंट ठीक है जो मीनिंगफुल ना हो इंबेजल एक आपका होता है बड़ा अच्छा वर्ड है इम्बेजल का मतलब होता है गबन करना ठीक है इम्बेजलमेंट इसी से बनता है मिस एप्रोप्रिएशन जो होता है ठीक है आगे देखेंगे ग्रुटेक्स बेस के लिए आपका होता है जिसका मतलब होता है बद्दा एकदम अगली सो अगली आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा सेम फुल सर्वनाक होता है कमली बेसिकली जो बढ़िया होता है ना कमली कमली मेरे प्यार दी वही है, यार दी ठीक है आगे देखेंगे लविंग का मतलब बेसिकली जो प्यार करने लायक हो तुम बोल सकते हैं अफेक्शन का मतलब ये होता है लगाव रेज्यूबिनेट जो दोबारा से जीवित हो जाए एक तरीके से आगे देखेंगे अगला है आपका द मोस्ट गुड नहीं लिखते मेरे भाई द बेस्ट लिखते हैं इसके लिए इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन वैसे तो लेकिन आप अगर बढ़िया से पढ़ चुके हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में मार्क कर सकते हो गुड की कंपैरेटिव डिग्री तो क्योंकि पीछे ऑफ और लिख रखा है इसलिए द गुड तो आएगा ही नहीं मोर गुड कुछ नहीं होगा द गुड से यानी वस्तुओं की बात कर लेंगे हम आगे देखेंगे ये आपका बताना आपको कैसे बताएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे एक बार ठीक है देखो एक बार एंड पे तो खत्म कर नहीं सकते ठीक है एंड पे कैसे खत्म करोगे तो तीन ऑप्शन तो आपने ऐसे ही सीधे खत्म कर दिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है देखो ये पैसेज है आपका मतलब तो तो क्लोज टेस्ट है एक बार पढ़ेंगे और सारे आंसर लगाएंगे और वीडियो पॉज करके और फिर देखते हैं एक बार लिसनिंग स्टार्स विथ हियरिंग लिसनिंग स्टार्स विथ हीयरिंग बट गोज डैस बट गोज टूवर्ड्स थ्रू आउट बियड अक्रॉस कहा गया है ओके okay. स्टार्ट नहीं है स्टार्ट है ठीक है मैं खुद कह रहा हूं कि क्या लिख रखा है इतने टाइम लगातार पढ़ा पढ़ा के ना वीडियो में लाइट देख देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ है ना सो लिसनिंग स्टार्ट होती है विथ ही से शुरू होती है बट गोज बियॉन्ड लेकिन इसके आगे तक जाती है सो बेसिकली बियॉन्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब मीनिंगफुल लग रहा है ना मैं कह रहा स्टार्स को सुनने की बात कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है बट एक टीम हो रहा था बीच में से हियरिंग यानी कि सुनना इन अदर वर्ड्स इज नेसेसरी हियरिंग जरूरी है बट इज नॉट अ आफिट फॉर लिसनिंग लिस डिकोरम शनेरियो कंडीशन या प्लेस बेसिकली जैसे हम बात करेंगे पहली बात तो डिकोरम का मतलब क्या होता है बेसिकली जहां पे पूरा वो मेंटेन करके रखते हैं ना ऑर्डर शनेरियो भी नहीं कह सकते ये कंडीशन है ठीक है सो so, एक सफिसियंट कंडीशन नहीं है लिसनिंग जो है मतलब हियरिंग जो है एक सफिसियंट कंडीशन नहीं है लिसनिंग के लिए आगे लिसनिंग इन्वॉल्व हियरिंग विथ अटेंशन लिसनिंग का मतलब है सी जी एल मीन दो हजार इक्कीस का जो हमने बैच लिया था उसमें डिक्टो यही पैसेज हमने पढ़ाया था हालांकि वहां पर क्लोज टेस्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ाया था ये पैसेज हमने पैसेज के फॉर्म में पढ़ाया था मेरे को याद है ठीक है हाँ अभी मतलब इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को याद आ रहा है क्योंकि लिसनिंग का मैंने वहां पर कराया था एक बार चेक करूंगा मैं डालता हूं प्रोसेस लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट डैश जिसको बेसिकली किसकी जरूरत होती है कंसेंट्रेशन की तो डिस्पोज ऑफ कॉल्स फॉर देखो कॉल फॉर का मतलब है किसी चीज की डिमांड होना तो उसकी जरूरत है तो कॉल फॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो कंसेंट्रेशन की जरूरत होती है वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट जब सुन रहे होते हैं हमें तो ऑब्जर्वेंट यानी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए देखना चाहिए इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लिसनिंग लिसनिंग हैज टू डू विद द सुनने से रिलेटेड है डैश विद द आइज एंड द माइंड अब कनेक्ट कर रहे हैं हम तो एज वेल एज से कनेक्ट कर देंगे सिंपल सी बात है ना तो रेदर से करेंगे ना येट क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट वगैरह तो है नहीं ठीक है तो ना सिर्फ ईयर से कनेक्टेड है बल्कि आईज और माइंड से भी है लिसनिंग इज टू द टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व हियरिंग अटेंशन बींग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशन लिसनिंग को हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक आपका टोटल प्रोसेस है जिसमें अटेंशन से सुनना ऑब्जर्वेंट रहना और इंटरप्रटेश निकालना शामिल है गुड कम्युनिकेशन इज असेंशली ए या एन प्रोसेस ये बेसिकली कैसी है इंटरेक्टिव है देखो बहुत सिंपल सी है. अब नॉक्शियस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये तो नेगेटिव वर्ड है गुड कम्युनिकेशन एक पॉजिटिव वर्ड आएगा सो ऑनरस बर्डन सम हो जाएगा पैक्यूनरी मतलब एक अजीब प्रकार का पैक्यूलियर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं नहीं होगा सो so इंटरेक्टिव हो जाता है बेसिकली ठीक है तो ये आपका था भाई थर्ड शिफ्ट चौबीस तारीख का एक बार आपको फिर याद दिला दूं इंग्लिश रामबाण एक बहुत बेहतरीन किताब है अगर आपको पैसेज कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट ग्रामर वुकैब सब पे कमांड चाहिए भाई एकमात्र इलाज इंग्लिश रामबाण आज ही ऑर्डर करें फ्लिपकार्ट ये किताब आपकी अवेलेबल है अब हम इससे आगे बढ़ेंगे भाई अगले शिफ्ट की तरफ और अगली शिफ्ट हमारी अगली होगी शुरुआत करते हैं उसकी आ जाइए भाई आ जाते हैं हम अब अगली शिफ्ट पे और ये 25 तारीख की शिफ्ट है शिफ्ट वन है देखते हैं पहली शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर वन है आपका द कंपनी स्पेशलाइजेज किसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइज करती है स्पेशलाइज यहाँ पे वर्ब है और आपको पता होना चाहिए स्पेशलाइज वर्ब के साथ में प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है स्पेशलाइजेज इन डिजाइनिंग क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूसिट का मतलब होता है बहुत सुंदर खूबसूरत हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्सिप तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से पार्ट में सो so, फोर्थ वाला correct, correct हो जाएगा आगे देखेंगे अगर आपका भी went to a legitimate, देखो legitimate का synonym, legitimate का मतलब होता है valid, valid है तो fictitious तो आपका आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा झूठा प्रोडक्टिव भी मतलब जो कुछ प्रोड्यूस करे है ना आगे देखेंगे affiliated का मतलब होता है जुड़ा हुआ

तो क्या आ जाएगा हैड नो इफेक्ट ऑन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे ब्लैंक का क्वेश्चन है राज इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो पढ़ रहा है सो ही डिसाइडेड टू परस्यू डिसू करने का हिज मास्टर्स डिग्री किसमें करेगा अब साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो साइकोलॉजी में करेगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है डिजोल्व का एंटोनिम डिजोल्व यानी घुल जाना तो सॉल्व से नहीं मतलब है, है है, है, है तो तो आ आ जाएगा, fade भी synonym आ जाएगा, appear आपका correct answer हो जाएगा। जाएगा? भी आपका आपका हो हो हो, आगे देखेंगे, अगला है आपका राम फेल्ड, फेल्ड का का पूछा पूछा क्या मतलब मतलब किसी चीज़ को करा लिया ऊपर उठा देना और इंजॉय तो आप जानते हैं आगे वन वर्ड है टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस एंड कॉजिंग डैमेज बेसिकली एक ऐसे निकल के जाना पूरा खराब करते जाना सब निकल के जाना और खराब कर देना बुरा साउंड होता है, करके आपका भी बनता है, जिसका मतलब है कि कोई आदमी निकल पड़ा है तबाही मचाते जा रहा है आगे लाउडेबल का एंटोनी पूछा है लाउडेबल यानी जिस तारीफ करने लायक है लायक होता है डिप्लोरेबल हेट करने वाला जिससे हेट करी जाए कमेंडेबल बेसिकली सुनौनी आ जाएगा सीवियर बेसिकली बहुत जो मतलब सीवियर कोई पेन हो सकता है तेज दर्द जो होता है वो आगे देखेंगे अ कॉमिक प्ले वॉज परफॉर्म्ड वॉज परफॉर्मड है तो पास्ट का इंडेफिनेट है पास्ट का इंडेफिनेट वी टू आएगा परफॉर्मेंस नहीं होगा परफॉर्मेंस नहीं होगा डू परफॉर्म नहीं होगा ये ऑप्शन हो जाएगा आगे देखेंगे गिवन बाय समबडी हुली इन्वॉल्व एंड दे आर फॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट अब मैं डायरेक्ट देखो इसी अंडरलाइन पार्ट को पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा मुझे भी जल्दी रहती है इसीलिए तो अंडरलाइन पार्ट से पता चल रहा है ये ईडीएम का मीनिंग पूछेगा तो ये होता है ना फ्रॉम हॉर्स माउथ डायरेक्टली ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ हॉर्स के माउथ माउथ से, माँथ से जो खबर आ रही है विथ किड ग्लव्स का मतलब क्या होता है देखो किड यानी कि बच्चा बच्चे के ग्लव यानी किसी को बहुत जेंटल तरीके से प्यार से उसके केयर करना कॉलिंग स्पेड स्पेड आ चुका है ऑलरेडी शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के कोई काम कर देना एकदम से बिना तैयारी के बोल जाना या कोई काम करना है ना आगे देखेंगे ये का क्वेश्चन है एक बार इसको अरेंज करेंगे देखो एंड से शुरू नहीं कर सकते ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है इसके बाद में अगर हम देखते हैं द नॉट फाइंड फाइंड हुम किसको फाइंड करने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए इसमें क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट की बात है आ, तो ऑब्जेक्ट देख लेंगे इसके अलावा यहाँ पे देखो सी हेड लिख रखा है हेड के बाद में क्या चाहिए आपको वी थ्री चाहिए वी थ्री चाहिए डी में ही है सो ई के बाद में डी आएगा आपका यहाँ पे देखो ई के बाद में डी है और यहाँ पे ई e के बाद में डी है यहाँ पे डी के बाद में ई e है तो ये आपका गलत हो जाता है और फाइंड का बेसिकली आपको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है तो फाइंड का ऑब्जेक्ट क्या स्पेक्टिकल जाएगा तो बी के बाद में क्या आना चाहिए ई e आना चाहिए कौन से में बी के बाद में ई e है ओके okay, दोनों बचे हुए हैं दोनों में ही बी के बाद ई e है ठीक है देख लेते हैं अब लेकिन ये शुरू हो रहा है सी से तो सी ऑल अराउंड द हाउस एंड वॉज सर्चिंग ये तो मीनिंग ही नहीं देगा ठीक है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि

ये आपका पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है जैसे आप इसको देखते हैं तो बहुत सिंपल है देखो स्टे हम्बल एंड पोलाइट अब देखो एंड पोलाइट के पहले एंड के बाद अगर एडजेक्टिव है तो पहले भी एडजेक्टिव चाहिए पक्की बात है कि एस के बाद में आर आएगा अब देखो ये तो एस पे खत्म हो रहा है एस पे खत्म हो रहा है एस पे खत्म हो रहा है एक ही ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कहा गया स्टे हम्बल एंड पोलाइट यू अचीव सक्सेस जब सक्सेस मिले तो हम्बल रहना पोलाइट रहना है आगे देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है Accelerate आज ही आ चुका है दो तीन बार तो, था, तो लास्ट वाला बन जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका डेरोगेटरी डेरोगेटरी का मतलब है इंसल्टिंग एक तरीके से कोई किसी की इंसल्ट करे सो सिनोनिम पूछा है तो इंसल्टिंग हो जाएगा डेरोगेटरी रिमार्क्स हो जाते हैं यानी कि इंसल्ट करने वाले डेलीगेशन जो किसी को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक दल आता है उसकी बात करते हैं डेरिवेटिव जिससे जो किसी से डेरिवेट किया गया है सेल्यूटरी का मतलब होता है कोई चीज जो देखने में बुरी लगे लेकिन वो आपके जो फायदे की चीज हो है ना उसको सेल्यूटरी बोल देते हैं इफ ही रंस तो अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें अगर इधर वी बने आपका तो इधर विल प्लस वी बना जाएगा तो विल गेट आपका करेक्ट आंसर है आगे देखेंगे माई डॉग वाक्स वेरी लाउडर वेरी लाउडर नहीं होना चाहिए क्योंकि लाउडर तो आपका कंपेरेटिव डिग्री है वेरी के साथ कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता है सो so, आपको लिखना चाहिए वेरी लाउडली ठीक है सो so, लाउडली और ये वेरी के साथ नहीं आते हैं वेरी के साथ में कंपेरेटिव डिग्री और डिग्री पे काफी क्वेश्चन देखेगा अभी देखा आपने स्लोली वाला भी पूछ रखा था इन्होंने अच्छा स्लोली के साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे वहां पे मैंने बोला नहीं था मोर स्लोली भी आप लिख सकते हैं और आप स्लोअर भी लिख सकते हैं स्लोली के दोनों कंपैरेटिव डिग्री पॉसिबल होते हैं एडवर्ब्स के भी कंपेरेटिव डिग्री होते हैं हालांकि लाउडली का मोर लाउडली ही होता है लाउडर जनरली नहीं लिखते हैं हम ठीक है तो ध्यान रखेंगे स्लोली का लेकिन मोर स्लोली और स्लोअर दोनों पॉसिबल होते हैं आगे देखेंगे लेटर ऑन ही वॉज ट्रूली एपोलॉजेटिक सो एर डिटेक्शन का ये लेटर ऑन यानी बाद में ही वॉज ही था कैसे था? ट्रूली पूरे तरीके अच्छा ये तो उसका क्वेश्चन है क्या बोलते हैं स्पेलिंग का तो ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग ये वाली होती है टी आर यू एल वाई इसमें आई नहीं आता है ध्यान रखेंगे और ई भी नहीं आता है ठीक है आगे देखेंगे अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपियरेंस इसको डेब्यू बोलते हैं ना किसी का डेब्यू हो गया इसमें टी साइलेंट रहता है ठीक है सो फाउंडेशन डॉन डॉन बेसिकली शुरुआत होती है किसी भी चीज की डॉन टस्ट का भी बताया था आगे आपका ये क्लोज टेस्ट है जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्यूनो पलपर नेशनल पार्क यहाँ से है सो so बेसिकली ये नेशनल पार्क के बारे में पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे पूरे को शुरुआत करते हैं द क्यूनो पलपर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल मध्य प्रदेश के चंबल में है ठीक है डैश चंबल रीजन की बात करेंगे तो चंबल रिवर नहीं है ये रेन बेसिकली क्या होता है जो शासन काल होता है किसी का और ये रीजन आपका कारण होता है ये वाला रीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज एन एरिया ऑफ 750 फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बता दिया गया है इट नाव हैज लेपर्ट्स इसके में लेपार्ट जेकाल्स हैं स्पॉटेड डियर हैं वो जिसमें स्पॉट्स बने होते हैं संभर है है, नील गाय है चिनकारा है वाइल्ड बोर है फोर हॉन्ड एंटेलोप है मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश फॉर मेकिंग इट परफेक्ट डैश बेस फॉर फेलिड्स फेलिड्स बेसिकली क्या होता है आपके एक uh, इसकी कैट की प्रजाति होती है सो so बेसिकली क्या बना देगा इसको कैट के लिए क्या बना रहा है एड बना रहा है मदद बना रहा है एड जब नाउन होता है तो डी ई आता है यहाँ पे दूसरा फन बना रहा है फन नहीं भाई इंजोय थोड़ी नहीं गार्ड भी नहीं इसको एक प्रे बना देता है मतलब एक परफेक्ट प्रे बेस हो जाएगा प्रे बेस यानी यहाँ पे वो आराम से शिकार कर सकता है तो प्रे बेस फॉर फेलिट्स डिस्पाइट स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम गुजरात गुजरात के स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन है विच डैश जिसने ये कहा है? गुजरात ने क्या कहा है सो बेसिकली अक्यूज करता है एडजॉन करता है रिस्ट्रिक्ट करता है या क्लेम करता है सो गुजरात बेसिकली देखो ना तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ना एडजॉन करेगा दो ऑप्शन बन सकते थे अक्यूज और क्लेम्ड सो अक्यूज लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज अक्यूज थोड़े ना करने वाली बात हुई ये तो क्लेम करने वाली बात हुई तो विच क्लेम्ड सो विच क्लेम्ड गुजरात ने क्लेम किया है कि जो लायंस है वो स्टेट के हेरिटेज के पार्ट है और जो एमपी है दैट एमपी यानी मध्य प्रदेश Had a poor dash in wildlife. Poor क्या है उसका गेज है इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड दैट कूनो पल पर हैड अदर बिग कैट स्पेसीजर बिग कैट स्पेसीज है दैट वुड जो की बेसिकली क्या होंगी तो वुड के बाद में आपको बेसिकली क्या चाहिए वर्फ की फर्स्ट फॉर्म चाहिए अगर फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो सेफ गार्ड आ सकता है इनोक्यूस तो हार्मलेस होता है चैनलाइज करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा अब एक बात बताइएगा सो so, जो बिग कैट वो बेसिकली लाइन रिलोकेशन को क्या करेंगे खतरे में डालेंगे सेव करेंगे आप कह रहे हो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इनका रिकॉर्ड बुरा रहा है और ये खतरे में डाल देगा यानी कि जेपार्डाइज कर देगा यानी खतरे में डालना ठीक है और इसीलिए बेसिकली द सेंचुरी वर चूजन फॉर द लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन टू आगे देखेंगे अगली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है आपका ये 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट है नॉमिनल का एंटोनिम नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र का बहुत कम मात्रा में सो so, साउंड नहीं होगा कांस्टेंट नहीं होगा नस्टी नहीं आपका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन ये अरेंज करना है बहुत सिंपल क्वेश्चन आए अब की बार पी क्यू आर एस के अरेंजमेंट के इतने आसान क्वेश्चन है जो मैंने मैराथन कराई थी उससे बाहर अगर कुछ भी आया हो ना तो मैं चैलेंज देता हूँ मैंने सेंटेंस जंबल भी कराए थे लोग पैरा जंबल करा के छोड़ देते हैं सेंटेंस जंबल भी बड़े अच्छे से कराए थे तो देखो फॉर अ ये एक्सरसाइज डेली वन मस्ट गुड बॉडी तो वन मस्ट के साथ में एक्सरसाइज आ सकता और कुछ नहीं आएगा आर क्यू आपका मैंडेटरी पेयर है ठीक पे है अब यहाँ पे आर क्यू है बिल्कुल है यहाँ पे क्यू आर है यहाँ पे आर क्यू है नहीं है यहाँ पे आर क्यू है ठीक है सो वन मस्ट एक्सरसाइज डेली किस लिए भाई फॉर अ गुड बॉडी तो आप आसानी से कह सकते हो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हुए चलेंगे कंसीड करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कंसीड कंसीड का एंटोनीम का एंटोनिम आपसे पूछा है है करने मतलब होता हाँ बोल देना मान लेना है ना किसी बात को तो बैटल नहीं होगा एंटोनिम में सरेंडर नहीं होगा एवो नहीं होगा आपका डिनाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना बढ़ा चढ़ा के सो पेस्टोरल नहीं होगा एलिवेट का मतलब भी ऊपर बढ़ाना होता है विकेट का मतलब दुश्मन टाइप का होता है मतलब बुरा जो होता है सो सिंपल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे जर्नी बाई वॉटर और सी इसको क्या कहा जाता है बेसिकली जो जर्नी वाटर या सी के थ्रू करते हैं इसको व्याज बोलते हैं क्या बोलते हैं व्याज बोला जाता है ठीक है आगे देखेंगे अगला है आपका आई सेड आई डोंट देखो पास्ट की बात चल रही है तो आई डोंट नी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड होगा आई एम नॉट डूइंग अंडरस्टैंड ये तो मजाक जैसा आई गलत हो जाएंगे है ना आगे देखेंगे वन हुट्स ह्यूमन फ्लैश जो ह्यूमन फ्लैश कहा था आज ही की क्लास में इसी वीडियो में बताया हुआ कैनेबल होता है उसको ठीक है जो सब कुछ खा लेता है ठीक है आगे देखेंगे फॉरगिव करने का मतलब होता है किसी को माफ कर देना ठीक है माफ कर देना तो इसका पूछा है क्लियर नहीं होगा अनबर्डन तो इसके सिनोनिम आ सकता है किसी को बर्डन हटा दिया जाए रिक्वायर्ड बेसिकली किसी चीज के वापस करने की बात होती है तो लोथ आपका हेट करना घृणा करना करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना सो so, आगे देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ट क्या पूछा है आपका द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन ये इनकरेक्टली आर्टिकल का इनकरेक्ट यूज पूछा है आपका है ना? है ना इनकरेक्ट स्पेलिंग नहीं आर्टिकल किसमें गलत है सो इन द पास्ट द रिस इंडस्ट्री हैज एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रिवेन्यू नहीं भाई जिस आई टी इंडस्ट्री की पहले ही बात कर चुके हैं तो द इंडस्ट्री रिवेन्यू ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से वाले पार्ट में है? तो द इंडस्ट्री एज अ ये सेकेंड वाले पार्ट में नेक्स्ट देखेंगे

पहले से ज्यादा मेहनत करना पुल अप योर सॉक्स का मतलब ही होता है कि और मेहनत करो है ना तो पुल योर सॉक्स आप या पुल अप योर सॉक्स दोनों तरीके से इसको लिख देते हैं आगे देखेंगे वाई डिंट सी ब्रिंग सो ये आपका पैसे आप वॉइस पूछा है सो डिड नॉट है तो वॉज वर के साथ में आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे इज है यहाँ पे इज है यहाँ पे वॉज है यहाँ पे वॉज है ठीक है हर सन है यहाँ पे भी हर सन है यहाँ पे ब्रॉट है तो टू माई हाउस है सो so, आपका बाई हर इसमें ड्रॉप कर दिया है। अगर बाई हर आपका ड्रॉप कर दिया है जो कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था तो आप कह दोगे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड में बाई हर को ड्रॉप कर दिया था है ना आगे देखेंगे so, सो ये मीनिंगफुल पैसेज पैसे बनाना है आपको द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिनोट क्या डिनोट करता है सो so, देखो बी से शुरू कर नहीं सकते थे हम बी से शुरू हो भी नहीं रखा है दैट से भी शुरू नहीं कर सकते थे डी से तो डी से भी नहीं शुरू हो रखा है तो ये तो आप एक ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है ठीक है इसके अलावा आपका क्या है इंडस्ट्रियल तो जो है वो डिनोट करता है क्या डिनोट करता है तो ए के बाद में बी नहीं आ सकता है ये ये पक्की बात है तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा डिनोट क्या करता है हमें ये बताना है तो ए के बाद में क्या आ सकता है वो देखेंगे तो देखो यहां पे ए के बाद में डी लगा रखा है इस वाले ऑप्शन में यहां पे सी है ठीक है इसके अलावा देखते हैं सो डिनोट्स अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल या डिनोट डिनोट्स That in. अब देखो that आपका क्या क्या है 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 क्यों इसके 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 आगे जस्ट आई है. अगर आई अगर अगर तो तो ये relative pronoun है. अगर ये लिए तो लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए चाहिए कोई मतलब इसको डिनोट के आगे तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट क्योंकि इसके लिए एंटीसीडेंट चाहिए यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है तो ए के बाद में डी आपका नहीं आ सकता है तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाता है तो करेक्ट आपका पहला वाला ऑप्शन हो वा जाएगा नेक्स्ट देखेंगे अगला तो ये बन जाएगा इंडस्ट्रियल रिवोलूशन जो है वो डिनोट करता है सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोलूशन जो कि बेसिकली शुरू होते हैं दैट इन द द लेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी इस तरीके से बन जाएगा आगे देखेंगे ये बेसिकली सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वो पूछा है द मूवी वाज वेरी सक्सेसफुल सक्सेसफुल एकदम सही है इन द अर्बन एरिया सही है बट नॉट अमंग द रूरल ऑडियंस इज सही है

आगे देखेंगे अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव के साथ देन तो नहीं आता है तो ये वाला तो हो, गलत हो जाएगा और इसके साथ टू भी नहीं आता ऑफ आता है जब सिलेक्शन को दिखाते हैं सुपरलेटिव के साथ तो ऑफ लगाते हैं एक ही ऑप्शन में वही करेक्ट होगा आगे देखेंगे ही एंड हिज फ्रेंड्स तो एक से ज्यादा लोग हैं एक से ज्यादा लोग हैं तो डज नॉट नहीं आना चाहिए डू नॉट वॉन्ट आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे आपका तो करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इन करेक्ट स्पेलिंग में आगे देखेंगे माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लाइंस सेयर लाइन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा पार्ट तो मेजर पोर्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है आपका पेशेंस का सिनोनिम पेशेंस अगर हम रख रहे हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं बनता है रेलेवेंस नहीं बनेगा एलिगेंस नहीं इंड्यूरेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे ये क्लोज टेस्ट है छोटा सा क्लोज टेस्ट है एक बार पढ़ेंगे आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे फिर मैं बताता हूँ आ जाइए वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज डैश आर द सेम एज आवर ओन जिनके क्या जिनके भाई ऑर्गेनाइजेशन सेम है अपैथी सेम है इंस्टीट्यूट सेम है या टेस्ट जिनके टेस्ट हमसे मैच करते हैं फूड्स की बात मतलब फूल्स डू नॉट लाइक फूल्स जो होते हैं वो लाइक like नहीं करते हैं द डैश ऑफ वाइज मैन उनको वाइज मैन का क्या नहीं पसंद है द कंपनी ऑफ वाइज मैन के साथ रहना पसंद नहीं है एंड वाइज मैन फूल्स और वाइज मैन अवॉइड करते हैं फूल्स को सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विथ डैश फॉक कौन से वाले फॉक के साथ कॉमन नहीं मिलेगा थॉटफुल तो एक ही बात हो जाएगी एक है सोलेम आपका ये भी लगभग वही है ग्रेव भी सेम ही है सो so, फ्रेमल यानी कि जो हल्की माइंड के होते हैं उनके साथ में बेसिकली सीरियस वालों को कुछ कॉमन नहीं मिलता है

या आपका फ्यूचरिस्ट फ्यूचरिटीज या लिगेसी या कैरेक्टर हम आसानी से कह सकते हैं कि उसकी कंपनी से उसका कैरेक्टर बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का आदमी है ठीक है सिंपल है आगे देखेंगे तीसरी शिफ्ट पर बढ़ जाते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वी शुड क्लीन द हाउस रेगुलरली हाउस को रेगुलरली क्लीन करें ये पैसे बोस में तो सुड सुड बीन मतलब सुड प्लस बी प्लस वी थ्री तो शुड बी क्लीन है बींग है लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे देखो ये segment को वो बताना one word इसके लिए मतलब एक जैसी फिगर ऑफ स्पीच है, है? है. संजीवनी हमने अलग से दे रखे हैं सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके एक आपका अच्छा वर्ड दे रखा है एपिथेट. एपिथेट होता है किसी नाम के साथ में जब हम एडजेक्टिव अटैच कर देते हैं लाइक विराट कोहली को बोल देते हैं किंग सो so एपिथेट है विराट कोहली के लिए है ना So, simili basically ये भी एक अलंकार होता है प्रकार का जब दोनों लोगों का कंपेरिजन होता है ना उसको बोलते हैं Allegory हम आज की क्लास में बताया था आपको जो कथाएं है होती है, उनको बोल देते हैं उनको okay, नहीं कन्वर्ट करना ईडियम है लेट द डस्ट सेटल है इसका मतलब है, जो है ना उसको सेटल होने दो आराम से वेट फॉर सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन धूल हटने दो क्लियर होने दो फिर देखते हैं ना आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन है आपका

Prudent का है जो कि जुडिशियस है वाइज है ना तो ये अंडरलाइन वर्ड है आपका आगे देखेंगे ये बेसिकली सेलेक्ट द सेंटेंस सेंटेंस दैट स्पेलिंग स्पेलिंग एरर एरर वो वाला बताओ जिसमें okay, बता तो. to ज्यादातर चीजें जो है एनेकडोटल एंड नॉट सपोर्टेड बाई एनी साइंटिफिक फैक्ट्स सब सही है भी acknowledge, acknowledge भी सही है, their humanity and the implications of their invention. सही है, है. ये चाहे कितना भी intriguing हो, the house वॉज नेवर सोल्ड हाउस को बेचा नहीं गया बिकॉज इट वॉज थॉट टू बी हॉन्टेड सही लग रहा है देर आर many बिलीव ओके okay. भाई देखो बिलीव तो आपकी वर्ब होती है और इसको बिलीव को तो

मोमेंट अच्छा स्पेलिंग है ये क्या 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 ये लिख रहे हैं ठीक है मोमेंट होता है भाई मोमेंट नहीं होता है जैसे हम बोलते है न, तो हैं ना मोमेंट तो वही चीज लिख दी इन लोगों ने मैं कह रहा ये क्या है ठीक है आ जाओ थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अनश्योर का एंटोनिम पूछा है अगर कोई श्योर नहीं है तो इसका एंटोनिम बन जाएगा सर्टेन डाउटफुल इंटरेस्टेड और ये नहीं बनेंगे है ना आगे देखेंगे बिट्रेयर ऑफ द कंट्री जो बिट्रे करें कंट्री को उसको क्या बोलते हैं ट्रांसग्रेसर तो दूसरे देशों में जाए, से वाले को बोलते हैं, आपका जाएगा अरेन्ज so, करेंगे और बनाएंगे भाई सेंटें पैराग्राफ ये का एक बार देख लेते हैं दिस न्यू पैटर्न विच न्यू पैटर्न आर वी टॉकिंग अबाउट ये तो नहीं पता हमें तो इससे शुरुआत नहीं कर सकते बी से तो यह आपका गलत हो जाता है, है ना सीबीएसई इन विसाजेस टू टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई की कहीं पर फुल फॉर्म दिए तो वो पहले आ जाएगी लेकिन नहीं दे रखी सीबीएसई की वजह से सबको पता ही होती है ठीक है so, to, uh, examination, ठीक है टू टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्मेटिव एंड समिव फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इट इज डन थ्रू कन्वर्जेशन क्विज इज Interviews, projects, assignments, ETC. फिर summative की बात कर लेंगे is the assignment of the students. और ये जो new pattern है, basically ये जो है है करता तो सी से शुरू शुरू हो हो जाएगा एक ही है 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 जो C से से रहा ठीक so क्योंकि formative, summative दोनों के लिखने से पहले सी लिखा जाएगा देखो फॉर्मेटिव की बाद में बात, बात करेंगे बट सबसे पहले बात करेंगे सी से शुरू करेंगे एक ही ऑप्शन है नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई किया था kind nurse ने the nurse है so, मतलब तो तो के साथ बनेंगे तो नहीं आएगा head नहीं आएगा यहाँ पे बैंडेजेज है मतलब है ये गलत हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे सीक्वेंस पूछा है Hard work and perseverance नो मैटर हाउ डिफिकल्ट लीड टू सक्सेस द जर्नी मे सीम देखो देख लेते हैं एक बार लीड आपकी वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए वो भी प्लोरल सब्जेक्ट आपका तो प्लोरल सब्जेक्ट हार्ड वर्क एंड परजीवरेंस है पक्की बात है पीछे पहले मतलब ओ से पहले पी आएगा सो ओ से पहले पी आ आड़े है ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ओ से पहले पी यहाँ तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा तो यही आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है अच्छा यहाँ भी है सेकंड में भी है सॉरी दो जगह है इसको भी देख लेते हैं जर्नी हार्डवर्क एंड टू सक्सेस फिर इसके बाद नो मैटर यही सही है देखो नो मैटर हाउ डिफिकल्टे आपका एक तरीके से कितना भी मुश्किल लगे तो ये पहले आएगा इसके जस्ट बाद में आर आएगा ठीक है so, सो क्यू आर का भी पेयर आपको बनाना है यहाँ पे क्यू आर का पेयर नहीं बन पा रहा है इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा आगे देखेंगे द सोल्जर स्ट्रक एनिमी सॉर्ट सोर्ड फिक्सड इन टू द एंड ऑफ द गन इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई दो शॉर्ट वर्ड होती है जो कि फिक्सड होती है गन के एंड पे वो होता है ना तो पुराने टाइम पे कि जो आप खुद से ही वो मार लेते थे तो उसको ये बोलते हैं बैनेट बोलते हैं बैनट ठीक है गन का बैनेट जिसमें वो चाकू होता है ना छोटा सा उसकी बात कर रहे हैं मूवीज वगैरह में देखा भी हो कई बार मारते हैं जब गोलियां खत्म हो जाती हैं इस टाइप से ठीक है बैनेट बोलते हैं उसको ट्रेनिंग में हमें सिखाया भी था ये वर्ड एग्जैक्टली exactly, ठीक है द मदर कुड नॉट डैश क्या नहीं कर पाई सचिन इंसल्ट को सहन नहीं कर पाए तो बियर हो जाएगा है ना बियर बी ई ए आर ये वाला बियर अलग है वो बेयर है बेयर यानी नंगे पैर वगैरह जो चलते हैं फुट है ना आगे रूबी गेव हर मदर अ हग एंड ऑफर्ड टू नीड द नीड किसको करते हैं आटे को अपनी माँ को हक किया और कहा कि मैं आटा लगा देती हूँ आटा बेसिकली क्या होता है एफ एल ओ यू आर है ना आगे वाइल्ड आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर माई फ्रेंड्स कॉल्स अच्छा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है सो वॉज ंग पास्ट है तो कॉल्स नहीं होगा कॉल्ड हो जाएगा पास्ट की बात चल रही है ना कॉल्ड मी एंड आस्ट मी आस्ट फॉर अ फेवर तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे आई पिकडअप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगेन टू डांस ग्रेसफुली सो मैंने अपनी लिटिल क्लॉक को उठाया और ये बेसिकली ग्रेसफुली क्या करने लगी डांस करती है चाइम करती है आई कैसे ना चाइम चाइम प्रेटीली सो so, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लॉक की जो आवाज करने मतलब आवाज होती है उसको चाइम बोलते हैं आगे प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन सी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज लिखते हैं है 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 ना फ्यू फ्यू नेक्स्ट नेक्स्ट डेज डेज नहीं आता है। next few days आपका होता है। तो ये गलत लिखा हुआ है ठीक है ऐसा क्या है नंबर्स बाद में लिखे जाते हैं और जो ऑर्डिनल्स होते हैं आपके पहले लिखे जाते हैं ठीक है फॉर द नेक्स्ट फाइव डेज नेक्स्ट सेवन डेज नेक्स्ट टू डेज ठीक है इस तरीके से लिखते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला

Which had already अकर्ड लिखेंगे या दैट इज लिखेंगे that has लिखेंगे देखो अगर ऑलरेडी आ रखा है इसका मतलब है कि आपका आएगा तो इज वाला आपका गलत हो जाता है अच्छा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हैव नहीं आ सकता प्लूरल आपका नहीं लिख सकेंगे और पास्ट की तो बात ही नहीं चल रही इज लीडिंग है तो यानी कि आपका परफेक्ट एंसर आ जाएगा दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स That bring, जो कि क्या लाते हैं basically, heat waves. कैसी heat waves आएंगी वगैरह इंक्रीजिंगली पावरफुल जाएंगे ट्रॉपिकल स्टॉन्स आ जाएंगे है ना ये सब बताया गया द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स मीन द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंग और इन फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि ह्यूमन हेल्थ पे जो बेसिकली इंपैक्ट है वो बढ़ रहा है एंड इज डैश एक्सेलरेट एंड इज हार्डली टू एक्सेलरेट लाइकली हो जाएगा संभावना है कि एक्सेलरेट हो जाएगा सो बेसिकली लाइकली टू एक्सेलरेट बट देयर इज रूम फॉर होप लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण तो बाकी है मतलब जगह है कि उम्मीद कर सकते हैं पर्टिकुलरली इफ गवर्नमेंट टेक एक्शन नाउ खास करके अगर गवर्नमेंट्स अब एक्शन लें टू डैश द प्लेज इज मेड एट ग्लासगो इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बेसिकली क्या करने के लिए सो ऑनर द प्लेस करेंगे प्लेज प्लेस का मतलब होता है सपथ जो ली थी सो so, सपथ को ऑनर करते हैं कीप करते हैं टेक करते हैं देखो टेक वो पहले ही कर चुके हैं तो इसको तो हटा देंगे ठीक है मेड करते हैं बेसिकली सो वॉच द प्लेस भी नहीं करते ऑनर द प्लेस का मतलब है जो शपथ लिया उसको निभाना प्यार किया तो निभाना ठीक है वादा निभाना वादा निभाने की बात है सो ऑनर द प्लेस होता है कीप द प्लेस नहीं होता कीप प्रॉमिस होता है लेकिन ऑनर द प्लेस होता है ध्यान रखेंगे है ना मेड एट ग्लासगो इन नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड टू गो फर्दर इन रिजोल्विंग द क्लाइमेट क्राइसिस डब्ल्यू एच ओ इज डैश गवर्नमेंट टू लीड अ जस्ट इक्विटेबल सो डब्ल्यू एच ओ इज क्या कर रहा है कॉलिंग एट गवर्नमेंट कॉलिंग ऑन कर रहा है कॉलिंग फॉर कर रहा है या कॉलिंग फ्रॉम कर रहा है देखो भाई कॉल ऑन आपका बेसिकली होता है किसी को एक तरीके से किसी व्यक्ति को जब हम विजिट करते हैं या उससे बात करते हैं तो कॉल ऑन संबड़ी होता है ठीक है तो बेसिकली उनको कॉल ऑन कर रहा है किस लिए टू लीड अ जस्ट इक्विटेबल जस्ट यानी कि फेयर इक्विटेबल फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूज एंड ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर तो ये आपका सारा कहा गया है बाकी मेरे भाई एक बार आपको आगे अब बढ़ेंगे हम अगले की तरफ उससे पहले बता दूं अगर आपने हमारा फाउंडेशन बैच चेकआउट नहीं किया तो आप कर सकते हैं बीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं मेंस का भी कर सकते हैं सारे बैचेस अवेलेबल हैं आरजी विक्रमजीत जाओ भाई अब आ जाते हैं हम लास्ट दिन की जो हमारी तीन शिफ्ट है वो और दो हमारी लास्ट के लिए और रहती है ग्यारह तारीख की है ना जो हमारी बीच में मिस हो गई थी उनको अंत में ही रखेंगे जो पेस्टिसाइड्स है पेस्टिसाइड्स की भी सही है शुड नॉट बी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं किया जाना चाहिए एज दे एलिमिनेट बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन बायोडाइवर्सिटी फ्यूचर जनरेशन सब ठीक है एलिफेंट्स ट्रबल मेनली बिकॉज पीपल डिजायर आइवरी देखो कई बार पढ़ भी लिया करो कई बार क्या होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्सट वर्ड जैसे पिछले में देयर वगैरह का दिया था तो वो भी मिल जाता है तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए एलिफेंट्स आर इन ट्रबल मेनली बिकॉज पीपल डिज़ायर आईवरी ट्रिंकलेट्स दैट आर मेड ऑफ टस्ट ऑफन ग्रूशमली किलिंग दैम टू अचीव देअर परपज बाकी ठीक लग रहा कोई ऐसा है नहीं वेनेटेड सिंगर वॉज ऑल्सो सीक्रेटिव वो सीक्रेटिव भी था मूडी था वेरी इंटेंस था फेमस फॉर एरेटिक एंड डिफिकल्टिवियर ठीक है जर्नलिज्म ऑफन द वर्क ऑफ पेंसटेकिंग रिगर एंडीवेरेंस अब परीवेरेंस की हम बात करते हैं तो पीई आर एस ई वीई आर एन सी ई होता है ना कि आर ई एन सी ई होता है ठीक है सो इस स्पेलिंग एर आपका यहीं पर मिल जाएगा तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है

आगे देखेंगे इज कॉस्टली को इंप्रूव करवाया चलो इंप्रूवमेंट का तो देख लेते हैं द चेयर चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली रिसेंटली वो जो मैंने अभी खरीदी है 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 इज कॉस्टली देन देन लगा रखा है। तो कंपेरेटिव डिग्री आएगा तो यहाँ पर कॉस्टली है यहाँ पर कॉस्टलीस्ट है यहाँ पर कॉस्टली है एक ही ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड मैन दैट सी हैड एवर मेट यानी कि एक ऐसा आदमी जिससे

तो जस्ट तो फेयर होता है प्रॉम्प तुरंत होता है स्कॉर्स आपका करेक्ट हो जाएगा हम नहीं बनेगा है ना आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन पोर्टेको अच्छा ये यही बताया इट इज कॉल्ड इसको ये बोला जाता है इट वॉज बिल्ड चालीस फोर्टी ईयर है थ्री हंड्रेड मीटर्स एक्स तो आसानी से कह सकते हैं ए सी शुरू होगा इट आया है बाकी सबके लिए सो तो ए वाला आपका हो जाएगा फीक्य का क्वेश्चन है अगला है आपका वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ

जिसका टोटल साइज बेसिकली क्या होगा बहुत बड़ा होगा कह सकते हैं सही है बाकी और ऑप्शन को देख लेते हैं अ अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ऑफ प्रॉब्लम दैट टोटल साइज इज नहीं होगा बड़ा साइज वाली बात करेंगे लार्ज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम लार्ज नहीं स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट साइज ऑफ विच इज नॉन एग्जिस्टेंट नहीं ये नहीं लिखेंगे तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अक्षय डैश हार्ड अब देखो ये पीडियम करनी है देखो तो अक्षय डैश हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव एंड के बाद में अगर है तो end के पहले भी बेसिकली क्या होगा वी टू आएगा तो studied आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे अगला है आपका देखो यहाँ पे आर एंड राइट लिटरेरी वर्क हेल्प रीडिफाइन डिस्कशन जो आर एंड राइट है उनके लिटरेरी जो वर्क हैं उन्होंने मदद करी रीडिफाइन करने में discussions. किस चीज़ के डिस्कशंस जो रेस तो रिलेशन बताना है संबंध बताना है संबंध बताने के लिए टू नहीं आता बाई नहीं आता बिसाइड नहीं आता ऑफ डिस्कशंस ऑफ समथिंग है ना आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आर ई सीई आईवी होता है तो आई बाद में आता है ई पहले आता है आर ई सीई आई वीई बाकी नेसेसरी नेसेसरी में सिंगल सी आता है डबल है ध्यान रखेंगे अकोमोडेट आपका सही है कोई दिक्कत नहीं है कई बार पूछा है, है, तो है। वॉजबर के साथ बनेगा वॉज है, 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 है ये हट जाएंगे यहाँ पे बींग आ गया ये भी हट जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे दिस लाइब्रेरी बिल्डिंग इज वेरी हाई एंड हैजेंटी फाइव फ्लोर हाई का एंटोनिम हाई मतलब ऊंचा तो एंटोनिम क्या आ जाएगा लो स्टडी जो बहुत मजबूत टाइप का होता है एलिवेटेड ऊंचा उठाया हुआ ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट देखो एरर पूछा गया है बेसिकली इसमें सो द टीचर सेंटेंस का सब्जेक्ट आस्ट आपकी वर्बे हिम उससे पूछा क्या कहा उससे कि नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग डिस्टर्ब मत करो द क्लास बट इट हैड

आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अब देखो फ्रॉम द फास्टेस्ट फोर्सेज कर सकते हैं एक यहां से भी आप हिंट ले सकते थे अच्छा क्यू देखेंगे द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इससे हम नहीं समझ पाएंगे कि इस पर एंड होगा या नहीं होगा आर देखेंगे द कंट्रोल ऑफ द यूएसआर यूएसएसआर तो इससे भी नहीं ले पाएंगे हिंट अब एक बार देख लेते हैं कि और कहां से मिलेगा दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड अब हम बात कर रहे हैं कि जिनको सोवियत आर्मी ने बेसिकली लिबरेट किया था तो देखो ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए क्या चाहिए एंटीसीडेंट चाहिए ठीक है सो हम आसानी से कह सकते हैं कि ओ के पहले क्यू आपका एंटीसीडेंट बन सकता है यूरोपी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिनको यू, सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था तो बेसिकली क्यू आएगा और उसके बाद में ओ आएगा अब देखिए यहां पे पहले क्यू है ओ है और यहां पे बेसिकली क्यू लास्ट में दे दिया तो ये आपका नहीं होगा ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सो एक बार पढ़ के भी देख लेंगे आप आफ्टर द सोवियत after the second world war after the second world war the control of the ussr that अच्छा ये तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया था इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूं ए ऑप्शन बनेगा ना ये तो एलिमिनेट हो रखा है यार ए बन जाएगा काफी टाइम से वीडियो बनाते बनाते दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है ना तो ये तो मैं कह ही रहा था कि दैट को एंटिसिडेंट चाहिए तो इसके जस्ट पहले बेसिकली ये आएगा q आएगा ठीक है तो q o बनेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट लिबरेटेड, और किससे लिबरेट किया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर ये आपका बनेगा तो ए बन जाएगा ठीक है आगे देखेंगे कई बार हो जाता है जो एलिमिनेट कर दिया है दिमाग थोड़ा कम काम करने लग जाता है चश्मा लगा लेता हूँ थोड़ा सही काम करेगा ऐसा लग रहा है मुझे है ना आ जाइए

पेंडेमिक की बात कर रहे हैं एंड द हार्म डैश चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट सो द द हार्म हार्म डैश डिड टू होगा डन टू होगा डज टू होगा देखो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपको वो वाला हार्म जो कि बच्चों के लिए किया गया है तो देखो आगे वर्ब दे रखिये तो यहाँ पे वर्ब का कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे हमें क्या चाहिए पार्टिसिपल डिड वर्ब बनेगी सीम्स वर्ब बनेगी डज वर्ब बनेगी एक ही आपका जो पार्टिसिपल है वो है डन टू वो हार्म जो बच्चों के लिए हुआ है नुकसान बच्चों के लिए हुआ है वो इंक्रीजिंगली एविडेंट है क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है अ रिकॉर्ड राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी चाइल्ड पॉवर्टी में बहुत बड़ा राइज आया है सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन डैश वैकेशन ऑन डिफरेंट इेगुलर रूटीन आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि एक लंबे वैकेशन पर रहे तो रूटीन वैकेशन की हम बात कर रहे हैं उनकी वजह से जो सेटबैक्स हुए हैं ठीक है सेटबैक्स टू प्रोग्रेस है, है ना आगे डिसरप्शन टू एजुकेशन फॉर एंटायर जनरेशन पूरी जनरेशन के लिए डिसरप्शन आया एजुकेशन में दैट हार्म एन अन इंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एफर्ट टू मैनेज द क्राइसिस ये बेसिकली ऐसे मतलब एक इमर्ज हुआ ये अन इंटेंडेड साइड इफेक्ट के रूप में सो दैट हारे इमर्ज ये बेसिकली निकल के आया है प्रेजेंट में पैसे चल रहा है पास्ट की बात ही नहीं कर रहे हम है ना तो आगे देखेंगे कोविड हैज बीन अली डिस तो यूनिकली डिसक्विलाइजिंग क्राइसिस रहा है लोब साइडेड डैश वैक्सीन असाइड लोब साइडेड एक्सेस या फिर कीप्स टू या ए, ये टू ये इनमें से आपको देखना है देखो सिंपल सी बात है लोब साइडेड एक्सेस जो है लोब साइडेड एक्सेस किसके लिए भाई वैक्सीन के लिए असाइड लर्निंग लॉसेस देखो अगर लोप साइडेड ये जो वैक्सीन को अलग रख दें जो एक्सेस था साइडेड एक्सेस की बात है एक ऐसा एक्सेस जो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था लोगों को सो so लोग साइडेड एक्सेस की बात कर रहे हैं मतलब पहुंच नहीं थी लोगों की अच्छे से वैक्सीन की जो लर्निंग लॉसेस थे वो बहुत बड़े एक लॉस रहे हैव है बीन ग्रेटेस्ट अमंग पुअस्ट चिल्ड्रन पुअरेस्ट चिल्ड्रन जो यानी ज्यादा गरीब बच्चे उनके बीच में एंड जॉब लॉसेज हैव बीन डिस प्रपोर्चुनेटली बॉर्न बाई वुमेन एंड यूथ यानी कि जॉब लॉस जो हुए हैं बेसिकली लोगों की जो नौकरी गई है वो वुमेन और यूथ ने बहुत देखा है एक्सटेंट फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन इन द ईयर एड सो बेसिकली वॉट नेक्स्ट फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन इन द ईयर दर आगे क्या है ये बेसिकली कहा गया इसमें एज इन द पास्ट टू ईयर जैसे कि पिछले दो साल में हुआ प्रोस्पेक्ट फॉर विल कंटिन्यू टू हिंज डैश हिंज मोस्ट ऑलमोस्ट माइनर या फॉरमोस्ट ऑन द पेंडेमिक एंड हाउ इट इज मैनेज तो बेसिकली क्या होगा

आगे देखो इसको अरेंज करना है एक बार अरेंज करके देखेंगे सिंपल होगा मुश्किल कुछ भी नहीं आया पी के अंदर इसमें देखो एंड नाव ही सो एंड से शुरू नहीं करेंगे ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं इसके बाद में देखते हैं ही से भी शुरू नहीं करना चाहिए हमें तो और एक बेसिकली सी में दे रखा है मिस्टर स्टेड वर्ड वैन टू मीट हर तो यहां से शुरू कर सकते हैं एक बार इसको देख लेते हैं ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली थर्टीन ईयर्स और उसके बाद में आपका ए आ जाएगा he remembered her ही रिमेंबर्ड हर एज सी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल एंड नाउ सी ही अ फ्रोजन लेडी करेक्ट बात ये है कि सी से शुरू हो जाएगा बाकी सब जगह उसके लिए ही लगा रखा है एक ही जगह नाम है ठीक है ये भी अरेंज करना है बहुत सिंपल है सेंटेंस अरेंज करना था वो वहां पे बेसिकली मल्टीपल सेंटेंसेस को अरेंज करना है यहाँ पे पार्ट्स को एक सेंटेंस बनाना है ठीक है सो दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ठीक है अ वाइज मैन वंस सेड That के बाद आ जाएगा पी आर हो गया है ना और इसके पहले वाइज मैन ने ये कहा था वाइज मैन वन तो क्यू आ जाएगा? क्यू पी आर से कौन सा बन रहा है आपका ठीक है देखेंगे अच्छा ये अरेंज करके सेंटेंस बना के दे रखा है तो कौन सा सही होगा ये पूछा गया है देखो द से तो शुरुआत एंड ये तो नहीं चलो ये ऑप्शन है देख लेते हैं द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म इज कंसीडर्ड ग्रीन बेल्ट ऐसा नहीं है इसको कंसिडर किया जाता है पहले यह होना चाहिए तो ग्रीन बेल्ट इज और कंसिडर्ड को लास्ट में लिखेंगे नहीं ग्रीन बेल्ट इज कंसिडर्ड क्या कंसिडर किया जाता है तो करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे जस्ट बाइट द डैश एंड टेल हिम बाइट द डस्ट आपका एकदम मीडियम होता है आसानी से फिल हो जाएगा है ना अच्छा जस्ट बाइट द डैश अच्छा बाइट द डस्ट भी होता है बाइट द बुलेट भी एक ईडियम होता है तो एक बार देख लेते हैं मीनिंग के हिसाब से क्या बनेगा जस्ट बाइट द द डैश एंड टेल ओके बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार मारना और बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि कोई काम जिसको हम अवॉइड करते आ रहे हैं उसको बेसिकली करना बेसिकली कहीं ना कहीं मैं कह रहा कि देखो भाई कि ये जो मुश्किल काम है लेकिन इसको करो और बेसिकली क्या करो बाइट द बुलेट करो और उसको सच्चाई बता दो तो बाइट द बुलेट बेटर आंसर ना कि डस्ट है ना एक बार जल्दी में हो सकता है ऐसा गलती देखते हैं इस बार इन आवर क्वेस्ट फॉर पावर वी ऑफन फेल टू एक्नोलेज एक्नोलेज की करेक्ट स्पेलिंग पूछिए तो देखो ए सी के एक तो डी जी ई आता है तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे डबल सी दे दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है करेक्ट ऑप्शन चार हो जाएगा देखो अगर बाई चांस इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है जल्दबाजी में पूरा रिकॉर्ड करके छोटा मोटा कोई ऐसा एरर रह जाता है किसी वर्ड को बताने में या स्पेलिंग को बताने में तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि यार इतनी सारे एफर्ट मारने में हल्की फुल्की कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है ठीक है तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा आप लोगों से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वैसे मैंने कोशिश करी है पूरी सावधानी रही लेकिन आप देखिए लगातार रात दिन लग के वीडियो बनती है ना तो फिर माइंड भी उतना उतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता है ना आ जाइए आई लाइक ब्रेड मेडअप ऑफ कॉर्न कॉर्न फ्लोर होता है आटा बेसिकली ये वाला हो जाएगा कॉर्न फ्लोर है ना आगे देखेंगे अगला है माई कलीग्स ऑलवेज वर्क लेटेस्ट देन मी देखो जैसे देखोगे लेटेस्ट के साथ देन नहीं आ सकता हम कहेंगे लेटर 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 देन 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 मी 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 है ना तो तो ये ये करेक्ट हो जाएगा me, तो ये, आपका ए ये ऑप्शन है ना नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन हिज बिहेवियर इज जनरली कंसिडर्ड टैबू टैबू होता है कोई भी ऐसा काम जो जनरली नहीं किया जाना चाहिए लोग जिसको ना करें तो इसका टैबू का बेसिकली एंटोनिम पूछा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा एक्सेप्टेबल कोई भी चीज़ जिसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते है, वो टैबू होता है जिसको नहीं किया जाना चाहिए, तो सारी बातें फॉलो करता है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो ओबीडियंस है कार्कस डेड बॉडी होती है उसी का तो आपका है ना गेल एक हवा होती है ठीक है प्रिजन जेल होती है स्क्रैप करना किसी चीज को पूरा मिटा देना आगे देखेंगे लाउड इनफ टू बी हर्ड जिसको सुना जा सकता है तो उसको ऑडिबल बोलते हैं ऑडेशियस तो बेसिकली आपका जो बोल्ड होता है ज्यादा ठीक है ऑडेसिटी इसी का नाउन फॉर्म है और ऑडिट ऑडिट करना जो audit करते हैं सीए वगैरह है है ना द टीम टीम डैश डैश अब देखो team dash, इसके लिए पूछा तो वर्ब की फॉर्म पूछिए करेक्ट तो सिंपल सी बात है गॉट इंजर्ड पास्ट की बात चल रही है तो विन नहीं होगा हैज वॉर्न नहीं होगा हैड हेडवॉन नहीं लगाएंगे अच्छा एक चीज और देखेंगे वॉच बॉन तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वॉच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे बेसिकली तो हेड बोन ही लिखना पड़ेगा देखो बिफोर और आफ्टर हो जाता है ना आपका बिफोर के साथ में आपका आता है 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 और मेन क्लॉज में, में परफेक्ट आ जाता है। देखेंगे नेक्स्ट इंसर्ट करने का मतलब कोई चीज किसी के अंदर डालना तो इंजेक्ट तो सिनोनिम हो जाएगा इनफॉर्म अलग हो जाएगा ठीक है रिमूव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे वेरिटी बेसिकली सच्चाई के लिए बोलते हैं तो इसको सब्सिट्यूट कौन कर सकता है कॉपरेशन इज अ गुड वर्च्यू नहीं सो वेरिटी का जो करेक्ट अगर सिनोनिम की बात करते हैं यहाँ पे इसको इंप्रूव करने में तो ट्रूथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ट्रूथ इज अ गुड वर्च्यू फॉर ह्यूमन लाइफ तो ट्रूथ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन नॉलेजन ये आपके अलग सेंस है ठीक है आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज उसको क्या बोलते हैं फंड बोलते हैं ना फंड रेजर करके चल रहे होते हैं आजकल लोगों ने देखा भी होगा आपने अगला आपका होता है बिन्सीज मदर हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट बेसिकली ये इडीएम होता है जिसका मतलब है अपनी जो भी ट्रिक्स हैं अपनी जो बातें हैं अपनी जो चीजें किसी को ना बताना सीक्रेट रखना तो कैप्टर प्लांस, आ, एंड थॉट्स सीक्रेट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है एप्टीट्यूड आपका ठीक है आपका ठीक है एक्सेसिबिलिटी ठीक है एट्रोसियस में सी आई ओ यू एस आपका लिखा जाता है सो तो एट्रोसियस एट्रोसियस हो जाएगा का होता है एट्रोसिटीज होती है अत्याचार एट्रोसियस का मतलब अत्याचारी नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका म्यूनिफिशेंट का मतलब होता है कोई जो बहुत ग्रांड है भव्य है सो so, इसका शिनॉनिम पूछा है तो मैग्नेनिमस हो जाएगा आपका है ना काइंड जेनरस टाइप का नेगेटिव वर्ड है माइजरली कंजूस होता है अंडर एप्रिशिएटेड जिसको उतना एप्रिशिएट ना किया गया हो आगे देखेंगे पैसे वॉइस का क्वेश्चन है हैज बीन सक्सेसफुली तो हैज प्लस या है प्लस की थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे हैज है यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हैज नहीं है यहाँ पे भी अच्छा हैज प्लस वी थ्री है यहाँ पे ठीक है तो लेकिन इश्यू को तो इधर ले जाएंगे तो ये वैसे एलिमिनेट हो जाएगा द कस्टमर केयर टीम सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचा आपका दैट इज ऑप्शन वन नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है गिल स्कोर्ड थ्री सेंचुरीज तो ये आप कह सकते हैं स्कोर्ड है तो पास्ट का इंडेफिनेट है तो वॉज वॉजबर्ग के साथ में बनेगा हेड नहीं आएगा हैज नहीं आएगा ठीक है यार बींग आ गया यहाँ पे इसीलिए ये भी नहीं आएगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा

द असैर्सन ये जो assert करते हैं ये जो बार बार कहते हैं डैश अनफाउंडेड ये बेसिकली क्या है तो देखो आ, हम ये कह सकते हैं अनफाउंडेड लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको पे या तो B तो बी की फॉर्म चाहिए होगी सेल के बाद नहीं आ सकता है कैन नॉट के साथ नहीं आ सकता है ठीक है मे नॉट भी है और एक सूर है सुड है सुड के बाद भी नहीं आ सकता है तो आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बन जाएगा ये करेक्ट आंसर है सो so हम आसानी से कह सकते हैं दिस मे नॉट बी एंटायरली अनफाउंडेड बी के बाद ही आ सकता है मॉडल के बाद में V1 आती है यहां पे V3 लगा रखे है है पे लगा ना recent history, recent history ये दिखाती कौन से फॉर की हम बात कर रहे हैं की कह रहे हैं क्या हम एलियन सिटीजन की कह रहे हैं हम कह रहे हैं कॉमन सिटीजन होते हैं ना हमारे उनकी बात कर रहे हैं ना कॉमन सिटीजन जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं ठीक है आगे देखेंगे तो सोशल मीडिया साइट किस तरीके से टोटेलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा रिजीम जहां पे एक ही व्यक्ति सारा शासन करता है आप आसानी से कह सकते हैं कि डिजिटल नेटवर्क्स जो हैं इंडिस्पेंसिबल रहे हैं तो सबसे पहले तो कैन नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद में एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे दैट इंडिस्पेंसिबल नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बाद में भी नहीं लगाएंगे सो वर इनडिस्पेंसिबल होगा या आपका बेसिकली हैब्बिन होगा ये आपको सोचना है तो देखो यहाँ पर पैसिव जो जो पैसेज है यहाँ पे आ रखा है इसका मतलब है, है बीन आ जाएगा क्योंकि आपका पास्ट में नहीं प्रेजेंट में चल रहा है ला रहे हैं ना भाई ब्रिंगिंग टूगेदर क्रिटिकल वॉइस अगेंस्ट अगेंस्ट किसी खराब चीज के तो जस्टिस के नहीं

सिंपल देखिए नही सब्जेक्ट है वॉज आपकी हेल्पिंग मतलब वॉज आपकी वर्ब है इंजर्ड आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब चाहिए बैड एडजेक्टिव होता है बैडली एडवर्ब होता है ना नेक्स्ट देखेंगे अगला है द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप सो नो ये सब्सिट्यूशन का है चीफ गेस्ट ने बेसिकली कंक्लूड करी स्पीच अपनी एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाई द ऑर्गेनाइजर्स अब देखो बाई लगा रखा है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको रिक्वेस्ट किया गया था वो किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप अपनी स्पीच खत्म करें इसका मतलब है पैसे आना चाहिए सो ही इज रिक्वेस्टेड नहीं आ सकता है क्योंकि पास्ट की बात चल रही है गलत हो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड सही है विल बी नहीं नहीं होगा no नो हो सकता आगे देखेंगे ये एक पैराग्राफ है इसको अरेंज करना है आपको एक बार खुद से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या बनेगा करेक्ट आंसर देखो शुरुआत में दे रखा है दिस फिगर विच फिगर आर बी टॉकिंग अबाउट नहीं पता ए ऑप्शन से शुरुआत नहीं कर सकते है ना द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स that india's urban population is growing at a देखो व्हाइल 82% ऑफ अमेरिकंस लिव इन अर्बन सेटिंग्स ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू तो सी से भी शुरू नहीं कर सकते हैं वैसे हम ठीक है बी से कर सकते हैं डी देख लेंगे इट इज स्टिल अ कंसीडरेबली स्मॉलर परसेंटेज तो डी से भी नहीं कर सकते हैं, पक्की बात है कि हम किससे शुरू करेंगे बी से शुरू कर रहे होंगे ठीक है सो so, बी से शुरू कर रहे होंगे तो पहले बी को ही पढ़ लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है एक ग्रो कर रही है बेसिकली वन पॉइंटेंट एनुअली वाइल कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ जीरो पॉइंट थ्री सेवन परसेंट एनुअली ये श्रिंक कर रही है, कम हो रही है ठीक है यहाँ पे आगे देखेंगे इट इज स्टिल कंसिडर देखो जैसे ही आपने देखा स्मॉलर परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि बी के जस्ट बाद में डी आपका बिल्कुल आ सकता है दोनों ही ऑप्शन में बी के बाद में डी दे रखा है ठीक तो, है तो इट इज स्टिल अ कंसिडरेबली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन देन इट इन द यूएस दैट रिसाइड्स इन अर्बन एरियाज अब यूएस की यहां पर बात करिए तो सिंपल सी बात है पहले यूएस की ही बात करेंगे तो सी पहले आएगा और ए आपका बाद में आएगा इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका सिलेक्ट एक्सप्रेस इन पैसे तो, वर है। तो वर्कशॉप के साथ में वर नहीं क्या आना चाहिए वॉज आना चाहिए करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे कस्टमरी का मतलब क्या होगा भाई कस्टमरी का मतलब है जो यूजली काम होता है जो हमेशा होता है एक कस्टम के तौर पर होता है रिवाज के तौर पर होता है इसका एंटोनिम बताना है तो अनयूजल हो जाएगा प्रोटेक्शन नहीं बनेगा फैशन नहीं हैबिचुअल नहीं मैनी अप्स एंड डाउन तो अप्स एंड डाउन्स का करेक्ट मीनिंग क्या है अच्छा टाइम बुरा टाइम जीवन का लाइट एंड डार्क नहीं होगा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं होगा ठीक मच एंड 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 नहीं तो गुड बैड टाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखेंगे हाई हाई ड्राई ड्राई का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसको अकेला छोड़ दिया जाए बिना किसी मदद के तो बेसिकली क्या सराउंडेड बाई पीपल नहीं होगा इम्पोवेरिस्ट बेसिकली गरीबी से होता है सुपरसीडिंग नहीं होगा हेल्पलेस हो जाएगा जिसकी कोई मदद करने के लिए ना हो नेक्स्ट देखेंगे अगला है आपका कॉय कॉय का एंटोनिम पूछा है मेरे भाई ठीक है कॉय का एंटोनिम पूछा है एक है आपका रिसेंट एक है आपका साई, एक है है आपका एक देखो के लिए होता शर्मिला अगर शर्मिला है तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा एक्स्ट्रोवर्टेड सिनोनिम क्या बनेगा साय अपटाइट कुछ नहीं अपराइट होता तो फिर भी सोचते लेकिन अपटाइट नहीं होनेगा है ना आगे देखेंगे माई सिस्टर एंड आई वर्क हार्ड आई वर्क वेरी हार्ड मैं और मेरी सिस्टर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं नेवर द लेस अब देखो जैसे ही सेंटेंस को यहां से पढ़ेंगे माई सिस्टर सब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन है आई वी सब्जेक्ट है यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब आ गई वर्क और कैसे वर्क करते हैं वेरी हार्ड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है इसके बाद में एक नई क्लॉज शुरू हो रही है माई ब्रदर मेरा भाई जो है ये डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम लेकिन वो कोई ऐसा टास्क नहीं करता है जो उसको असाइन किया जाता है आप कहोगे कि टेंस तो एकदम सही है यहाँ भी प्रेजेंट था यहाँ भी प्रेजेंट है अगर सब सही है तो गलत क्या है तो देखो भाई दो क्लॉज है दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होता है नेवर द लेस हो गया हाउ एवर हो गया ये सब आपके कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ये सेंटेंस को ग्रामेटिकली नहीं जोड़ते हैं मीनिंगफुली जोड़ते हैं बस मैंने ये इसी वीडियो में बताया भी आपको एक दो बार है ना तो नेवर द लेस तो एक कंजंक्टिव एडवर्ब है क्लोजटेस्ट जो आया था ना पहला ही उसमें ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को जहाँ पर बहुत सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स लगा रखे थे सो कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं लगाएंगे तो कंजंक्शन लगाना है बट लगा दीजिए सिंपल सा बन जाएगा ठीक है बट लगा दीजिए काम चल जाएगा तो कौन से पार्ट में एरर है ए पार्ट में ठीक है ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लोग इनको पढ़ाते नहीं है हमारे सारे बैचेस में मैंने पढ़ा रखा है कंजंक्टिव एडवर्स में पढ़ाता हूँ हमेशा ही स्टडी ऑफ लाइंग एयरप्लेन्स को क्या बोलते हैं बेसिकली एयरप्लेन को उड़ाने की स्टडी अल्केमी बेसिकली क्या होता है नॉर्मल चीजों को गोल्ड में बदलना एस्ट्रोनॉमी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली साउंड से रिलेटेड होता है आपका ठीक है अच्छा एस्ट्रोनॉमी और एविएशन एस्ट्रोनॉमी बेसिकली होता है खगोल वाला

एक्टिव में लाने के लिए हम कह सकते हैं हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड आ जाएगा यहाँ पे हेड लगा रखा है मिनिस्टर के लिए हैव लगा दिया गलत हो जाएगा सिंगुलर चाहिए था ये आपका करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे वी विल हैव टू डैश पुट द मीटिंग अवे सो पुट द मीटिंग अवे एज द डॉक्टर डायरेक्टर इज नॉट वेल पुट द मीटिंग अवे नहीं होता है पुट ऑफ करते हैं आपका put away नहीं होता है, है so पोस्टपोन हो करना put off यानि कि पोस्ट करना किसी चीज़ को एक होता है जिसका जिसका मतलब मतलब करना होता है मतलब पोस्टपोन पोस्ट के लिए प्रोकास्टिनेट करके एक वर्ड आता है उसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है आगे देखेंगे मतलब होता है कोई बहुत बुरा घास एकदम खतरनाक सा तो घासली वाला सिनोनिम है रूडली वाले सिनोनिम की कैटेगरी में आएंगे प्लीजेंटली और कंफर्टिंग ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोनों ही आपके पॉजिटिव वर्ड है दोनों को नेगेटिव होना चाहिए मतलब नेगेटिव होते तो सिनोनिम होते तो नेगेटिव वर्ड के लिए पॉजिटिव सिनोनिम बन जाएगा है ना अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको 16 नंबर क्वेश्चन है सो ही वांटेड टू गो ऑन अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड वर्ल्ड टूर बट ही वॉज टू बिकम सिवियरली सी सिक देखो सबसे पहले तो बी पे एंड नहीं कर सकते हो बिकॉज ये वॉज पे एंड हो रहा है तो ये आपका गलत हो जाता है ठीक है इसके अलावा अ वर्ल्ड टूर और इससे यानी बी से शुरुआत भी नहीं कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं एक डी से शुरू हो रहा है और एक ए से शुरू हो रहा है ठीक है अब देख लेते हैं ए से शुरू अगर हम कर देते हैं टू बिकम सिवियरली सी सिक ही वॉन्टेड टू गो ऑन और गो ऑन पे करना है ठीक है अ वर्ल्ड टू बट ही देखो he was के बाद में भी हम क्या कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका सी ऑप्शन आ सकता है क्योंकि इसी में आपका नर्वस फ्लायर है इसका मतलब है सी आपका बन जाएगा यहाँ से तो बी के बाद में जस्ट सी आएगा अब देखो इसमें बी के बाद में सी है और इसमें भी बी के बाद में सी है लेकिन इसमें क्या कर रखा है ए को बाद में दे दिया इसमें शुरुआत में दे दिया है अब हम ए को शुरुआत में नहीं लगाएंगे ए क्योंकि सब्जेक्ट को नहीं बता रहा है डी से शुरुआत करेंगे ही वॉन्टेड टू गो ऑन वर्ल्ड टूर वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता था बट लेकिन ही वॉज अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड अब टेंड के साथ में टू टेंडेडिशन फिक्स है यहां से भी हम लगा सकते थे टेंड के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है तो ए वाला आ जाएगा मतलब तो टू प्रेपोजिशन कह सकते हैं या आपका इन्फिनेटिव आता है जनरली ठीक है टेंडेड टू टेंड टू डू समथिंग टेंड टू डू समथिंग यानी कि किसी की टेंडेंसी को हम दिखाना चाहते हैं तो ये आपका लास्ट में ही आ जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है ये भी पीक्यूरस का ही क्वेश्चन है इसको भी देख लेंगे एक बार। देखेंगे एक बार बार फटा देखेंगे फटाफट से इज द रिस्क से शुरू कर नहीं सकते तो देखो आगे देखेंगे वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंस यानी कि कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंस को सीडीएस बोला गया है फ्रॉम इम प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग मैथडोलॉजी पैटर्न एंड डी एन एविडेंस तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे लिख रखी है ठीक है तो देखो यहाँ से सबसे पहले तुम ये कह सकते हैं सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ए पार्ट में बन सकता है वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स जो बन प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि एनकाउंटर किए जाते हैं और एनकाउंटर के साथ में कब इनकाउंटर किए जा सकते हैं तो ड्यूरिंग यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हो ड्यूरिंग द एनालिस किसका एनालिसिस भाई सी डी एस का ठीक है तो आसानी से कह सकते हैं हम के ए के बाद में आपका बेसिकली क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा अब यहां पे देखो ए के बाद में सी है यहां पे नहीं है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा से से आंसर आपका बन सकता आसानी से है है आसानी ना सो ड्यूरिंग ठीक है अच्छा एक पहले में भी ए सी है लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि वो ई से शुरू हो रहा है तो वो तो होना ही नहीं है ठीक है शुरू आपका बी से ही होगा उससे मतलब ए से होगा ए से नहीं मतलब ए से शुरू होगा ई से नहीं होगा ठीक है अब माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो चुका पूरे तरीके से खत्म हो चुका है अब आप खुद भी समझते हैं यार इतना लंबा वीडियो एक साथ में बनाना ऐसे पॉसिबल नहीं होता ठीक है थेके? और सिर्फ वीडियो ही नहीं बना रहे हैं बीच बीच में और भी वीडियोस जहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत आ गया है वो बना के चैनल पर डालना कोई और चीज़ आ गई है वो करना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं देखिएगा करेक्ट स्पेलिंग आपका पूछा है बेसिकली

तेज़ एंटोनीम क्या प्रयास जल्दी -जल्दी करेंगे ग्लोबल प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग को एक मेजर प्रॉब्लम बताया गया यहाँ पे ठीक है द रिजल्ट विल बी द प्रॉब्लम्स और ये जो रिजल्ट है ये प्रॉब्लम्स होंगी क्रिएटेड बाई द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द आर्कटिक रीजन आर्कटिक रीजन के टेम्परेचर के बढ़ने से एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट के तौर पर डैश so इन रेनफॉल एंडिकेशन अल्टरेशन या जाएगी तो जैसे ही आप देखोगे देखो रेनफॉल में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है तो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इनमें बेसिकली देखो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग कभी भी स्टेबिलाईज नहीं करेगा कभी भी फिक्स नहीं करेगा चीजों को और कभी भी स्टेग्नेशन नहीं आएगा अल्टरेशन आएगा बदलाव आएगा चेंजेस आएगा अल्टरेशन आएगा इन रेनफॉल में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में ये अफेक्ट करेगा बेसिकली किसको अफेक्ट देखो एक चीज यहां से भी निकाल सकते थे ये बेसिकली आपकी वर्ब है अफेक्ट अफेक्ट प्लूरल फॉर्म में दिए तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा सब्जेक्ट आपका यहीं पर आना है क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट है रेनफॉल और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो प्लूरल होना चाहिए था वो सिर्फ अल्टरेशन ही है बाकी सब आपके सिंगुलर फॉर्म में दे रखे हैं है ना अफेक्ट करता है माइग्रेशन पैटर्न को फीडिंग बिहेवियर को एंड ब्रीडिंग प्रेफरेंसेज को ऑफ न्यूमरस बर्ड स्पेसीज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है मे ऑल्सो ऑल्टर ओशियन करेंट्स को ऑल्टर कर सकता है विच मे ऑल्टर ये जो कि ऑल्टर करेगा बेसिकली किस चीज को द डैश इकोलॉजी पूरे इकोलॉजी को एज अ होल मतलब कंप्लीट तौर पे इकोलॉजी को क्या करेगा द डैश इकोलॉजी सो विशियस इकोलॉजी सॉरी ग्रासलैंड लैंडस्केप मरीन या बायोस्पियर तो जैसे ही आप देखेंगे यहां पे हम बात कर रहे हैं द इंक्रीज इन द टेम्परेचर में ऑल्सो अल्टर ओशियन करेंट्स ओशियन की बात कर रहे हैं सो so ओशियन की इकोलॉजी बेसिकली कौन सी कहलाती है मरीन इकोलॉजी ठीक है एज अ होल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑन गोइंग मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आर्कटिक की मेल्टिंग के लिए दिस विल रिजल्ट इन अ डैश लूप किसके लूप की बात कर रहे हैं मॉडरेट फीबल जेंटल या विशियस देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए जो कि विशियस ही है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना विशियस लूप क्योंकि एक ऐसा रिजल्ट आएगा ना खतरनाक सा बुरा सिंस ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द हीट इन द एटमोस्फियर क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप करती है हीट को एटमोसफियर में एंड द एडिशनल एमिशंस मे डैश और जो एडिशनल एमिशंस है मे क्या कर सकते हैं वो एक्सीलरेट करेंगे हेंडर करेंगे या रिप्रेस करेंगे देखो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगे उसको हिंडर रिप्रेस या रिस्ट्रेन नहीं करेंगे बढ़ाने का सेंस है तो मे एक्सिलेट द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस नाउ द ओनली वे टू रिवर्स द हार्म इज फॉर एवरी पर्सन टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जो एकमात्र तरीका है जिसको इसको बदलने का यह है कि भाई हर व्यक्ति इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हो दिस में ऑफर अस होप दैट वी विल बी एबल टू लीव अ ग्रीन प्लेट प्लेनेट टू आवर फ्यूचर जनरस यही एक होप ऑफर करता है जिसमें हम ये कह सकते हैं क्या ये हमारे प्लेनेट को बेसिकली कैसा छोड़ देगा ग्रीन छोड़ के जा सकते हैं हम हु प्रेजेंटली अपियर टू बी फेस डैश क्या फेस करेंगे रेनोवेशन साल एक्सटिंक्शन या रिडम्सन सिंपल सी बात है कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सटिंक्शन हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो विलुप्त हो जाएंगे ठीक है तो ये 26 का तीसरा था तो सारे दिन के हो गए बस 11 के दो सेट रहते हैं अब हम उन पर ही आएंगे उन पर आने से पहले आपको बता दूं अगर आपने अब तक पॉकेट रॉकेट नहीं मंगाई है जरूर मंगा लें और भाई इससे भी बड़ा तगड़ा कुछ किताब है तो वो आपका इंग्लिश रामबाण रामबाण भाई इसका नाम ही इसीलिए है क्योंकि सच में रामबाण है इंग्लिश की सारी समस्याओं का इलाज है आ जाइए भाई बाकी वी बैच तो आपका है ही अगर आपको क्लासेस के थ्रू पढ़ना है तो वी बैच लें बढ़िया से पढ़ें मस्त पढ़ें इंजॉय करें आराम से आ जाइए शुरुआत करेंगे अब ग्यारह तारीख पे फाइनली हम आ गए एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं तो मेरे भाई लाइक और शेयर करना आप लोगों का जरूर बनता है ना आ जाइए नीदर माई ब्रदर ना तो मेरा भाई नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ ब्रदर्स इन एकदम सही लिखा हुआ है ठीक है क्योंकि नॉर्थ और नीदर का पेयर भी सही है तो इस पार्ट को तो सही मान लेंगे तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आगे वर्ब आ गई अटेंडेड पास्ट का टेंस है तो इसमें इसमें इसके हिसाब से होगी हो वर्ब यही मान लेते हैं क्योंकि सिंगुलर का कोई सीन इसमें है नहीं क्या अटेंड नहीं करा मेरे भाई द मीटिंग मीटिंग अटेंड नहीं की क्यों नहीं की एज हिज हेल्थ सबसे पहले तो आपको हिज हेल्थ को देख के लगना चाहिए क्योंकि वर्ब अगर इसके हिसाब से आई तो देयर हेल्थ आना चाहिए यहाँ पे ठीक है तो बाकी हिज चल सकता है अगर हम अपने भाई की हेल्थ की बात कर रहे हैं ठीक है तो वैसे देयर आपका बेटर आंसर होता है यहाँ पे बाकी इज नहीं आएगा हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस आपका किस में चल रहा है पास्ट में चल रहा है अगली बात ये भी है कि नॉट मोर गुड नहीं होना चाहिए सिर्फ गुड लिखनी चाहिए कि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आप आसानी से कह सकते हैं फोर्थ पार्ट में आपका एरर है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है और ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं तो इसको अरेंज करना है आपको कैसे करना है ये देख लेते हैं एक बार देखो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि क्यू पे आप एंड नहीं कर सकते हो क्योंकि कैन भी यहाँ पे लगा रखा है इसके आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा अच्छा कैन बी के आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे आप तो आसानी से ये कह सकते हैं कि क्यू के जस्ट बाद में कैन बी हार्स लिख सकते हो कैन बी ब्रिंग आ नहीं सकता है कैन बी काइंडनेस आनी सकता है पक्की बात है कि क्यू के बाद में आपका क्या आना चाहिए आर आना चाहिए क्यू के बाद में आर आएगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो आपके बन जाते हैं अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा आएगा एक में ओपी है और एक में पीओ है तो देखो ओपी अगर हम लगाएंगे तो इसका काइंडनेस एंड एमपैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी सही बात है तो काइंडनेस और इम्पैथी लाइट लेके आती है तो आपका बेसिकली पी आएगा और फिर आपका ओ आएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है सी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकरेक्टली करेक्टली वर्ड देखना है तो देखो जैसे ही आप देखेंगे रिसीव्ड आर ई सी ई आई वी ई डी आपको लिखना चाहिए तो सीई आई -E होता है ना कि ये वाला ठीक है

आके देखेंगे अगला आपका है एंटोनियम पूछा है मीएंडर, मीएंडर का मतलब होता है घूम फिर के जाना कहीं पे है ना इधर टहल लिए यहाँ चले गए ये मियंडर करना होता है तो इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा एकदम सीधे डायरेक्ट तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा कंफर्म डेप्यूटाइज करना डेप्यूटाइज करने का मतलब किसी को डेप्यूटी बनाना एक तरीके से है ना काम किसी को देना रेम्बल करना भी नहीं बनेगा आगे देखेंगे जियोपार्डाइज का एंटोनियम को खतरे में डाल देना खतरे में डाल देना इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा सेफ गार्ड करना रिस्क पेरिल जेप ये आपके एंटोनिम की कैटेगरी में नहीं आएंगे सिनोनिम आएंगे टू ऑफ द फ्यूजिटिव का मतलब होता है बेसिकली जो भगोड़े होते हैं मैनेज टू रिमेन फ्री बाई अडेप्टी अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस पुलिस बेसिकली क्या करती है पुलिस खोज कर रही होती है किसी की किसी की खोज को बेसिकली डिस्कवरी नहीं बोलते हैं डिस्कवरी किसी स्थान वगैरह की होती है व्यक्ति के लिए परस्यूट बोलते हैं परस्यूट ऑफ पुलिस ठीक है नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है

कराते कराते दिमाग थोड़ा सा सा ना हिल गया है तो तो अब देखो की तो बना देगा इसके आगे तो तो मतलब तो वर नहीं आ सकता है क्योंकि प्रोग्राम सिंगुलर है आपका तो ये गलत हो जाएगा वर नहीं आ सकता है गलत हो जाएगा एक यहाँ पे वर्ज नाउ सोइंग नाउ सोइंग क्या द ब्लड फेसेस ब्लड फेसेस ऑफ द

Cold liver, cold liver, यानि कि यहां से बना सकते न्यूट्रिशनल तो सप्लीमेंट मतलब so, तो जैसे ही देखेंगे दिस सप्लीमेंट यहाँ पे आ रखा है तो पक्की बात है डी के बाद में सी आएगा आपका है ना डी के बाद में सी आएगा यहाँ पे डी है और यहाँ पे उल्टा कर दिया तो ये आपका नहीं बनेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ए बी है ना ए बी आपका

miserable या profin profin होता है दूषित करना solemnity नहीं होगा आगे देखेंगे each candidate was making tall promises was making है तो was या were के साथ में being made आ जाएगा यहाँ पे है यहाँ पे r कर दिया will कर दिया r कर दिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट देखेंगे jump the gun का मतलब होता है कोई बेसिकली तुरंत कंक्लूजन निकाल देना है तुरंत एक्ट कर जाना है ना टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन नहीं होगा यूज गन नहीं होगा तो बेसिकली ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली नेक्स्ट देखेंगे लाइला इज द कंसर्ट कंसर्ट बेसिकली हस्बैंड या वाइफ को बोल रहे होते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा एल्कोहलिक तो नहीं होगा ठीक है पार्टनर फोई एनिमी वैसे अगर लिटरल सेंस पे चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि एनिमी ही होता है ठीक है पार्टनर घर में ऐसा है नहीं पार्टनर होता है ठीक है ऐसा लगता है दुश्मन टाइप का कई बार लेकिन होता नहीं सच्चा है सच्चाई ये है ना पार्टनर होता है आगे देखेंगे राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट देखो एज और सो के बाद में टिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री आती है एज स्मार्ट एज लिखना चाहिए ये एज एज सिमिली बोलते हैं सिमली में आपका पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं ना कि कंपेरेटिव कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड नंबर है ना नेक्स्ट देखेंगे तो स्मार्टर की जगह स्मार्ट आ जाएगा भाई ठीक है आगे देखेंगे अरेंज करके भाई जल्दी जल्दी पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स ये तो सिंपल ऐसे ही हो रहा है भाई इनके बाद में ये आएगा ओपी तो आपका पक्का बन जाएगा है ना तो देखो ओ पी गलत हो रहा है यहाँ पे ओ पी यहाँ पे है ओ पी गलत हो रहा है यहाँ पे ओ पी यहाँ पे है तो दो ऑप्शन तो आप कैसे ही गलत हो जाते हैं ठीक है और क्यू अमंग द दर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री वी विल सी एस पे एंड नहीं कर सकते हम है ना एक तो ये बात कह सकते हैं आर पे भी इसी क्या है पॉपुलेशन श्रिंकिंग इन दैट पीरियड श्रिंकेज इन दैट पीरियड आर पे कर सकते हैं वेरी मच पॉसिबल अमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज इस पर ज्यादा सही लग रहा है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं एक बार क्यू से स्टार्ट करके देखेंगे मंग दर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज और फिर वो आ जाए पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल देखो जैसे ही आपने देखा ना वेयर एज मैनी कंट्रीज विल सी क्या देखेंगी पॉपुलेशन श्रिंकेज देखेंगी तो हम आसानी से कह सकते हैं सी का ऑब्जेक्ट आपका पॉपुलेशन श्रिंकेज बन सकता है बस पक्की बात है कि एस आर आपका पेयर बनाएगा एस आर अगर आपका पेयर बनाएगा तो क्या यहां पर एसआर का पेयर है आपको बिल्कुल भी नहीं है क्या यहाँ पे है? आपको बिल्कुल है ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आगे देखेंगे द कार वॉज रिपेयर बाई द मकैनिक पैसे बनाना है was repaired है तो आपका रिपेयर नहीं होगा हैज नहीं होगा इज नहीं होगा थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है आगे क्लोज टेस्ट आ जाता है एक बार जल्दी से पढ़ेंगे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ वीडियो को पॉज करेंगे आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे देखो अपियरेंसिस मे नॉट रिवील द मैन अपियरेंस जो होते हैं दिखा जो जैसा आदमी दिखता है वैसा जरूरी नहीं रिवील करें सो यू शुड नॉट मेक डैश अबाउट अ मैंस कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही डैस सो आपको क्या नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट मेक अजम्स अजम्संस आपको नहीं कर लाने चाहिए ठीक है अबाउट अ मैंस कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही डैस वो जैसा लगता है वैसा सो हाउ ही लुक्स आसान कह सकते हैं ये पता नहीं इन क्लोज टेस्ट को जब रिव्यू आ रहे थे ना जब शिफ्ट के रिव्यू चल रहे थे उस टाइम पर मैं थोड़ा सा बिजी था घर में ऐसे ही कैजुअलिटी हो गई थी तो वहाँ पर तो बस मैं टेलीग्राम पे पढ़ रहा था क्लोजेस्ट बहुत मुश्किल आए दो मुश्किल आए हैं यार ये हर शिफ्ट में एक ही रिव्यू था कि क्लोजटेस्ट मुस्किल क्लोजटेस्ट हार्ड ये हार्ड थोड़े ना मेरे भाई अगर ढंग से मेहनत करी होती है तो वैसे ही आप मतलब आपने ग्रामर व नहीं भी पढ़ी है या रीडिंग भी नहीं करी है तो भी आप आसानी से मार सकते हो इनको आदमी ये थोड़े ना आदमी ग्लिटर करेगा आदमी एडमिट करेगा आदमी लुक करता है यार सिंपल सी बात है पीपल स्माइल एंड स्माइल कई बार क्या होता है लोग स्माइल करते हैं और स्माइल करते हैं एंड येट प्रूव टू बी डैश लेकिन फिर भी कई बार कैसे हो सकता है तो यह टाइप का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है इधर खुशी है तो इधर गम होगा कभी खुशी कभी गम तो स्पार्कलिंग जॉयफुल ये नहीं हो सकते हैं ग्रम पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही नेगेटिव वर्ड है ऑन दी अदर हैंड बल्कि दूसरी साइड हम ये भी कह सकते हैं पीपल विथ रफ एक्सटीरियर जिनके एक्सटीरियर यानी कि बॉडी ऐसी होती है रफ होती है जिनको देख के लगता है कतई जल्लाद किस्म का आदमी है ठीक है प्रूव टू बी द डैश एंड मोस्ट कंसिडरेड पीपल ऑन अर्थ वो कैसे निकलेंगे तो ऐसे लोग अच्छे निकलेंगे तो काइंडेस्ट हो जाएगा सिंपल सी बात है ग्लूमियस नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव है है बिटर पॉजिटिव एक ही शब्द है दे आर द पीपल वो वो लोग हैं हु आर फ्रॉम डैश डैस जो अंदर से ब्यूटीफुल है अंदर से ब्यूटीफुल है तो एक्सटीरियर स्टाइल पर्सनैलिटी नहीं होगा विद इन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बढ़ेंगे भाई दिस इज द लास्ट सेट ऑफ दिस वीडियो सो अगर आप लोगों को लगा है कि मेहनत हुई है तो एक बार लाइक शेयर कर दें और भाई इस मेहनत में मैं अकेला शामिल नहीं हूं पूरी टीम पीपीटी बनाने से लेके सारी चीजों में पूरी टीम ने भी बड़ा सपोर्ट किया है ठीक है आराम से यहाँ पर साथ बैठना भी एक बड़ी बात होती है अच्छा लगता है ये जब लोग बैठे होते हैं छोटे छोटे कई सारे छोटे मोटे लोग ठीक है तो, सिर्फ छोटे छोटे कहना सही नहीं है छोटे मोटे कह देना चाहिए है ना तो ऑल द ऑल द सेप्स इन द वर्ल्ड आर फेमस आगे देखेंगे वेन आई सो हिम, जब मैंने उसको देखा आई विल आस्क अब आई विल आस्को फ्यूचर है तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस आना चाहिए इसका मतलब है वेन आई सी हिम जब मैं उसको देखूंगा जब उससे मैं मिलूंगा तो आई विल आस्को इधर विल प्लस भी बने तो इधर वी बना जाएगा आगे देखेंगे पैरामाउंट का सिनोनिम पूछा पैरामाउंट होता है टॉप लेवल है ना सिनोनिम तो इनफीरियर नहीं होगा, नहीं होगा आपका हो जाएगा. होता, है. जो होता है जो पूरा ध्यान देता है प्रोविडेंट है जो चीजें प्रोवाइड करता है फ्यूचर के लिए वाइल्ड नहीं होगा तो लैक्स आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर छण जो होता है टूट जाए जो आसानी से

द लेटर वॉज बिंग टाइप्ड वॉज बिंग टाइप्ड है तो ये तो पास्ट का का पैसे बनाया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस विल से नहीं बनता है ठीक है इसमें तो है ही नहीं इसमें भी इज इस है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे अ ये तो बहुत बार पढ़ाया कैनेडा की ये करेंसी है डाइम अ अडाइमर डजन का मतलब एक रुपए का दर्जन भर मिल रहा है कोई चीज तो बहुत कॉमन है इजिली अवेलेबल है इसीलिए सस्ती है वेराइटी नहीं होगा इम्यूनिटी इज वेरी वेल्थी नहीं होगा तो समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल नेक्स्ट देखेंगे एक्सपर्टाइज का सिनोनिम पूछा है. यानी कि कोई एक्सपर्टाइज है यानी कि आप किसी चीज के हैं. तो proficiency correct हो जाएगा, ignorance, lack हो तो हो या नहीं होगा. ये ये में आ जाएंगे. अब देखो ये spelling का question है. सो टम्बलर कंटेनर कंटेनर एकदम सही है टम्बलर भी ठीक है Quench जो होता है उसमें क्यू एन सी एच होता है प्यास बुझाना बेसिकली है ना ऑफर भी सही है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाली वाला नेक्स्ट देखेंगे PQRS का क्वेश्चन एक बार अरेंज करेंगे आसानी से it, with पे एंड नहीं करेंगे तो क्यू पे एंड नहीं होना है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ पावरफुल टूल ठीक है देखो टूल फॉर समथिंग हो सकता है आसानी से कह सकते हैं ठीक है थीके? दूसरा विथ के बाद में सिर्फ विथ नॉलेज इज अ पावरफुल नहीं हो सकता नॉलेज का ऑब्जेक्ट चाहिए तो एन ओपन माइंड है ना तो आसानी से कह सकते हैं कि क्यू के बाद में आपका पी आना चाहिए था तो यहाँ पे देखेंगे क्यू के बाद में पी आ रखा है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और तो कहीं आ ही नहीं रखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला तो देख लेंगे एक बार पढ़ के भी देख लिया करो नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीक इट विथ ओपन माइंड तो इसको ओपन माइंड के साथ में बेसिकली सीख करना चाहिए यानी कि नॉलेज को देखो भाई कहा गया uh, है कि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है सोल्यूशंस सोल्यूशन आपका सब्जेक्ट है और किस चीज के सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स देखो इंटीरियर एक्सटीरियर तो घरों के होते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं तो इंटरनल आपका होना चाहिए बाकी फिर भी एक बार पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं ठीक है सो इंटरनल आपका हो जाएगा यहाँ पर कायदे से तो बाकी देख लेते हैं प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे बहुत दूर है यानी बाकी सब सही लग रहा है तो इसी पार्ट में एरर हो जाएगा इंटीरियर की जगह पर इंटरनल आ जाएगा आगे सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन सक्सेस यानी सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है ये तो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है एक जर्नी है तो सक्सेस का एंटोनिम पूछा है यानी सक्सेस का एंटोनिम क्या है फेलियर करेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट देखेंगे हिज स्पीच ऑलवेज पीपल फॉर वर्क अब देखो पूछा है सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड अब बोल्ड का सिनोनिम पूछा है तो इसमें से किसका सिनोनिम बन रहा है वॉग तो धुंधला होता है इनमें से किसी का सिनोनिम नहीं है इन आर्टिकुलेट तो एंटोनियम तो बन जाएगा तो यह भी नहीं बनेगा Articulate, इसका eloquent का बन जाएगा तो यही bold में ठीक ठीक है 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 बाकी सब है, आगे देखेंगे देखते हैं हैं को एक बार किसकी की हम बात कर रहे यानी कि कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा पहले कि कोई वापस आया है अब देखो दे जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून यानी वापस ये लोग आए पक्की बात है कि सी के बाद में आपका क्या पेयर बनेगा ए का पेयर बनेगा और उनकी होम कमिंग हुई है फिर यहाँ से हम कह सकते हैं जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव पहले वो आए उनके स्वागत में क्या किया गया है ये कह सकते हैं उसके बाद में हम अब देखो सीए के पेयर से भी बना सकते हैं क्वेश्चन कितनी जगह सीए का पेयर है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो एक ही में है यहाँ से बन जाता बाकी दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो डी है उसमें गेस्ट आए और गेस्ट आए तो जो कारने कारने लड़का है उसने खुद को लॉक कर लिया और गोली मार ली और यही इसके लिए शौक था तो कायदे से लोगों को लगेगा बी लास्ट में आना चाहिए देखो बी कई बार अपनी जैसे कई बार होता है ना आपको मूवीज आपने देखी होंगी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कई बार क्या करते हैं जो एंडिंग है शुरू में दे देते हैं कौन मरा वो बता देंगे उसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है कि कोई कैसे मरा कोई भी बड़ा काम जो होता है तो कई बार स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आदमी को और मतलब इंगेज कर लें शुरुआत से ही उसके लिए क्या करते हैं कि बाद में सारी कहानी बनती रहेगी पहले ये बताते हो कि हुआ क्या था आजकल ऐसा होता ही है तो ये बेसिकली वही काम कर रखा है कि स्टार्टिंग में दे दिया इट मस्ट हैव बीन अ अ टेरिबल शॉक फॉर एक एक यंग गर्ल के लिए बड़ा एक रहा होगा क्या चीज शौक रही होगी तो बस यही यहां पर दो एक महीने के लिए मैरिड थे हनीमून से वापस आए थे उनके सेलिब्रेशन के लिए ये किया गया था गेस्ट आए उसने लॉक कर लिया मार लिया ये शौक रहा था ठीक है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आगे देखेंगे अगला आपका ही मस्ट डिलीवर पिज्जा तो मस्ट बी डिलीवर्ड वाला कलेक्ट करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे अगला आपका द डैश यानी क्रक्स का बेसिकली पूछा गया क्या सिनोनिम क्रक्स यानी किसी भी चीज का बेसिकली निचोड़ प्रपोजल एटिकेट ड्राफ्ट नहीं होगा एसेंस आपका करेक्ट हो जाएगा आगे सी बिलीव्ड सी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स सो so, जिसको ब्लेम करते हैं तो स्केप गोट होता है ना सुमेडा स्केप गोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बली का बकरा जो होता है ना आगे देखेंगे अगला है आपका nobody's fool, ये इडियम होता है nobody's fool का मतलब होता है एक ऐसा हो जाएगा, नहीं, नहीं, नहीं हो आगे देखेंगे सेंटेंस में एरर देखा पूछना है आपसे दे है दे आपका सब्जेक्ट बीच में तो आपका एडवर्ब आ सकता है सीक्रेटली तो आपका आएगा ना कि सीक्रेट ठीक है सीक्रेट आपका नाउन होता है सीक्रेटली आपका एडवर्ब होता है और सीक्रेटिव आपका एडजेक्टिव होता है ठीक है तो तो ध्यान देंगे एडवर्ब की जरूरत थी तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन पहला वाला नेक्स्ट देखेंगे अब ये है आपका क्लोजटेस्ट एंड दिस इज दास्ट क्लोज टेस्ट ऑफ द वीडियो ठीक है तो भाई लाइक शेयर करेंगे एक बार सारे आंसर इसके तो कम से कम बताई दो सर कमेंट बॉक्स में लिखी दो चलो

फोर ऑन टू या अमंग से मार्जनाइट ग्रुप अमंग से एक है ठीक है जैसे हम कह सकते हैं सोसाइटी या ही इज अमंग मतलब कोई भी जैसे बुक है हमारी ये बुक है हम कह सकते हैं इट इज अमंग देशर्स ठीक है तो ऐसे करके कह सकते हैं अमंग बेसिकली वन ऑफ के सेंस में आता है, है ना आगे देखेंगे द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश इनको क्या किया गया है ऊपर ही लिखा था हमने मार्जिनलाइज इनको किया गया है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मार्जिनलाइज मार्जिनलाइज करने का मतलब है इनको एक साइडलाइन कर देना ठीक है यानी कि उनको उतना चीजें हक नहीं मिला है, जितना उनको मिलना चाहिए था यही मतलब होता है सोशली इकोनॉमिकली कल्चरली डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग मतलब वे अभी भी किसमें हैं दे आर स्टिल अंडर अबंडस्ट रिवर या पॉवर्टी सिंपल <laughs> सी बात है सफरिंग एंड पॉवर्टी होगा यार ठीक है सो so, रिवर के और सफरिंग के बीच में फॉरेस्ट और सफरिंग के बीच में नहीं होंगे बेसिकली क्या होगा पॉवर्टी गरीबी की बात कर रहे हैं ना दे आर फोर द डैस अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट दैट द एंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टिड इसका मतलब इसीलिए इसका मतलब ये कहा गया है सो द रिजेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ़ एक्सक्लूजन ऑफ या एलिवेशन ऑफ बेसिकली यही कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति को मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बना दिया जाए बॉस तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पूरी कम्युनिटी का भला हो जाएगा सो एलिवेशन ऑफ बेसिकली ये हमारे प्रेसिडेंट की ही बात कर रहे हैं जो कि

आरजी विक्रमजीत ऐप पर जाके आप बैच चेकआउट कर सकते हैं ठीक है बाकी मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें एक बार फिर बता दू आप यूट्यूब पर जाके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की और बारह घंटे वाली वीडियो जरूर देखें इंग्लिश रामबाण किताब जरूर चेकआउट करें और हमारे कॉम्बो बैचेस भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं आप जिसमें सारे टीचर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं हर एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है ठीक है ये हमारा फाउंडेशन बैच है वो हमारा मेन्स का बैच था फाउंडेशन बैच का भी कॉम्बो होता है साथ ही साथ में हमारी बुक्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस बुक हमारी बहुत जबरदस्त किताब है इंग्लिश सीजियल वॉरियर एक बहुत खूबसूरत ही शानदार सी किताब है मजा आ जाएगा आपको पढ़ के ये किताब को भी और एक हमारी इंग्लिश रामबाण बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश रामबाण का कोई तोड़ नहीं है कतई भाई तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं सब चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी टेलीग्राम बुक एफ वंडर बाई प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल दोनों ही हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी ज्वाइन इन दोनों को ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें और प्रशांत अंडर स्कोर सोलंकी अंडर स्कोर इंग्लिश ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इंस्टाग्राम पर हमसे जरूर जुड़े अगर आपको चीजें पसंद आई हैं अच्छी लगी हैं तो मेरे भाई एक लाइक और शेयर करके जरूर बताएं आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत